हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी नया चैप्टर क्लास फोर्थ मैथ्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और हमारे नए चैप्टर का नाम है हाफ्स एंड क्वार्टर्स सो so क्या मतलब है हाफ्स एंड क्वार्टर्स का और ये जो फोटो बनी हुई है यहाँ पे एक प्यारे से बच्चे की ये तो फुली कंफ्यूज दिख रहा है राइट क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हाफ का मतलब क्या होता है और क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है सो so बेसिकली यहाँ पे हम इस चैप्टर में एक नई चीज सीखने जा रहे हैं एक तरीके से जिसको मैं डिवीजन कह सकती हूँ किसी भी चीज को कुछ हिस्सों में आप डिवाइड करोगे तो उनमें से ही कोई हिस्से हाफ कहलाते हैं और कुछ हिस्से कहलाते हैं क्वार्टर्स अब किस चीज को हाफ बोलते हैं और किसको बोलते हैं क्वार्टर्स उसके लिए तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत हमको पढ़ने वाली है तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक बेसिक थोड़ा सा तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखो एक ये, ये जो कंप्लीट यहाँ पे क्या है एक पिज्जा मान सकते हैं हम हमके एक पिज्जा रखा हुआ है यहाँ पे और ये पूरा एक पिज्जा है गोल राइट और उसी पिज्जा को इधर क्या करा चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ना क्योंकि चार लोग होंगे खाने वाले तो सब एक एक पीस खा सकते हैं और वही दूसरे पार्ट में उस पिज्जा को सिर्फ दो हिस्सों में ही डिवाइड किया गया था तो दो ही लोग होंगे खाने वाले आधा आधा पिज्जा दोनों ने खा लिया तो ये कुछ डिविजन से ही रिलेटेड है अगर मैं बोल रही हूं कि किसी एक पूरी चीज को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो उसको हाफ बोलेंगे या क्वार्टर उसको हम बोलेंगे हाफ कि मैंने एक कंप्लीट चीज को अगर दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उसको हम बोलेंगे कि मैंने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया वही अगर मैं कहूं कि मैंने एक कंप्लीट चीज़ को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है तो मैं बोलूंगी कि वो जो एक हिस्सा है वो क्या कहलाएगा क्वार्टर कहलाएगा यस yes, स्टूडेंट इसको हम वन फोर्थ के हिसाब से भी लिखते हैं अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं। वन फोर्थ का मतलब है फोर जो नीचे लिखा है ये बता रहा है हमको चार इक्वल पार्ट्स फोर इक्वल पार्ट्स और ऊपर जो वन है वो बता रहा है कि इन फोर इक्वल पार्ट्स में हम एक पार्ट की कर रहे हैं बात इसीलिए अगर आप किसी कंप्लीट चीज को चार इक्वल इक्वल पे ध्यान देना आप किसी भी चीज को चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो पर मेन है कि उसको चार इक्वल पार्ट्स में यानी कि बराबर बराबर चारों हिस्से होना चाहिए तब जाके उनमें से एक हिस्सा क्या कहलाएगा क्वार्टर कहलाएगा तो थोड़ा सा तो क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा आपके जो हमारा नया चैप्टर है वो हमको हाफ और क्वार्टर का मतलब क्या समझाना चाह रहा है पर उसके पहले अब अपन आगे बढ़े आज की क्लास में मैं एक अच्छा पूरा ओवरव्यू आपको दे दूंगी कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या आगे पढ़ना है इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में हमने कौन सा चैप्टर किया था फिनिश पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे आपके क्लास फोर्थ मैथ्स से ही चैप्टर का नाम था कार्ड्स एंड व्हील्स और कार्ड्स एंड व्हील्स में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी थी नई नई चीजें सीखी थी जिसमें मेन पार्ट था सर्कल का सर्कल क्या होता है कैसे ड्रॉ करते हैं कंपस क्या होता है कंपस की हेल्प से सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या होता है सर्कल का सेंटर कैसे पता चलता है उसका रेडियस क्या रेडियस के ऊपर सर्कल सर्कल का साइज डिपेंड करता है ये सारी बातों का आंसर आपको मिल गया था हमारे पिछले चैप्टर में जिसका नाम था कार्ट्स एंड व्हील्स सो ये चैप्टर हमने बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में ही खत्म किया है तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर खत्म हो गया उसका आपको अच्छे से रिविजन करते रहना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था उसके बाद अब आज की क्लास से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हाफ एंड क्वार्टर्स तो सबसे पहले आपके बुक में आपकी क्लास फोर्थ की मैथ्स मैजिक बुक में सबसे पहले इस चैप्टर में दी हुई है एक स्टोरी अब मैंने आपको हाफ़ एंड क्वार्टर का मतलब इसीलिए समझा दिया पहले से ही क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज दी हैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग और इन स्टोरीज को ही पढ़कर हमको क्या करना है हमें समझना है हाफ्स एंड क्वार्टर्स के बारे में तो स्टोरीज से पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल बनी जाएगी ना फिर लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा लगेगा ये तो कोई हमको स्टोरी सुना रहा है सो इसीलिए आपकी बुक को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो वेरी फर्स्ट स्टोरी यहाँ पर दी हुई है आपकी बुक के पेज नंबर 94 पर स्टोरी है मिंटू कैट और मोटू कैट की ये दोनों फ्रेंड्स हैं और वहीं पे एक ये दोनों जो कैट हैं उनके साथ में यहाँ देखो एक क्या रखा हुआ है चपाती रखी हुई है रोटी रखी हुई है अब क्या है इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये सब बच्चों को पता होती है बचपन में मतलब इसीलिए आपके क्लास फोर्थ में रख दी गई है जब मैं भी क्लास फोर्थ में थी तब मैंने भी ये स्टोरी बिल्कुल पढ़ी थी है ना सो ये जो कैट्स की स्टोरी है जिसमें बीच में कौन आ गया एक मंकी आ गया है और ये मंकी इन कैट्स को अच्छा खासा सबक सिखाने वाला है अब वो क्या सिखाने वाला है कैट्स को वो हम जानेंगे जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट हमें दिया है हाफ हाफ़ हाफ हाफ मतलब इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी चीज़ को हम हाफ़ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसका हर एक हिस्सा क्या होगा और कितना इक्वल पार्ट्स हमको मिलेंगे उसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे तो इस टॉपिक में हमको हाफ हाफ पढ़ना है नेक्स्ट हाफ हाफ के बाद दिया है हाफ ऑफ हाफ अब हाफ हाफ का मतलब आधा आधा होता है है ना लेकिन हाफ ऑफ हाफ का क्या मतलब होता होगा बच्चों हाफ ऑफ हाफ इसको अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करके अगर आपको बताऊं तो आधे का आधा हाफ ऑफ हाफ मतलब कि ऑलरेडी कोई चीज आधी है उसका भी आधा कर दो आप तो क्या मिलेगा आपको तो हाफ ऑफ हाफ मतलब आधे का भी आधा तो आधे का भी आधा करने पे हमको कितने पीसेस मिलते हैं कैसे हम हाफ ऑफ हाफ करते हैं क्या उसी को हम क्वार्टर बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है इस वाले टॉपिक के अंदर आगे अगर हम बढ़े हाफ ऑफ हाफ के बाद तो नेक्स्ट दिया है हाफ ऑफ मेनी पीसेस यानी कि कहीं कभी आपको बहुत सारे पीसेस मिल जाए उसका कोई आपको हाफ करने बोले तो कैसे करोगे और बहुत सारे पीसेस कहाँ मिलते हैं मोस्टली चॉकलेट्स में राइट right? चॉकलेट्स जो मिलती हैं उसमें इस तरीके के डिविजन करके मिले होते हैं कि सब एक एक क्या कर ले एक एक ये जो ब्लॉक है वो खाते जाओ पर हमारा मन कहाँ मानता है है ना अपन को तो चॉकलेट देखते ही बिल्कुल प्यार आ जाता है चॉकलेट पर और पूरी खानी होती है बट अकेले हो तो तो बढ़िया है लेकिन अगर दो लोग हो शेयर करने के लिए फिर कैसे चॉकलेट खाएंगे फिर तो देखो लड़ाई होने वाली है बिल्कुल बिल्कुल फाइट हो सकती है अगर आप आपके कज़न्स के साथ हो और एक चॉकलेट हो तो उस केस में ऐसा कर सकते हैं यही किया जाता है मोस्टली कि आप उस चॉकलेट को बिल्कुल हाफ में डिवाइड करो अब यहाँ पर तो बहुत सारे पीसेस हैं उस चॉकलेट के हाफ़ में कैसे डिवाइड करेंगे एक पीस होता तो उसको बिल्कुल आधा तोड़ के हाफ़ में डिवाइड कर देते तो वही चीज़ हमको यहाँ से सीखनी है कि हाफ़ ऑफ मेनी पीसेस कैसे किया जाए कि जब कहीं हमको बहुत सारे पीसेस दिए हों किसी चीज़ में उसमें हमको आधे आधे पीसेस डिवाइड करने हैं दो पार्ट्स में तो वो हम कैसे करेंगे सॉल्व तो ये है इसका मतलब हाफ ऑफ़ मैनी पीसेस का नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया हुआ है मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट कोई एक शीट है पेपर की शीट नॉर्मल पेपर है शीट है कुछ भी हो सकता है कलरफुल शीट ले लो नॉर्मल आपकी कॉपी में से एक पेपर ले लो तो उस शीट में से हमको क्या करने होंगे इस टॉपिक में अलग अलग ऐसे दो ट्रायंगल्स कट करने होंगे इक्वल साइज के और इन ट्रायंगल्स की हेल्प से हमको खूब सारे अलग अलग डिजाइन और शेप्स बनाने होंगे अब वो कैसे बनाना है तो ये तो हम आगे इस टॉपिक में ही जानेंगे बाकी इतना समझ लो कि इसके लिए एक शीट लेकर रखना सीजर्स लेकर रखना जिससे हम बहुत ही प्यारे से हम ट्राइंगल्स यहाँ पे ब्यूटिफुल कट कर सकें नेक्स्ट तो यहाँ कुछ यहाँ पे हमें इस तरीके के डिज़ाइंस बनानी हैं उन दो ट्राइंगल्स से आगे दिया है मैनी वेज टू कट इन टू हाफ मैनी वेज मतलब बहुत सारे तरीके हैं मैनी वेज का मतलब बहुत सारे तरीके अब बहुत सारे तरीके किस चीज के लिए टू कट इन टू हाफ यानी कि किसी भी चीज को आधे में कट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं ऐसा नहीं है कि आपको एक चपाती है आपके पास तो उसको इस तरीके से कट करो तभी वो आधी कट हो आप उसको कुछ और तरीके से भी कट कर सकते हो कैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसको कट कर सकते हो बस ध्यान रहे कि दोनों तरफ जो फिर पार्ट निकले वो पार्ट कैसा हो दोनों बराबर हो तभी हम उसको बोलेंगे कि वो हाफ में डिवाइड हुआ है तो सिर्फ एक डायरेक्ट तरीका नहीं होता किसी भी चीज को आधे में कट करने का हाफ में डिवाइड करने का एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं बस ध्यान रखने वाली बात कौन सी होती है ध्यान हमको बस ये रखना होता है कि जब हाफ में कोई चीज़ डिवाइड हो गई आधे आधे में कोई चीज़ डिवाइड हो गई तो जो दोनों हिस्से हमको मिले हैं डिवाइड होने के बाद वो बराबर होना चाहिए तभी हम बोल पाएंगे कि ये हाफ में डिवाइड हुआ है क्लियर कहानी तो ये चीज़ ध्यान में रखना सब लोग छोटी छोटी बातें हैं जो भूल जाओ तो फिर आंसर जल्दी से गलत हो सकता है तो इसमें बहुत सारे वही तरीके देखने हैं हमको कि किस किस तरीके से इनको हम ब्लॉक्स को रेक्टेंगल्स को हाफ में डिवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कटिंग द केक ओके यहाँ तो मतलब एक के बाद एक अच्छी अच्छी चीज़ें आती जा रही हैं अभी थोड़ी देर पहले चॉकलेट देखी थी और अब टॉपिक आ गया है केक का सो so, केक तो सबको ही पसंद रहता है राइट right? और आपको भी अब तो खाने का मन कर रहा होगा पर अब यहाँ हमको केक खाने नहीं मिलने वाला यहाँ एक्चुअली केक के ऊपर एक स्टोरी दी हुई है क्या है स्टोरी लिखा है यहाँ पे रजनीज फादर बॉटर केक ओके रजनी की स्टोरी है ये उसके पापा केक लेकर आए हैं अब केक को कट करना है तो किस पार्ट्स में कितने पार्ट्स में कट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ केक के थ्रू क्या समझेंगे हाफ और क्वार्टर्स के बारे में समझेंगे नेक्स्ट अगर अपन बढ़े इसमें तो बहुत सारे और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन दिए हुए हैं कटिंग द केक के ऊपर इन सारे क्वेश्चंस को हमको डिस्कस करना है और हर एक का आंसर भी हमको लिखना सीखना है नेक्स्ट दिया है ग्रीडी कुंडू अब कुंदू नाम का कौन है एक ग्रीडी मैन है यानी कि बहुत ही लालची इंसान है तो ये जो लालची इंसान है कुंदू नाम का अब वो किस चीज़ के लिए लालच दिखा रहा है क्यों है ग्रीडी ग्रीडी मतलब उसको हर चीज़ ज्यादा ज़्यादा चाहिए होती है फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मार्केट गए हो सब्जी खरीदने के लिए अब अपन मार्केट में गए सब्जी वाले ने बोला कि ये जो एक चीज़ है ये आपको बीस रुपए की मिलेगी पर कुंदू तो बहुत ग्रीडी है वो क्या कहने लगता है कि नहीं नहीं बीस की नहीं चाहिए मेरे को इसको दस रुपए में दे दो मेरे को तो वो भगा देगा शॉपकीपर है ना कि ऐसा थोड़ी होता है यार इतना कोई कम नहीं करता है पर कुंदू तो नहीं मानता वो क्या है बहुत ज्यादा ग्रीडी यानी कि लालची इंसान है उसको तो सस्ते में चाहिए चीजें और ज्यादा चीज़ें चाहिए मतलब उसका मोटिव लाइफ का इतना है कि कम से कम वो पैसा खर्च करे बहुत कम मनी स्पेंड करे वो और ज्यादा से ज़्यादा उसको चीजें मिल जाएं उस पैसे के बदले अब हमेशा ऐसा थोड़ी होता है आप जितनी अच्छी चीज़ खरीदने जाओगे उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको लेकिन अगर ऐसा है कि आपको बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना जरा सा पैसे में आपको चीजें चाहिए तो, तो फिर आपको बुरी क्वालिटी की ही चीज़ें मिलने वाली हैं ये फोर् श्योर है तो अब कुंदू क्या ख़रीदने गया था और कहाँ उसने अपना ग्रीडीनेस दिखाया लालच दिखाया वो हम पढ़ेंगे इसकी स्टोरी में कौन सा नाम है ग्रीडी कुंदू आगे बढ़े अगर तो इससे रिलेटेड बहुत सारे हमको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं यहीं स्टोरी में है ना आगे स्टोरी भी बढ़ानी है हमको इसमें और उसके बाद है यूजिंग अ प्राइज लिस्ट प्राइज लिस्ट का यूज़ करना है तो देखो क्या होता है कि एक प्राइज लिस्ट बनी होती है अब अब ये हमको शॉप्स शॉप्स पे ज़्यादा देखने नहीं मिलती लेकिन अगर जो नई नई खुल गई हैं जो मॉल्स से अपन सब्जी खरीद कर लेकर आते हैं वहां जरूर ऐसी प्राइस लिस्ट हमको देखने मिल जाती है उसमें क्या लिखा होता है एक फिक्स्ड प्राइस लिखा होता है यानी कि वहां पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते आप वहां तो उनका प्राइस क्या है फिक्स है जैसे कि यहाँ पे लिखा है टोमेटो और पर के जी यानी एक किलो कितने के हैं आठ रुपए के तो अगर इस लिस्ट में लिखा है कि टोमेटो वन केजी, रुपीस के जी एट रुपीज के हैं तो अगर आप वन के जी ले रहे हो तो आपको एट रुपीज देने पड़ेंगे और अगर आप वन से आधे ले रहे हो टमाटे यानी कि हाफ के जी ले रहे हो तो हाफ रुपए देना पड़ेंगे तो आठ के आधे कितने हो जाएंगे चार तो इसी हिसाब से हमको इस प्राइस लिस्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व कि हम कौन सी चीज़ कितना लेंगे तो उसका जो फाइनल मैं बोल सकती हूँ बिलिंग है वो कितनी होगी क्योंकि अगर ये जो प्राइस दिया है वो एक एक किलो का दिया है कि अगर एक किलो आप टोबैटो ले रहे हैं तो वो एट रुपीज़ के होंगे वन के जी पोटैटो ले रहे हैं तो वो ट्वेल्व रुपीज़ के होंगे अगर वन के जी अनियन ले रहे हैं तो टेन रुपीज़ की मिलेंगी कैरेट ले रहे हैं आप वन के जी तो दे विल बी कॉस्ट सिक्सटीन रुपीज़ एंड अगर पम्पकिन आप खरीद रहे हैं तो वन के जी पंपिन का मिलेगा और यहाँ जो बच्ची खड़ी हुई है उसके पास देखिए एक हाथ में कुछ रुपए रखे हुए हैं कुछ नोट्स हैं और दूसरे हाथ में उसके एक लिस्ट है यानी इसकी मम्मा ने बिल्कुल लिस्ट तैयार करके भेजा होगा इसको कि ये ये चीज लेकर आनी है और कितनी क्वांटिटी लेकर आनी है वो भी यहाँ पर लिस्ट में लिखा है इस लिस्ट में सबसे पहली बात यहाँ क्या लिखी है देखिए सबसे पहले इस लिस्ट में लिखा है पोटैटो हाफ के जी वन बाई टू का क्या मतलब होता है हाफ होता है यानी कि आपको पोटैटो कितने खरीद के लेना है आलू कितने खरीदना है आधा किलो हाफ के जी लेना है नेक्स्ट लेना है पंपकिन और पंपकिन लेना है टू के जी के बराबर सो so, पंपकिन का रेट यहाँ वन के जी का क्या है फोर रुपीज है तो टू के जी पंपकिन कितने का आएगा कैसे उसको निकालेंगे ये हम कैलकुलेशन इस टॉपिक में करने वाले हैं नेक्स्ट दिया है, है कैरेट ट है वन के जी तो मतलब एक किलो वन अपॉन टू मतलब हाफ के जी यानी आधा किलो तो अब ये वन फोर्थ के जी का क्या मतलब है तो जब स्टार्टिंग में हम कुछ स्टोरीज पढ़ रहे थे ना हाफ हाफ ऑफ हाफ, हाफ, हाफ और हाफ हाफ जब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में उसमें हाफ ऑफ हाफ वाले में हम समझेंगे वन बाय फोर्थ का मतलब क्या होता है एक्चुअली वन अपॉन फोर जैसे कि मैंने आपको बताया वन बाय टू तो हमने देखा जो नीचे वैल्यू लिखी रहती है वो टोटल अमाउंट बताता है कि टोटल दो इक्वल पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो उस एक पार्ट को हम वन बाय टू कहेंगे अब वहीं अगर कोई क्या लिख दे वन बाय फोर इसका मतलब अब टोटल क्या है किसी चीज के चार बराबर हिस्से हैं उन चार हिस्सों में से हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं तो उस एक हिस्से को हम बोलेंगे वन फोर्थ इसका मतलब यहाँ जो कैरेट खरीदनी है उसको वो वन फोर्थ के जी खरीदनी है यानी एक किलो के आप चार बराबर हिस्से करो उनमें से एक हिस्सा जो है उतना बराबर चाहिए उसको कैरेट क्लियर कहानी तो ये चीजें हमें सीखनी है क्लास फिफ्थ में पूरा एक नया चैप्टर भी मिलेगा आपको सेम इसी तरीके से तो उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा इन्हीं चीज़ों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो क्लास फिफ्थ के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है कुछ टाइम पहले ये चीज़ तो यहाँ आपके लिए शुरुआत हो रही है है ना यहाँ आप अभी सिर्फ हाफ और क्वार्टर्स के बारे में सीख रहे हो फिर आगे जाके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई तो आगे की क्लासेस में दिक्कत होगी ये मैं बता रही हूँ आपको है ना तो चलिए इसके बाद यूजिंग अ प्राइस लिस्ट से हम क्या करेंगे हमें एक लिस्ट दे दी कि एक किलो कोई भी चीज कितने रुपए की आ रही है तो अब उस बेसिस पे हम निकाल लेंगे कि भाई फिर जितना चीज हमको खरीदनी है उसकी प्राइस क्या होगी क्लियर आगे बढ़ते हैं अपन यूजिंग अ प्राइज लिस्ट के बाद है प्रैक्टिस टाइम अरे बड़े दिनों से प्रैक्टिस टाइम नाम नहीं देखा था प्रैक्टिस टाइम पेज 101 पे दिया है यानी कि अब आपका टाइम आ गया है क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करने खूब सारे कंसेप्ट और स्टोरीज से हमने नई नई चीज़ें सीख ली हैं और अब हमको क्वेश्चन करने हैं सॉल्व तो वो हम यहाँ देखेंगे ए क्वेश्चन है बी क्वेश्चन है सी क्वेश्चन डी क्वेश्चन ई एफ जी एच तो ये इतने सारे ए से लेके एच तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं वही हाफ्स और क्वार्टर्स पे बेस्ड इनफैक्ट कलरिंग वाले भी कुछ क्वेश्चन हैं इसमें यानी कि हमको कलर करने का मौका मिलेगा और जहां भी कलर करने का मौका मिले उसको तो वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए है ना सो so, हम वहां पे वो सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है प्रैक्टिस टाइम में उसके आगे हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर अब मीटर क्या होता है आपने सुना होगा क्या कि अगर कोई आप रस्सी खरीदने जाओ या कपड़ा खरीदने जाओ किसी चीज के लिए तो ये जो रस्सी या कपड़ा ये सारी चीजें कैसे नाप के मिलती हैं मीटर्स में मिलती हैं। कि एक मीटर रोप चाहिए मुझे या एक मीटर लंबा पाइप चाहिए मेरे को या चार मीटर लंबा कपड़ा चाहिए मेरे को तो ये जो चीजें हैं ना एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं इनकी लेंथ लंबाई को नाप रहे हैं इन चीजों की तो मीटर क्या है लेंथ नापने की एक यूनिट है अब ये यूनिट क्या होती है तो बहुत सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो तरीका ये है कि जैसे कि आपका वेट होता होगा स्कूल में आपका हाइट और वेट नापा जाता है आपका वजन और आपकी हाइट तो हाइट का एम नापी जाती है मोस्टली सेंटीमीटर्स में नापते हैं वो और फिर उसको ही वो फीट और इंच में कन्वर्ट करके हमको बता देते हैं ना तो या तो सेंटीमीटर में बता देते हैं सीधा कि आपकी हाइट इतने सेंटीमीटर है यानी आपकी लंबाई इतने सेंटीमीटर या इतने फिट है पर <laughs> अगर मैं वेट कहूँ ठीक है और वेट की बात करें यानी कि वजन की बात करें तो वजन का एम नापते हो आपका वज़न कितना है 20 किलोग्राम 20 किलो वज़न है 20 किलोग्राम वज़न है आपका तो ये जो किलोग्राम कह रही हूँ मैं 20, तो ये जो किलोग्राम है ये वज़न यानी वेट नापने की यूनिट है इसी तरीके से जो मैंने कहा आपकी हाइट बताते हैं पाँच फिट हाइट है तो फाइव फुट हाइट तो ये जो फुट है ये क्या है ये हाइट नापने की एक यूनिट है यूनिट का मतलब समझे इसी तरीके से लंबाई नापने की और यूनिट क्या है सेंटीमीटर है मीटर है ये सारी यूनिट्स हैं तो इन यूनिट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि एक मीटर अ मीटर का मतलब कि एक मीटर का हाफ करूं मैं तो वो कितना होगा और एक मीटर का ही क्वार्टर करूं क्वार्टर मतलब उसको चार हिस्सों में डिवाइड करूं तो फिर मुझे एक हिस्सा कितना मिलेगा ये चीज हमको यहां पर फाइंड करनी है और यकीन मानो सुनने में जितनी अजीब सी सी, सी कि किससे बनता है 100 सेंटीमीटर से मिलके बनता है सेंटीमीटर स्केल तो हमारे पास भी है जो हम बॉक्स में रखते हैं उसमें नंबर्स कहां तक लिखे होते हैं सेंटीमीटर में जीरो से लेके 15 तक उससे बड़ा आता है एक स्केल उसमें नंबर जीरो से थ्री जीरो थर्टी तक यानी कि जहाँ फिफ्टीन तक नंबर है यानी कि वो स्केल आपका फिफ्टीन सेंटीमीटर का है जहां थर्टी तक नंबर है वो स्केल आपका थर्टी सेंटीमीटर का है लेकिन यहां मैं कितने सेंटीमीटर की बात कर रही हूँ हंड्रेड सेंटीमीटर्स काफी ज्यादा हो जाएगा यहाँ तक कम से कम आप खुद सोचो आप फिफ्टीन फिफ्टीन सेंटीमीटर का स्केल आगे बढ़ाते बढ़ाते देखना कि शुरुआत में एक मार्क लगा लेना और सीधे सीधे लाइन में वो आगे लेते जाना फिफ्टीन 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 कब तक जब तक वो टोटल मिला के हंड्रेड ना हो जाए तो देखना फिर कि हंड्रेड सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है उतने बड़े हिस्से को 100 सेंटीमीटर की लंबाई को हम क्या बोल देते हैं वन मीटर बोल देते हैं तो ये चीज याद रहेगी अगर तो फिर इस एक मीटर को हाफ यानी आधे में और क्वार्टर मतलब चार हिस्सों में डिवाइड करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्लियर कहानी आगे बढ़ते हैं so, यहां पे हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर हम समझ लेंगे यहां पर और बहुत से क्वेश्चंस भी हैं यहाँ कन्वर्ट करने के तो वो भी हम यहां सॉल्व करेंगे नेक्स्ट हमें मिलेगा शेयरिंग मिल्क अब एक और हमें क्या मिल गया है स्टोरी मिल गई है और ये स्टोरी दी हुई है आपकी क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक के ही पेज नंबर वन जीरो फोर पर अब टॉपिक है शेयरिंग शेयरिंग मिल्क 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 अब मिल्क का क्या मतलब होता है कि कि को आप शेयर कर रहे हो, रहे हो हो यानी बांट तो अब किस तरीके से आप मिल्क को बांटोगे हो सकता है बोला हो कि भाई एक दूध की बोतल है एक मिल्क की बोतल है उसको चार लोगों में बांटना है तो आप कितना कितना मिल्क दोगे सारे चार लोगों को ताकि वो सबको इक्वल मिले तो ये सारा शेयरिंग ऑफ मिल्क हम सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर इस स्टोरी के थ्रू आगे अगर हम बढ़े तो दिया है बैलेंस द वेट अब वेट का मतलब क्या होता है मैं W ए I T वाला वेट नहीं कह रही एक बोलते हैं कि वेट वेट आई टेल यू समथिंग तो वो क्या है रुको रुको मैं कुछ बताती हूं आपको वेट एक वेट होता है रुको डब्ल्यू ए आई टी पर यहां क्या है यहां है डब्ल्यू आई जी H टी ये कौन सा वेट है वजन वाला वेट है कि आपका वेट कितना है आपका वेट ट्वेंटी के जी है मेरा वेट कितना है मेरा वेट सिक्सटी के जी है तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं वेट वाली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बैलेंस द वेट वेट को बैलेंस करना है बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है अगर आपने मेजरिंग स्केल्स देखे हों तो बैलेंसिंग मतलब एक तरफ तराजू पर जितना वज़न है दूसरी तरफ भी उतना ही वज़न रखो और दोनों बिल्कुल बीच में आके रुक जाएं कहीं पे तो वो बैलेंस्ड हो गया अगर ऐसे ऊपर नीचे हैं इस तरीके से तो वो बैलेंस नहीं है तो वेट बैलेंस करना यहाँ हम सीखेंगे इसमें हमें देखेंगे कि अगर हमने एक साइड वन के रखा है तो दूसरे साइड हम कितने ग्राम्स रखें ताकि वो वेट क्या हो जाए बैलेंस हो जाए तो क्या वन के जी और कुछ ग्राम्स में भी रिलेशन है तो मैं बता दूं सीक्रेट कि जैसे वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं ना यानी हंड्रेड सेंटीमीटर से वन मीटर बनता है ऐसे ही वन थाउजेंड ग्राम्स मिलाकर वन किलोग्राम बनता है किसी को बताना मत बट आप जरूर याद रखिएगा क्लियर तो उससे ही हम क्या करेंगे वेट को बैलेंस करना सीखेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे फिर है वाई इज इट रॉन्ग अब कुछ चीज हो गई है गलत अब वो गलत क्यों हो गई यहाँ पे कुछ कलर करके हमें हिस्से बताए गए हैं बोला है इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया चार हिस्सों में डिवाइड किया तो एक हिस्सा क्या होना चाहिए वन फोर्थ होना चाहिए पर ये वन फोर्थ नहीं है क्यों ऐसे ही इधर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया तो एक हिस्सा हाफ कहलाना चाहिए आधा कहलाना चाहिए पर वो वन बाय टू नहीं कहला रहा है ऐसा क्यों है तो ये चीज यहाँ पे हमको गलती फाइंड करनी है कि ऐसी गलती यहाँ पर क्यों हो रही है नेक्स्ट आगे प्रैक्टिस टाइम फिर से आ गया ये प्रैक्टिस टाइम अलग है पहले वाले से अब ये वन जीरो सिक्स पेज नंबर पे दिए हैं कुछ क्वेश्चंस इनको हमको क्या करना है सॉल्व करना है सो so, ये एक और हमारा प्रैक्टिस टाइम मिल रहा है हमको एंड देन व्हाट? यहाँ पे कौन आ गया है यहाँ पे ये यह क्या कोई टॉपिक है आपकी बुक में नहीं यहाँ तो लिखा हुआ है चैप्टर कंप्लीटेड यानी कि बस इतने सारे जो अभी तक मैंने आपको टॉपिक बताए इन्हीं टॉपिक्स को आपको क्या करना है पढ़ाई पढ़ा करनी है आपको क्लास फोर्थ मैथ्स के चैप्टर तो का जिसमें मीटर -मीटर रिलेशन, -ग्राम -ग्राम रिलेशन और क्या समझा हमने हाफ का मतलब समझा क्वार्टर का मतलब समझा और पूरा एक आइडिया हो गया आपको कि अब मैं इस चैप्टर में क्या क्या आगे पढ़ाऊंगी सो so दैट आपको जो भी चीजें पढ़नी हैं वो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना तो वो आपको एश्योरेंस हो जाएगा तो अगली क्लास हम शुरू करेंगे कहाँ से नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे शुरुआत से वो शुरुआत में कौन सा वो जो कैट और मंकी वाली स्टोरी थी वहाँ पे हम यहाँ पे इस स्टोरी से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास की और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज हम पढ़ाई कर सकें तो आपको क्या करना है तब तक जो पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ उनको रिविजन करते रहना ऐसा नहीं होना चाहिए कि नए चैप्टर्स पढ़ के वो तो आसानी से समझ में आ रहे हैं पर क्योंकि पिछले चैप्टर्स को पढ़ा काफी दिन हो गया तो उनको भूल गए तो भूलना नहीं है रिविजन करते रहना है और आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम वहां आपको क्लास फोर्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर्स सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे और इतना ही नहीं आप खूब मन लगा के पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ क्योंकि यहीं पर आपको पहले दो चैप्टर्स पढ़ाने के बाद आगे के कोर्स के कोई पैसे नहीं मांग रहा आपसे हाँ बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स अपने बेस्ट वीडियो क्लासेस सारे चैप्टर्स कंप्लीट कोर्स वीडियोस दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए सो कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं नया नया चैप्टर क्लास फोर्थ से और नए नए चैप्टर का नाम है हाफ एंड क्वार्ट और ये पहली क्लास नहीं है प्यारे बच्चों पिछली क्लास में ऑलरेडी मैं आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे चुकी हूँ वहाँ हमने देखा था कि इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें नई नई सीखनी है और उन सारे टॉपिक्स पे मैंने आपको छोटा छोटा इंट्रोडक्शन भी दिया था जहाँ पे हमने मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम ग्राम इनके रिलेशन देखे थे और हमने हाफ और क्वार्टर्स एक्चुअली होता क्या है वो एक आइडिया ले लिया था वहां से तो अब ब्रीफली पढ़ने का टाइम आ गया यानी कि पिछले क्लास में तो मैंने पूरे सारे टॉपिक्स एक साथ आपको बता दिए थोड़ा 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 अब एक एक करके हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसमें जो नया नया चैप्टर है देखिए ये बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे और उसके ऊपर लगे हैं क्वेश्चन मार्क्स यानी कि वो तो पूरा का पूरा कन्फ्यूज है कि यार ये चल क्या रहा है ये क्या है हाफ क्या है क्वार्टर्स तो मैं इतना अश्योर आपको करवा सकती हूँ कि आप इस बच्चे की तरह कंफ्यूज नहीं रहेंगे क्योंकि आप अभी बिल्कुल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की वेरी फर्स्ट स्टोरी और ये जो स्टोरी है ये लाइफ लॉन्ग आपको याद रहने वाली है मतलब आप अपने मम्मी पापा से भी पूछोगे ना उन्होंने भी ये स्टोरी पढ़ी हुई है इतनी फेमस कहानी है ये दो कैट्स और एक मंकी की सो चलिए अपन शुरू कर देते हैं इस कहानी को और ये जो स्टोरी है ये दी है आपकी क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 94 पर सो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आओ आओ मेरे साथ रीड करो लिखा है मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स वाव मतलब नाम भी शानदार है कैट का मतलब होता है बिल्ली ये तो सबको पता है ना सो so, यहाँ पे दो कैट्स की कहानी चल रही है एक कैट का नाम है मिंटू और दूसरी कैट का नाम है मोटू अब ये कैट मोटू है क्या तो इसको मोटू बुलाते हैं अब ये तो भाई जिसने नाम रखा है उसको ही पता होगा तो अब ये जो मिंटू कैट और मोटू कैट है ये क्या है दे फ्रेंड्स यार यस yes, यानी कि ये दोनों तो दोस्त हैं तो आगे हुआ ये वंस दे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मालिनीस किचन अब मालिनी नाम की एक प्यारी सी लड़की है और उसके किचन में से ये कैट ने क्या किया एक चपाती चुरा ली यही होता है ना अगर हम भी हमारे घर का मेन डोर खोला छोड़ दें तो क्या होता है जो बिल्ली मौसी होती है जो कैट होती है वो फट से अंदर आ जाती है और कभी सोफे के पीछे छुप जाएगी कभी पलंग के पीछे छुप जाएगी और जैसे ही उसको मौका मिलता है किचन में जाके खाने के आइटम्स पे बिल्कुल वो लोग क्या करती हैं बिल्कुल चुरा के खाने की कोशिश करती हैं तो यहाँ भी यही हुआ यहाँ पे किचन था मालिनी नाम की एक लड़की का और उस मालिनी नाम की लड़की के किचन से इन कैट ने क्या किया चपाती कि एक चपाती एक रोटी स्टोल यानी कि चुरा ली रोटी लेकर और जल्दी से घर से भाग चली गई आगे दिया है आई विल टेक इट सेड मिंटू तो जो मिंटू कैट है उसने क्या कहा कि यार चुरा के लाए हैं अब रोटी तो एक ही है मैं लूंगी इस रोटी को ओके सो नो आई विल टेक इट सेड मोटू तो इसी बात पे मोटू ने भी क्या कहा कि नहीं नहीं तुम क्यों लोगी मैं लूंगी इस रोटी को तो यानी कि एक तरीके से बेचारी ये जो मिंटू और मोटू दोनों कैट्स थी वो फाइट करने लगी थी क्यों क्योंकि जो चुराके लाए थे वो सिर्फ एक ही रोटी थी वन चपाती थी तो अब वो मिंटू कह रही थी कि मेरे को चाहिए मोटू कह रही थी कि मेरे को चाहिए आगे दिया है वाइल्ड दिवर क्वेरिल केम देर केम टी टू मंकी ओके जब वो लोग क्या कर रहे थे यही बहसा भाषी कर रहे थे यानी कि आर्ग्यू कर रहे थे लड़ाई कर रहे थे कि मे को चाहिए मे को चाहिए मैं को चाहिए मे को चाहिए तो इतने में कौन आ गया वहां पर इतने में वहां पर आ गया एक मंकी और मंकी का क्या नाम था टी मंकी आ गया अब मंकी का मतलब तो पता है ना सबको बंदर सो so, जब ये दोनों कैट फाइट कर रही थी एक चपाती एक रोटी के लिए तो इतने में एक टूटू नाम का आ गया मंकी अब वो क्या कर रहा है चलो आगे पढ़ते हैं अपन दिया हुआ है हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम तो मंकी ने आके क्या बोला कि हेलो कैट्स क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ तो Why are you कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो क्यों लड़ाई कर रहे हो सो so ही ऐसा किसने पूछा मंकी ने पूछा है कैट सेट तो कैट ने मंकी से क्या बोला दोनों बिल्ली ने मिंटू और मोटू कैट ने मंकी टीटू से बोला कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो एक चपाती हम लेकर आए हैं उसको हम दोनों में कैसे डिवाइड करें मेरा मन है कि मैं पूरी चपाती ले लूं दूसरी कैट का मन है कि वो पूरी चपाती ले ले ऐसा एक कैट्स ने किससे कहा मंकी से कहा मतलब उन कैट्स को ये समझ नहीं आ रहा कि इसको डिवाइड कैसे करें है ना तो वो दोनों चाह रहे हैं कि हमें पूरी पूरी मिल जाए और हम इसी तरीके से ले सकते हैं क्योंकि चपाती तो एक ही है तो देखते हैं फिर मंकी ने क्या कहा तो देखो मंकी बोलता है ओके डोंट वरी यानी कि ठीक है ठीक है मैं समझ गया हूँ तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो बट डोंट वरी यानी कि लेकिन चिंता मत करो क्यों आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू ही सेड उसने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम मैं इस चपाती को एक रोटी को तुम दोनों में इक्वल पार्ट्स में क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा बाइट दूंगा तो आगे क्या बोला ने? क्या so, आगे है क्लेवर टी टू द चपाती लाइक like दिस। अब जो मंकी मंकी है ऐसा वैसा मंकी नहीं है कैसा मंकी है वो बहुत क्लेवर है मतलब उसको कुछ होशियारी आ रही है वो चार कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है वो क्योंकि उसने जब चपाती को डिवाइड किया तो कैसे डिवाइड किया वो पूरी एक चपाती में से कुछ हिस्सा इस तरफ और कुछ बड़ा हिस्सा इस तरफ यानी उसने इस रोटी को एक चपाती को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं किया एक हिस्सा देखो थोड़ा छोटा है दूसरा हिस्सा देखो थोड़ा सा बड़ा है तो ये तो कोई बात नहीं हुई जब दोनों कैट्स जो है वो रोटी लेकर आई हैं मालिनी के किचन से तो दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए ऐसा क्यों हो कि एक कैट को ज्यादा हिस्सा मिले और दूसरी कैट को कम रोटी मिले ये तो गलत किया टीटू मंकी ने है ना सो so, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो क्लेवर टीटू है यानी कि बहुत चतुर है वो उसने ये जो किया है ना कि आ, आधी रोटी बड़ी कर दी नेक्स्ट पार्ट उसका छोटा कर दिया तो इस रोटी को जब उसने इस तरीके से तोड़ा है तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई चाल है अब वो क्या चाल है आगे देखते हैं अपन स्टोरी में सो so, लिखा हुआ है दीज आर नॉट इक्वल द लेफ्ट पार्ट इज बिगर मिंटू एंड मोटू साइड तो मिंटू और मोटू ने क्या बोला मिंटू और मोटू कैट ने बोला कि ये जो तुमने हिस्से किए हैं इस चपाती के दे आर नॉट इक्वल नॉट इक्वल का मतलब कि वो बराबर नहीं है द लेफ्ट पार्ट इज बिगर ये जो लेफ्ट साइड का रोटी का हिस्सा है ये बिगर यानी कि बड़ा है और वो राइट right साइड वाला जो टुकड़ा है वो छोटा टुकड़ा है यानी कि तुमने इस एक चपाती को गड़बड़ कर दी डिवाइड करने में तुमने बराबर दो हिस्से नहीं किए टी टू तो इस पे क्या हुआ टी टू ने कहा ओ नो प्रॉब्लम आई विल मेक इट इक्वल टी टू सेड टी टू ने कहा कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या तुमको ऐसा लग रहा है तुम दोनों को कि ये चपाती इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है एक हिस्सा बड़ा है और एक हिस्सा छोटा नो प्रॉब्लम यानी कि कोई परेशानी नहीं है मैं अभी भी इसको क्या कर सकता हूं सही कर सकता हूं दोनों को बराबर कर सकता हूं तो उसके लिए टीटू ने क्या कहा? He then cut कट अ पार्ट ऑफ लेफ्ट पीस एंड it। तो उसने अब देखो अपनी क्लेवरनेस दिखा दी अपनी चतुराई दिखा दी कि उसने ऐसा क्यों किया था उसने क्या किया वो जो लेफ्ट वाला हिस्सा था जो बड़ा था रोटी का उसको थोड़ा सा खा लिया यानी कि उसमें से थोड़ा सा कट कर लिया और खा लिया खुद ने कि लो भैया अब मैंने जो बड़ा सा हिस्सा था उसमें से थोड़ा सा खा लिया तो अब तो दोनों बराबर हो ही जाएंगे तो लो रोटी जो चपाती थी वो तो बेचारी मेहनत से कैट लेकर आई थी मालिनी के किचन से और उसमें से सबसे पहले किसने खा लिया टी टू मंकी ने खा लिया फिर क्या हुआ देखो फिर क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए क्या तो वो अपन देखते हैं अब आगे की कहानी में लिखा है ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर द कैट क्राइड अब जो बिल्ली है वो तो बेचारी रोने ही लगी क्यों रोने लगी उन्होंने कहा कि नाउ द राइट पार्ट इज बिगर उन्होंने कहा टीटू से कि टीटू ये तुमने क्या किया पहले तुमने लेफ्ट वाला हिस्सा बड़ा कर दिया था तो उसमें से थोड़ी सी रोटी तुमने खा ली अब तुमने कुछ ज़्यादा ही खा ली उसमें से क्योंकि अब है ये जो हिस्सा है जिसमें से तुमने रोटी खा ली वो छोटा बचा और जो छोटा वाला हिस्सा था वो अब बड़ा सा दिख रहा है यानी कि इसमें से तुमने ज़्यादा खा लिया कम खाते तो बराबर होता पर क्या हुआ फिर से परेशानी तो वही की वही है क्या परेशानी कि अभी भी दोनों हिस्से बराबर नहीं है टी टू ने लेफ्ट वाले हिस्से में से रोटी खा ली थी तो उसमें से जो है थोड़ी रोटी कम हुई पर क्या वो दूसरे के बराबर हो पाई नहीं अब वो कुछ ज़्यादा ही कम हो गई कि अब ये वाला लेफ्ट हिस्सा छोटा हो गया और राइट हिस्सा हमको बड़ा दिखने लगा तो यानी अभी भी इक्वल डिवाइड नहीं हुई है तो आई एम सॉरी टी टू टीटू ने देखा होगा कि ये जो कैट्स हैं वो तो रोने लगी क्राय कर रही हैं तो टीटू ने क्या कहा आई एम सॉरी मेरे से गलती हो गई आगे है ही कट अ पार्ट फ्रॉम बिगर पीस एंड एट इट पर टीटू तो टीटू ही है उसने क्या किया अब जो बड़ा वाला हिस्सा था राइट वाला हिस्सा है ना उसने उसमें से भी थोड़ा सा खा ली रोटी उसने सोचा मैं थोड़ा सा रोटी इसमें से खा लूंगा तो अब ये कम हो जाएगा दोनों कम हो जाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे फिर क्या अब दोनों बराबर हुए तो देखो व्हेन देयर वाज ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग ही सेड दिस इज माय शेयर फॉर द वर्क ऐसे करते-करते क्या हुआ रोटी बहुत छोटी होती चली गई एक ही तो रोटी थी उसमें से पहले उसने दो हिस्से किए जो हिस्सा बड़ा हो गया था लेफ्ट वाला उसको थोड़ा सा खा लिया अब वो जब खाया उसने तो ये हिस्सा छोटा हो गया राइट वाला बड़ा दिख रहा है हम तो उसने राइट में से थोड़ी सी रोटी खा ली अब वो छोटा हो गया ये बड़ा दिख रहा है तो ऐसे करते-करते क्या हुआ एक ही टुकड़ा छोटा सा बचा रोटी का उसको भी उसने क्या कह के खा लिया टीटू ने कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी है डिवीजन करने में रोटियों को इसको कम किया तो वो ज़्यादा हो गई उसको कम किया तो वो ज़्यादा हो गया हिस्सा तो ये जो थोड़ा सा रोटी बची है ये तो मेरा हिस्सा होना चाहिए इतना सारी मेहनत करने के लिए इतनी सारी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो वो जो क्लेवर मंकी टीटू था वो बची हुई रोटी भी खा गया तो अब इससे हमने क्या देखा तो बोल रहे हैं टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम्ड द ट्री इतना करते-करते जो आखिरी पीस बचा था रोटी का वो भी टीटू ने खा लिया इस तरीके से पूरी रोटी कौन खा गया टीटू ही खा गया चपाती दोनों कैट्स को तो बिल्कुल भी मिली ही नहीं तो इसीलिए बोला है कि ये जो टीटू मंकी है वो बहुत ही क्लेवर है उसने जानबूझकर ऐसा किया और जैसे ही उसने लास्ट पीस खाया तो वो ट्री के ऊपर क्लाइम कर गया यानी कि पेड़ के ऊपर जल्दी से चढ़ गया क्यों चढ़ा होगा ताकि ये कैट्स उसको परेशान ना करें क्योंकि ये तो बात उसने गलत करी है टी टू ने रोटी किसकी थी इन कैट्स की थी पर कैट्स को रोटी नहीं मिली वो कौन खा गया टी टू खा गया किस वजह से क्योंकि कैट खुद लड़ रही थी उनको था कि बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सा मिले दोनों को किसी को भी ज्यादा किसी को भी कम ना मिले तो इस चक्कर में उनको कुछ भी नहीं मिला तो मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही होगा कि हमको कभी भी लालच नहीं दिखाना चाहिए जितना मिल रहा है उतना खाओ और खुश रहो राइट So, आगे देखो इसी में हमें इसी स्टोरी में हाफ हाफ टॉपिक दिया हुआ है यहाँ हम हाफ के बारे में समझेंगे तो इसी स्टोरी में आगे दिया है इफ द कैट आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली हाउ विल यू डिवाइड इट यानी कि अगर कैट अगर बिल्ली आपसे पूछ रही है कि आप रोटी को यानी चपाती को इक्वली यानी कि बराबर हिस्सों में डिवाइड करो तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे ये बताना है तो आप तो कहीं क्लेवर नहीं हो कहीं आप तो ग्रीडी नहीं होना क्लेवर होना अच्छी बात है पर ग्रीडी होना अच्छी बात नहीं है लालच नहीं होना चाहिए जिसकी जो चीज है वो उसी को मिलना चाहिए है ना सो so, यहाँ पर इसीलिए बोला गया है हमसे कि अगर कैट ने आपसे बोला होता उस चपाती को इक्वली डिवाइड करने इक्वली का मतलब बराबर जितना एक हिस्सा उतना ही दूसरा हिस्सा हो तो हाउ विल यू डिवाइड इट तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे तो देखो क्या कर सकते हैं अपन की एक चपाती है अपने पास ठीक है मैं आपको एक पेपर की हेल्प से बता सकती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरे पास अब चपाती ठीक है गोल होती है पर ये जो पेपर है ये अपने पास रेक्टाइंगल है तो अब समझ लो ये एक पूरी रोटी है चपाती है अब मेरे को बोला गया कि इसको बराबर दो हिस्सों में बाँटो तो मैं पता है क्या करूँगी मैं इसको पहले इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी अभी तोड़ूँगी नहीं मैं क्या करूंगी इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी ताकि ये वाला हिस्सा इसके ऊपर कंप्लीटली रखा जाए तो ये क्या होगा आधा हो जाएगा बीच में जहां भी लाइन बनेगी वहीं से उस रोटी को क्या करूंगी मैं तोड़ दूंगी तो मुझे इस तरीके से क्या होंगे दो बराबर हिस्से मिलेंगे अगर नॉर्मली मैं ऐसे कट करती हूँ तो जाहिर सी बात है एक हिस्सा छोटा एक हिस्सा बड़ा हो सकता है पर अगर मुझे बिल्कुल प्रॉपरली uh, क्या चाहिए दो बराबर बराबर हिस्से चाहिए तो मैं क्या करूंगी पहले चपाती को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करूंगी और फिर वो जो बीच की लाइन होगी बिल्कुल वहां से ही रोटी को क्या करूंगी तोड़ूंगी सो so दैट क्या हो दोनों हिस्से जो हमको मिले वो बिल्कुल बराबर मिले तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए हम लिखेंगे आई विल फोल्ड द चपाती इन टू हाफ्स

कि मैं क्या करूंगी मैं इस चपाती को दो हाफ में क्या करूंगी फोल्ड कर दूंगी जैसे कि सर्कल को हमने फोल्ड किया था पिछली क्लास चैप्टर में पिछले क्लास में हमने देखा था सर्कल कट करे थे उनको बिल्कुल आधा फोल्ड किया था क्यों ताकि वो जिस लाइन पे हाफ हाफ दो बार फोल्ड करा हमने तो दो लाइंस जहाँ क्रॉस करें तो उनको सेंटर मिल गया था इसी तरीके से रोटी को एक बार हाफ में फोल्ड करो तो वो जो लाइन मिलेगी वो जो क्रीज मिलेगी वहीं से क्या करना पड़ेगा आपको क्रीज लाइन के ऊपर से ही आपको रोटी को कट करना पड़ेगा चपाती को तब जाके आपको दो बराबर हिस्से मिल पाएंगे क्लियर कहानी तो ये इस तरीके से हम अगर डिवाइड करते उसके लिए कैट के लिए तो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ना क्योंकि क्योंकि फिर उनको दोनों को खाने मिल जाती रोटी पर क्योंकि टीटू मंकी आ गया था वहां पे तो तो फिर कैट्स का हो गया नुकसान उनको तो कुछ भी नहीं मिला खाने है ना तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि कभी फ्यूचर में कभी आपसे कोई कहे कोई चीज को कोई एक पूरी चीज को हाफ में डिवाइड करने तो आप क्या करोगे उसको इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लोगे ताकि उसमें बीच में आधे में लाइन खींच जाए बीचो बीच ताकि उसी लाइन पे से कट करो तो दोनों जो हिस्से बाद में मिलेंगे वो बिल्कुल बराबर हिस्से मिलेंगे क्लियर कहानी आगे देखो और क्या बोला गया है इसमें आगे दिया है इफ यू डू नॉट चीट लाइक टी टू कैट विल हैव दीज पार्ट्स बोल रहे हैं कि अगर हम चीटू की तरह चीटिंग नहीं कर रहे हैं है ना तो हम तो नहीं कर रहे चीटिंग हम तो अच्छे बच्चे हैं तो बोल रहे हैं कि अगर आप भी चीटू की टीटू की तरह चीट नहीं करोगे चीटिंग नहीं करोगे तो वो जो कैट है उनको कैसे हिस्से मिलते इस तरीके से दो बराबर बराबर हिस्से उस चपाती के कैट्स को मिल जाते पर अभी तो फिर पूरा का पूरा वो टीटू मंकी ही खा गया तो कैट के पास तो कुछ भी नहीं बचा है राइट right. आगे देखो नेक्स्ट दिया है इसी में स्टोरी में हमें आगे टॉपिक है हाफ ऑफ हाफ अभी टॉपिक अलग अलग कर दिए स्टोरी वही चल रही है है ना तो हाफ ऑफ हाफ का मतलब मैंने क्या बताया था आधे का भी आधा यानी कोई एक आधी रोटी है मेरे पास है ना क्या किया एक पूरी रोटी थी उसको आधे में डिवाइड किया तो मेरे पास क्या हुई दो टुकड़े आ गए ठीक है दो पार्ट्स हो गए उस रोटी के हाफ हाफ अब हाफ का भी हाफ करो आप तो उसको बोलते हैं हाफ ऑफ हाफ यानी कि अब आपके पास क्या है आधा हिस्सा है तो उस आधे का भी क्या कर दो आधा कर दो इस तरीके से इसका भी आधा इसका भी आधा तो ऊपर क्या बचा इस तरीके का पार्ट बचा यहाँ नीचे इस तरीके से यहाँ ऊपर वाला ये बचा पार्ट और ये नीचे वाला इस तरीके से तो जब हम आधे का भी आधा करते हैं तो हमें चार बराबर पार्ट्स मिलते हैं अब इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं तो चलो उनसे ही पूछ लेते हैं तो देखिए लिखा है इफ टू मोर कैट्स कम फॉर फूड हाउ विल यू डिवाइड वन चपाती इक्वली फॉर फोर कैट्स बोल रहे हैं कि अभी तो सिर्फ दो ही कैट थी एक मिंटू और एक मोटू पर तो उन दोनों कैट्स के लिए आपने क्या करा आपने चपाती ली और उसको इस तरीके से पहले फोल्ड कर लिया जो बीच की लाइन बनी उससे तोड़ के दो बराबर हिस्से कर दिए पर क्या हो अगर दो कैट और आ जाए अब कैट्स तो बहुत सारी एक दूसरे की फ्रेंड होती हैं है ना तो अगर हो सकता है कि ये जो मिंटू और मोटू कैट है उनके पास दो कैट्स और आ जाए और चपाती एक ही हो तो फिर अब उस एक चपाती को एक रोटी को अगर आप उन चारों को बराबर बराबर देना चाहते हो तो फिर कैसे डिवाइड करोगे वो यहां हमसे पूछा गया है तो कैसे डिवाइड करेंगे बताइए जरा हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया था पिछली बार कैसे किया था डिवाइड हमने देखा था कि अगर एक ये पूरा हमारे पास चपाती है बड़ी सी इसको मैं क्या करूं पिछली क्लास में हमने दो बार फोल्ड किया था तो हमें सेंटर मिला था तो उसी तरीके से अब करना है एक बार मैं इसको फोल्ड करूं तो ये हाफ हो गया है ना आधा हिस्सा ये आधा हिस्सा ये अब इसको एक और बार फोल्ड कर दूं तो ये क्या हुआ दो बार फोल्ड हो गया तो अब जो एक हिस्सा बचा ये क्या बचा वन फोर्थ यानी कि चार हिस्सों का एक हिस्सा अब आप इसको खोलोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पेपर है इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टली एक लाइन बन गई है और एक लाइन वर्टिकली बन गई तो टोटल हमें वन टू थ्री फोर चार हिस्से यहाँ पर मिल गए हैं तो इस तरीके से आप क्या करोगे रोटी को पहले एक बार ऐसे डिवाइड करोगे ऐसे फोल्ड करोगे तो वो आधी रोटी पर डिवाइड हो जाएगी फिर उसको और इस तरीके से फोल्ड करना तो वो आधी और हो जाएगी तो जैसे कि अभी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इसको सर्क्यूलर फॉर्म में तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा देखिए ये हो गई एक सर्कुलर फॉर्म की रोटी अब ये जो सर्कुलर फॉर्म की रोटी है इसको मैंने क्या किया पहले इस तरीके से आधा करा तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गई ये दो हिस्से मिल गए मुझे एक ये वाला एक ये वाला आधी आधी रोटी हो गई अब मेरे को दो हिस्से थोड़ी चाहिए मेरे को चार हिस्से चाहिए क्योंकि चार कैट्स हैं वहां पर तो मैं इसको और डिवाइड कर दूंगी इसको एक बार और आधे में करा तो अब जो हिस्सा मिला मुझे वो चार हिस्सों में डिवाइड हो गया होगा देखो जब मैं खोलूंगी तो एक ही ऐसी लंबी लाइन और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मिलेंगी इनके बीच में ये क्या है ये टोटल एक हिस्सा दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा चार बराबर पार्ट्स में ये जो चपाती है वो डिवाइड हो जाएगी तो सिमिलरली जैसे हमने पिछले चैप्टर में सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए दो बार उसको हाफ हाफ -हा -हा फोल्ड किया था उसी तरीके से यहाँ पे एक चपाती को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम उसको वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे सेंटर फाइंड करते हैं तो देखो उसको लिखेंगे कैसे लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फोल्ड द चपाती इन टू हाफ सबसे पहले मैं क्या करूँगी सबसे पहले मैं चपाती को एक अगर ये ऐसे रोटी मेरे को दी है तो उसको ऐसे बीच में से उसको फोल्ड करूंगी ताकि वो टू हाफ यानी कि हाफ मतलब आधा तो दो आधे आधे हिस्सों में डिवाइड हो गई ये एक आधा हिस्सा है और ये वाला एक आधा हिस्सा है क्लियर कहानी फिर है देन अगेन आई विल फोल्ड इट फर्दर दर टू हाफ जब वो आधे आधे में डिवाइड हो गई मान लो मैंने ये आधा हो गया ये आधा हो गया तो मैंने इसको क्या करा इसको इस तरीके से मैंने कट कर लिया ठीक तो ये एक हाफ पीस ये एक हाफ पीस अब मैं ये जो हाफ पीस है इनको फिर से हाफ करूंगी यानी इसको फिर से इस तरीके से फोल्ड कर दूं, ठीक है फिर इसको कट कर लूं। तो अब ये हाफ ऑफ हाफ हो गया कि जो हाफ था उसका भी आधा कर दिया मैंने ऐसे ही जो दूसरा हाफ था इसको भी मैं क्या करूं इस तरीके से फोल्ड कर दूं बीचों बीच से और फिर इसको क्या करूं कट कर लूं तो अब ये भी क्या होगा हाफ ऑफ हाफ यानी कि आधे का भी आधा हो गया तो अब देख सकते हो आप कि टोटल यहां मेरे को कितने इक्वल पार्ट्स मिल गए वन टू थ्री और तो वन टू थ्री और फोर्थ चार इक्वल पार्ट्स में वो जो एक चपाती थी वो डिवाइड हो गई है तो ये तरीका है जिससे अगर चार कैट्स भी आ जाए तो एक पूरी चपाती को आप चार इक्वल पार्ट्स में इजीली क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट देखो तो लिखा हुआ है कि एज वी फोल्डेड सर्कल इन फोर इक्वल टू लोकेट सेंटर इन प्रीवियस चैप्टर यानी कि सेम वैसे ही फोल्ड करना है जैसे प्रीवियस चैप्टर में यानी कि पिछले चैप्टर में हमने सर्कल का सेंटर निकालने के लिए फोल्ड किया था तो उससे चार बराबर हिस्से मिलेंगे उन्हीं चारों हिस्सों को कट कर लोगे तो आपको चार हिस्सों की रोटी मिल जाएगी चपाती फ्रॉम द सीज लाइन फिर जो वो लाइन बनी एक बार आधा फोल्ड करोगे ऐसी बनेगी, तो आधा हिस्सा वो आधा हिस्सा ये। फिर से फोल्ड करोगे तो कैसी लाइन बनेगी इस तरीके से लाइन बनेगी तो वन टू थ्री फोर ये चार हिस्से हो गए तो इन चार हिस्सों को इन लाइन को क्या करेंगे इधर से कट करना इधर से कट करना तो चार बराबर हिस्सों में वो रोटी डिवाइड हो जाएगी तो ये है हमारा फाइनल आंसर किस तरीके से आपको लिखना है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है आगे देख लो अब और क्या दिया हुआ है आगे दिया है अब ये देखो ये चार कैट्स बैठी हुई हैं और उन चार कैट्स को ये जो मालिनी है उसने क्या कर दिया मालिनी ने चार बराबर देखो हिस्से कर दिए जैसे हमने देखे तो वो चारों कैट्स को मिल जाएंगे तो लिखा हुआ है ईच ऑफ अस गॉट क्वार्टर ऑफ चपाती यू आर अ गुड डिवाइडर हा तो बोल रहे हैं चपाती। ये कैट जो चार कैट है वो बोल रही है ईच ऑफ अस मतलब हम में से हर एक कैट को कितनी चपाती मिली है क्वार्टर मिला है एक चपाती का तो एक चपाती का क्वार्टर क्या होगा इनको तो एक पूरी चपाती थी उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया तो इस तरीके से चार हिस्से हुए तो हर एक कैट को तो तो ये एक-एक एक हिस्सा मिला है तो वो एक ही हर एक हिस्सा क्या कहला रहा है क्वार्टर ये क्वार्टर यही वाला क्वार्टर है जो हमें यहां पे चैप्टर का नाम है इसका मतलब कि अगर मैं किसी एक पूरी चीज को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हूं तो उनमें से हर एक हिस्सा क्या कहलाता है उस पूरे का क्वार्टर कहलाता है कि इस पूरी चपाती का ये क्या है क्वार्टर ये क्वार्टर ये क्वार्टर ये क्वार्टर यानी कि चार हिस्सों का चार बराबर हिस्सों का एक हिस्सा जिसको हम फ्रैक्शन में वन अपॉन फोर से भी जानते हैं कि चार बराबर हिस्से करे गए होंगे उनमें से जो एक हिस्सा है वो वन फोर्थ कहलाएगा और उसी वन फोर्थ को हम क्या कहते हैं बच्चों उसी को हम कहते हैं तो ये ये बात समझ में आई कि ये सासा क्यों कह रही हैं कि ईच वन अस विल गेट अ क्वार्टर के हम में से हर एक को एक क्वार्टर मिलेगा रोटी का यानी कि चार हिस्सों का एक हिस्सा मिलेगा और ऐसे वैसे चार हिस्से नहीं है फोर इक्वल पार्ट है यानी कि जब चार बराबर हिस्से करोगे उनमें से हर एक हिस्सा क्वार्टर कहलाएगा ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई एक रोटी दी है तो उसको आप क्या कर रहे हो ऐसे डिवाइड कर रहे हो कि ये इतना बड़ा हिस्सा हो गया ये उससे थोड़ा छोटा ये छोटा ये सबसे छोटा तो भी क्या ये क्वार्टर कहलाएगा नहीं तब उस केस में वो क्वार्टर नहीं कहलाएगा क्वार्टर या हाफ तभी कहलाते हैं जब चीजों को बराबर हिस्सों में बांटो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो क्लियर कहानी तो आगे देखो तो ये दे, कैट्स हैं चारों वो बहुत खुश हो गए क्योंकि अब उन चारों को बराबर बराबर रोटी मिल गई अगला टॉपिक है हमारा हाफ ऑफ मेनी पीसेस बहुत सारे पीसेस का हाफ कैसे करेंगे तो इस टॉपिक को हम समझेंगे हमारी अगली क्लास में ये टॉपिक 95 पेज नंबर पे दिया है आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में तब तक आपको क्या करना है तब तक अभी तक जितना मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया आपको हाफ के बारे में बताया हाफ ऑफ हाफ यानी क्वार्टर के बारे में बताया तो इन चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि ये बेसिक्स है आगे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये ऑलरेडी इसके बड़े बड़े फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे देन कीप स्टडिंग आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com ड्रींस डॉट कॉम वहां आपको पहले दो चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद हम कंप्लीट कोर्स का पैसा नहीं मांग रहे हैं सो so दैट सबको मिल सके क्वालिटी एजुकेशन सो कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ड्रींस मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक का नाम है हाफ ऑफ मेनी पीसेस यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये यानी यहाँ हम काफी चॉकलेट्स और केक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा खाना पीना खा के बैठिएगा नहीं तो ऐसा ना हो चॉकलेट और केक को देखते हुए आपको भूख लगने लगे है ना सो so, यहाँ पर क्या है स्टोरी हाफ ऑफ मेनी पीसेस की ये टॉपिक एक्चुअली दिया हुआ है आपकी क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 95 पर हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ्स का चैप्टर का नाम है हाफ एंड क्वार्टर्स और प्यारे बच्चों हाफ क्या होता है क्वार्टर्स क्या होते हैं ये सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी पिछली क्लास में सो प्रीवियस वीडियो क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे एक बार वो देख लीजिए पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे स्टोरी ऑफ मिंटू कैट एंड मोटू कैट और उसी में एक मंकी भी आ गया था जिसका नाम था टीटू अब ये बहुत ही फेमस स्टोरी है आई गेस जो भी क्लास फोर्थ में पहुंचा होगा जब भी क्लास फोर्थ पढ़ाई होगी जिसको भी सबने ये स्टोरी पढ़ी होगी मतलब आपके जो मम्मा पापा है आप उनसे भी पूछिएगा उन्होंने भी ये दोनों कैट्स और मंकी वाली स्टोरी पढ़ी है कि किस तरीके से मंकी ने जो चपाती थी कैट्स की वो पूरी ख़त्म कर ली और कैट्स बेचारी ऐसे ही रह गई बिना खाए सो इन स्टोरीज़ के थ्रू हमने एक दो चीज़ें क्या सीखी थी हमने हाफ सीखा था हमने सीखा कि किसी भी चीज़ को मैं हाफ़ पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकती हूँ हाफ़ हाफ़ तो अगर एक पूरी चपाती है उसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूं आधे में और फिर जो लाइन बीच की हो उससे अगर कट करूं तो मुझे एक फुल चपाती हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड हो जाकर मिल जाती है वहीं अगर इसी एक फुल चपाती को मेरे को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो मैं कैसे करूंगी तो वो होता है हाफ ऑफ हाफ, -हाफ यानी कि जब आप हाफ कर चुके हो उसका भी हाफ कर दो तो वो क्या बन जाता है हाफ ऑफ हाफ को हम बोलते हैं क्वार्टर यानी चार बराबर हिस्से अगर किसी चीज के किए हैं आपने तो उन फोर इक्वल पार्ट्स में से जो एक पार्ट होगा आपका वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा क्वार्टर यानी कि वन फोर्थ जिसको हमने समझा था याद है ना सब कुछ तो आई होप सबका रिविजन अच्छे से चल रहा होगा तो फिर अब रिविजन करके अगर आ गए हो तो फिर तो आगे का पढ़ाना बनता है है ना तो देखिए हमारा टॉपिक है आज का हाफ ऑफ मेनी पीसेस यहाँ एक स्टोरी दी हुई है ये स्टोरी है रानी के बारे में अब ये क्या स्टोरी है तो आ जाओ आ जाओ जल्दी मेरे साथ साथ रीड कर लो देखो लिखा है रानी गॉट अ चॉकलेट शी डिडेड इट इक्वली एंड गिव हाफ टू हर फ्रेंड रीना ओके इस स्टोरी में सिर्फ रानी ही नहीं उसकी फ्रेंड रीना भी है तो हुआ क्या हुआ ये कि रानी गॉट अ चॉकलेट रानी को एक चॉकलेट मिली वो देखो यहाँ दिया हुआ है उस टेस्टी टेस्टी चॉकलेट का फोटो सो so, रानी को चॉकलेट मिली शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गिव हाफ टू फ्रेंड रीना उसने क्या किया देखो रानी तो बड़ी अच्छी बच्ची है उसकी फ्रेंड भी थी उसके साथ रीना तो उसने क्या किया वो जो पूरी एक चॉकलेट थी उस पूरी चॉकलेट को हाफ में डिवाइड किया मतलब दो बराबर हिस्से हो गए जब उस चॉकलेट के तो उसने आधा हिस्सा किसको दे दिया एक हिस्सा दे दिया उसने अपनी फ्रेंड रीना को और बाकी का जो एक हिस्सा था हाफ वाला वो उसने खुद के लिए रख लिया पोर्शन रीना गॉड तो हमको बताना था कि कितना हिस्सा है जो रीना को मिला होगा तो देखो टॉपिक बोल रहा है हाफ ऑफ मैनी पीसेस यानी कि जब बहुत सारे मैनी पीसेस मतलब बहुत सारे कुछ पीसेस होते हैं और उनका आधा करना होता है तो वो हम कैसे करते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप जितने पीसेस यहाँ दिए हुए हैं उनको पहले काउंट कर लो कितने पीस है यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब इस केस में तो हम लकी हैं कि यहाँ पे ये यह जो चॉकलेट है वो कुछ पीसेस में डिवाइड है मतलब एक कंप्लीट बार नहीं है कि जिसको हमें कहीं से भी हम तोड़ सके ये कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है कि एक एक आप टुकड़ा आराम से खा सकते हो पर एक्चुअली रानी और रीना तो दो ही लोग हैं तो वो तो एक से ज़्यादा पीस खा सकते हैं तो उन्होंने क्या किया ये जो टोटल सिक्स पीस वाली चॉकलेट थी उसको हाफ हाफ डिवाइड किया तो हाफ कैसे करेंगे तो देखो सिक्स पीस को अगर आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो हर एक हिस्से में कितने पीस आएंगे ये तो छोटा सा नंबर है बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हो थ्री थ्री पीस आएंगे ना अगर रानी को तीन पीस मिल जाए इस चॉकलेट के और रीना को भी तीन पीस मिल जाए इस चॉकलेट के तो तीन तीन मिला के कितने होंगे छः होंगे तो इस टोटल छः पीस की चॉकलेट से सिक्स पीसेस की चॉकलेट को रानी ने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसमें हर एक पार्ट कितने का होगा थ्री थ्री पीसेस का होगा हर एक के हिस्से में तीन पीस चॉकलेट के आएंगे तो हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं देखो हमको इसको इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा हमको नहीं रानी को हम क्यों डिवाइड करें हमारे पास तो है ही नहीं चॉकलेट हमको तो देखकर ही काम चलाना पड़ेगा पर रानी और रीना के पास तो है उनको तो खाने मिलेगी चॉकलेट तो कैसे डिवाइड होगा इस तरीके से इस लाइन पे से कट करेंगे कि ऊपर के तीन हिस्से रानी को मिल जाए नीचे के तीन हिस्से रीना को मिल जाए तो इस तरीके से दोनों को बराबर बराबर चॉकलेट भी मिल जाएगी और दोनों का लाइक like, आराम से मज़े हो रहे हैं यार चॉकलेट खा रहे हैं और क्या चाहिए राइट सो यहाँ पे हमने देखा कि हमने जब मैनी पीसेस थे यानी कि बहुत सारे पीस थे अभी तक हमारे पास सिर्फ एक रोटी थी उसको हमने दो हिस्सों में या चार हिस्सों में डिवाइड किया था पर अब एक्चुअली हमारे पास पीसेस दिए हुए हैं ऑलरेडी छः पीस की चॉकलेट है उसको हमको हाफ में डिवाइड करना है हाफ का मतलब आधा आधा हाफ हाफ यानी जो इसको मिलेगा एक को मिलेगा उतने ही पीसेस दूसरे को मिलना चाहिए तो हमने बहुत ही अच्छा मेथड देखा यहाँ पर कि पहले टोटल कितने पीस हैं ये काउंट कर लो तो हमने देखा देखो ये एक पीस ये दूसरा पीस ये तीसरा पीस ये फोर्थ पीस ये फिफ्थ पीस और ये सिक्स्थ पीस टोटल छः पीसेस हैं अब इन छे पीसेस को अगर मैं क्या करूं हाफ हाफ करूं तो क्या होगा एक पीस रानी का फिर यहां एक पीस रीना का फिर एक और पीस रानी को मिला फिर एक और पीस रीना को मिला कितने कितने हो गए रानी के पास दो पीसेज हो गए रीना के पास दो पीसेस हो गए अभी भी दो पीसेस बचे हैं तो फिर से क्या होगा फिर से एक पीस रानी को मिल जाएगा और एक पीस रीना को मिल जाएगा तो ये भी और अच्छा तरीका है कि एक 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 करके पीसेस लेते जाओ तो तीन हिस्से उसको मिल गए तीन इसको मिल गए बाकी कहानी खत्म दोनों तो को बराबर बराबर चॉकलेट मिल गई है तो इस तरीके से हम मैनी पीसेस को दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं उनको हाफ करके क्लियर कहानी तो यहाँ देखो और क्या लिखा हुआ है There आर सिक्स pieces ऑफ चॉकलेट आप आंसर कैसे लिखोगे इसका आंसर आप लिखोगे कि यहाँ पर चॉकलेट के कितने पीस हैं सिक्स पीसेस हैं छः पीस हैं रानी गेव हाफ ऑफ हर चॉकलेट टू हर फ्रेंड रीना और हमको बताया गया है कि रानी ने अपनी चॉकलेट का हाफ यानी आधा हिस्सा किसको दे दिया था अपनी फ्रेंड रीना को दे दिया था सो रानी वॉज लेफ्ट विद द रिमेनिंग हाफ तो रानी के पास कितना बचा होगा अब मेरे पास एक पूरी चॉकलेट है हाफ चॉकलेट मैंने आपको दे दी तो मेरे पास कितनी बची बाकी की आधी तो मेरे पास ही बची तो यानी कि जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन है उस चॉकलेट का वो मेरे पास बचा तो यहाँ मैं कौन हूँ रानी हूँ तो रानी ने अपनी फ्रेंड रीना को हाफ दे दिया तो उसके पास बाकी का हाफ पोर्शन बच जाएगा तो ये लिखा है रानी वॉज लेफ्ट विथ रिमेनिंग हाफ बचे हुए आधे पीस के साथ वो उसके पास था थ्री पीसेस और आधे पीस कितने होंगे तीन पीस के बराबर आधे पीस होंगे अब यहाँ तो क्या है हमें ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा आप नॉर्मली ये छह पीसों को अलग अलग कर लो कि एक पीस रानी अपने लिए रखे फिर एक रीना को दे फिर एक अपने लिए रखे एक रीना को दे फिर एक अपने लिए रखे एक रीना को दे इतने में खत्म हो गए और हमने देखा दोनों को तीन तीन पीस मिल गए यानी तीन तीन मिले हैं तो बराबर भी मिले हैं ऐसा नहीं है एक को ज़्यादा पीस मिले हो या एक को कम पीस मिले हो हों तो ये चीज तो हमारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो गई पर दिक्कत अब ये हो गई है कि मेरा भी मन क्या हो रहा है चॉकलेट खाने का मन बिल्कुल कर रहा है क्योंकि रानी और रीना को तो अपने अपने पार्ट्स की चॉकलेट मिल गई है पर हमको तो सिर्फ अभी फोटो देखकर ही काम चलाना है तो कोई बात नहीं है हमने क्या सीखा इससे हमको वो याद रखना है हमने सीखा कि कैसे आप मेनी इक्वल पार्ट्स को हाफ में डिवाइड कर सकते हो क्लियर कहानी आगे देखो इसमें और क्या अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं वो भी सीख लेते हैं अपन लिखा हुआ है हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर कितने चॉकलेट के पीसेस थे तो बहुत सिंपल है काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स पीसेस थे तो आंसर कैसे लिखोगे आप देयर आर सिक्स पीसेस ऑफ चॉकलेट कि यहाँ पर चॉकलेट के टोटल छ पीसेस है आगे दिया है हाउ मेनी पीसेस रानी और रानी के पास कितने पीसेस बचे हुए थे तो देखो उसने तीन पीस हमको सर्कल भी करना था तो आप इन तीन पीसेस को किन्हीं भी तीन पीस को ऐसे सर्कल कर देना कितना उसने रीना को दिया होगा तो अब ये दे दिया तो बाकी के बचे जो तीन पीसेस हैं, वो किस पे बचे रानी पर बचे होंगे तो वही तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाउ मेनी पीसेज वर लेफ्ट विथ रानी लेफ्ट मतलब बचे हुए ये राइट right लेफ्ट वाला लेफ्ट नहीं है बचे हुए कि रानी के पास कितना चॉकलेट का पीस बचा है तो रानी के पास थ्री पीसेस बचे हैं कैसे लिखेंगे इसको आंसर में कि देयर आर थ्री पीसेस ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विथ रानी यानी कि रानी के पास चॉकलेट के तीन पीस बचे हुए हैं आगे देखो तो अब ये देखिए चॉकलेट खा रही है मतलब ये लोग नहीं मानने वाले हमारा मन कर रहा है चॉकलेट खाने तो भी हम नहीं खा पा रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर और देना पड़ रहे हैं उसके ऊपर से ये गर्ल चॉकलेट खाते हुए दिख भी रही है तो और मन कर रहा है है ना सो so, देखो ये क्या बोल रही है बोल रही है हा हाफ ऑफ हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज द होल चॉकलेट तो वो बोल रही है कि आधी चॉकलेट भी उतनी ही टेस्टी है जितनी टेस्टी पूरी चॉकलेट रही होगी मतलब लालच तो उसको भी आ रहा है कि यार पूरी मिल जाती पर अब वो बोल नहीं पा रही है तो वो बोल रही है हाफ मिली है तो वो भी उतनी ही टेस्टी है जितनी पूरी चॉकलेट मेरे को टेस्टी लगती क्लियर कहानी चलिए तो आज घर जाके मतलब पक्का मेंको चॉकलेट तो खानी ही पड़ेगी है ना सो so, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हमने कर लिए सॉल्व अब आगे दिया है हाउ मेनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट अब एक हाफ शीट में से हमको कुछ शेप्स कट करने हैं और उनसे हमको और कुछ शेप्स बनाने हैं अब कौन से शेप्स हमको कट करने हैं वो हमें पढ़कर पता चलेगा यहाँ पर तो आइए मेरे साथ रीड करिए इसको लिखा हुआ है टेक अ पीस ऑफ पेपर यानी कि एक आप पेपर का कोई टुकड़ा लीजिए पीस लीजिए नॉर्मल आपकी कॉपी में से भी आप पेपर ले सकते हैं तो इस तरीके से हमने एक पेपर का पीस ले लिया आगे दिया है कट द शीट इन टू इक्वल ट्राइंगल सो दैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट बोल रहे हैं कि कट दीट इंटू टू ट्राइंगल अब इस शीट को इस पेपर को मेरे को दो ट्राइंगल में कट करना, है। इस दो बना के और कट करना है और लिखा है शीट so यानी कि हर एक ट्राइंगल का बराबर होना चाहिए इतना बड़ा ट्राइंगल कट करो कि हर एक ट्राइंगल आपका इस शीट का आधा होना चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो उस शीट को कुछ इस तरीके से कट कर लो कि दो ट्रायंगल्स मिल जाए आपको कुछ ऐसे कट कर सकते हो आप है ना तो ये एक ट्रायंगल यहाँ पे है इस तरीके से और दूसरा यहां पे है, कुछ इस यहां से तो इस तरीके से आपको दो ट्रायंगल कट करना है पर ध्यान रखना है कि वो जो दोनों ट्रायंगल हो वो शीट के हाफ हो कि आधी शीट के बराबर एक ट्रायंगल होना चाहिए नेक्स्ट लिखा है शेड द टू ट्राइंगल्स विद डिफरेंट कलर दोनों ट्राइंगल्स को क्या करो अलग अलग कलर से कलर कर दो तो एक ट्राइंगल में हमने रेड कलर कर दिया एक ट्राइंगल में हमने ग्रीन कलर कर दिया तो अब देखते हैं फिर इसके बाद हमको क्या करना है नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दीज ट्राइंगल्स वन सच शेप इज शोन हेयर बोल रहे हैं अब इन ट्राइंगल्स को लेके अलग अलग तरह के शेप्स बनाओ उनमें से एक शेप हमको यहाँ दिया हुआ है कि जैसे कि एक रेड ट्राइंगल को हमने ऐसा ऊपर रख दिया ग्रीन को नीचे रख दिया तो ये एक शेप बन गया डिजाइन बन गई है ना इसी तरीके से और कौन कौन सी डिजाइन बना सकते हैं हम एक ये डिजाइन बना सकते हो कि अगर आप एक ट्राइंगल को इस तरीके से रख रहे हो दूसरे को ऐसे रख रहे हो तो वो क्या है एक स्क्वायर जैसा शेप ले रहा है दैट मीन्स आप अपने एक कंप्लीट पेपर को कैसे कट कर सकते हो कुछ इस तरीके से कट करना दो ट्राइंगल्स में ये डाइग्नली ये लेंथ है ये वृथ है ये यहां से एक कॉर्नर लेना ऊपर का कॉर्नर और एक उसके अपोजिट नीचे वाला कॉर्नर और यहीं से इसको क्या कर देना इसको इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर देना ज्यादा है तो ट्राइंगल ना लेके आप स्क्वायर पेपर ले सकते हो तो इस रेक्टेंगुलर पेपर से आप स्क्वायर पेपर कैसे बनाओगे कि पहले इस तरीके से यहां पे इस कॉर्नर को आप बिल्कुल मैच करना और ये कॉर्नर जहां तक मैच हो जाए वहाँ पर क्या बना लेना एक क्रीज बना लेना ठीक है अब ये जो एक्स्ट्रा पेपर बचा है उसको भी देख लो कितना पेपर है वो और यहाँ से क्रीज कर लो तो ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको आप कट कर दो अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेपर हटा दो तो वो जो बचा हुआ पेपर होगा ना वो पता है क्या बचेगा आपका एक स्क्वायर शेप क्या किया मैंने मेरा ये जो था एक रेक्टेंगुलर पेपर उसको इस तरीके से मैंने यहाँ फोल्ड किया नीचे जहां तक ये पहुँचा तो बाकी का जो पोर्शन बचा है उसको अलग करके मैं क्या कर लूँगी इसको कट कर लूँगी तो उतने पोर्शन को हम क्या करें पेपर को हटा दो तो अब इससे मेरे का जो पेपर है जो शीट है वो किस शेप की बची अब मेरे पास एक स्क्वायर शेप की और देख सकते हो जिस लाइन से हमने कट किया था उसी लाइन से वो क्या बन रहा है एक ट्रायंगुलर का शेप ले रहा है यानी कि अब आप क्या करो इन इस लाइन से और कट कर दो इसको तो आपका ये जो शीट है दो बराबर हिस्सों में भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि देखो बीच में से मैंने लाइन बनाई है और दो ट्राइंगल्स भी आपको इजीली यहां पर मिल पा रहे हैं तो इस तरीके से आपको क्या करना है ये दो क्रिएट कर लेना है अब अब जब ये 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 दो दो मिल गए हैं, देखो है है? है, है। ना? शेप क्या होता है? तीन से बना हुआ, ये भी है, ये भी है। अब इन नागल्स को अलग अलग कलर कर लेना एक को रेड कलर कर लो एक को ग्रीन कलर कर लो और जब कलर हो जाए उसके बाद हमको क्या करना है उसके बाद हमको इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई डिजाइन बने जैसे पहले फिगर में इन्होंने कैसे रखा है इसको कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से रखा है yes. तो पे पहले से हमें बना के दी है कि जब दोनों ट्राइंगल को मैंने ऐसे रखा तो कुछ इस तरीके की डिजाइन बनी तो मैंने कहा फिर ऐसे क्यों रख रहे हो उसको ऐसे रख दो तो एक डिजाइन ये भी हो जाएगी है ना आप उसको इस तरीके से रख दो एक डिजाइन ये हो जाएगी आप उसको इस टाइप का ही एक और तरीका है यानी कि ये थोड़ा खसका के रखा है इसको एक के नीचे एक रख दो तो एक डिजाइन ये हो जाएगी तो ऐसे बहुत सारी डिजाइन बन सकती हैं पॉइंट वर्टेक्स वर्टेक्स से रख दो तो एक डिजाइन ये हो जाएगी तो बस आपको काम ये करना था कि एक स्क्वायर शीट पेपर लेना था स्क्वायर नहीं है तो रेक्टेंगल जो हमारे मतलब जो ए साइज का पेपर मिलता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है वो उसको स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर लो जैसे मैंने किया और फिर उससे बीच में डायगनल से इसको कट करो दो ट्राइंगल एंगल्स में देखो ऐसा पेपर बचा था हमारा स्क्वायर शेप का तो बीच में से हमने उसे कट किया तो दो ट्राइंगल्स मिल गए अब इन दो ट्राइंगल्स से ही हमको अलग अलग तरीके क्या बनाने हैं शेप्स बनाने हैं तो यहाँ पे देखिए पहला शेप ऑलरेडी बुक में दिया था दूसरा हमने इस तरीके से बना लिया आपको भी और शेप्स आते हो तो आप बिल्कुल बना सकते हैं जैसे कि जो मैंने बताए किस तरीके के देखिए एक और शेप आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है रेड वाला ऊपर रखा मैंने इसको कुछ इस तरीके से और ग्रीन वाला है जो नीचे इस तरीके से रख दो तो ये भी क्या है एक शेप ही तो बन रहा है तो ऐसे रख सकते हो तो ये चीज आप तभी कर सकते हो एक्जैक्टली exactly आपको क्या शेप मिलने वाला है दो ट्राइंगल्स को कनेक्ट करके वो तभी पता चलेगा जब आप एक्चुअल में ट्राइंगल बनाओगे इसलिए मैंने आपको ट्राइंगल बनाना सिखा दिया है तो वैसे आप ट्राइंगल बना के उनको अलग अलग कलर कर लेना और फिर उसमें क्या करना अलग अलग शेप्स इस तरीके से बनाकर रखना तो ये इस तरीके से आपको ये शेप ये शेप और भी बहुत सारे शेप है वो इजिली मिल जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व तो यहाँ हमने देखा कि एक हाफ शीट में से हमने दो ट्रायंगल्स कट किए और उन दो ट्रायंगल्स से मेनी शेप्स यानी कि बहुत सारे शेप्स जो हैं वो बना लिए आगे देखिए और क्या दिया है इसमें लिखा है मेनी वेज टू कट इनटू हाफ यानी कि किसी चीज को हाफ में कट करने आधे-आधे में डिवाइड करने के मेनी वेज हैं यानी कि बहुत सारे तरीके हैं अब वो तरीके क्या हैं वो देख लीजिए तो देखिए ये यहाँ पे क्या बोल रहा है एक बॉय ये बोल रहा है आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इन टू टू इक्वल पार्ट लाइक दिस ईच पार्ट इज हाफ बोल रहा है कि मेरे पास ये देखिए एक रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल को मैंने क्या किया दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करा तो वो जो दो हिस्से थे वो मैंने ऐसे करे डिवाइड ये एक ही येलो वाला हिस्सा हो गया एक ही इस तरफ ब्लू वाला हिस्सा हो गया और ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि एच पार्ट इस हाफ के, इसका हर एक हिस्सा क्या है आधा है हाफ का मतलब आधा आधे का मतलब हाफ मतलब कि अगर दो पार्ट हुए हैं तो दोनों बराबर होंगे ऐसा नहीं होगा कि एक छोटा हो एक बड़ा हो तो हम उसको हाफ कहें नहीं एक ये पूरा रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल को अगर उसने दो हिस्सों में बांट दिया है तो दोनों हिस्से क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तभी हम कह पाएंगे कि ये जो पार्ट्स हैं वो हर एक पार्ट हाफ है पूरे उसका आधा है तो वो तो बोल रहा है दिखने में लग रहा है क्या दिखने में तो नहीं लग रहा पर देखिए जितना ये येलो वाला पोर्शन इस तरफ खसका हुआ है उतना ही ये ब्लू वाला पोर्शन इस तरफ है है ना ऐसे ही जितना ये येलो पोर्शन कम है अंदर की तरफ तो यहाँ ब्लू वाला कम है दैट मींस ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आधे आधे में डिवाइड हो गए हो बस उसने क्या किया इस तरफ से येलो ज्यादा करा तो इस तरफ से ब्लू ज्यादा कर दिया है ना तो इस तरीके से उसने इस रेक्टेंगल को सीधे सीधे डिवाइड ना करके क्या करा इस तरीके से जिग्जैग पोर्शन में दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया है आगे लिखा है हाफ को, को अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं ध्यान से देखो नोट डाउन भी कर लो कि आधा आधा का मतलब हाफ हाफ मतलब वन अपॉइंट टू आधा हाफ वन अपॉइंट टू सबका सेम मतलब है कि दो बराबर हिस्से रहे होंगे उनमें से एक हिस्से की बात कर रहे हैं उसको हम हाफ या फिर आधा बोलते हैं तो वन बाय टू अब कभी भी लिखा कहीं भी मिले इसका क्या मतलब है हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं वो क्लियर कहानी तो यहाँ बोला गया जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपको आगे मिल सकते हैं कि बताओ हाफ ऑफ ट्वेल्व कितना होगा यानी कि टू का, का मतलब तो हाफ हाफ होता है और हाफ किसका चाहिए 12 का, 12 का, का आधा कितना होगा? अगर मेरे पास 12 चॉकलेट हैं, तो 6 चॉकलेट और 6 चॉकलेट 6-6 चॉकलेट के दो हिस्से कर दू दो बराबर हिस्से कर दू तो वो आधे आधे चॉकलेट के हिस्से कहलाएंगे यानी बारह का हाफ कितना हुआ सिक्स हुआ आया समझ में कहाँ यूज होता है one upon two? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं है पर जरूरी था जानना क्योंकि ये वन बाई टू किस बोल रहे हैं कि दो हिस्से अगर करोगे किसी चीज के तो दो हिस्से नहीं दो बराबर हिस्से टू इक्वल पार्ट्स तो उससे आपको क्या मिलेगा उसमें से एक पार्ट आपका हाफ कहलाएगा तो हाफ को हम वन अपॉन टू से भी रिप्रेजेंट करते हैं लिखा है इट मींस वन पार्ट आउट ऑफ टू यानी कि वन अपॉन टू का मतलब है एक पार्ट एक हिस्सा आउट ऑफ टू दो हिस्सों में से एक हिस्सा यू कैन चेक इफ दीज पार्ट आर इक्वल ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर बोल रहे हैं कि आप इनको दोनों को हिस्सों को चेक भी कर सकते हो कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं कैसे चेक करेंगे कि आप क्या करो इनको पहले कट कर लो इस लाइन पर से आप कट कर लो तो एक आपको ये येलो हिस्सा मिल जाएगा एक ब्लू मिल जाएगा फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखो तब जाके अगर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ओवरलैप का मतलब क्या होता है ओवरलैप का मतलब आपको बता दू देखिए ये मेरा हाथ ये मेरा दूसरा हैंड है ठीक है इसको अगर मैं इस तरीके से रख रही हूं तो मेरा एक हैंड मेरे दूसरे हैंड को ओवरलैप कर रहा है यानी ये वाला थम इस थम के जस्ट ऊपर रखा है फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फिंगर के ऊपर मिडिल फिंगर मिडिल फिंगर के ऊपर ये सारी फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं बिल्कुल एक दूसरे को ढक रही हैं है ना कवर कर रही हैं तो ये क्या कहला रहा है कि एक हैंड ने दूसरे हैंड को ओवरलैप कर लिया तो इसी तरीके से अगर ये जो दोनों पीसेस हमको मिलेंगे येलो और ब्लू पीसेस इनको हम अगर कट कर लें और कट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रखें और वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लें ऐसा ना हो कि एक हिस्सा बड़ा कहीं बाहर निकल रहा है दूसरा यहाँ दूसरी जगह से बाहर निकल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा एक दूसरे को वो ढक लें ऐसे केस में हम कहेंगे दोनों पार्ट्स क्या है बराबर है अब आप देख सकते हो कि अगर ये ऐसा पीस है तो कुछ इस तरीके से उन्होंने उसको डिवाइड किया है कैसा देखिये मैं आपको बता देती हूँ हल्का सा बना के एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाऊंगी पर किस तरीके से आपको उसको डिवाइड करना है ये जरूर आपको पता चल जाएगा ये जो डिजाइन बनी हुई है इस डिजाइन के अकॉर्डिंग ही मैं अपने पेपर को क्या कर रही हूँ कट कर रही हूँ तो अभी तो मैंने रफली कट कर दिया बाकी कुछ इस तरीके से हो गया वो क्या हुआ ऐसा ही कुछ डिजाइन बनी हुई है यहाँ पे तो इसी तरीके से मैंने उन दोनों को अलग कर लिया अब अलग करके अगर मैं ऐसे रखूंगी पेपर को एक के ऊपर एक तो, तो दिक्कत होगी यहाँ से ये एक्स्ट्रा निकल रहा है यहाँ से ये एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको ऐसे नहीं रखना ऐसा कैसा अगर ऐसा कट किया है तो एक पेपर को इस तरीके से दूसरे के इस साइड ऐसे ऊपर रखना है है ना जब इस तरीके से ऊपर रखोगे और फिर दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप करें ओवरलैप मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही आ जाना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हिस्सा कहीं से एक्स्ट्रा निकल रहा है एक हिस्सा कहीं अंदर जा रहा है तो अगर ऐसा हो रहा है उस केस में क्या होगा आपके दोनों पीसेस जो है वो बिल्कुल बराबर होंगे और बराबर है दोनों पीसेस तो उसको ही हम क्या बोलेंगे हाफ बोलेंगे तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को चेक कर सकते हो कि दो चीजें या तीन चीजें या चार पार्ट्स उसके बराबर हैं कि नहीं एक दूसरे के उनको कट करो कट करके एक दूसरे पर रख कर देखो अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो बराबर है नहीं तो नहीं है अच्छा अब आप कहोगे मैम बुक है बुक में से कैसे कट करें तो एक ट्रेसिंग पेपर ले लेना है एक ऐसा कागज जिसके आर पार दिखे उस पेपर को अपनी बुक में रखना और इसको क्या करना उस पेपर पे ट्रेस कर लेना और छाल लेना तो ये आपके ट्रेसिंग पेपर पे आ जाएगी डिजाइन अब फिर उस ट्रेसिंग पेपर को कट कर लेना बहुत इजी है राइट तो आपको पता चल जाएगा क्या इस बच्चे ने इस रेक्टैंगल को कुछ अलग जिक्जैक्ट तरीके से कट किया है डिवाइड किया है तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाया है या नहीं हुआ क्लियर कहानी आगे देखिए और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है तो ध्यान रखना हाफ को हम वन बाय टू क्यों कहते हैं क्योंकि हाफ जब भी होता है किसी चीज का आधा होता है तो पूरी एक चीज को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं दो तो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं उनमें से एक हिस्सा उसका हाफ कहलाता है इसीलिए वन अपॉन टू टू इक्वल पार्ट्स का वन पार्ट आगे देखिए और क्या दिया हुआ है नेक्स्ट है मैनी वेज टू कट इन टू हाफ यानी कि बहुत से तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को हाफ में कट करने के जैसे अभी इसने हमको एक तरीका बताया उसी के कुछ और जो तरीके हैं वो हम आगे की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे टिल देन आपको क्या करना है आज मैंने आपको पेज नंबर 96 तक पढ़ा दिया है इसके आगे का अगली क्लास से पढ़ाऊंगी तो आपको रिविजन करते रहना है और रिविजन के साथ साथ सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन भी करते रहना आप विजिट कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम वहाँ आपको सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर सब कुछ एक प्रॉपर चैप्टर वाइज सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे इतना ही नहीं मैग्नेट ब्रेन ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हम पहले एक दो तीन चैप्टर्स पढ़ाने के बाद ऐसा नहीं बोलते कि कंप्लीट कोर्स के लिए फीस लगेगी बिल्कुल नहीं मैग्नेट ब्रेन्स चाहता है हर बच्चा घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन पा सके इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स आपको कंप्लीट कोर्स हमारे सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सो कीप स्टडीिंग थैंक यू सो मच बाय बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं आपकी फेवरेट फेवरेट सलोनी मिस और आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूं टॉपिक का नाम है कटिंग दी केक यस ये वही डिलीशियस डिलीशियस केक है जिसका नाम सुनते ही हमारा मन करने लगता है केक खाने को आप लोगों में से कुछ बच्चों ने तो पिक्चर भी कर लिया होगा उसको कि यमी यमी केक यस सो केक के बारे में ही ये स्टोरी है ये टॉपिक दिया हुआ है आपकी क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 98 पर प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ्स के चैप्टर का नाम है हाफ एंड सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस चैप्टर में हाफ एंड क्वार्टर्स में काफी कुछ नई नई चीजें सीख ली हैं जिसमें हमने देखा हाफ का क्या मतलब होता है उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं क्वार्टर का क्या मतलब होता है उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं सॉल्व तो अगर उसी सीरीज में मैं बात करूं हमारे पिछले लेक्चर की यानी कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था तो मैं बता दूं आपको कि प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे टॉपिक मेक वे मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स एंड मैनी वेज टू कट इन टू हाफ यानी कि अलग अलग तरीके किस कौन कौन से अलग अलग वेज हो सकते हैं तरीके हो सकते हैं जिससे मैं एक रेक्टैंगल को हाफ में कट कर सकूं तो इस तरीके के फाइव वेज हमने देखे थे हाफ में कट करने के लिए एक रेक्टैंगल को वहीं इसके आगे हमने देखा था कि अगर क्वार्टर्स में मेरे को कट करना है तो कितने तरीके हो सकते हैं तो क्वार्टर्स का क्या मतलब होता है फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो उनका जो एक पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं क्या सो yes, so, हमने इसके भी बहुत सारे तरीके देखे थे Quarters में डिवाइड करने के फाइव हमने कंप्लीट कर लिए थे सो आई होप सब अपना रिविजन करके आए होंगे क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के जस्ट आगे नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपकी बुक में कटिंग द केक अब कौन कर रहा है केक को कट किसी का बर्थडे है क्या और हमको भी केक का कुछ हिस्सा मिलने वाला है क्या खाने वो तो हमें पता चलेगा जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो चलिए मेरे साथ साथ रीड करिए आप लोग भी लिखा हुआ है रजनीज फादर बॉट आ केक ओके सो ये स्टोरी है प्यारी सी एक बच्ची की आपकी ही तरह क्लास फोर्थ में पढ़ती है वो उसका नाम है रजनी यहाँ पे उसका फोटो भी दिया हुआ है और रजनीज फादर बॉटा केक यहां बोला गया है कि जो रजनी के फादर है रजनी के पापा हैं वो केक खरीद कर लाए हैं शी डिवाइडेड द केक into फोर इक्वल पार्ट्स रजनी ने क्या किया रजनी ने उस केक को फोर इक्वल पार्ट्स में कर दिया डिवाइड चार बराबर बराबर हिस्से उस केक के कर दिए अब किस किस को केक मिला सो फॉर हर सेल्फ यानी कि एक पार्ट उसको खुद के लिए रजनी के लिए हर ब्रदर राजू उसका जो प्यारा सा छोटा सा भाई है देखिए यहाँ बैठा हुआ है क्यूट क्यूट उसका नाम है राजू एक हिस्सा उसके लिए हो गया हर फादर एक पार्ट उसके फादर के लिए उसके पापा के लिए एंड हर मदर और एक पार्ट उसकी मम्मी यानी कि मदर के लिए होगा सो so यानी कि अभी हमने देखा कि एक प्यारी सी बच्ची है रजनी उसके फादर केक लेकर आए हैं तो रजनी ने उस केक के फोर इक्वल पार्ट करे हैं एक पार्ट हर सेल्फ यानी रजनी के लिए एक पार्ट उसके भाई राजू के लिए एक पार्ट उसके फादर के लिए और एक पार्ट उसकी मदर के लिए तो ये तो बहुत अच्छा किया चारों को बराबर बराबर केक मिल गया बस हुआ ये कि हमको तो वो केक दे ही नहीं रही है देखो यहाँ केक का फोटो भी बना है इस तरीके से उसने क्या किया है फोर इक्वल पार्ट कर दिए हैं ये एक राउंड केक है अगर हम केक का शेप देखें तो हमें दिखेगा ये कैसा केक है एक सर्कुलर राउंड शेप का केक है इस राउंड केक के हमने चार हिस्से करे ये बीच में से कट किया तो ऊपर नीचे दो हिस्से होंगे फिर इसको एक और बार कट कर दिया तो वन टू थ्री फोर टोटल फोर इक्वल पार्ट्स किए गए हैं इस केक के क्लियर कहानी अब हमें आगे देखना है कि आगे फिर सबने केक खाया या नहीं खाया तो देखो आगे की स्टोरी क्या दी हुई है लिखा है कलर ईच शेयर ईच शेयर का क्या मतलब है ईच शेयर का मतलब है कि हर एक पर्सन को जितना केक मिल रहा है वो होता है ईच मतलब हर एक को शेयर मतलब कितना उसके हिस्से में आ रहा है केक सो so, कलर करना है हमको ईच शेयर यानी कि हर एक पर्सन को जो केक का पार्ट मिलेगा उसमें हमें कलर फिल करना है और कैसा कलर भरना है तो लिखा हुआ है कि अलग अलग कलर से हमको सबके पीसेस बताना है तो यहाँ पे मैंने देखिए करके रखा है तो आपको क्या करना है आपको भी इसी तरह एक circle बनाना है कॉपी में अब सर्कल देखो अपन ने कुछ टाइम पहले ही बनाना सीखा था पिछली क्लास में वो भी कंपस की हेल्प से है ना सो so, हमने कुछ क्लासेस पहले ही सीखा था सर्कल बनाना तो ऐसे ही कंपस की हेल्प से आप सर्कल बना लेना उसके बाद उसको क्या करना इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना फिर इस तरीके से ये टोटल चार पार्ट में डिवाइड हो गया तो फोर इक्वल पार्ट्स हो जाए जब उसके उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद हर पार्ट में अलग अलग कलर कर दो जैसे कि यहां मेरे को करना है पहले पार्ट में ग्रीन तो ये एक जो शेयर है एक जो पार्ट है ये किसका हो जाएगा ये ग्रीन हो गया समझिए रजनी का ओके रजनी का भाई है रजनी के भाई का क्या नाम है रजनी के भाई का नाम है राजू तो एक शेयर अपन देंगे राजू को तो यानी कि ये वाले शेयर में मैं क्या करूंगी इसमें मैं मन से अपने मन से आपको कलर करना है इसमें मैंने रेड कलर कर दिया ठीक है नेक्स्ट शेयर अपन दे देते हैं किसको उसके पापा को तो ये मैंने पर्पल कलर कर दिया इस थर्ड शेयर में थर्ड पार्ट में कि ये वाला शेयर हो गया रजनी के फादर का अब एक और बचा वो किसके लिए बचा वो बचा उसकी मदर के लिए सो so, एक और शेयर कर देते हैं हम ऑरेंज कलर उसमें ये वाला जो पार्ट है वो हो गया उसकी मदर का तो समझ में आया ना कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है एक सर्कल बना के उसको चार बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है जब आप कंपस से सर्कल बनाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा यहाँ तो थोड़ा अनिवन दिख रहा होगा इस टाइप का आपका एग्जैक्ट सर्कल बनेगा फिर उसमें एक आपको बीच में हॉरिजोंटल लाइन खींचनी है उसमें बीचो बीच वर्टिकल लाइन खींचनी है तो क्या होगा ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैम हॉरिजॉन्टल लाइन में कहाँ से खींचूँ यहाँ से कि नीचे से या ऊपर से तो फिर क्या करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे कुछ क्लासेस पहले हमने एक सर्कल कट किया था ना शीट पे ऐसे कट कर सकते हो और फिर उसको हाफ फोल्ड करा था हमने सेंटर फाइंड करने के लिए याद है ना सो उस तरीके से जैसे सेंटर फाइंड करने के लिए एक बार हाफ फोल्ड किया दूसरी बार हाफ फोल्ड किया जब ओपन किया तो इस टाइप की हमारी कौन सी लाइंस देखने मिलेंगी हमको आपको कुछ इस तरीके से लाइन देखने मिलेगी एक ऐसे और एक ऐसे तो ये चार हिस्सों में हो जाएगा डिवाइड फिर आप उस पर कलर कर देना है ना और फिर उसको अपनी कॉपी में चिपका लेना तो बस वही बात हो गई कि आपने प्रॉपरली उसको डिवाइड कर दिया है आगे देखो लिखा है हाउ मच डी गेट किसके बारे में बात चल रहा होगा अब जब स्टोरी रजनी की है तो वो यहाँ पे जो शी है वो कौन होगी रजनी होगी हाउ मच डैट बोल रहा है यहाँ पे कि हर एक को कितना केक मिला होगा तो हर एक इंसान को ईच ऑफ दैम गैट ये फोर्टीन नहीं है क्या होगा ये ईच ऑफ दैम गैट ये देखिए यहाँ पे आएगा अब मैं बताती हूं क्या आएगा ठीक है तो देखो हमें बोला है कि हरेक पर्सन को कितना केक मिला तो आप ये ये पता है ना आपको कि इस केक को हमने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और जब चारों हिस्से बराबर हैं तो हर एक पर्सन को एक एक हिस्सा मिला है एक एक पार्ट मिला है आप एग्री करते हो इस बात पे यस yes. तो अगर मैं कहूं कि किसी रजनी को एक पार्ट मिला कितने में से टोटल फोर पार्ट्स में से तो रजनी का शेयर कितना हुआ वन बाय फोर हो गया तो ये रजनी का शेयर हो गया उसके बाद आया उसका भाई उसके भाई को भी एक पार्ट मिला कितने पार्ट में से फोर पार्ट्स थे टोटल उनमें से ही एक ले लिया उसके भाई ने तो वन बाय किसका हो गया राजू का रजनी के भाई का तीसरा हिस्सा किसका उसके फादर का तो फादर को भी एक पीस मिला कितने पीसेस थे टोटल फोर पीसेस थे तो वन फोर्थ हिस्सा किसका हो गया वन फोर्थ शेयर का रजनी के फादर का और अब बची रजनी की मदर तो रजनी की मदर को कितना मिला उनको भी एक ही पीस मिला कितने में से चार पीसेस में से तो रजनी की मदर का शेयर भी कितना हो गया वन बाय फोर के बराबर ये कहानी क्लियर है आप सब लोगों को सो इसका मतलब टोटल चार पीसेस थे उनमें से हर एक पर्सन को एक एक पीस मिला तो हर एक पर्सन को कितना केक मिला फोर पीसेस में से वन पीस उसको हम कैसे लिखेंगे अच्छा। एक और चीज बताइए मेरे को कि जब मैं किसी एक चीज को एक कंप्लीट चीज को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हूं, तो उनमें से एक हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों एक हिस्सा कहलाता है उस पूरे केक का क्वार्टर पार्ट यस इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हर एक पर्सन को वन फोर्थ केक मिला है पार्ट का केक का पार्ट वन फोर्थ पार्ट मिला है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हर एक पर्सन को क्वार्टर केक मिला है है ना तो ये दोनों ही चीज आप आंसर में लिख सकते हो तो हम क्या लिखेंगे ईच ऑफ देम गैट्स अब इस इधर आप लिख सकते हो वन अपॉन फोर वन फोर्थ पार्ट ऑफ द केक या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह और क्वार्टर ऑफ केक तो दोनों लिख दोगे तो और भी अच्छी बात है मैम कहेंगी कि इसको तो सब कुछ पता है तो हम लिखेंगे कि ईच पर्सन गॉट वन फोर्थ पार्ट ऑफ द केक और क्वार्टर ऑफ केक क्योंकि वन फोर्थ हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं क्वार्टर बोलते हैं क्लियर हो गई यहां तक की कहानी तो अब आगे बढ़ते हैं अभी तो किसी ने खाया ही नहीं अभी तो मिला ही है उनको तो अब देखते हैं क्या हुआ आगे ये हुआ कि मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी अब रजनी की जो मॉम थी उनको हो सकता है कि रजनी की मम्मी को केक पसंद ना हो तो उन्होंने क्या किया रजनी की मम्मी ने केक दे दिया अपना रजनी को अब अभी सबके पास एक एक पीस थे है ना अभी तक क्या था अगर हम लिख ले यहां रजनी रजनी का भाई राजू रजनी के फादर और रजनी की मदर अभी तक क्या था टोटल फोर पीसेस थे केक के फोर पार्ट लिख दें या पीसेस लिख दें है ना तो टोटल फोर पार्ट थे केक के फोर पीसेस थे फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था केक को और उनमें से हर एक पर्सन को रजनी को वन फोर्थ केक मिला राजू को वन फोर्थ केक मिला फादर को वन फोर्थ केक मिला और मदर को वन फोर्थ यानी कि सबको एक एक पीस मिले पर अब हुआ क्या अब ये हुआ कि जो रजनी की मदर है उन्होंने अपना वाला पार्ट उठाकर किसको दे दिया रजनी को दे दिया तो अब हुआ क्या होगा रजनी के पास पहले से वन फोर्थ पार्ट था अब और उसके पास किसका आ गया वन फोर्थ पार्ट और आ गया उसकी मम्मी का है ना तो अब उसकी मम्मी के पास कितना बचा जीरो कुछ भी केक नहीं बचा उन्होंने तो पूरा रजनी को दे दिया अपना हिस्सा तो लिखा हुआ है यहाँ पे नाउ कलर दैट रजनी अब हमको ये बताना है उस केक में कलर करके कि कितना हिस्सा होगा उस केक का जो रजनी को मिला होगा तो देखो सीधी सीधी सी बात है पहले एक हिस्सा रजनी के पास ऑलरेडी था फिर एक हिस्सा और मदर ने दे दिया तो टोटल उसको कितने हिस्से मिल गए हैं टोटल रजनी के पास अब दो पार्ट दो पीसेस हो गए हैं केक के कितने पीसेस में से फोर पीसेस में से तो आप इस तरीके से यहाँ पे एडिशन भी सीख गए कि वन फोर्थ पार्ट रजनी का प्लस वन फोर्थ पार्ट उसकी मदर का फोर फोर कॉमन है वैसा का वैसा लिखेंगे वन और वन हो जाएगा टू तो कितना हो गया ये टू अपॉन फोर पार्ट टू अपॉन फोर मतलब दो पीसेस केक के टोटल फोर पीसेस में से ये कहानी क्लियर है आप लोगों को तो हम क्या करेंगे क्योंकि रजनी को दो पीस अब मिल चुके हैं एक उसका और एक उसकी मम्मी का तो हम कैसे कलर करेंगे इस केक को आप ये जो हमारा स्टार्टिंग में जो केक था जिसको चार हिस्सों में हमने डिवाइड किया था उसके कोई भी दो हिस्से कलर कर सकते हो इन दोनों को कलर कर दो या फिर इसको नहीं कर रहे तो इन दोनों को कलर कर दो इसको नहीं करना तो इन दोनों को कलर कर दो इसको नहीं करना तो इन दोनों को कलर कर दो कोई भी दो पार्ट आपको कलर करने हैं सो so, देखिए अपन कलर कर देते हैं जो आपका मन करे आप वो पार्ट कलर कर सकते हो तो मैंने किया ये वाला पार्ट कलर सबसे पहले ये एक पीस ऑलरेडी रजनी के पास था और एक और जो पीस है ये उसकी मम्मी ने उसको दे दिया तो ये दो पीसेस क्या हो गए रजनी के हो गए तो आप इस तरीके से अब उसको एक ही कलर से कर सकते हो कि ये जो पूरा पीस है अब इतना सारा केक जो है वो रजनी के पास है यानी रजनी के तो बिल्कुल मतलब इज रियली लकी बहुत लकी निकली वो उसको दो दो पीस मिल गए केक खाने के है ना सो so, अब मेरे को ये बताइए कि अगर कलर तो हमने कर दिया और हमने ये भी देख लिया कि हमने कैसे निकाल लिया कि टू पार्ट आउट ऑफ फोर पार्ट तो हम लिख देंगे इसको कि ये क्या है टू अपॉन फोर के बराबर है यानी कि फोर पीसेस में से टू पीस मिले हैं तो उसको टू बाय फोर से रिप्रेजेंट करेंगे हम क्या इसको कुछ और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू अपॉन फोर की जगह कुछ और भी लिख सकती हूं क्या मैं देखो अगर मैं इस पूरे केक को ये पूरा गोल केक था इसको मैं सिर्फ बीच में से कट करती तो एक ऊपर का हिस्सा होता एक नीचे का हिस्सा होता मानते हो आप एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा यानी कि इस केक को सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता फिर और इन दो पार्ट्स में से जो पूरा एक हिस्सा है ये ऊपर वाला ये किसको मिल चुका है रजनी को मिल चुका है तो यानी कि अगर इस केक को सिर्फ दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया होता तो उनमें से पूरा एक पार्ट अब किसके पास है रजनी के पास है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो अब मैं पहले बोल रही थी कि देखो उसको टू बायोर्थ पार्ट मिला है अब मैं बोल रही हूं कि उसको वन बाय टू पार्ट मिला है और मैंने इन दोनों के बीच में साइन लगा दिया है इक्वल का तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे तो देखिए अगर चार हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो तो दो हिस्से है रजनी के पास और वहीं इस केक को अगर सिर्फ दो हिस्सों में ही डिवाइड कर रहे हो तो पूरा एक हिस्सा है रजनी के पास तो यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है साइज का अगर चार पार्ट थे अगर इस केक के चार हिस्से हो रहे थे तो देखो हर एक को इतना इतना हिस्सा ही मिल रहा था छोटा था है ना तो उसमें से दो हिस्से रजनी के पास पहुंच गए अब इसलिए हमने टू अप फोर लिखा लेकिन अगर इसी केक को अब मैं क्या करूं कि नहीं इसको ऐसा करते हैं सिर्फ बीच में से कट करते हैं तो एक इसके ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा तो पूरा ऊपर का हिस्सा मिल चुका है रजनी को तो यानी दो हिस्सों में से एक हिस्सा मिल चुका है तो वन अपॉइंट टू लिखो या टू अपॉइंट फोर लिखो दोनों बराबर होंगे तो आप दोनों आंसर्स लिख सकते हैं यहां तो सिर्फ कलर करना था पर आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे कि रजनी को टू अपॉइंट फोर पार्ट मिला है केक का दैट इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू इक्वल करके लिख दोगे तो टीचर भी समझ जाएगी कि अच्छा वन अपॉइंट टू का मतलब केक को दो बराबर हिस्सों में बांटा तो एक हिस्सा रजनी के पास है और टू अपॉइंट फोर का मतलब उसी केक को चार हिस्सों में बांटा तो अब छोटे छोटे हिस्से हो गए होंगे तो अब दो हिस्से हैं रजनी के पास क्लियर हुई कहानी तो ये हमने यहाँ पे कलर भी कर दिया और इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो आप या तो ऊपर के दो कलर कर दो इस साइड के दो कलर कर दो कहीं के भी दो बॉक्सेस हमको कलर करने हैं हो गया समझ में आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है नेक्स्ट लिखा है Out of four parts, Rajni will get parts which is equal to half of the cake. So she can write it as dash upon 4 or 1 upon 2. वही जो अभी हमने समझा, वही equation में बोला गया है, कह रहे हैं कि out of four parts, चार parts जो थे total, उनमें से Rajni will get पार्ट्स उनमें से कुछ पार्ट्स रजनी को मिलेंगे केक के व्हिच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक जो कि काय के बराबर है आधे केक के बराबर है दो पार्ट अगर रजनी को मिल रहे हैं तो दो पार्ट इस केक का क्या है आधा है इस केक का है ना क्योंकि अगर चार पार्ट से पूरा केक बन रहा है तो चार का आधा दो तो पूरे का आधा आधा केक है ना तो यानी कि हम उसको फिर कैसे लिख सकते हैं डैश अपॉन 4 जो कि वन अपॉइंट टू के बराबर है ये चीज ये लिखी हुई है कि यहां मैं कौन सी वैल्यू रखू ऊपर ताकि वो वन अपॉइंट टू के बराबर हो तो अरे जब केक को चार हिस्सों में डिवाइड किया है तो रजनी को कितना मिलेगा रजनी को मिलेंगे टू पार्ट तो ये टू अपॉइंट फोर होगा जिसको हम वन अपॉइंट टू के बराबर बता रहे हैं क्लियर हो गया आगे दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर इसका कि आउट ऑफ फोर पार्ट्स रजनी विल गेट टू पार्ट्स यहाँ बोला था ना गेट कितने पार्ट्स नहीं लिखे थे तो हम लिखेंगे कि रजनी को चार पार्ट्स में से कितने पार्ट मिले दो पार्ट मिले विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक सो शी कैन राइट इट एज टू अपॉइंट फोर और टू अपॉइंट फोर भी लिख सकती है और upon भी लिख सकती है कि पूरे केक का आधा भी है ये हिस्सा इसलिए वन अपॉइंट टू और पूरे चार हिस्सों के दो हिस्से हैं उसके पास तो टू अपॉइंट फोर लिख दिया उसने अब लिखा हुआ है कि बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी यानी कि जब रजनी की मम्मी ने रजनी को अपना केक का जो शेयर है केक का जो पीस है वो रजनी को दिया बिफोर दैट यानी कि उससे पहले क्या हुआ शी हैड ओनली हाफ ऑफ द केक विच वॉज वन फोर्थ ऑफ द टोटल केक ठीक है रजनी की मम्मी ने जब रजनी को अपना पार्ट दिया था उसके पहले रजनी के पास कितना केक था अभी जितना केक मिला है उसको मिला के उसका आधा ही था पहले तो वो काय के बराबर था वन फोर्थ के बराबर था पहले टोटल फोर पीसेस में से रजनी के पास तो वन ही पीसेस थे तो हम उसको कैसे लिखेंगे वन बाय फोर के बराबर यानी कि जब उसको मम्मी वाला केक नहीं मिला था तब रजनी के पास वन फोर्थ पार्ट ऑफ द केक था आगे दिया है नेक्स्ट कलर द शेयर राजू गॉट अच्छा राजू को कितना केक मिला राजू कौन था रजनी का ही प्यारा सा भाई ब्रदर So, राजू को कितना केक मिला उसका हिस्सा हमको क्या करना है कलर करना है तो हमको पता है देखो सिर्फ ट्रांजैक्शन केक का किसके बीच में हुआ है मदर और रजनी के बीच राजू और फादर को तो जितना पहले केक मिला था उतना ही है उनको तो किसी ने एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है तो यानी कि सबको वन वन पीस मिले थे तो राजू को भी कितने पीसेस मिले होंगे केक के एक ही पीस मिला होगा और टोटल कितने पीसेस थे के? के? टोटल पीसेस थे फोर पीसेस दैट मींस अगर मैं राजू का शेयर लिखना चाहूं फ्रैक्शन में राजू शेयर तो वो कितना होगा वन पार्ट आउट ऑफ फोर पार्ट यानी कि चार हिस्सों में से वह एक हिस्सा तो वन फोर्थ से रिप्रेजेंट करेंगे और वन फोर्थ को हम क्या बोलते हैं वन फोर्थ को हम बोलते हैं क्वार्टर तो हम ये भी बोल सकते हैं कि राजू गॉट क्वार्टर ऑफ अ केक एक केक का जो क्वार्टर पार्ट होता है यानी कि वन फोर्थ हिस्सा होता है उतना हिस्सा राजू को मिला है तो हमको यहाँ पे निकालना नहीं था कितना हिस्सा मिला है हमको ये खुद पता होना था और हमको कलर करना है एक्चुअली तो वन फोर्थ पार्ट कलर करना है यानी कि चार हिस्सों में से कोई भी एक हिस्सा आपको क्या करना है कलर करना है तो वो बताएगा कि इतना केक राजू को मिला है अब देखो वही केक था चार हिस्सों में डिवाइड हुआ वन टू थ्री फोर ये चार पार्ट है इनमें से कोई भी एक पार्ट कलर कर दो जो भी आपको पसंद हो तो मैंने क्या किया यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कर दिया कलर देखिए अपन यहाँ पे जैसे कि सेकंड वाला कलर हुआ है तो अपन क्या कर सकते हैं फर्स्ट वाला भी कलर कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट भी कलर कर रहे हो वो भी राजू का शेयर बताएगा फर्स्ट नहीं करना कलर कोई दिक्कत नहीं है आप क्या कर सकते हो सेकंड कलर कर सकते हो ये दिया है सेकंड नहीं करना ये थर्ड वाला कलर कर दो ये भी हो सकता है राजू का शेयर क्योंकि राजू को तो सिर्फ एक पीस मिला है इन चारों में से तो वो एक पीस कोई सा भी हो सकता है तो बस आप वहां पर ये चेक करेंगी आपकी टीचर कि आपने कितने पीसेस को कलर किया है जितने पीस को कलर किया है वही बताएंगे कि राजू को इतना शेयर मिला है और हमने देखा राजू को तो किसी ने एक्स्ट्रा केक दिया नहीं है तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में सबको वन वन पीस मिला था वही वन पीस जो है वो केक का राजू के पास होगा तो यानी कि वन पीस को हम कलर कर देंगे पूरे केक में से तो वो बताएगा राजू का शेयर यानी कि राजू को कितना केक मिला है नेक्स्ट देखो और क्या हुआ फिर इस कहानी में आगे दिया है हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टूगेदर गेट ओके ये अब थोड़ी सी नई चीज सीखने जा रहे हैं अपन अभी तक अपन ने वन बाय टू सीखा और वन बाय फोर सीखा है ना टू पार्ट्स में से वन पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम हाफ भी बोलते हैं और वन बाय फोर वन बाय फोर को हम क्या बोलते हैं चार पार्ट में से एक पार्ट इसको हम बोलते हैं क्वार्टर जो हमारे चैप्टर का नाम है हाफ एंड क्वार्टर्स अब इसके अलावा अब एक और चीज आप सीखने वाले हो एक और फ्रैक्शन वो क्या है वो देखो तो लिखा है हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट अब फाइनल बात कर रहे हैं कि फाइनली रजनी को कितना केक मिला और राजू को कितना केक मिला तो उनका टुगेदर यानी कि दोनों का मिला के कितना केक हो रहा है वो हमको पता करना है कलर देआर टोटल शेयर टोटल उनको मिला के कितना शेयर हो रहा है केक में उसको कलर करना है ऑल टूगेदर दे गॉट थ्री पार्ट आउट ऑफ फोर सो वी कैन राइट इट एस ओके अब आप बताइए रजनी के पास एक हिस्सा था केक का यहां पर लिख लेते हैं रजनी के पास एक हिस्सा था राजू के पास एक हिस्सा था केक का फादर के पास एक हिस्सा केक का और मदर के पास भी एक हिस्सा केक का फिर कहानी में हुआ ये कि मदर ने अपना एक हिस्सा उठा के किसको दे दिया रजनी को दे दिया तो अब रजनी के पास कितने टोटल पीसेस हो गए केक की के वन प्लस वन टू पीसेस हमको बात करनी है सिर्फ रजनी और राजू के टुगेदर की यानी कि अब दो पीसेस रजनी के पास है एक पीस राजू के पास है तो टोटल रजनी एंड राजूज शेयर कितना होगा रजनी और राजू का शेयर मिलाकर कितना होगा तो देखो दो पीस रजनी के एक पीस राजू का मिला के कितने पीस हो गए तीन पीस हो गए और टोटल पीस थे कितने टोटल पीस चार थे तो यानी कि अगर मैं उसको फ्रैक्शन में लिखूं तो हम क्या लिखेंगे थ्री अपॉन फोर थ्री पीस आउट ऑफ फोर पीस ऐसे ही लिखते हैं फ्रैक्शन में हम ये फ्रैक्शन होता है ऊपर नीचे लिखना है इस तरीके से नंबर को तो हम लिखेंगे कि रजनी के पास दो पीसेस थे राजू के पास एक पीस था टू और वन मिला के टोटल उनके पास थ्री पीसेस हो गए तो उनका शेयर कितना होगा पूरे केक का थ्री फोर्थ शेयर होगा इसको हम क्या बोलते हैं थ्री फोर्थ अब अगर मुझे कलर करना है तो थ्री फोर्थ हिस्सा कलर कैसे करूंगी जो फोर इक्वल पार्ट है उनमें से तीन पार्ट हम इस तरीके से क्या कर देंगे कलर कर देंगे तो ये जो तीन हिस्से हैं, जो कलरफुल एरिया है यहाँ का पिंक पिंक वो हमको बता रहा है कि टोटल रजनी और राजू को मिलाकर कितना केक एक्चुअली यहाँ इनको मिला है क्लियर कहानी आगे बढ़ते हैं So, ये हमने देख लिया आप लिख सकते हो कि रजनी आंसर लिख सकते हो रजनी एंड राजू टुगेदर गेट थ्री फोर्थ ऑफ द टोटल केक पूरे केक का थ्री फोर्थ हिस्सा तो थ्री फोर्थ का मतलब समझ आ गया ना यहाँ पे हम क्या करते हैं हम वन बाय टू सीख रहे थे वन बाय टू को हमने बोला था हाफ ठीक है फिर हमने वन बाय फोर सीखा उसको हमने बोला क्वार्टर अब एक और नई चीज सीख गए हो आप थ्री अपॉन फोर थ्री फोर्थ होता है ये, तो, इसको आप ध्यान रखना, ये कहलाते हैं. तो ये क्या हो गया इतना पार्ट रजनी और राजू को मिलाकर मिला था तो ये हमने पढ़ लिया क्लियर कहानी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आगे नई कहानी शुरू हो रही है नई कहानी है ग्रीडी कुंडू के बारे में इसका मतलब अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कटिंग द केक ये पूरा खत्म हो गया है इसमें हमने रजनी राजू फादर मदर इन सब के शेयर कितना कितना मिला है इनको शुरुआत में सबको पार्ट मिला था यानी चार में से एक हिस्सा उसके बाद रजनी की मदर ने रजनी को जब केक दे दिया अपना तो रजनी के पास दो पीसेस हो गए चार में से तो उसको हम टू अपॉइंट फोर या फिर वन अपॉइंट टू से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसके बाद क्या हुआ उसके बाद उस रजनी के पास टू अपॉइन फोर पीसेस थे यानी दो पीसेस थे चार में से उसके भाई के पास एक पीस था तो दो और तीन तो टोटल पीसेस कितने हो गए थ्री पीसेस हो गए दोनों के मिला के तो थ्री अपॉइन फोर पार्ट आ पार गया रजनी एंड राजू का टुगेदर ये कहानी क्लियर हो गई है अगर तो अगली क्लास में आ जाओ जल्दी से वहां हम पढ़ लेते हैं ग्रीडी कुंदू की कहानी अब कुंदू कौन है और ग्रीडी मतलब सेल्फिश क्यों है वो सेल्फिश क्या उसने कर दिया अब कुंदू एक ग्रीडी मैन है सबसे पहले लिखा हुआ है बहुत ही लालची इंसान है कहाँ है किस चीज में लालच कर रहा है क्या चीज उसको चाहिए तो इसकी स्टोरी अगली क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी टिल देन आपको क्या करना है आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है वहां आपको क्लास क्लास से 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई को और आसान बना देंगे इतना ही नहीं मैग्नेट ब्रेन में यहाँ आपको हम एक दो चैप्टर्स पढ़ाने के बाद आगे के कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं तो खूब मन लगा के पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आपको बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट सो हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं टॉपिक का नाम है ग्रीडी कुंदू अब क्या मतलब है ग्रीडी का कौन है ये कुंदू ये स्टोरी दी हुई है आपके क्लास फोर मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर पर हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ्स का चैप्टर चैप्टर का नाम है हाफ एंड क्वार्टर्स सो अभी तक तो सब बच्चे खूब अच्छे से समझ गए होंगे कि हाफ का मतलब क्या होता है क्वार्टर का मतलब क्या होता है In fact, पिछली क्लास में तो अपन ने भी पढ़ा को हम three upon four से करते हैं वो क्या था था राजू और रजनी का जितना उनको मिला है केक में वो थार यस स्टूडेंट मैंने पिछली क्लास में आपको जो स्टोरी सुनाई थी वो थी कटिंग द केक यहां हमने थ्री फोर्थ हिस्सा निकालना सीखा था वन फोर्थ पार्ट देखा था कैसे टू अपॉन फोर को हम वन अपॉन टू भी लिख सकते हैं ये भी हमने पिछली क्लास में सीख लिया था सो आई होप सब बच्चों का रिविजन चल रहा होगा पढ़ाई अच्छे से चल रही है है ना सो so, बिल्कुल उसको कंटिन्यू रखिए क्योंकि अग, अब मैं आपको इसके आगे का स्टोरी बताने वाली हूँ इसके आगे कौन सी स्टोरी दी हुई है स्टोरी है ग्रीडी कुंदू की अब कुंदू नाम का एक पर्सन है एंड लिखा हुआ है कुंदू इज अ ग्रीडी मैन यानी कि कुंदू कैसा है इंसान है बहुत ही ग्रीडी लालची सा पर्सन है मतलब उसको क्या है ना पैसे खर्च नहीं करने मतलब उसको अपने रुपीस को बचाकर रखना है अपनी मनी को बचाकर रखना है पर उसको सामान भी खूब खूब -खुँ सारा चाहिए आप लोगों का भी एनकाउंटर ऐसे लोगों के साथ होता होगा क्या होता है कभी अपन जाते हैं कहीं मार्केट में कुछ सामान खरीदने सबसे जहां पे इस टाइप ट्र, की बातें देखी जाती हैं वो है हमारा सब्जी मार्केट सब्जी मार्केट में जब हम जाते हैं तो भले ही हम बार्गेन ना करें पर आसपास के जो लोग हैं सब बार्गेन कर रहे होते हैं है ना तो मतलब हमको लगता है कि ये बार्गेनिंग वाला तो कल्चर ही है यानी कि अगर हम कम नहीं करवाएंगे किसी चीज़ की कीमत तो ये होगा कि हमको बुद्धू बना दिया गया है तो यही क्या हो रहा है कुंदू भी यही करता है कि जब वो वेजिटेबल मार्केट जाता है वेजिटेबल्स खरीदने सब्जियां खरीदने तो होता क्या है वो एक एक सब्जी वाले के पास जाएगा एक वेंडर के पास जाएगा वेजिटेबल वाले के पास वो उससे वहां पे रेट पूछेगा अगर एक बोल रहा है सब्जी वाला कि ये चीज मैं आपको ट्वेंटी रुपीज में दूंगा तो वो कहेगा कि नहीं 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 मेरे को तो फिफ्टीन में चाहिए तो वो कहेगा नहीं नहीं भैया हमारे पास तो बहुत फ्रेश फ्रेश सब्जियां हैं हमारा जो रेट है वो तो फिक्स है ट्वेंटी रुपीज तो वो चला गया वो फिर दूसरे सब्जी वाले के पास गया कुंदू वहां पे वो पूछता है कि कितने रुपए की है ये सब्जी तो वहां वो बोल देता है 15 रुपीस की तो अब इसमें तो कुंदू को खुश होना चाहिए कि वाओ, अच्छा रहा मैं अगर फर्स्ट वाले से सब्जी ले लेता तो वहां तो ट्वेंटी रुपीज की सब्जी मिलती मुझे वही सब्जी मुझे दूसरा वेजिटेबल वाले कितने की दे रहे हैं फिफ्टीन की पर नहीं कुंदू तो हैप्पी हुआ ही नहीं उसको तो यहां भी लालच दिख गया क्या हुआ अब यहां दूसरे वाले के पास वो पता है क्या कहता है ओ गॉड फि नो 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 मी दिस दस रुपए में चाहिए मतलब वो सब्जी वाला खुद कम करके पंद्रह रुपए में दे रहा है तब भी उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा कुंदू को अब उसको वही वेजिटेबल टेन में चाहिए तो वो बोलता है वेजिटेबल वाले से कि नो 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 मुझे तो दस रुपए में दो तो अब वो वेजिटेबल वाला बोलता है कि नहीं नहीं मैंने आपको पहले ही फिफ्टीन रुपीज बताए हैं जो कम है दूसरों से तो मैं टेन रुपीज में नहीं दे पाऊंगा अब क्या होता है कुंदू तो नहीं मानेगा वो चला गया नहीं चाहिए अब वो थर्ड वेजिटेबल वाले के पास गया जब वो थर्ड वाले के पास गया उसने वहां जाके पूछा कि ये वेजिटेबल कितने की है तो वही सेम वेजिटेबल जो पहले वाले के पास ट्वेंटी रुपीज की थी दूसरे वाले के पास टेन रुपीज की थी वो सॉरी दूसरे वाले के पास फिफ्टीन रुपीज की थी अब तीसरा वाला कितने में दे रहा है टेन में दे रहा है पहले वही चीज ट्वेंटी में मिली फिर दूसरे पास फिफ्टीन में मिली तीसरा वाला खुद कह रहा है कि टेन रुपीज में ले लो तो अब तो और ज्यादा खुश होना चाहिए ना गुंदू को कि वाओ मैं बोल रहा था मुझे दस में चाहिए वो वो वाला मेरे को पंद्रह रुपए में दे रहा था पर नो 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 कुू तो बहुत ज्यादा लालची इंसान है उसको तो जो जितने रेट बता रहा है उतने में तो उसको चाहिए ही नहीं वो उससे कम ही देना चाहता है तो अब वो बोल रहा होगा कि नहीं 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 टेन तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है मुझे टेन से कम में चाहिए मुझे फाइव रुपीज में चाहिए तो अब क्या करेंगे वेजिटेबल वाले भगा देंगे उसको बिल्कुल कि जाइए आप हमको अपनी वेजिटेबल नहीं देनी आपको आपको तो हम जितने भी रेट कहते हैं आपको उससे कम करवाने रहते हैं तो ऐसी ही स्टोरी यहाँ पे दी हुई है चलिए आप मेरे साथ साथ स्टोरी को रीड कर लीजिए लिखा हुआ है यहां पर कुंदू इज अ ग्रीडी मैन कुंदू नाम का एक पर्सन है बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है वो वेन हैवर ही गोज टू द मार्केट ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर बट टू स्पेंड मच मनी क्या मतलब है वेन हैवर ही गोज टू द मार्केट जब भी वो मार्केट जाता है He wants to get more and more. उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं मार्केट से but doesn't want to spend much money. पर वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता उसको सामान तो ज्यादा खरीदना होता है पर वो चाहता है कि थोड़े थोड़े पैसे में ही उसे खूब सारा सामान मिल जाए लिखा हुआ है one day he wants to eat pumpkin. एक दिन उसको क्या खाना था पंपकिन खाना था पंपकिन कैसा दिखता है इस तरीके से दिखता है सो so, उसका एक दिन मन हुआ पंपकिन खाने का ही ट्राइज टू बाय अग बिग पंपकिन विथ ओनली रूपीज टेन वो क्या ट्राई कर रहा था क्या कोशिश कर रहा था वो कि एक बहुत बिग पंपिन यानी कि बड़ा सा उसको मिल मिल जाए जाए और कितने रुपए में ओनली सिर्फ 10 वो खर्च करने का मूड बना रहा था कि मैं दस रुपए में एक खूब बड़ा सा पंपकिन लेकर आ जाऊंगा तो मुझे खूब सारा पंपकिन मिल जाएगा और मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे फिर हुआ ये

उससे जाके पूछा कि ये बिग पंपकिन ये बड़ा सा जो पंपकिन है वो कितने रुपए का है यहां देखिए ये रहा कुंदू ये बनी है उसकी फोटो यही है वो लालची इंसान तो ये पहले देखो एक आंटी बेच रही हैं बहुत सारे पंपकिन तो वो उनके पास जाके पूछा कि ये कितने रुपए का है तो फर्स्ट पंपकिन सेलर पहला जो पंपकिन बेच रहा था इंसान वहां पर उसने बोला वन फोर्थ ऑफ दिस पंपकिन इज फॉर रुपीज टेन क्या बोला दस रुपए में आपको इस pumpkin का one fourth हिस्सा मिलेगा. पंप हिस्सा कितना होता है बच्चों क्वार्टर राइट यानी कि अगर एक पंपकिन को हम क्या करेंगे अगर मैं एक इस पंपकिन को चार बराबर हिस्सों में बांट दूं इस तरीके से तो जो एक हिस्सा होगा वो एक हिस्सा जो है वो मिलेगा आपको कितने में दस रुपए में तो ये देखो ये एक हिस्सा हो गया समझिए ये दूसरा हिस्सा ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा तो एक पंपकिन को उसने कैसे काट के रखा है चार टोटल इक्वल पार्ट्स में कट करके रखा है और फोर इक्वल पार्ट्स में से हर एक पार्ट कितना कहलाएगा वन बाय फोर ये पार्ट वन बाय फोर ये बाईन ये वन बाय फोर यानी फोर इक्वल पार्ट में से एक पार्ट टोटल मिला के फोर पार्ट हो रहे हैं तो वो जो फर्स्ट वेजिटेबल सेलर है वो क्या कह रहा था उसने कहा कि अगर आपको पंपकिन चाहिए है तो इस बड़े से पंपकिन का जो वन फोर्थ पार्ट है यानी कि अगर मैं इस पंपकिन को फोर इक्वल पार्ट में कट करूं तो सिर्फ एक पार्ट उसका कितने रुपए का है, है दस रुपए का तो इसमें तो कुंदू तो बिल्कुल मजा नहीं आया होगा कुंदू को क्योंकि वो घर से क्या सोच के निकला था कुंदू तो सोच के निकला था एक बड़ा सा पंपकिन लेकर आऊंगा टेन रुपीज में पर जब वो सबसे पहले वेजिटेबल सेलर के पास गया तब उसको टेन रुपीज़ में कितना पंपकिन मिला सिर्फ एक हिस्सा मिल रहा था फोर इक्वल पार्ट्स में से यानी कि पूरे पंपकिन का अगर फोर इक्वल पार्ट्स करें उनमें से वन पार्ट यानि कि वन फोर्थ पंपकिन मिल रहा था उसको टेन रुपीज़ में तो वो तो नहीं खरीदने वाला फिर उसने क्या बोला उससे फर्स्ट वेजिटेबल से वो देखते हैं तो दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट कितने रुपीज़ हमसे अभी पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अगर वन फोर्थ पार्ट जो है पम्पकिन का वो कितने का आ रहा है टेन रुपीज़ का आ रहा है तो फुल पम्पकिन कितने रुपए का आएगा ये पहले हमको फाइंड करना है तो हमको तो फाइंड करना आता है कैसे फाइंड करेंगे हम इसको हम इस तरीके से फाइंड करेंगे देखो ज़रा एक पूरा बड़ा पम्पकिन था ठीक है इसी पंप को मैंने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया उसमें से जो एक पार्ट है जिसको मैं वन बाय फोर बोल रही हूँ वो कितने का आ रहा है वो आ रहा है रुपीज टेन का यही कहानी दी है तो हमसे पूछा है कि ये फुल पम्पकिन फुल पम्पकिन में कितने पार्ट है फोर पार्ट है तो वो कितने का आएगा तो इसको आप ऐसे देख सकते हो ये एक पार्ट आ रहा है टेन रुपीस का और एक के जैसे ऐसे तीन और हैं यानी कि टोटल चार पार्ट है तो हर एक पीस टेन टेन रुपीस का होगा तो अगर एक पीस टेन रुपए का तो एक बार दस रुपए दूसरा पीस भी टेन का तीसरा पीस भी टेन का चौथा पीस भी टेन का टोटल कितने हो गए चार पीसेस हैं तो चारों पीसेस के रुपए को अगर मैं मिला दूं तो टोटल जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो वन प्लस वन टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर कितने रुपीज हो गए चारों पीसेस को मिला के फोर्टी रुपीज हो रहे हैं और चार पीस मिला के ही पूरा एक पंपकिन बनेगा क्यों क्योंकि एक पीस की ही तो कॉस्ट टेन रुपीज दी है वन फोर्थ पंपकिन का क्या मतलब है वन फोर्थ पंपकिन का मतलब है कि अगर उस पंपकिन के फोर इक्वल पार्ट्स हैं, तो उनमें से एक पार्ट आपका टेन रुपीज का है तो एक पार्ट टेन का है तो दूसरा भी टेन का ही होगा तीसरा भी टेन और चौथा भी टेन, तो चारों टेन टेन रुपीज अगर हम कर लें तो हमें कितने रुपीज मिलेंगे? फोर्टी रुपीज के बराबर दैट मीनस ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था हम क्या लिख सकते हैं फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज फोर्टी पूरा पंपकिन कितने का देगी वो फोर्टी रुपीज का पर कुंदू को कितने का चाहिए फुल पंप वो तो सिर्फ टेन रुपीज का चाहता है क्या वो फर्स्ट वेजिटेबल सेलर इस से के किन को टेन रुपीज में देगी नो, नो 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 ऐसा बिल्कुल नहीं होगा है ना सो so इसीलिए उसने फिर नहीं किया होगा बाय पर हमारा फोकस यहाँ पे हमें काय पे रखना है कि हमने फुल पंप की कॉस्ट कैसे निकाली एक तरीका तो ये था कि आप हर एक पीस दस दस रुपए का है तो चार बार टेन को क्या कर लो ऐड कर लो इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप वो देखो आप लिख सकते हो कि वन पार्ट जो है पंपकिन का वो रुपीस टेन का है तो फोर पार्ट से क्या बन रहा है फुल पंपकिन बन रहा है तो वो कितने का आएगा एक पार्ट की कीमत में फोर का मल्टीप्लाई कर दो कुछ क्लासेस पहले मल्टीप्लीकेशन सीख रहे थे कि अगर एक चीज दस रुपए की है तो वैसी चार चीज कितने की होंगी टेन मल्टीप्लाइड बाई फोर दैट इज टेन फोर टाइम्स कितना होगा टेन की टेबल फोर टाइम्स पढ़ो या फोर की टेबल टेन टाइम्स आंसर आ जाएगा तो टेन वन टाइम्स टेन टेन टू टाइम्स ट्वेंटी टेन थ्री टाइम्स थर्टी टेन फोर टाइम्स 40 यानी कि फोर्टी रुपीज का क्या होगा फुल पंपकिन आएगा तो ये एक और तरीका है या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो या फिर आप वन पार्ट बराबर रुपीज टेन तो एक और पार्ट है वो भी दूसरा पार्ट भी टेन का होगा तीसरा पार्ट भी टेन का होगा और चौथा पार्ट जो है पंप का वो भी टेन का होगा टोटल कितने हो गए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फोर पार्ट्स हो गए हैं उस पंप के और फोर पार्ट से ही वो फुल पम्पकिन बन रहा है तो फुल पंप यानी कि फोर पार्ट्स मिला के कितने के होंगे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फोर्टी रुपीज के आंसर तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं ठीक है दोनों ही सही है दोनों से आंसर आ रहा है कि फुल पंप फोर्टी रुपीज का मिलेगा ठीक कहानी आगे देखो आंसर अब जमाना कैसे है आंसर को तो हम लिखेंगे कि जो कितनी होगी फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन दैट इज फोर्टी रुपीज सो दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज फोर्टी तो पूरा पंप किन फोर्टी रुपीज का आ जाएगा ओके okay, सो so ₹40 रुपीज हो गया हमारा आंसर क्लियर कहानी आगे बढ़े नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कुंदू ने फिर क्या बोला अ uh, ₹4 10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पंपकिन देखा बोल रही थी मैं कुंदू थोड़ी मानेगा लेडी ने कहा था 1/4 हिस्सा दे रही हूं मैं पर कुंदू क्या बोल रहा है मुझे वन बाय टू हिस्सा दो वन बाई टू का मतलब हाफ पंपकिन दो मुझे वन फोर्थ नहीं चाहिए मुझे हाफ पंपकिन चाहिए टेन का आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं ये अगर एक पंपकिन है तो अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो उसका हर एक हिस्सा क्या होगा हाफ तो वो वाला हिस्सा लेगा तो भी वन बाय टू ये हिस्सा लेगा तो भी वन बाय टू तो उसको इतना हिस्सा चाहिए है दस रुपए में जबकि वो जो सेलर है वो कितने हिस्से में दे रहा है वो इस पंपकिन को चार हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो वो एक हिस्सा दे रहा है टेन में तो वन फोर्थ पार्ट यानी इतना वो पंपकिन टेन रुपीज में दे रही है पर उसे कितना चाहिए हाफ चाहिए एक्चुअली अगर मैं आपको कलर करके बताऊं तो देखिए ये जो रेड इतना पार्ट है इतना पंपकिन उसको वेजिटेबल वाले दे रहे हैं टेन रुपीज में पर उसको चाहिए कितना है उसको एक्चुअली अगर मैं इस तरीके से कर दूं इसको इतना चाहिए उसको यानी कि ऊपर का हिस्सा तो चाहिए ही चाहिए इतना और चाहिए वो कह रहा है इतना दे दो तो ये दो मिला के कितने हो जाएंगे ये दो पार्ट हो जाएंगे चार पार्ट्स में से जिसको हम वन पॉइंट टू भी लिखते हैं हमने कुछ लेक्चर्स पहले ही देखा था क्योंकि ये दो हिस्सों में से ये जो टू पार्ट्स हैं चार के वो आधे हैं तो उसको हम वन पॉइंट टू से भी लिखते हैं तो कुंदू कह रहा है मुझे हाफ दे दो टेन रुपीज में यानी कि ये दो दो पार्ट दे दो टेन रुपीज में वो सिर्फ एक ही पार्ट दे रही है टेन में तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा तो देखो तो फर्स्ट पंप सेलर क्या बोल रही है देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच बिग पंप फॉर टेन पहले सब्जी वाले ने कहा कि ऐसा करिए भैया आपको अगर पूरा आधा कद पम्पकिन चाहिए दस रुपए में तो आप क्या करिए दूसरे वाले वेजिटेबल वो दूसरा जो बैठा हुआ है उसके पास चले जाइए वो आपको हाफ पम्पकिन टेन रुपीज में दे देगा सो आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिस वो बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ अच्छी क्वालिटी के ही पम्पकिन रखती हूँ तो मैं तो आपको सिर्फ वन फोर्थ पार्ट ही दे सकती हूँ टेन में कुू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर पंपकिन ऑफ द सेम साइज अब कुंदू चला अब दूसरे वेजिटेबल सेलर के पास पहुंचा वो और जैसा वो पहले वाला साइज था जितना बड़ा पंपकिन था पहले सब्जी वाले के पास उसी साइज का पंपकिन वो दूसरे सब्जी वाले के पास ढूंढने लगा तो फिर क्या हुआ उसको मिला क्या सो so, कुंदू बोलता है हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर रूपीज टेन तो अब वो दूसरे सब्जी वाले से पूछता है कि मैं ये जो बड़ा वाला पंपकिन रखा हुआ है ये देखो दिखा रहा है उस बड़े वाले पंपकिन में से मुझे कितना पंपकिन मिल सकता है टेन रुपीज में टेन रुपीज में आप मेरे को कितना पंपकिन दोगे सो सेकेंड पंपकिन सेलर दूसरा वाला जो पंपकिन सेलर था बेचने वाला पंपकिन वो बोलता है हाफ ऑफ दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज आधा पंप कितने रुपीस का आने वाला है टेन रुपीस का वो क्या बोलेगा कि हाफ पंपकिन मैं क्या करूंगा टेन रुपीस का दे दूंगा तो फुल पंप कितने का देगा बताइए अगर जो वेजिटेबल सेलर है वो हाफ पंपकिन कितने का दे रहा है हाफ पंप दे रहा है वो रुपीज टेन में हाफ तो फुल कितने में देगा फुल का बताओ हाफ का मतलब क्या होगा वन पॉइंट टू का क्या मतलब है कि एक जो पूरा पंपकिन है उसको बीच में से उसने कट किया आधा ऊपर आधा नीचे तो वो जो हाफ पार्ट है यानी कि वन बाई टू टू इक्वल पार्ट का एक पार्ट होता है हाफ तो इतना वो टेन में दे रहा है तो यहां से आप बिना कैलकुलेशन करे भी पता कर सकते हो कि ये आधा हिस्सा अगर दस रुपए का है तो बचा हुआ आधा हिस्सा भी दस रुपए का होगा और 10 और दस मिला के कितने हो जाएंगे 10 प्लस 10 हो जाएंगे ट्वेंटी रुपीज इसका मतलब फुल पंपकिन कितने रुपए का आ जाएगा ट्वेंटी रुपीज का यहाँ फुल पंपकिन उसको मिल रहा है ये तो अच्छी डील है है ना यहाँ पर उसको फुल पंपकिन मिल रहा है बीस रुपए का और अभी हमने देखा कि पहले वाला वेजिटेबल सेलर दे रहा था फुल पंपकिन कितने का निकाला था हमने फोर जीरो का तो अब तो बिल्कुल हाफ में मिल रहा है आधे दाम में मिल रहा है उसको बीस रुपए में पूरा पंपकिन मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए इसको सॉल्व कैसे करना है पहले ये लिख लो कि कॉस्ट ऑफ हाफ पम्पकिन अगर टेन रुपीज़ है तो कॉस्ट ऑफ फुल पम्पकिन कितनी होगी टू इंटू टेन यानी कि ट्वेंटी रुपीज़ टू का मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि दस दस रुपए दस दस रुपए के मैं बोल सकती हूँ दो हिस्से हैं ये ऊपर का आधा पंपकिन और नीचे का आधा पंपकिन मिला के ही फुल पंपकिन बन रहा है आधा पंपकिन दस रुपए का तो ये भी दस रुपए का तो टेन इंटू टू कितना होगा ट्वेंटी टेन प्लस टेन भी कर सकते हो तब भी ट्वेंटी मिलेगा यानी ट्वेंटी रुपीज में उसको सेकेंड पंपकिन सेलर बीस रुपए में फुल पंपकिन दे रहा है बहुत सस्ता है बिल्कुल आधी कीमत है पहला वाला फोर्टी रुपीज में फुल दे रहा था अब ट्वेंटी रुपीज में फुल मिल रहा है तब भी अब कुंदू क्या बोल रहा है वो नहीं मानने वाला है ना उसको ये डील भी अच्छी नहीं लग रही कुंदू बोल रहा है वाई नॉट गिव मी थ्री अपॉन फोर यानी उसे और चाहिए अब वो बोल रहा है कि अरे ऐसा करो ना कि आप जो मेरे को वन बाय टू पार्ट दे रहे हो रुपीज टेन में तो मेरे को थ्री अप फोर पार्ट दे दो टेन में कितना मतलब हुआ टू का क्या मतलब होगा कि इस पंपकिन को सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो उसका ये जो एक हिस्सा है वो दस रुपए में वो दे रही है और थ्री पॉइंट फोर का मतलब कि इस पंपकिन को चार हिस्सों में डिवाइड किया तो उनमें से जो तीन हिस्से होंगे ये एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा ये ये थ्री अपॉन फोर हो गया थ्री पार्ट्स आउट ऑफ फोर पार्ट्स तो देखो पंपकिन देना चाह रही है पर कुछ में ज्यादा पार्ट मिले तो क्या हुआ फिर तो सेकेंड पंपकिन सेलर ने कहा रन अवे ये बहुत अच्छा किया उसने सेकेंड वेजिटेबल वाली ने क्या कहा भागो भागो यहां से हम नहीं देने वाले पंपकिन आपको इतना सस्ता गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन उसने तीसरे के तरफ इशारा कर दिया कि वो जो तीसरा पर्सन बेच रहा है पंपकिन आप उसके पास जाइए ही सेल सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू फुल पंपकिन फॉर द साइज ऑफ रुपीज टेन वो बोल रही है कि वो जो इंसान वो जो वेजिटेबल वाले भैया बैठे हुए हैं ना वो इतनी बेड वेजिटेबल्स यानी कि इतनी बेकार सब्जियां बेचते हैं कि वो आपको इसी साइज का जो पूरा का पूरा पंपकिन है ना वो भी दस रुपए में दे देंगे तो क्या हुआ यानी कि कैसे बुरी वेजिटेबल्स होंगी यानी कि बहुत पुरानी होंगी जो जल्दी खराब होने वाली हैं जो ऑलमोस्ट खराब हो चुकी हैं ऐसी वेजिटेबल वो तीसरा वेजिटेबल वाला बेचता होगा तो वही दूसरे सेलर ने बोला सेकेंड वाले वेजिटेबल वाले ने कि आप उसके पास जाओ वो तो आपको पूरा बड़ा का बड़ा पंपकिन दस रुपए में दे देंगे क्योंकि उनकी बहुत खराब सब्जियां होती हैं फिर हुआ क्या तो वो देख लेते हैं द ग्रीडी कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट पम्पकिन सेलर अब वो जो ग्रीडी कुंदू था लालची इंसान था अब वो गया अगले वाले वेजिटेबल वाले के पास जिस जो बेड वेजिटेबल सेल करता है

थर्ड पंपकिन सेलर अब क्या बोल रहा है ये सुनिए थर्ड पंप सेलर ने बोला हमको कि don't डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ house यानी कि ऐसा क्यों नहीं करते तुम कि वो जो घर दिख रहा है ना उस घर की छत पर चढ़ जाओ तुम यू कैन गेट pumpkins फ्रॉम द प्लांट plant itself वो बोल रहा है थर्ड वाला कि ऐसा करिए भैया आपको अगर इतना मैं बोल सकती हूँ चीप चाहिए दस रुपए में पूरा का पूरा पम्पकिन चाहिए तो वो एक घर बना हुआ है उस घर के तरफ लगा हुआ है पम्पकिन का ट्री पम्पकिन का पेड़ तो आप उस घर की छत पर यानी कि रूफ पर क्लाइम करके चढ़ जाओ और वहाँ से पेड़ से खुद तोड़ लो अगर आप पेड़ से खुद पम्पकिन तोड़कर ले आओगे तो क्या होगा आपको तो फ्री में ही पंपकिन मिल जाएगा फिर तो आपको टेन रुपीज स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं है तो कुंदू को तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि वो चाहता ही है कि उसके पैसे खर्च ना हो बस उसको चीजें मिलती जाए तो ये तो बड़ा अच्छा है, है ना कि वो खुद से लेकर आ जाए पर हुआ क्या फिर कुंदू इज वेरी हैप्पी यानी कि कुंदू बहुत ज्यादा हैप्पी था बहुत खुश था कि ये मज़ा आ गया यार मैं तो सोचा था कि टेन रुपीज में बड़ा का बड़ा पंपकिन लेकर आऊंगा पर अब तो मैं खुद ही जाके ट्री से क्या करता हूँ पंपकिन तोड़ लेता हूँ तो मुझे तो फ्री में ही पंपकिन मिलेगा यानी जो मैंने टेन रुपीज स्पेंड करने का सोचा था वो भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा तो क्या हुआ फिर ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन आगे की स्टोरी नहीं लिखी हुई बोला है कि फिर उसने उस घर की रूफ पर यानी कि ये देखो इस तरह की छत पर चढ़ने की कोशिश करी तो अब वहां पर रूफ पर जाने के लिए कोई सीढ़ियां तो लगी नहीं थी कोई स्टेयर्स नहीं थी तो उसको कहीं ना कहीं से उसको आ, क्या करना था ऐसे ही जाना था कुछ चीजों पर चढ़कर ऐसे कर कर तो फिर क्या हुआ जब वो उस घर की छत पर चढ़ गया फिर उसने क्या किया तो वो हमको कंप्लीट करना है है तो क्या दिख रहा है आपको फोटो में हमको दिख रहा है कि वो तो भाई गिर गया उस छत के ऊपर से है प्रॉपर कोई स्टेयर्स तो थी नहीं सीढ़िया तो थी नहीं कि वो अच्छे से चढ़ के कद्दू को तोड़ लेता ले तो क्या हुआ हुआ ये कि वो गिर गया तो हम क्या लिखेंगे आगे हम कर सकते हैं स्टोरी को कंप्लीट लास्ट में इन्होंने छोड़ दिया ही क्लाइंट द रूफ ऑफ द हाउस एंड देन वो उस हाउस की जो रूफ है छत है उस पर चढ़ गया और फिर क्या हुआ तो आगे उन्होंने नहीं लिखा पर हम समझ गए कि वो गिर गया तो हम लिखेंगे एंड देन एंड देन He fell down और वो क्या हुआ गिर गया एंड अब क्या है उसको कद्दू भी नहीं मिला वो गिर गया उसको चोट और लग गई तो हम यहाँ पे अगर आपको आगे कहानी कंटिन्यू करनी है तो और भी लिख सकते हो कि ही फेल डाउन इतनी तो कंप्लीट कर ही देना उसके बाद आप लिख सकते हो कि देन ही ही गॉट गॉट एनी पम्पकिन इनफैक्ट यानी उसने अपने आप को इंज्योरी कर ली उसको लग गई होगी यार छत के ऊपर से गिरा है तो हो सकता है सर में ही लग गई हो बड़ी दिक्कत हो जाएगी है ना तो ये हमें स्टोरी से क्या मोरल मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है जल्दी से बता दीजिए आप लोग खूब बड़ी सी स्टोरी हमने यहाँ पे पढ़ी है उसके बाद अगला टॉपिक आ रहा है क्योंकि यूजिंग अ प्राइज लिस्ट तो इसको मैं अगली क्लास से शुरू करूंगी तो अभी पहले मेरे को इस वाली स्टोरी का मोरल बता दीजिए मोरल ऑफ द स्टोरी यही है बच्चों कि हमें कभी भी लालच नहीं रखना चाहिए जितने में हमें अच्छी चीज मिल रही है हमको ले लेना चाहिए इसका जो ग्रीडीनेस है इसकी जो लालच थी कि पैसे खर्च ना करने पड़े और पंपकिन मिल भी जाए उसकी वजह से हुआ क्या पम्पकिन तो उसको नहीं मिल पाया वो एक्चुअली तोड़कर ला रहा था पर वो रूफ पर से गिर गया एंड क्योंकि वो गिर गया तो उसको चोट आ गई होगी तो उसके उस पर पैसे हॉस्पिटल में और खर्च हो गए होंगे तो so, इस वजह से क्या हुआ वी शुड नेवर बी सेल्फिश अच्छी वेजिटेबल खरीदो आप भले ही कम खरीदो पर अच्छी वेजिटेबल लो अच्छा खाओ और सिर्फ वेजिटेबल के ही बारे में नहीं है ये स्टोरी ये हमारे लाइफ के हर इवेंट के बारे में है कि कहीं भी आपको ऐसी सेल्फिशनेस नहीं दिखानी चाहिए नहीं तो एंड में आपका ही बुरा होगा सो so, इस स्टोरी को फिर ख़त्म कर दिया हमने आगे की क्लास में नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि है यूजिंग अ प्राइज लिस्ट दिया हुआ है 100 पेज नंबर पर आपकी क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में तो इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट क्लास से शुरू करूंगी तब तक आप सबको पता है क्या करना है आज जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है मैग्नेट ड्रीज डॉट कॉम वहां आपको क्लास फोर्थ से लेके क्लास ट्वेल्व तक सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे सो कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच बु बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट मैं हूं आपकी फेवरेट सलोनी मिस और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है यूजिंग अ प्राइज लिस्ट ये टॉपिक दिया हुआ है आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 100 पर हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ्स का चैप्टर का नाम है तो so, बच्चों आप लोगों को अभी तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हाफ का मतलब आधा होता है उसको वन अपॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और क्वार्टर का मतलब होता है वन बाय फोर यानी कि चार हिस्से करें अगर टोटल फोर इक्वल पार्ट्स किसी चीज के किए उनमें से एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टर So, यहां तक हम काफी सारे questions भी solve कर चुके हैं अभी तक है ना इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ हमारी पिछली ही क्लास की सो so, पिछली क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे वहां हम देख रहे थे ग्रीडी कुंदू की स्टोरी हमने देखा था कि कुंदू किस तरीके से इतना ग्रीडी पर्सन था इतना लालची इंसान था कि उसको कम से कम पैसा खर्च हो उसका और उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए यही उसके लाइफ का मोटिव था तो एंड में हुआ क्या उसकी लालच हम बोलते हैं लालच बुरी बला है, है ना सो so, उसकी लालच का ये असर हुआ कि वो फ्री पंपकिन पाने के चक्कर में अपने हाथ पांव तोड़वा बैठा तो उसका हॉस्पिटल का खर्चा और ज्यादा बढ़ गया इसीलिए कहते हैं सेल्फिश नहीं होना चाहिए इनफैक्ट अपन आगे बढ़े तो ये जो कुंदू की स्टोरी हमने खत्म कर ली इसमें हमने काफी क्या देखे थे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे जिसमें थ्री अपॉन फोर 1/2 ये सब इन्वॉल्व थे फ्रैक्शंस तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे अगर कोई डाउट हो तो आप उसी क्लास के वीडियो के मैं बोल सकती हूँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना डाउट मैं बिल्कुल आपका डाउट देख के उसको सॉल्व कर दूंगी सो so चलिए अब आगे बढ़ते हैं greedy कुंदू से तो हमको छुटकारा मिल गया हो गई उसकी कहानी खत्म उसके तो हाथ पांव टूट गए थे वो रूफ से गिर गया था तो है प्राइज लेपिक so, अब, अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है थोड़ा सा मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा दूँ इससे होता यह है कि जब हम कहीं पर सामान खरीदने जाते हैं तो ऑलरेडी वहां पे उसके रेट्स लिखे होते हैं है ना अब आप नॉर्मल दुकानों पे जाओगे तो वहाँ भले ही ना रुके लिखे हो लेकिन थोड़ी बड़ी बड़ी शॉप्स पर जाओगे जहाँ आप खुद सामान उठाते हो या जहाँ ये मॉल्स होते हैं तो वहाँ जब आप जाते हो सब्जी या बाकी का सामान खरीदने तो एक प्राइस लिस्ट लगी होती है अगर एक साथ नहीं लगी होती तो हर सामान के नीचे लिखा होता है कि ये सामान एक किलो या एक लीटर ये चीज कितने रुपए की आएगी आपने देखा होगा सो so, यानी हमने देखा है कि जब हम ऐसे शॉप्स पर जाते हैं जहाँ हम खुद सामान ले सकते हैं तो उस सामान के नीचे लिखा होता है उस शेल्फ में कि ये जो चीज है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो टोमेटोज रखे हैं यहाँ पे ये वन के जी टोमेटो एट रुपीज के हैं हमें वहां लिखा दिख जाता है क्योंकि वहां कोई हमको देने वाला नहीं है हमको खुद सामान अपनी ट्रॉली में इकट्ठा करके हमें कैश काउंटर पे पहुँचना है तो इसीलिए क्या होता है वहां पे लिखा होता है कॉस्ट तो क्या होगा अब मुझे पता है कि वन के जी टोमेटो क्योंकि एट रुपीज के आ रहे हैं तो अगर को, मेरे पास बजट कम है रुपए कम है तो मैं वन के जी ले लूंगी या इनफैक्ट हाफ के जी ले लूंगी वो मुझ पे डिपेंड है और मुझे पता भी रहेगा कि ठीक है वन के जी एट के हैं टू के जी ले रही हूँ तो दो बार एट रुपीज दूंगी यानी कि सिक्सटीन रुपीज देना पड़ेंगे तो उस हिसाब से हम अपनी लिस्ट देख कर और यहाँ पे हम अंदाजा लगा लेते हैं कितने रुपए का हमारा सामान आएगा उस हिसाब से हम आगे और सामान लेते हैं है ना so प्राइज लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम कि यहाँ पे एक ऑलरेडी प्राइजेस लिखे हुए और यहाँ एक कॉलम में लिखे हुए हैं आइटम्स आइटम्स मतलब कि क्या क्या चीजें हमको खरीदनी है ठीक है तो उसमें टोमेटो है पोटैटो है अनियन है कैरेट है पम्पकिन है मतलब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, है ना और उनका प्राइस कितना है तो प्राइस लिखा हुआ है इन रुपीज़ पर के पर के का मतलब हर एक किलो के लिए इतने रुपए हैं दैट मीन्स अगर आपको टोमेटो चाहिए तो वन के जी टोमेटो आपको एट रुपीज़ में मिलेंगे अगर आपको पोटैटो चाहिए तो वन के जी पोटैटोज आपको ट्वेल्व रुपीज़ में मिलेंगे अगर आपको चाहिए अनियन सो so टेन रुपीज़ में आपको वन के जी अनियन मिलेंगी और अगर आपको चाहिए कैरेट तो सिक्सटीन रुपीज़ में कैरेट मिलेंगे आपको वन के जी यहाँ पर और अगर आपको चाहिए पंपकिन तो वो आपको फोर रुपीज़ का पूरा वन के जी पंपकिन मिल जाएगा सो so, यहाँ क्या है ये प्राइस लिस्ट शॉप की प्राइस लिस्ट है कि उस शॉप में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहां पे हैं आपको अगर ये चाहिए तो एक एक किलो का प्राइस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है आप अपनी आप अपनी शॉपिंग लिस्ट बना के जाते हो जब ज़्यादा सामान लेना होता है है ना तो हम अपनी शॉपिंग लिस्ट में इस तरीके से लिख के जाते हैं जैसे कि ये गर्ल बैठी खड़ी हुई है ये अपनी शॉपिंग लिस्ट लिए हुए है उसके में लिखा है कि पोटैटो उसको वन पॉइंट टू के यानी कि हाफ़ के जी लेना है लिखा है पंपकिन उसको टू के लेना है कैरेट उसको वन अपॉइंट फोर्थ के लेना है तो इसका क्या मतलब है ये लिस्ट शॉप वाली है और ये वाली जो लिस्ट है वो अपनी खुद की है कि हमको कितने चीजें लेनी है राइट सो so, इसी टाइप से शॉपिंग चल रही है तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो हमको करने होंगे सॉल्व जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मच डज वन अपॉइंट टू के जी ऑफ टोमेटोज कॉस्ट यानी कि 1/2 kg 1/2 का क्या मतलब होता है 1/2 kg है ना एक किलो का आधा तो उतने टोमेटोस कितने रुपए के आएंगे ये हमको फाइंड आउट करना है तो देखिए हमें पता है कि टोमेटो पर kg यानी कि 1 kg टोमेटोस ₹8 के आ रहे हैं ठीक तो 1/2 kg कैसे निकालेंगे हम वो देखो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता दूं कि अगर वन के जी कितने रुपए के आ रहे हैं रुपीज एट एक किलो टमाटर आठ रुपए के मिल रहे हैं और हमको कितना लेना है वन पॉइंट टू के जी वन टू के जी का क्या मतलब होता है हाफ किलोग्राम आधा किलो टमाटर कितने के आएंगे ये हमको फाइंड करना है तो सबसे सिंपल तरीका तो एक ये है कि यहाँ पे 1 केजी की कॉस्ट दी है 8 और 1 से हमें कहाँ पहुंचना है हाफ पे यानी कि 1/2 केजी का मतलब हाफ किलो और यहां 1 केजी का मतलब पूरा 1 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम का ही आधा तो होगा हाफ किलोग्राम है ना एक का ही तो आधा 1/2 होगा एक मतलब पूरा और 1/2 मतलब आधा तो अगर पूरी चीज आपको रुपए में मिल रही है तो आधी चीज कितने में मिलेगी इसके आधे रुपए में एट के आधे कितने होंगे एट को डिवाइड करो टू से आंसर मिलेगा फोर डिवाइड नहीं करना कोई बात नहीं है आप सीधा एट के हाफ कितना हो जाएगा हाफ ऑफ दैट इज का आधा चार होता है है आधे आधे कर लो four, four के दो ग्रुप्स बनेंगे तो फोर रुपीज के हाफ के जी टोमेटो मिल जाएंगे पर ये तो हो गया समझने के लिए सॉल्यूशन में थोड़ी ना सीधा सीधा आंसर लिख के आएंगे तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम डिजन यस yes. हम लिखेंगे कि पूरा वन के जी टोमेटो अगर एट रुपीज का है तो हाफ के जी टोमेटो कितने का होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई एट मैंने आपको बताया था एक की वैल्यू दी हो और पूछी हो किसी और की तो हम एक की वैल्यू में उस चीज का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक किलो की वैल्यू आठ रुपए दी थी आधा किलो कितने का आएगा तो वन वन बाई टू का मल्टीप्लाई हम एट में कर देंगे अब जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या होगा 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हमने अपॉन में वन लगा दिया ऐसा हम कर सकते हैं सो वन इंटू एट एट आएगा यानी कि ऊपर के नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई करो और आंसर लिख दिया ऊपर अब नीचे क्या है टू और वन तो नीचे के नंबर का नीचे मल्टीप्लाई करो टू मल्टीप्लाइड बाय और उसको लिख दो नीचे कितना होगा एट अपॉन के बराबर तो एट अपॉन का क्या मतलब है अपॉन टू किसी के भी अगर नीचे डिनोमिनेटर में टू लग जाए इसका मतलब होता है उसको दो बराबर हिस्सों में दो तोड़ना है तो अगर मैं एट को दो बराबर हिस्सों में तोड़ू तो फोर फोर के दो हिस्से होंगे कि नहीं फोर प्लस फोर मिला के ही एट मिलेगा मेरे को यानी कि एट को मैंने फोर और फोर के दो पार्ट्स में तोड़ लिया तो मुझे क्या मिल गया एट मिल गया तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एट को टू से डिवाइड किया तो फोर मिला पर अब ये तो छोटा नंबर था हमें पता चल गया कि आधा आधा करो तो फोर फोर होगा अगर हमें ऐसे नहीं पता चल रहा डायरेक्टली फिर क्या करेंगे तो डिवीजन सीखो कि इसका डिवाइड करना कैसे है एक्चुअली डिवाइड करना है एट को टू से तो एट को हम डिविडेंट की जगह रखेंगे अंदर टू को हम डिवाइजर की जगह लिखेंगे बाहर अब हम टू की टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि हमको एट मिले आती है ना सबको टू की टेबल तो देखो टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स फोर टू थ्री टाइम्स सिक्स टू फोर टाइम्स एट होगा वेरी गुड तो टू फोर टाइम्स होता है एट इसका मतलब हम फोर को लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन की जगह कि टू मल्टीप्लाइड बाय फोर आपको क्या मिलेगा एट मिलेगा माइनस किया देखो कितना बचा एट में से एट चला गया जीरो रिमाइंडर जीरो डिवीजन खत्म इसका मतलब कितना आंसर आया आपका फोर आपका होगा आंसर कि जब हमने एट को टू से डिवाइड करेंगे सो so फोर मिला है हमको आंसर में इसका मतलब वन के जी टोमेटोज एट रुपीज के हैं तो हाफ के जी टोमेटोज होंगे फोर रुपीज के क्लियर है कैसे सॉल्व किया हमने दो से तीन मेथड बता दिए मैंने एक डायरेक्ट कि के एक किलो चीज आठ रुपए की तो एक का आधा ही आधा किलो होगा तो रुपए भी आधे कर दो तो आठ के आधे रुपए चार रुपए होंगे दूसरा मेथड वन बाय टू का मल्टीप्लाई एट से करो फिर से वो एट अपॉन टू आ जाएगा तो एट को अपॉन टू का मतलब कि टू इक्वल पार्ट्स करने हैं तो टू इक्वल पार्ट्स करे मैंने फोर फोर के पार्ट्स हुए तो वो क्या हो जाएगा एक पार्ट फोर का हो गया ठीक नेक्स्ट हमने एट को टू से डिवाइड करके देख लिया तो हमें देखना था कि टू की टेबल कितने टाइम्स पढ़े कि एट आए जितने टाइम्स पढ़ो वही आंसर होगा तो टू फोर टाइम्स एट तो फोर आंसर आपका आ गया समझ में तो तीनों में से जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप अपनाइएगा उसी से आप इस क्वेश्चन को करिएगा सॉल्व पर अब सॉल्यूशन तो आ गया पर लिखना भी तो पड़ेगा तो देखो कैसे लिखेंगे आंसर द कॉस्ट ऑफ वन के जी ऑफ टोमैटो इज रुपीज एट एक किलो टमाटर कितने रुपए के हैं आठ रुपए के हैं देर फोर द कॉस्ट ऑफ हाफ के जी ऑफ टोमैटोज इज इक्वल टू तो हाफ के जी टोमेटो की क्या कॉस्ट कितनी होगी एट डिवाइडेड बाई टू दैट इज रुपीज फोर अब यहां पे आपको जो करना है वही करिए सीधे एट डिवाइड बाई टू करो या फिर वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय एट करो तो भी वन इंटू एट एट आएगा और नीचे टू आएगा तब भी वही होगा एट अप डिवाइड बाई टू या फिर एट का हाफ अपॉन टू भी लिख सकते हो तब भी आपको फोर ही मिलेगा तो फोर रुपीज क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा वेरी फर्स्ट ए वाले क्वेश्चन का क्लियर आगे बढ़ो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर बी हमसे बोला रहा है Which cost more, कि कौन सी चीज की कीमत ज्यादा होगी हाफ के जी ऑफ अनियंस और वन फोर के जी ऑफ कैरेट दो चीजें दी हैं वन बाय टू के जी अनियंस यानी कि आधा किलो अनियन वन बाय टू का मतलब हाफ हाफ के जी अनियन है और वन बाय फोर के जी कैरेट वन फोर्थ कैरेट यानी कि कैरेट क्वार्टर के जी चाहिए तो कौन से की कीमत यानी की कि किसका प्राइस ज्यादा होगा आधा किलो अनियंस ज्यादा रुपए में आएंगी या वन फोर्थ के जी कैरेट्स ज्यादा रुपए में आएंगी ये फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम हाफ के जी अनियंस का प्राइस निकाल लेंगे कि आधा किलो जो प्याज है वो कितने रुपए का आ रहा है और वन फोर्थ के जी कैरेट का प्याज वो प्राइस निकाल लेंगे कि वो जो कैरेट है वन फोर्थ के जी कितने रुपए की आ रही है क्लियर तो पहले हम इनका एक एक किलो का प्राइस देख लेते हैं उसी से हम इनका हाफ के जी और वन फोर्थ के जी का प्राइस निकालेंगे तो देखो अब बात चल रही है किसकी अनियन की और कैरेट की वन के जी अनियन है टेन रुपीज़ की और वन के जी कैरेट है सिक्सटीन रुपीज़ की यहाँ ऊपर ही लिखा है कि जो दिए हैं ये प्राइस रुपीज़ में है और पर के जी यानी एक किलो के दिए हैं हर चीज़ एक एक किलो कितने रुपए की है वो यहाँ लिखा हुआ है तो अनियन वन के जी टेन रुपीज की एंड कैरेट वन के जी सिक्सटीन की इसी को लेके अपन इसको सॉल्व करते हैं चलो अनियन का प्राइस देखा टेन रुपीज है ना तो सॉल्व करो अनियन वन के जी रुपीज टेन कैरेट वन के जी रुपीस कितना था कैरेट सिक्सटीन था क्या एक बार चेक कर लेते हैं अपन कैरेट सिक्सटीन है यस ठीक है एक किलो प्याज दस रुपए का मिल रहा है एक किलो कैरेट एक किलो गाजर हमको मिल रही है सोलह रुपए में तो हमको क्या फाइंड करना है हमको अनियन का कितने रुपये किलो का कॉस्ट फाइंड करना है अनियन हमको देखनी है हाफ के जी के लिए और कैरेट हमको देखनी है वन फोर्थ के जी कि आधा किलो प्याज कितने की आएगी इस प्राइस के हिसाब से और वन फोर्थ के जी कैरेट कितने की आएगी इस प्राइस के हिसाब से शुरू करें देखो वही सेम अपनाएंगे हम पहले हम अनियन का फाइंड कर लेते हैं अब यहां मैंने डाल दिया अनियन लिखा हुआ है वन के जी इज रुपीज टेन तो हाफ के जी कितने का होगा एक किलो का आधा ही आधा किलो होगा तो प्राइस भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा यानी कि टेन का हाफ कितना होगा फाइव रुपीज दस का आधा करो पांच रुपए होता है या फिर हम क्या कर सकते हैं वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टेन तो वो भी फाइनली हमको क्या मिलेगा टेन इंटू वन टेन टू इंटू वन टू टेन अपॉन टू दैट इज फाइव या फिर हम क्या सकते? Five, uh, कर सकते हैं टेन को एक्चुअली फाइव टू से डिवाइड कर सकते हैं डिविजन कैसे होगा वो देखो टेन डिवाइडेड बाय टू टू की टेबल इतनी टाइम्स पढ़ना है कि टेन आ जाए जितने टाइम्स पढ़ोगे वही आंसर होगा तो टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स फोर टू थ्री टाइम्स सिक्स टू फोर टाइम्स एट और टू फाइव टाइम्स टेन तो टू फाइव टाइम्स कितना मिलेगा आपको टेन माइनस करो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो आंसर कितना फाइव तो ये तीन तरीके हैं डायरेक्टली आप बता सकते हो कि वन के जी का हाफ होता है हाफ के जी तो वन के जी टेन रुपीज के हैं तो टेन रुपीज का हाफ होगा फाइव तो के जी तो फाइव फाइव रुपए के आएंगे आधा किलो अनियन या फिर आप कर सकते हो कि अगर वन के जी अनियन टेन रुपीज की है तो हाफ के जी अनियन हाफ इंटू टेन रुपीज यानी कि फाइव रुपीज की होंगी या फिर सीधा टेन को टू से डिवाइड करके दिखा दो फाइव रुपीज आंसर आंसर हमारा कितना मिल रहा है अनियन का कॉस्ट आ रहा है फाइव रुपीज के बराबर रुपीज फाइव ठीक है ये अनियन मिली हमें अब हमको देखना है कैरेट वन फोर्थ के जी कितने की मिल रही हैं? तो चलो कैरेट पे चलते हैं अपन ठीक है कैरेट का अगर मैं देखू तो कैरेट की क्या कहानी है कैरेट की कहानी ये है कि वन के जी कैरेट हमको कितने रुपए की मिल रही है रुपीज सिक्सटीन सिक्सटीन रुपीज की वन कैरेट है हमको वन बाईर के जी करना है यानी कि आप इसके ए, इस एक किलो के चार हिस्से करो उनमें से एक हिस्सा कितने का आएगा तो अगर मैं सिक्सटीन के चार हिस्से करूँ तो मेरे को सिक्सटीन को फोर पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि सिक्सटीन को क्या करेंगे फोर से डिवाइड इज डिवाइडेड बाय फोर क्या होगा गुड सो फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व फोर फोर टाइम्स वेरी सिंपल तो फोर फोर टाइम्स कितना हो जाएगा सिक्सटीन के बराबर माइनस करेंगे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो आंसर कितना आ जाएगा 16 को चार हिस्सों में डिवाइड करोगे तो हर हिस्सा फोर फोर रुपीस का होगा यानी कि चार रुपए की वन बाय फोर के जी कैरेट आ जाएंगी पर अगर आपको कोई और मेथड करना है तो इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप वन के जी रुपीज सिक्सटीन की है तो वन बाय फोर के जी कितने का होगा तो मैंने आपको बताया है एक किलो का प्राइस दिया है कुछ और के जीज का पूछा है तो जितने के जी का पूछा है उसको एक किलो के प्राइस में मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने वन अप टू का मल्टीप्लाई किया था पिछली बार अभी टेन में तो यहाँ क्या करूं मैं वन अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटीन सिक्सटीन के नीचे कुछ नहीं है अपॉन में तो वन लगा सकते हैं हम अब वन इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन होगा और फोर इंटू वन फोर होगा फिर से वही आ गया 16 अपॉन 4 यानी कि 16 को चार बराबर हिस्सों में बांटो इसका क्या मतलब है 16 को चार बराबर हिस्सों में बांटो कितना आएगा हर एक हिस्सा यानी 16 को फोर पार्ट्स में बांटा तो ₹4, 4 रुपीज का हर एक हिस्सा है 16 को फोर से डिवाइड कर दो तो ₹4 रुपीज क्या होगा आंसर यानी 1/4 केजी जो कैरेट हैं वो ₹4 की आ रही हैं और हाफ के जी जो अनियन है वो पांच रुपए की आ रही है हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कौन सी चीज ज्यादा की है हाफ के जी अनियन ज्यादा रुपए की आएंगी या वन फोर्थ के जी कैरेट तो हाफ के जी अनियन पांच रुपए की वन फोर्थ के जी कैरेट फोर रुपीज़ की कौन ज़्यादा फाइव रुपीज ज्यादा या फोर रुपीज़ ज्यादा फाइव रुपीज ज्यादा होंगे है ना इसका मतलब हाफ के जी अनियन की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है वन फोर्थ के जी कैरेट की कॉस्ट से इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे दो से तीन तरीके बता दिए सॉल्यूशन करने के तो अब इसको लिखना कैसे है वो भी देख लीजिए आप लिखोगे आंसर द कॉस्ट ऑफ हाफ के जी अनियन कितना होगा हाफ के जी अनियन डिवाइडेड बाय टू यानी कि हाफ के जी अनियन की कॉस्ट फाइंड करनी है तो वन केजी जो अनियन है उसकी कॉस्ट को आप टू से डिवाइड कर दो या फिर जैसे मैंने करवाया था वो करेंगे सो वही की है टेन को टू से डिवाइड किया कितना आया रुपीज फाइव पांच रुपए की आधा किलो प्याज मिलेगी फिर कॉस्ट ऑफ वन फोर्थ केजी कैरेट वन फोर्थ के कैरेट की कॉस्ट क्या आएगी फिर से कॉस्ट ऑफ वन के जी कैरेट को फोर से डिवाइड कर दो यहाँ पे वन वन लिखना ठीक है तो एक किलो कैरेट कितने की आ रही है उसको फोर से डिवाइड कर दो तो वो हमें वन फोर्थ के जी की कॉस्ट मिल जाएगी तो सिक्सटीन रुपए की एक किलो कैरेट है फोर से डिवाइड किया तो आंसर मिला फोर तो आंसर क्या आया कि कैरेट वन फोर्थ के जी चार रुपए की है अनियन हाफ के जी पांच रुपए की है पूछा था विच कॉस्ट मोर कौन ज़्यादा का मिल रहा है तो five ज़्यादा है दैट मींस प्राइस ऑफ़ हाफ केजी ऑफ़ अनियन इज मोर देन कॉस्ट ऑफ़ वन फोर्थ केजी ऑफ़ कैरेट आधा किलो प्याज की कीमत ज़्यादा है वन फोर्थ केजी कैरेट की कीमत से क्लियर हुआ कहानी चलिए सो तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों तो बहुत ध्यान से इनको सॉल्व करना है ना इसलिए मैं अलग से भी आपको सॉल्यूशन करके बता रही हूँ कैलकुलेशन करके बता रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि हमने कैसे फाइंड किया ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं बी क्वेश्चन हो गया सॉल्व अब बारी है क्वेश्चन नंबर सी की सी क्वेश्चन पूछा गया है वॉट इज द प्राइस थ्री फोर्थ ऑफ के जी ऑफ पोटैटोज यानी कि थ्री फोर्थ के जी ऑफ पोटैटोज की प्राइस कितनी होगी ये हमको बताना है फिर से बहुत सिंपल है हमको वन के जी पोटैटो तो पता है वन के जी पोटैटो कितने के आ रहे हैं ट्वेल्व रुपीज के आ रहे हैं तो हम थ्री फोर्थ के जी पोटैटो निकाल सकते हैं चलिए सॉल्व करो क्या लिखेंगे हम वन के जी पोटैटोस कॉस्ट रुपीस ट्वेल्व यही दिया था ना चेक कर लेते हैं अपन एक बार वन के जी पोटैटो ट्वेल्व रुपए के हैं हाँ तो एक किलो आलू बारह रुपए के मिल रहे हैं अगर तो हमको कितना के जी निकालना है थ्री बाय फोर के जी थ्री फोर्थ के जी पोटैटोज कितने के आएंगे ये बताना है तो जो मैंने सबसे बेसिक आपको बताया कि भैया एक किलो का कीमत दी है आगे जितने भी किलो की कीमत पूछी है उसको एक किलो की कीमत में मल्टीप्लाई कर दो शुरू से यही कर रहे हैं हम यानी कि अगर थ्री फोर्थ के जी का प्राइस चाहिए तो आप थ्री फोर्थ का मल्टीप्लाई क्या में कर देंगे ट्वेल्व में कर देंगे तो थ्री फोर्थ मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व अब ट्वेल्व के नीचे क्योंकि कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे ट्वेल्व के नीचे अपॉन में लगा देंगे वन 12 लिखो या ट्वेल्व अपॉन वन लिखो बात एक ही होती है अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे आंसर ऊपर लिखेंगे नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे आंसर नीचे लिखेंगे थ्री इंटू ट्वेल्व अब थ्री की टेबल ट्वेल्व टाइम्स तो नहीं आती होगी ट्वेल्व की टेबल थ्री टाइम्स जरूर पढ़ सकते हो है ना ट्वेल्व की टेबल याद है ना सबको जिन बच्चों को याद नहीं है उनको बड़ी पिटाई पढ़ने वाली है क्यों क्योंकि मैंने कहा है ट्वेल्व नहीं कम से कम थर्टी तक टेबल याद करके रखो थ्री जीरो थर्टी बहुत काम आएंगी सो ट्वेल्व वन टाइम्स ट्वेल्व ट्वेल्व टू टाइम्स ट्वेंटी फोर ट्वेल्व थ्री टाइम्स थर्टी सिक्स होता है यानी ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई थ्री कितना होगा थर्टी सिक्स अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाई वन फोर तो कितना आया थर्टी सिक्स अपॉन फोर थर्टी सिक्स अपॉन फोर का क्या मतलब है थर्टी सिक्स को चार बराबर हिस्सों में बांटो तो अगर बाढ़ पाओ बराबर हिस्सों में तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो थर्टी सिक्स को डिवाइड कर दो फोर से तो डिविजन आता है हमको थर्टी सिक्स डिवाइड बाय फोर कैसे करेंगे डिविजन अपन फोर की टेबल इतनी टाइम्स रीड करो कि थर्टी सिक्स मिले फोर की टेबल तो आती है ना फोर वन टाइम्स टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व फोर फोर टाइम्स सिक्सटीन फोर फाइव टाइम्स ट्वेंटी फोर सिक्स टाइम्स ट्वेंटी फोर फोर सेवन टाइम्स ट्वेंटी एट फोर एट टाइम्स थर्टी टू फोर नाइन टाइम्स थर्टी सिक्स वेरी गुड तो फोर नाइन टाइम्स होता है थर्टी सिक्स माइनस करूंगी थर्टी सिक्स में से थर्टी सिक्स माइनस हो गया क्या बच्चा कुछ भी नहीं जीरो तो आंसर कितना आया नाइन दैट मीन्स थर्टी सिक्स को मैंने फोर से डिवाइड किया तो मुझे नाइन आंसर मिला 36 को चार बराबर हिस्सों में बांटना है तो 9 9 9 9 9 चार बार ऐड करो 36 मिलेगा यानी 9 9 का हर एक हिस्सा होगा इसका क्या मतलब है इसका मतलब हमें आंसर मिल गया है क्या आंसर है हमारा देखो आंसर मिला हमको कि 1 किग्रा पोटैटो 12 रुपए के हैं तो 3/4 किग्रा पोटैटो 3 upon 4 into 12 that is 36 upon 4 9 रुपीस के होंगे नौ रुपए के आएंगे आपके अगर थ्री अपॉन फोर पटेटोज आपको लेना है अब थ्री अपॉन फोर का क्या मतलब होता होगा थ्री फोर्थ वो एक्चुअली ऐसे होता है एक पूरा किलो है अगर एक किलो को चार बराबर हिस्सों में बांटो तो उनके तीन हिस्सों के बराबर पोटैटोज़ चाहिए एक हिस्सा नहीं चाहिए तभी तो थ्री अपॉन फोर इक्वल पार्ट्स में से तीन पार्ट्स चाहिए है ना तो आंसर कितना मिला थर्टी सिक्स अपॉन फोर दैट इज नाइन क्लियर हुआ कैसे करना है सॉल्व चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इसका आंसर कैसे लिखना है इसका आंसर आप लिखोगे देखिए द कॉस्ट ऑफ वन के जी पोटैटोज इज रुपीज ट्वेल्व देर फोर कॉस्ट ऑफ थ्री फोर्थ के जी पोटैटोज इज ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई थ्री अपॉन फोर अब इसको ही अच्छे से सॉल्व करना 12 मल्टीप्लाइड बाई थ्री अपॉन फोर ट्वेल्व के नीचे भी 1 लगा दो तो ये कितना होगा 12 इंटू थ्री थर्टी और 4 इंटू वन फोर यानी 36 को 4 से डिवाइड करना है हमने डिवाइड करके देखा था आंसर कितना आया था 9 क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं तो 9 क्या होंगे रुपीज़ होंगे अच्छा यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है आंसर में कि 9 मीटर है सेंटीमीटर है रुपीज है पैसा है क्या है हर चीज में जो भी आंसर हमसे पूछा है उस हिसाब से यूनिट लिखो यहाँ पे प्राइस पूछी है तो प्राइस यहाँ काय में चल रही है रुपीज में चल रही है तो आंसर रुपीज में आएगा क्लियर है कहानी तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अब अब जिन बच्चों को ट्वेल्व की टेबल नहीं आती वो ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स कैसे ला पाएंगे वो देखो ट्वेल्व का अगर थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हम जैसे करते हैं वो करो 12 को दो हिस्सों में तोड़ लो टेन और टू टेन प्लस टू होता है ट्वेल्व तो थ्री का मल्टीप्लाई सीधा ट्वेल्व में ना करके थ्री का मल्टीप्लाई एक बार टू में कर लो एक बार टेन में कर लो ठीक है क्योंकि टेन प्लस टू ट्वेल्व होता है तो इन दोनों के आंसर्स को फिर जोड़ देना टू इंटू थ्री तो पता है कितना होता है सिक्स और थ्री इंटू टेन थर्टी सिक्स प्लस जीरो सिक्स और यहां थ्री तो आंसर कितना आया थर्टी सिक्स 12 इंटू थ्री थर्टी सिक्स होगा ऐसे भी कर सकते हैं आप अगर 12 की टेबल नहीं आती पर वो तो मैंने फिलहाल जब तक टेबल याद नहीं हो रही तब के लिए बताया नहीं तो हमें चाहिए रोज सुबह उठ के वन से लेके थ्री जीरो थर्टी तक की टेबल रोज रिवाइज करनी है सो so दैट कुछ दिनों में आपको पूरी तीस तक टेबल जो है वो याद हो जाएंगी बहुत ज्यादा जरूरी होता है मैथमेटिक्स में टेबल्स का याद होना जो टेबल्स याद होंगे तो देखो मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा सीधा हम 12 इंटू थ्री थर्टी सिक्स लिख देंगे आसान होगा ना टाइम भी बचेगा तो ये बात आप ध्यान रखिएगा अब अगला अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर डी अब इस डी क्वेश्चन में क्या है कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग शी हैज़ ओनली ट्वेंटी रुपीज़ विथ हर कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट अब वो कीर्ति जा रही है शॉपिंग के लिए और उसके पास कितने रुपए हैं उसके पास सिर्फ बीस रुपए हैं तो उसकी ये जो शॉपिंग लिस्ट है उनमें से सारी चीजें वो बीस रुपए में खरीद सकती है क्या वो बताना है तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी टिल देन आपको क्या करना है आज की क्लास में हमने जो सारी चीजें पढ़ ली हैं उनको रिवाइज करना है एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम वहां आपको सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड मिल जाएगा इतना ही नहीं मैग्नेट ड्रेन्स इतना अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि यहाँ हम पहले एक दो चैप्टर्स पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स का आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर अपने सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस पूरा कोर्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसका फायदा उठाइए कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच बाय बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ंग प्राइज लिस्ट के आगे के क्वेश्चन ये टॉपिक दिया हुआ है आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर हंड्रेड पर एंड मैं बता दूं आज की क्लास हम में हम क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करेंगे ये दो क्वेश्चन रह गए थे इस टॉपिक के पिछली क्लास में मैंने आपको सेम इसी टॉपिक यूजिंग अ प्राइज लिस्ट का क्वेश्चन ए सॉल्व करवाया था जिसमें हमने फाइंड किया था हाउ मच डी ऑफ टोमेटो किलो टोमेटो कितने के आएंगे फिर इसका बी क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर लिया था वहां हमने देखा था विच कॉस्ट मोर हाफ के जी अनियंस और वन फोर्थ के जी कैरेट क्या चीज ज्यादा की है आधा किलो प्याज यानी अनियन ज्यादा रुपए की आएगी या वन फोर्थ के जी कैरेट ज्यादा रुपए की आएगी ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन सी द प्राइस ऑफ ऑफ थ्री फोर्थ किलो पोटैटोज की प्राइस कितनी होगी ये क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था तो क्वेश्चन ए बी एंड सी तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर सॉल्व आगे अब इसके देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है अब डी क्वेश्चन में हमें क्या करना है तो एक पहले थोड़ा सा और बता दूं मैं कि यूजिंग प्राइज लिस्ट में हम क्या देख रहे थे बच्चों एक प्राइज लिस्ट हमें दी थी एक ऐसी लिस्ट जिसमें कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं और उनका वन वन के जी कितने रुपीज के आएंगे ये चीजें वो भी प्राइज लिखा है जैसे कि टोमेटो अगर चाहिए तो वन के जी टोमेटोज एट रुपीज के आएंगे वन के जी पोटैटोज ट्वेल्व रुपीज वन के जी अनियन टेन रुपीज वन के जी कैरेट सिक्सटीन रुपीज एंड वन के जी पम्पकिन फोर रुपीज ये है प्राइस लिस्ट इतने रुपए का एक एक किलो ये सारी चीजें मिलेंगी उसके हिसाब से हमको जितना चाहिए उस रिलिस्ट में देख के हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमको वन के जी चाहिए कि टू के जी चाहिए कि हाफ के जी चाहिए कि वन फोर्थ के जी की चाहिए कि थ्री फोर्थ के जी चाहिए तो हम उसका प्राइस निकाल के और फिर देख लेते हैं कि हमारे कितने रुपए हो गए है ना तो ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे बोला गया है क्या कि कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग कीर्ति गई है शॉपिंग करने के लिए She has only rupees twenty with her. उसके पास कितने रुपए हैं? उसके पास सिर्फ बीस रुपए ही हैं। Can she buy all the things in her shopping list? उसकी शॉपिंग लिस्ट में जितनी भी चीजें लिखी हैं, क्या वो सारी चीजें खरीद सकती है तो देखो अब एक शॉपिंग लिस्ट यहाँ बनी हुई है ये गर्ल है ये तीन चीजें लिखी हैं। अगर हम इसी को कीर्ति मानते हैं तो हमको इन तीनों चीजें जितनी जितनी उसे चाहिए उनका प्राइस निकालना पड़ेगा और उसको ऐड करके देखना पड़ेगा कि वो ट्वेंटी तक आ रहा है या नहीं अगर वो प्राइस ट्वेंटी रुपीज से ज्यादा जा रहा है सबका मिला के दैट मीन वो बीस रुपए में सारी चीजें नहीं खरीद पाएगी लेकिन अगर तीनों चीजों का प्राइस मिला के बीस रुपए हो रहा है तो फिर वो बीस रुपए में सारी चीजें खरीद लेगी यही है क्वेश्चन तो देखो अगर इस लिस्ट के हिसाब से हम चलें तो इस लिस्ट में तो सिर्फ क्या दिया है पोटैटो चाहिए उसको वन पॉइंट टू के जी यानी हाफ के जी फिर उसको चाहिए पंपकिन दैट इज टू के जी दो किलो फिर उसको चाहिए कैरेट वन अपॉन्ट फोर के जी यानी वन फोर्थ के जी कैरेट चाहिए तो इन तीनों का हम प्राइस निकालेंगे उनको ऐड करेंगे और देखेंगे ट्वेंटी या ट्वेंटी से कम आना चाहिए ट्वेंटी से ज़्यादा नहीं आना चाहिए बीस रुपए से ज़्यादा हो गया प्राइस तो क्या होगा वो उसको कुछ ना कुछ या तो कम करना पड़ेगा अपने शॉपिंग में से तभी बीस रुपये में वो चीज़ों को ले पाएगी क्योंकि उस पर सिर्फ बीस रुपीज ही है ट्वेंटी रुपीज ही है तो यानी कि हमको क्या करना है तीनों का प्राइस यहाँ पे चेक करना है पर कहीं कहीं इसमें प्राइस नहीं दी अगर कुछ बुक्स में और हमसे सीधा पूछा जाता कि वो क्या क्या चीजें ले सकती है तो उसके हिसाब से भी हमने यहाँ पे आंसर लिखा है कि बीस में वो क्या क्या चीजें खरीद सकती है ज्यादा से ज्यादा पहले हम सॉल्व करेंगे इन तीन चीजों के बारे में तो हमें क्या क्या चाहिए हम लिख लेते हैं क्योंकि देखो पोटैटो का वैसे प्राइस है कितना पोटैटो का प्राइस ट्वेल्व रुपीज है और हमको चाहिए कितने हैं पोटैटो हमको हाफ के जीज चाहिए ठीक है ये बारह रुपए किलो के, के हिसाब से मिलेंगे नेक्स्ट उसने पंपकिन ले रखा है लिस्ट में पंपकिन कितने रुपए का आ रहा है पंपकिन का प्राइस फोर रुपीज पर के है और उसको चाहिए टू के के बराबर नेक्स्ट है प्राइस लिस्ट में कैरेट्स कैरेट कितना प्राइस है कैरेट का प्राइस सिक्सटीन रुपीज़ वन के के लिए और उसको कितनी चाहिए वन बाय फोर के ठीक है हमने उसका वन के का प्राइस लिख लिया तीनों चीज़ों का और कितने के चाहिए हमने वो लिख लिया अब हम देख लेते हैं कि ये हाफ के जी पोटैटो कितने के आ रहे हैं टू के जी पंपकिन कितने रुपीज़ का आएगा और वन फोर्थ के जी कैरेट कितने रुपीज़ की होगी ठीक है तो देखो सबसे पहले हम पम पोटैटो से शुरू करते हैं तो देखो पोटैटो के लिए क्या हो रहा है हमें पता है वन के जी पोटैटोज कितने रुपीस के आ रहे हैं रुपीस ट्वेल्व एक किलो पोटैटो आलू बारह रुपए का मिल रहा है तो हमको कितने चाहिए वी नीड ओनली हाफ के जी पोटैटोज तो हाफ के जी की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमको वन के जी अगर ट्वेल्व रुपीज का है तो वन अपॉइन टू के जी यानी कि हाफ के जी पोटैटो कितने के होंगे by multiplied by रुपीस, 12, ऐसे ही निकालते हैं तो अब क्या होगा ट्वेल्व के नीचे कोई नंबर नहीं है तो अपॉन में क्या लगा देंगे हम वन लगा देंगे सो वन इंटू ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व और टू इंटू वन हो जाएगा नीचे के नीचे टू तो क्या मिलेगा हमको ट्वेल्व अपॉइन टू यानी कि ट्वेल्व को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करो ट्वेल्व को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करूंगी हर एक हिस्सा कितने का होगा सिक्स सिक्स रूपीज का सिक्स प्लस रूपीज ही ट्वेल्व होते हैं पर अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो क्या करोगे ट्वेल्व को टू से डिवाइड कर लो कैसे डिवाइड होगा वो भी बता देते हैं हम यहाँ पे ट्वेल्व डिविडेंड की जगह और टू डिवाइजर की जगह लिखोगे अब टू की टेबल इतने टाइम्स आपको रीड करना है कि आपको ट्वेल्व मिले तो टू की टेबल आप कितने टाइम्स रीड करोगे कि कि टू सिक्स टाइम्स हमको कितना मिल रहा है ट्वेल्व मिल रहा है माइनस किया ट्वेल्व में से ट्वेल्व गया जीरो तो आंसर कितना आया हमारा सिक्स आएगा इसका आंसर यानी कि यहाँ पे हमें मिल गया कि हाफ के जी पोटैटोज यानी कि आधा किलो पोटैटो कितने के आ रहे हैं छ रुपए के सिक्स रुपीज के आ रहे हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं पोटैटोस पता चल गया हमको अब हम फाइंड करते हैं किसका पंपकिन का पंपकिन देख लेते हैं कितने रुपीज की है यहां अपन सॉल्व करते हैं पंपकिन पम्पकिन अगर मैं देखूँ तो वन के जी ऑफ पम्पकिन कितने रुपीस की है फोर रुपीस की यानी कि चार रुपए में आपको पूरा एक किलो पम्पकिन मिल सकता है और उसको चाहिए कितना कीर्ति को उसकी लिस्ट के हिसाब से उसको चाहिए टू के पम्पकिन तो दो किलो पम्पकिन कितने का आएगा अगर वन के जी पम्पकिन रुपीज़ फोर का आ रहा है तो टू के पम्पकिन टू मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़ फोर ऐसे ही करते हैं ना एक किलो की जो भी कीमत होती है उसमें जितना किलो हमें चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम क्या करेंगे टू के जी मल्टीप्लाइड बाई रुपीज फोर कितना आया टू इंटू फोर टू फोर टाइम्स आएगा आपका एट यानी कि एक किलो पंपकिन अगर चार रुपए का मिल रहा है तो टोटल तो तो दो किलो पंपकिन कितने रुपए का मिलेगा आठ रुपए का मिलेगा तो हमने फाइंड कर लिया पहले हमने पहले कर लिया का रेट हाफ के जी पोटेटो सिक्स रुपीज के हैं और टू के जी पंपिन के हैं अब हम देख लेते हैं कैरेट का रेट कितना है अगर मैं कैरेट का रेट देखूं तो वो देखते हैं अपन चलो अब कैरेट दी क्या है कैरेट का रेट है सिक्सटीन रूपीज फॉर वन के जी लिख लेते हैं अपन वन के जी कैरेट कितने की आएगी रुपीस वन सिक्स सिक्सटीन सोलह रुपए की एक किलो कैरेट है हमको कितनी चाहिए वन बाय फोर के जी यानी कि वन फोर्थ के जी कैरेट कितने की आएगी वो हमको देखना है तो क्या करेंगे वन अपॉन फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्सटीन रुपीस में अब सिक्सटीन के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन वन कर देंगे हम ठीक अब कैलकुलेशन करो क्या होगा कैलकुलेशन हम देखें सो वन इंटू सिक्सटीन कितना आएगा सिक्सटीन और फोर इंटू वन आएगा फोर यानी कि सिक्सटीन को फोर बराबर हिस्सों में करना है डिवाइड कितना मिलेगा नहीं पता मैम तो पहले सिक्सटीन को डिविजन करके देख लो जैसे डिवाइड करते हैं उस तरीके से सिक्सटीन डिविडेंट की जगह फोर डिवाइजर की जगह अब फोर की टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि सिक्सटीन मिले तो फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व और फोर फोर टाइम्स सिक्सटीन होगा सो फोर फोर टाइम्स हमें मिल गया सिक्सटीन माइनस किया सिक्सटीन में से सिक्सटीन गया बचा जीरो तो आंसर कितना आया हमारा फोर यानी सिक्सटीन को चार बराबर हिस्सों में बांटोगे एक हिस्सा किसका होगा चार चार रुपए के हर एक हिस्से होंगे फोर फोर एट फोर ट्वेल्व फोर सिक्सटीन क्लियर दैट मीन्स वन फोर्थ के जी कैरेट कितने रुपए की आ रही है चार रुपए की आ रही है तो अब हमारी बुक में जो लिस्ट दी थी उस लिस्ट के हिसाब से हमें निकालना था कि हाफ के जी पोटैटो कितने के हैं तो हमने देखा सिक्स रुपीज के फिर हमने देखा कि टू के जी पंपकिन कितने का है तो एट रुपीज का फिर हमने देखा वन फोर्थ के जी कैरेट कितने की है फोर रुपीज की अब मिला के देख लेते हैं कि टोटल इसका बिल कितना हुआ है सो देखिए टोटल बिल कितना बिल हुआ उसका टोटल देखो सबसे पहले उसने हाफ के जी पोटैटोज लिए सिक्स रुपीज के फिर उसने टू केजी के जी पंप लिया रुपीज एट का और फिर उसने वन फोर्थ के जी कैरेट्स ली रुपीज फोर की इन तीनों को क्या कर दो एड कर दो जोड़ दो तीनों को तो सिक्स प्लस फोर होगा टेन टेन प्लस एट होगा एटीन यानी कि टोटल कितने रुपीज हुए उसके बिल के एटीन रुपीज हुए यानी अठारह रुपए में उसने ये जो तीनों चीजें दी हुई थी हमको शॉपिंग लिस्ट में वो तीनों चीजें क्या कर ली खरीद ली हैं ठीक है अब अट्ठारह रुपए में तीनों चीजें उसने खरीद ली तो अब हमें क्या पता करना है हमें पता करना था कि वो बीस रुपए लेकर गई है तो इजीली वो तीनों चीजें खरीद लेगी वो ट्वेंटी रुपीज देगी शॉपकीपर वाले एटीन रुपीज अपने पास रख लेंगे तो कितने बचेंगे 18 के बाद यानी अभी भी उसके पास बच जाएंगे वो दो रुपए का अगर कुछ और भी खरीदना चाहती है तो वो इजीली खरीद सकती है बाकी हमसे तो ये पूछा गया था कि बीस रुपए में वो ये तीनों सामान ले लेगी क्या तो बिल्कुल ट्वेंटी रुपीज में आराम से वो ये सामान ले सकती है क्योंकि इनका जो बिल है वो ट्वेंटी से कम का ही है ट्वेंटी तक आता तो भी ले लेती पर अगर बिल ट्वेंटी से ज्यादा का हो जाता तो क्या करती करना पड़ता हो कि वो तीनों चीजें नहीं ले पाती बीस रुपए से ज्यादा चाहिए पड़ेंगे उसको देने पर उसके पास तो सिर्फ बीस रुपए है इसीलिए यहां पर ट्वेंटी से बिल कम आया है तो हम कहेंगे कि वो ये तीनों चीजें अगर उसकी हैं शॉपिंग लिस्ट में तो वो ईजिली खरीद सकती है क्लियर हो गया क्वेश्चन अब अगर बाय चांस हमसे बोला जाए कि आप खुद से शॉप शॉपिंग लिस्ट बनाओ और फिर उसमें बताओ मेरे को कि वो बीस रुपए में क्या क्या चीज़ें लेगी तो मैंने एक और शॉपिंग लिस्ट बना दी है कि अगर ये शॉपिंग लिस्ट नहीं दी है आपके बुक में है ना या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि आपको क्या क्या चीज़ें वो खरीद सकती है तो देखो मैंने एक शॉपिंग लिस्ट बनाई है अगर वो हाफ के क्या ख़रीद रही है टोमेटोज वन फोर्थ के जी पोटैटो हाफ के जी अनियन वन फोर्थ के जी कैरेट और वन के जी पंपकिन कितने हो गया वन टू थ्री फोर फाइव पांच आइटम्स हो गए यहाँ कितने दिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि अगर मैं चाहूँ कि वो पांचों आइटम थोड़ा थोड़ा ले ले थोड़े से टोमेटो भी ले ले थोड़े से पोटैटो भी ले ले अनियन कैरेट पंपकिन सब ले ले कुछ थोड़ा थोड़ा तो टोटल कितने रुपीस होंगे मेरे को इतना दिलवाना है उसे कि बीस रुपए के अंदर अंदर उसकी सारी सब्जी आ जाए तो देखो हमने देखा कि वो टोमेटो पूरे ना ले अगर वो पूरा वन वन के जी लेती है तीनों चीजें तो कितने रुपए होंगे देखो सारी चीजें वन वन के जी लेगी तो वो ये सब वन के जी का कॉस्ट है तो देखो ट्वेल्व प्लस एट कितना होगा ट्वेंटी सिक्सटीन प्लस फोर कितना होगा ट्वेंटी और ये है टेन ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी और ट्वेंटी फिफ्टी पचास रुपए में वो ले पाएगी अगर ये सारी पाँचों केजी चाहिए पर क्या उसके पास पचास रुपए हैं नहीं उसके पास बीस रुपए हैं, ट्वेंटी रुपीज हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा वन वन केजी ना के ना लेके कम कम कर दो कुछ हाफ के जी ले लो कुछ वन फोर्थ के जी ले लो है ना तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि अगर वो अगर वो हाफ के जी टोमेटोज ले रही है तो वो कितने रुपए के आएंगे तो टोमेटो का देखो टोमेटो वन के जी कितने के हैं एट रुपीज के तो हाफ के जी कितने के होंगे एट रुपीज के आधे एट को टू से डिवाइड करो टू की टेबल इतनी बार पढ़ो कि एट आए टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स फोर टू थ्री टाइम्स सिक्स टू फोर टाइम्स एट तो क्या आ जाएगा आंसर फोर यानी कि हाफ के जी टोमेटो उसको चार रुपए के मिल जाएंगे तो आप लिख दोगे यहाँ पे रुपीज फोर के वो उसने आधा किलो टमाटर ले लिए हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाफ के जी टोमेटो के बाद अब वो अगर नेक्स्ट पता है क्या ले वन फोर्थ के जी पोटैटो ले वन फोर्थ के जी आलू कितने के आएंगे तो देखो पूरा वन के जी पोटैटो आ रहा है आपका ट्वेल्व रुपीज का 1/4 तो केजी का क्या मतलब है पहले तो ये बताइए 1/4 केजी का मतलब है कि अगर एक किलो को चार बराबर हिस्सों में बांटो तो उसका एक हिस्सा ही उसको चाहिए तो 1/4 केजी की कॉस्ट कैसे निकालेंगे 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 में कितना आएगा 12 1 12 4 1 4 यानी 12 को 4 से डिवाइड करना है 4 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़ना है कि 12 आ जाए फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व यस तो फोर थ्री टाइम्स क्या हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा तो यानी कि वन फोर्थ के जी पोटैटो कितने रुपए के आएंगे उसके तीन रुपए के आ जाएंगे तो यहां हम आंसर लिख देंगे रुपीज थ्री के उसने वन फोर्थ पोटैटो खरीद लिए हैं आगे अगर बढ़े हम नेक्स्ट है हाफ के जी अनियन आधा किलो अगर उसे प्याज लेनी है तो वो कितने रुपए की लेगी तो देखो वन के जी अनियन आ रही है उसकी कितने रुपए की टेन रुपीज की. 10 की एक किलो प्याज है नेक्स्ट हमको दिया है अगर टेन रुपीज की वन के जी अनियन है और अगर उसने हाफ के जी खरीदी तो हाफ के जी कितने की आएगी दस रुपए के आधे की है ना टेन डिवाइडेड बाय टू टू की टेबल इतनी टाइम्स पढ़ो कि टेन आ जाए टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स फोर टू थ्री टाइम्स टू फोर टाइम्स एट टू फाइव टाइम्स टेन फाइव टाइम्स में आएगा टेन सो टू फाइव टाइम्स कितना होगा टेन आ जाएगा तो यानी कि हाफ के जी अनियन उसने कितने रुपए की खरीदी पांच रुपए की तो हमने लिख दिया फाइव रुपीज की अनियन आ गई अब वो लेने गई कैरेट कैरेट ले सकती है वो वन फोर्थ के जी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था वन फोर्थ के जी का प्राइस कैसे निकालेंगे देखो वन के जी जो कैरेट है वो कितने रुपए की मिल रही है सिक्सटीन रुपए की तो अगर मुझे वन फोर्थ के जी चाहिए तो मैं वन बाय फोर का मल्टीप्लाई कायम ही करूंगी सिक्सटीन में नीचे कुछ नहीं है तो वन किया अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वन इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन नीचे का मल्टीप्लाई नीचे फोर इंटू वन फोर आएगा तो अब मैं सिक्सटीन को फोर से क्या कर दूंगी डिवाइड कर दूंगी फोर की टेबल इतने टाइम्स पढ़ो कि आ जाए फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व फोर फोर टाइम्स ये सिक्सटीन सो फोर फोर टाइम्स होगा सिक्सटीन यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा फोर फोर टाइम्स यानी कि चार रुपए का उसको क्या मिल जाएगा वन फोर्थ के जी कैरेट मिल जाएगा ठीक है उसका रेट लिख देंगे हम फिर अब बचा पंपकिन तो पंपकिन वो कितना खरीदे तो चलो वन के जी अगर वो पंपकिन लेती है तो वो कितने का आएगा तो उसकी प्राइस तो डायरेक्ट लिखी है पंपकिन वन के जी फोर रुपीज का आता है तो हम यहाँ लिख देंगे वन के जी पंपकिन फोर रुपए का है तो अब इस तरीके से उसने सारी चीजें खरीद ली उसके पास टोमेटो भी आ गए पोटैटो भी आ गया अनियन भी आ गया कैरेट भी आ गया और पम्पकिन भी आ गया अब इसकी टोटल कितना कॉस्ट हुआ है वो देख लेते हैं है ना तो देखो इन सारे पैसों को क्या कर दू मैं एड फोर रुपीज की टोमेटो हाफ के जी थ्री रुपीज के वन फोर्थ के जी पोटैटो फाइव रुपीज के हाफ के जी अनियन फोर रुपीज की वन फोर्थ के जी कैरेट और फोर रुपीज का वन के जी पंपकिन सारी चीजें उसने ले ली अब इनको ऐड करें तो फोर प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस फोर प्लस फोर कितना होगा फोर और फोर होगा एट एट में फाइव ऐड करो एट के बाद फाइव और गिनो तो एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो यहां तक थर्टीन थर्टीन में थ्री और ऐड करो तो थर्टीन के बाद फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन में फ़ोर और ऐड करो तो सिक्सटीन और फोर सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो कितना आ गया टोटल टोटल रुपीज ट्वेंटी आ गया यानी बीस रुपए में देखो मैंने उसको पांचों चीजें दिला दी थोड़ी 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 सर हर चीज हाफ के जी जिसमें टोमेटो थे वन फोर्थ के जी पोटैटो थे हाफ के जी अनियन वन फोर्थ के जी कैरेट वन के जी पम्पिन तो आप इस तरीके से लिख सकते हो सो शी कैन परचेज ऑल थिंग्स इन द प्राइज लिस्ट मैनेजिंग एज रिटर्न अबव यानी कि अगर सारी चीजें उस प्राइज लिस्ट की उसको चाहिए है इस वाले लिस्ट से तो सारी चीजें उसको इस तरीके से लेना पड़ेगी कोई सी हाफ के जी कोई वन फोर्थ के जी तब बीस रुपए उसका टोटल अमाउंट होगा यानी बीस रुपए देके वो सारी चीजें ले चुकी है पर अगर वो ये तीन चीजें ले रही थी तो इसका मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एटीन रुपीज कॉस्ट आया था तो भी वो सारी चीजें इस लिस्ट से भी ले लेगी क्लियर हुई कहानी तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है दैट इज क्वेश्चन नंबर ई क्या है इक्वेशन उसको और देख लो तो इक्वेशन है मेक टू क्वेश्चन योर सेल्फ फ्रॉम द प्राइज लिस्ट अब इस प्राइज लिस्ट में से आपको खुद को कोई दो क्वेश्चन और बनाने हैं और फिर हम सॉल्व भी करके देख लेंगे क्या है है ना तो देखो लिखा है पहला क्वेश्चन आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो आप आप बता बना सकते हो कि जैसे वन के जी टोमेटो एट रुपीज के है ना तो आप बना सकते हो कि बताइए टू के जी टोमेटो कितने के आएंगे बताइए हाफ के जी टोमेटो कितने के आएंगे थ्री फोर्थ के जी वन फोर्थ के जी कुछ भी क्वेश्चन बनाना है आपको तो अलग सा ऐसे ही कैरेट पंकिन अनियन पोटैटो इन सब के बारे में क्वेश्चन बनाना है कोई भी दो क्वेश्चन तो मैंने पहला क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे हाउ मच पम्पकिन कैन शी बाय विद द टोटल मनी जो टोटल पैसे थे कीर्ति के पास उससे वो कितना पम्पकिन खरीद सकती है अच्छा क्वेश्चन है ना तो कितने रुपीज थे कीर्ति के पास कीर्ति के पास थे रुपीज ट्वेंटी बीस रुपए है कीर्ति के पास तो वो कितना पम्पकिन ले सकती है आप देखिए पम्पकिन का प्राइस कितना दिया हुआ है वन के जी आ रहा है फोर रुपीज का तो यानी अगर वो वन के जी लेती है तो उसको कितने देना पड़ेंगे सिर्फ फोर रुपीज़ अगर वो एक और के जी ले लेती है तो कितने देगी वो फिर से फोर रुपीज़ कितने हुए फोर और फोर एट हुए उसके पास तो ट्वेंटी है जब तक बीस रुपये ख़त्म ना हो जाए तब कब तक पम्पकिन दिलाते जाओ फिर अगर वो एक और किलो पम्पिन लेगी तो उसको फिर से फ़ोर रुपीज़ देना पड़ेंगे कितने हुए फोर प्लस फोर एट प्लस फोर ट्वेल्व नेक्स्ट अभी भी ट्वेल्वी रुपीज़ हुए तो फिर से वन के जी पम उसने ले लिया फिर से फोर रुपीज दिए कितने हुआ ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन अभी भी पैसे बचे हैं उसके पास बीस रुपए हैं टोटल तो फिर से वन के जी पम्पकिन दिला दो तो फिर से रुपीज फोर अब कितने हुए फोर फोर एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व फोर फोर सिक्सटीन फोर फाइव पर ट्वेंटी यानी कि अब जो टोटल अमाउंट हुआ वो हो गया बीस रुपए के बराबर इसका मतलब बीस रुपए में ट्वेंटी रुपीस में उसने क्या क्या खरीद लिया कितना के खरीदा देखो वन प्लस वन टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर प्लस वन फाइव यानी टोटल पांच के जी पंपकिन वो खरीद सकती है बीस रुपए का अब ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है इसलिए सॉल्व कर दिया मैंने अब इसको लिख कैसे सकते हो आप वो देख लीजिए आप लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वन के जी पंपकिन यानी वन के जी पंपकिन का कॉस्ट कितने रुपीस है फोर रुपीस के बराबर एक किलो पंपकिन आपका फोर रुपीस का आ रहा है सो so, हमको ये पता करना है कि वो बीस रुपए अगर कीर्ति के पास है तो वो टोटल कितना पम्पकिन ले पाएगी तो हम इसका उल्टा लिख सकते हैं रुपीज फोर में अगर वो वन के जी पंप ले रही है तो रुपीज वन में, में ठीक है और अगर उसके पास रुपीज ट्वेंटी है तो वो कितना लेगी ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय वन बाय फोर दैट इज ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी अपॉन फोर ट्वेंटी को फोर से डिवाइड करो ट्वेंटी को फोर से डिवाइड करूंगी यानी फोर की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि ट्वेंटी आए कितना आएगा फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व फोर फोर टाइम्स सिक्सटीन और फोर फाइव टाइम्स ट्वेंटी यानी कि फोर फाइव टाइम्स होता है ट्वेंटी तो आंसर कितना आएगा फाइव के जी पंपकिन वो ले सकती है बीस रुपए में ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो क्लियर हुई कहानी तो पहला क्वेश्चन जो मैंने खुद से बनाया था उसका मैंने आंसर भी आपको सॉल्व करके बता दिया दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं अपन कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 केजी अनियंस दो किलो अनियन कितने रुपए के आएंगे तो देखिए यहां पर अनियंस का प्राइस क्या दिया है ₹10 यानी कि 1 केजी अनियन कितने रुपीस के हैं रुपीस टेन दस रुपए के एक किलो अनियन है अगर टेन रुपीस का वन के जी अनियन है तो फिर मुझे कितने रुपीस यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे स्पेंड करने पड़ेंगे ताकि कि मैं कितना खरीद लूँ टू के तो बहुत सिंपल है वन के जी की वैल्यू दी है तो टू के जी की कितनी हो जाएगी टू के की हो जाएगी टू मल्टीप्लाइड बाय टेन रुपीज एक किलो दस का तो एक और किलो ले लो दस रुपए में तो दस और दस मिला के कितने हो गए तो कर टेन टेन कर लो या टेन कर लो या बात वही है दो बार दस रुपए देना है तो टेन इंटू टू कितना होगा ट्वेंटी रुपीज यानी कि बीस रुपए के वो क्या खरीद सकती है दो के जी अनियंस खरीद सकती है कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप बता दीजिए और क्या पूछ सकते हैं बताइए कोई भी दो क्वेश्चन बनाना है मेरे को मैंने एक का बना दिया कि बीस रुपए में कितना पंपकिन लेगी एक मैंने बना दिया कि दो किलो अनियन कितने का आएगा अब हम बना सकते हैं पोटैटो के लिए है ना? या फिर टोमेटो के लिए या फिर कैरेट के लिए बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंटली कैरेट के लिए अगर वन के जी कैरेट सिक्सटीन की है तो आप कितना खरीदना चाहते हो थ्री के खरीद लो वॉट विल बी कॉस्ट ऑफ थ्री के जी कैरेट तीन किलो कैरेट की कॉस्ट कितनी होगी ये मुझे बताना है सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत इजी आंसर हो जाएगा कि वन के जी आपका जो कैरेट है वो कितने रुपए का मिल रहा है सिक्सटीन रुपीज का मिल रहा है तो थ्री के जी कितने का आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय ₹16 यही कर रहे हैं हम एक किलो की जो भी कीमत दी रहती है फिर जितना किलो चाहिए उतने किलो को हम एक किलो के प्राइस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 into 16 16 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ो क्या आवाज ही नहीं आ रही नहीं है क्या याद गलत बात है मैंने कहा है सबको 30 तक टेबल याद करना है अब नहीं आती तो क्या करोगे 16 का मल्टीप्लाई 3 से कैसे करोगे सिक्सटीन को टेन और सिक्स में तोड़ लो तो एक बार थ्री का मल्टीप्लाई टेन में एक बार सिक्स में टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन होता है तो थ्री इंटू टेन होगा थर्टी थ्री इंटू सिक्स 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 थ्री टाइम्स एटीन दोनों को ऐड करो एट प्लस जीरो एट थ्री प्लस वन फोर कितना आया फोर्टी एट के बराबर क्लियर यानी कि फोर्टी एट रुपीज का क्या होगा रुपीज फोर्टी एट में आ जाएगा उसका थ्री के जीज कैरेट बहुत इजी है इस टाइप से आप भी खुद भी क्वेश्चंस बना सकते हो पर ऐसे क्वेश्चन बनाना जिसका आप सॉल्यूशन भी कर पाए सो so देट आप वहां पर सॉल्यूशन करके भी बता दें है ना सो so यहाँ पे हमने ये जो टॉपिक है यूजिंग अ प्राइज लिस्ट ये कर लिया है अपन ने फिनिश दोनों क्वेश्चन जो बचे थे वो भी हो गए खत्म अब अगली क्लास में मैं आपको शुरू करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस टाइम के कुछ क्वेश्चंस। ये दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 पर अब इसको नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे तब तक अभी की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है इसको सब कुछ रिविजन करके रखिएगा विजिट कर सकते हैं आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com डॉट कॉम वहां आपको सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे सो कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं टॉपिक का नाम है प्रैक्टिस टाइम यस स्टूडेंट्स सो आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं किस चीज पे बेस्ड जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसी के ऊपर रहेंगे ये क्वेश्चंस एंड यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस so हैं ये गिवन है, है आपकी क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर वन यानी 101 पेज नंबर पर हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ्स से चैप्टर का नाम है हाफ्स एंड क्वार्टर्स सो स्टूडेंट्स हाफ क्या होता है वन अपॉइंट टू होता है किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करो तो उसका हर एक हिस्सा हाफ कहलाता है वहीं क्वार्टर्स क्या होते हैं अगर हम एक क्वार्टर की बात करें तो वन अपॉन फोर यानी किसी चीज को अगर हम चार बराबर हिस्सों में बांटें, तो उनमें से हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा एक क्वार्टर कहलाएगा सो अभी तक हम वन अपॉन टू टू अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर वन अपॉन फोर ये बहुत सारे फ्रैक्शन देख चुके हैं अब उन्हीं फ्रैक्शन से रिलेटेड हमको क्या करना है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को करना है सॉल्व अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने पिछली क्लास में एक्चुअली कहाँ पे पढ़ाई को खत्म किया था सो so, पिछली क्लास में मैं आपका टॉपिक पढ़ा रही थी यूजिंग अ लिस्ट और ये टॉपिक दिया है पेज 100 पर सो so, पिछली क्लास में हमने इस टॉपिक का क्वेश्चन डी सॉल्व किया था और क्वेश्चन ई सॉल्व किया था इसी के साथ ये टॉपिक हो गया था खत्म सो so, अब नए टॉपिक की बारी है तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो सो so अच्छे बच्चे हो इसका मतलब पढ़ाई टाइम टू टाइम करते होंगे राइट दैट मीन्स आपको रिविजन आपका अच्छा चल रहा है मैं ये मानकर चल रही हूँ जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं रोज टाइम से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता दूं अभी आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए जितना मैं रोज पढ़ाती सो दैट एंड में आपका बहुत सारा एक साथ पढ़ने के लिए नहीं रहेगा है ना सो so इसीलिए डेली पढ़ाई करनी है हमको तो उसके साथ आज हमें क्या पढ़ना है ये क्वेश्चन पढ़ने हैं तो इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मजा आएगा रीड करिए क्या बोला गया है बोला गया है फर्स्ट एक क्वेश्चन में वॉट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट ब्लू ईच शेप हमसे बोला है वॉट पार्ट ऑफ होल इज कलर्ड यानी कि इस पूरे का कितना हिस्सा कलर किया गया है इसमें इस पूरे का कितना हिस्सा कलर किया गया है हमको इनके नीचे दी हुई लाइंस पे लिखना है यानी कि अब हमको कलर नहीं करना हमको कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है कि कितना पार्ट इस पूरे पिक्चर का कलर्ड है यानी कि टोटल कितने पार्ट्स हैं उसमें उनमें से कितने पार्ट कलर्ड है तो हम कैसे लिखते हैं जितने पार्ट कलर्ड हैं उसको ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में अपॉन नीचे क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत इजी है ना तो देखिए इसी तरीके से वेरी फर्स्ट जो फोटो हमको दी हुई है वो क्या है पहली फोटो में देखिए एक रेक्टेंगल दिया है उसको इस तरीके से डायग्नली क्या करा गया है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है देखो ये व्हाइट वाला पोर्शन और ये रेड वाला पोर्शन दोनों इक्वल दिख रहे हैं ना इनफैक्ट हमने पिछले कुछ क्लासेस में एक बार हमने पढ़ा भी था अलग अलग तरीके एक रेक्टेंगल को दो हाफ में डिवाइड करने के हाफ हाफ पार्ट में तो हमने देखा था उनमें से एक तरीका ये भी था यानी कि ये जो रेक्टैंगल है ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है देखिए हम किसी का फ्रैक्शन तभी लिखेंगे जब वो सब बराबर हिस्से होंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट बड़ा हो और एक पार्ट छोटा तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर ली कि ये जो रेक्टेंगल है जो हमें सबसे पहले फोटो में दिया हुआ है ये बिल्कुल दो बराबर पार्ट्स में क्या है डिवाइडेड है सो so, अगर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं टू पार्ट्स हैं इसके टोटल टोटल टू पार्ट्स है और कितने में से इनमें से टोटल टू पार्ट्स में से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं तो सिर्फ एक ही पार्ट है जिसमें रेड कलर किया गया है तो हम लिखेंगे वन पार्ट इज कलर्ड आउट ऑफ टोटल टू पार्ट्स तो कलर्ड पार्ट का पोर्शन क्या हो जाएगा वन अपॉन टू वन अपॉन टू का मतलब क्या होता है हाफ होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ दिस रेक्टैंगल इज कलर्ड समझ में आया क्या करना है तो चलिए अब पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है तो अब मुझे बताइए दूसरे क्वेश्चन ये जो दूसरा रेक्टैंगल दिया है इसका क्या आंसर होगा तो अब दूसरे रेक्ट यहाँ पर दूसरी फोटो भी मुझे एक रेक्टेंगल की ही दिख रही है है ना और ये जो रेक्टेंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है टोटल चार पार्ट्स में डिवाइडेड है ये हो गया फर्स्ट पार्ट ये हो गया सेकंड पार्ट ये हो गया थर्ड पार्ट और ये हो गया फोर्थ पार्ट और चार पार्ट फोर पार्ट्स कैसे हैं इसके सारे के सारे पार्ट्स हैं इसके इक्वल बराबर तो हम क्या लिखेंगे फोर इक्वल पार्ट्स में ये जो रेक्टेंगल है ये डिवाइडेड है अब फोर इक्वल पार्ट्स हैं अगर इसके तो टोटल पार्ट में नीचे लिखूंगी फोर उसके ऊपर लिखूंगी क्या नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट के चार पार्ट में से कितने पार्ट्स हैं जो कि कलर्ड है तो कितने पार्ट कलर्ड हैं बच्चों एक पार्ट ये और एक पार्ट ये टोटल वन प्लस वन टू पार्ट तो हम लिखेंगे आंसर टू अपॉन फोर टू अपॉन फोर हमें क्या बता रहा है टोटल फोर इक्वल पार्ट्स में से दो पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड हैं और एक और बात हमने देखा था टू अपॉन फोर को हम और क्या लिख सकते हैं टू अपॉन फोर को हम लिख सकते हैं क्या टू अपॉन फोर को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू लिख सकते हैं कैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है इसको अगर सिर्फ बीच वाली लाइन में ही डिवाइड करूं तो ये ऊपर का एक हिस्सा होगा नीचे का एक हिस्सा होगा दो बराबर हिस्से होंगे उनमें से नीचे का हिस्सा तो पूरा कलर्ड है तो अगर मैं इस रेक्टेंगल के दो इक्वल पार्ट करती तो उनमें से पूरा एक पार्ट मुझे कलर्ड मिलता इसीलिए मैं टू अपॉइंट फोर की जगह इसको वन अपॉइंट टू भी लिख सकती हूँ तो सिर्फ एक चीज़ ना लिख के आप इसका आंसर ये दोनों लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्लियर हुआ तो ये हो गया हमारा आंसर तो पहला आंसर वन अपॉन टू टोटल टू पार्ट इक्वल पार्ट्स में से वन पार्ट कलर्ड है तो वन अपॉन टू पार्ट जो है वो कलर्ड है इस पूरे रेक्टैंगल का यहाँ पे टोटल फोर इक्वल पार्ट्स हैं इन फोर इक्वल पार्ट्स में से दो पार्ट्स जो है वो कलर्ड है तो इसका कितना पोर्शन कलर्ड है पूरे रेक्टेंगल का टू अपॉन फोर पोर्शन समझ में आया ना कैसे लिखना है तो इस टाइप से अब आप खुद के खुद से भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो आप क्या कर सकते हो कुछ भी बना लो एक सर्कल बना लो अब जैसे उसको मैंने फोर पार्ट में डिवाइड किया और इसका मैंने कितने पार्ट्स कलर कर दिए सिर्फ एक पार्ट कलर्ड किया तो कितना पार्ट कलर्ड है वन पार्ट कलर्ड है आउट ऑफ फोर पार्ट तो मैं बोलूंगी वन फोर्थ ऑफ दिस सर्कल इज कलर्ड ऐसे ही मैं कुछ और बना लेती हूँ एक स्क्वायर बनाया मैंने उसको चार पार्ट में डिवाइड किया अब इन चार पार्ट में से टोटल मैंने इसके कितने पार्ट कलर कर दिए वन टू थ्री इन चार पार्ट में से मैंने इसके तीन पार्ट कलर कर दिए तो मैं क्या बोलूंगी थ्री पार्ट्स कलर्ड है आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स तो यानी कि थ्री फोर्थ ऑफ दिस स्क्वायर इज कलर्ड तो इस टाइप से आप खुद से खूब सारे क्वेश्चन बना सकते हो सॉल्व कर सकते हो फिर आप किसी बड़े से चेक करवा लेना कि आपने सही किया है कि नहीं वैसे तो सही किया क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम का एक क्वेश्चन हो गया है सॉल्व आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन बी क्या दिया है कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप यानी कि बी क्वेश्चन में दिया हुआ है अब देखो कुछ बुक्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें ये मिस्टेक दी हो तो फोटो तो ये बना है कुछ कुछ बुक्स में मैंने देखा था कुछ बच्चों की बुक्स में सही लिखा था ऐसे ही लेकिन कुछ बच्चों की बुक्स में ये हेडिंग नहीं डली थी सिर्फ फोटो डला था तो अगर नहीं डला ऐसा तो आप लिख लेना इसमें क्या करना है हमको बी क्वेश्चन है कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप यानी कि यहाँ पे ये जो इतने सारे शेप्स बने हैं इनमें हमको कलर करना है और कितने पार्ट्स में कलर करना है इनके नीचे हमको लिखा हुआ है जो फ्रैक्शन उस हिसाब से हमको इनमें कलर करना है जैसे कि वेरी फर्स्ट फोटो जो बनी है उसके नीचे लिखा है वन अपॉइंट टू तो फोटो हम एक तरीके से यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा दूँ ये इस तरह से फोटो बनी हुई है ऐसी बनी है फोटो अब इसको क्या किया गया है चार पार्ट्स में डिवाइड इस तरीके से है एक एक यहां से है ठीक है मैंने वही की वही फोटो बना ली अब ये जो शेप है वो शेप चार बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है और इस शेप के नीचे लिखा है 1/2 तो 1/2 का क्या मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्से में हमें कलर करना है पर यहां तो फोर इक्वल पार्ट्स है मैम दो पार्ट्स इक्वल नहीं है फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो फिर हम उसका वन अपॉइंट टू पार्ट कलर कैसे करेंगे तो देखिए हमको बहुत अच्छे से पता है का मतलब क्या होता है मतलब हाफ होता, होता है ना सो वन अपॉइंट टू का मतलब हाफ आधा यानी कि पूरा ये जितना भी है उसका आधा पार्ट जो है वो कलर्ड हो जाना चाहिए तो यहाँ पे टोटल कितने इक्वल पार्ट्स है यहाँ पे हमको गिवन है टोटल पार्ट्स कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है वन टू थ्री फोर फोर पार्ट्स में ये फिगर डिवाइडेड है उसका अगर मैं चाहूँ हाफ करूँ हाफ ऑफ टोटल है ना यानी कि वन बाय टू पार्ट्स को अगर मुझे कलर करना है तो मैं वन बाय टू का मल्टीप्लाई गिवन पार्ट्स में कर दूंगी क्या बोला मैंने समझ आया एक और बार सुनो नई चीज है टाइम लगेगा मैं क्या कह रही हूं आपको मैं कह रही हूं कि कभी अगर ऐसा हो जाए कैसा कि फिगर तो हमारा चार बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है तो यहां पे जो फ्रैक्शन है वो वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर फोर अपॉन फोर ऐसा देना था कि फोर इक्वल पार्ट्स में से इतने पार्ट्स कलर करो है ना तो one upon four दिया होता तो हम वन पार्ट कलर कर देते टू अपॉन फोर दिया होता तो हम दो पार्ट कलर कर देते चार में से थ्री अपॉन फोर देते तो हम चार में से तीन पार्ट कलर कर देते और फोर अपॉन फोर देते तो हम चारों में से चारों पार्ट कलर कर देते पर इन्होंने नीचे हमको फोर नहीं दिया इन्होंने दिया है टू तो एक काम आप ये कर सकते हो कि इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लो या तो ये लाइन खींच दो तो अब ये जो हमारा फिगर है ये ऊपर की तरफ एक हिस्सा हो गया ये वाला और एक हिस्सा ये देखो नीचे की तरफ हो गया अब क्या करेंगे आप ये बीच वाली लाइन को नहीं देखेंगे ठीक यानी कि एक ये ऊपर का हिस्सा हुआ एक ये नीचे का हिस्सा हो गया तो अब मेरे को पता चल गया कि इस फिगर को मैंने चार की जगह दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है तो उसका एक हिस्सा किसके बराबर होगा एक हिस्से को अगर मुझे कलर करना है तो कितना पोर्शन कलर करूंगी मैं या तो ऊपर ऊपर का आधा कलर कर दो या फिर नीचे का आधा कलर कर दो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको कलर कर सकते हैं सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको इसको कलर करना है तो अभी मैं ये चीज़ आपके पास छोड़ जा रही हूँ प्रैक्टिस टाइम में अभी हमने आज एक क्वेश्चन कर लिया सॉल्व बी का हमने इसको शुरू कर दिया आगे की क्लास में हम इसको करेंगे कंटिन्यू सो so, अगली क्लास में मैं मिल रही हूं आपको क्वेश्चन नंबर बी के साथ सो so, आपको क्या करना है अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको कंटिन्यू करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस टाइम के ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस टाइम का एक क्वेश्चन करवा दिया था सॉल्व और आज बारी है क्वेश्चन नंबर बी की सो so, बी क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको समझा तो दिया था फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे थे फिर अब उसी से आगे हम बढ़ने वाले हैं मैं बता दूं ये जो प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चंस हैं ये दिए हुए हैं आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 101 यानी 101 पर हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ्स से चैप्टर का नाम है हाफ एंड क्वार्टर्स तो बच्चों आप लोग अब समझ गए होंगे बहुत अच्छे से हाफ का मतलब क्वार्टर्स का मतलब है ना हाफ मतलब आधा किसी भी चीज का किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करो तो उसका हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा हाफ कहलाएगा जिसको हम वन टू से डिनोट करते हैं और वही अगर मैं बात करूं क्वार्टर्स की तो क्वार्टर क्या होता है किसी भी चीज को अगर आप चार बराबर हिस्सों में बांटते हो उनमें से अगर एक हिस्सा होगा तो वो क्वार्टर कहलाता है अगर दो हिस्से हैं तो वो टू क्वार्टर्स कह सकते हो खैर वो हाफ भी हो जाता है अगर तीन हिस्से हैं तो उसे थ्री क्वार्टर्स भी बोलते हैं जिसको आप थ्री अपॉन फोर से भी रिप्रेजेंट करते हो तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा था कि दो यहाँ पे हमको क्या दिए हुए थे रेक्टेंगल्स दिए थे जिनमें से पहले रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और दूसरे रेक्टेंगल को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था तो यहां हमको बताना था कि इस पूरे रेक्टैंगल का कितना पार्ट है जो कलर्ड है तो फर्स्ट का आंसर हमने देखा था वन अपॉन टू और सेकंड का आंसर देखा था टू अपॉन फोर क्लियर है ये क्वेश्चन आपको तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर बी देखिए सेकंड बी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस टाइम का वो क्या दिया हुआ है लिखा है कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप यानी कि यहाँ पे इसको शेप्स बने हुए हैं और उनके जो पार्ट्स है उनपे नीचे लिखा हुआ है कि हमको कितने पार्ट कलर करने हैं जैसे कि वेरी फर्स्ट जो ड्रॉइंग हमको दी हुई है इसको मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो ये ड्रॉइंग कैसी है कुछ इस तरीके से बनी हुई है ठीक अब इसमें क्या किए गए हैं कुछ हिस्से किए गए हैं बीच में से एक इधर लाइन है एक इधर लाइन है यानी कि इस फोटो को चार इक्वल पार्ट्स में कर दिया है डिवाइड अब इसके नीचे लिखा है का क्या मतलब होता है बच्चों हाफ बोलते हैं वन अपॉन टू को है ना कि अगर दो बराबर हिस्से हैं तो उनमें से एक हिस्सा हमको कलर करना है तो पर दिक्कत यह है कि इस फोटो में तो चार बराबर हिस्से हैं तो हम कैसे वन अफ टू कलर करेंगे वन अफ टू का मतलब दो हिस्सों में से एक हिस्सा कलर करो पर यहाँ तो चार हिस्से हैं अब क्या करें तो दो चीजें हैं या तो आप क्या करो कि ये जो फोटो हमको दी हुई है इसमें से इनमें से एक कोई सी लाइन यहाँ पे हटा दो मैंने वो लाइन हटाई तो अब क्या बचा मेरे पास देखो सिर्फ बीच की लाइन है तो ये फोटो दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई और दो पार्ट में से एक पार्ट हमको कलर करना है तो हम क्या कर सकते हैं हम कोई ऊपर या नीचे कोई भी एक पार्ट क्या कर सकते हैं इसका कलर कर सकते हैं तो इस तरीके से हम उसमें कलर फिल कर देंगे है ना तो ये जो इतने हिस्से में कलर फिल हुआ है ये हिस्सा क्या कहलाएगा इसका वन बाय टू पार्ट अब भले ही चाहे आप जिस लाइन को आपने रब किया था वो बना दो ये वाली लाइन थी वो तो आप उसको बना दीजिए इसका मतलब हमने एक्चुअली चार में से दो पार्ट जब कलर करे तब जाके इसका हाफ कलर्ड हुआ है पार्ट तो ये कैसे हुआ हमें पहले क्यों नहीं पता चला कि हमको दो पार्ट कलर करना चाहिए तो वो ऐसे पता चलेगा कैसे कि देखो अगर मैं कहूं आपसे टोटल पार्ट्स कितने हैं टोटल इक्वल पार्ट्स हैं यहां पे हमारे पास फोर इनमें से हमको कलर कितना करना है टोटल फोर पार्ट्स में से मेरे को जो कलर करना है वो क्या करना है पार्ट जो है है पूरे का वो कलर करना हाफ पूरा फिगर का हाफ हिस्सा तो अगर दो इक्वल पार्ट्स होते तो मैं हाफ इस तरीके से कलर करती पर क्योंकि चार हैं तो यानी कि फोर पार्ट्स में से मुझे आधे पार्ट कलर करने हैं तो फोर के आधे कितने होंगे फोर के आधे होंगे टू पार्ट्स आया समझ में अगर यहाँ फोटो में मुझे फोर इक्वल पार्ट्स दिए थे और मुझे बोला गया था कि ये जो फोटो है इसका वन बाय टू हिस्सा आपको कलर करना है वन बाय टू पार्ट तो वन बाय टू मतलब हाफ होता है तो अगर टोटल फोर पार्ट्स हैं तो फोर का हाफ टू पार्ट यानी कि इसके दो हिस्से हम क्या कर देंगे कलर कर देंगे अगर और सीरियस होकर जाना है आपको कि आप फाइंड करना चाहते हो कि वन बाय टू ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स कितना होगा फोर इक्वल पार्ट के ही हाफ हमको कवर करने हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो वन बाय टू का मल्टीप्लाई अगर फोर इक्वल पार्ट में करो तो कितना आएगा फोर इन टू वन फोर अपॉन टू फोर अपॉन टू यानी कि फोर को दो हिस्सों में डिवाइड करो तो दो टू टू के दो हिस्से होंगे फोर को टू से डिवाइड किया कितना आएगा टू टू टाइम्स होगा फोर यानी कि टू पार्ट्स हमको कलर करने हैं तो मैंने दोनों तरीके बता दिए ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल जितने भी पार्ट्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो जितना पार्ट कलर करना है उसमें तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे जो आपको कलर करना है या ऐसे कर सकते हो कि टोटल चार पार्ट हैं, हाफ फिगर को कलर करना है तो चार पार्ट्स का हाफ कितना होगा चार पार्ट्स का हाफ होगा टू पार्ट्स तो टू पार्ट्स हम कलर कर देंगे आगे बढ़ते हैं अब बी क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्या दिया है वो देखिए बी का सेकेंड वाला पार्ट अब ये जो दिया है यहां लिखा है थ्री अपॉन फोर क्या बना हुआ है यहां पे देखिए एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल में इस तरीके से डिवीज़न किया हुआ है और नीचे लिखा है थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर का क्या मतलब होगा बच्चों कि अगर फोर इक्वल पार्ट्स हैं तो उनमें से तीन पार्ट्स को हमको क्या करना है कलर करना है तो आप क्या कर सकते हो आपने देखा कि मैम इस सर्कल में तो सिर्फ दो ही हिस्से हैं एक ये वाला हिस्सा और एक ये तो ये हिस्सा बहुत बड़ा है और ये छोटा है पर हमने तो सीखा था कि जब यहाँ इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखी होती है वैल्यू कि थ्री अपॉन फोर इसका मतलब होता है कि फोर इक्वल पार्ट होंगे उनमें से थ्री इक्वल पार्ट कवर करना है यानी कि इक्वल बराबर होंगे हिस्से एक बड़ा और एक छोटा नहीं चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हमको थ्री पार्ट्स कलर करना है फोर पार्ट्स में से तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें इस फिगर में जिसमें ये फिगर चार बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो हमने तो सर्कल के बहुत से क्वेश्चन कर रखे हैं हम क्या कर सकते हैं इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं और इस लाइन को ऊपर से यहाँ से आगे बढ़ाएं। तो आप देख सकते हो अब ये एक ये पार्ट जो पहले से दिया था उसके अलावा उसी के बराबर हमारे पास और कितने पार्ट्स हो गए यहाँ पे देखिए टोटल चार पार्ट्स हो गए तो फोर इक्वल पार्ट्स यहाँ हमको मिल गए हैं और अब इन फोर इक्वल पार्ट्स में से हमको क्या करना है थ्री पार्ट्स को करना है कलर तो हम सीधे कलर लेंगे अपने फेवरेट वाला जो भी कलर हो वो ले लीजिए और उनमें से थ्री पार्ट्स को क्या कर दीजिए कला कर दीजिए सो so, इस तरीके से हम उसको कर देंगे कला वन पार्ट ये सेकेंड पार्ट ये हो गया आपका थर्ड पार्ट और ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट तो टोटल चार जो हिस्से हैं ये हमने टोटल चार कलर कर दिए पर हमें क्या करना है सिर्फ तीन करना है यानी कि हमें इस वाले को क्या करना पड़ेगा रब करना पड़ेगा तो अब क्या हुआ फोर इक्वल पार्ट्स में से हमने थ्री पार्ट्स कलर कर दिए यानी कि कितना पोर्शन कलर हो गया इसका हो गया ये इस तरीके से आप इसको कलर करेंगे यहां का सारा पोर्शन जो है वो कलर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन थर्ड में दिया है ये फिगर उसमें थ्री अपॉन फोर लिखा है नीचे हम बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा उसको सी इस तरीके से कुछ बना हुआ है यहाँ से लाइन डिवीजन और यहाँ से लाइन डिवीजन यानी कि ये टोटल चार बराबर हिस्सों में क्या हुआ है डिवाइड हुआ है तो अगर मैं फोर इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाह कर रही हूँ ऑलरेडी दिया है और इसके नीचे क्या लिखा है अरे वाओ इसके नीचे लिखा है थ्री अपॉन फोर ये तो बहुत इजी हो गया थ्री अपॉन फोर का क्या मतलब होगा फोर इक्वल पार्ट में से थ्री पार्ट कवर कलर करने हैं तो यहाँ तो ऑलरेडी फोर इक्वल पार्ट दिए हैं तो बस मुझे क्या करना है इनमें से कोई भी तीन पार्ट में मेरे को करना है कलर आप अपने मन से कोई भी तीन पार्ट्स ले सकते हो इस तरीके से हम एक पार्ट कलर कर दिया हमने अब यहां वाला ले लेती हूं मैं ये दूसरा पार्ट हो गया कलर दो so, पार्ट्स हो गए कलर अब थर्ड पार्ट ये कर दो या ये कर दो कोई भी कर सकते हो तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट कलर दैट मींस थ्री अपॉन फोर पार्ट इसका कलर हो गया थ्री पार्ट आउट ऑफ फोर पार्ट क्लियर हुआ आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है एक और रेक्टैंगल दिया हुआ है हमको अब ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसको देखिए इसमें से डिवीजन है एक यहां से डिवीजन है यानी कि ये जो रेक्टेंगल है ये चार बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है दिख रहा है आपको और इसके नीचे लिखा हुआ है वन अपॉन फोर तो वन अपॉन फोर का क्या मतलब है कि फोर इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट क्या करना है कलर करना है फिर से बहुत इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमको तो फोर इक्वल पार्ट्स ऑलरेडी दिए हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इनमें से एक पार्ट को क्या कर देना है कलर करना है अब वो इस पार्ट हो ये पार्ट हो ये पार्ट हो या ये पार्ट हो, हो आपका मन है कोई भी एक पार्ट आप क्या कर सकते हो इसमें कलर कर सकते हो मैंने ये वाला पार्ट कलर कर दिया तो जब मैं इस तरीके से कलर कर रही हूं तो क्या है आंसर वन पार्ट कलर्ड है आउट ऑफ फोर पार्ट तो वन फोर्थ पार्ट जो है इस पिक्चर का वो मैंने कलर कर दिया है अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है अगला जो फोटो बना है ये रेक्टेंगल है और ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल छ पार्ट में डिवाइडेड है तो हम क्या करें अब इसको एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाते हैं एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट चार पार्ट पांच और छ छ बराबर हिस्सों में वैसे डिवाइड कर दिया और इसके नीचे लिखा है वन अपॉन टू वन अपॉन टू का क्या मतलब होगा बच्चों वन अपॉन टू का मतलब होता है या तो कि दो बराबर हिस्से हैं अगर उसके तो उनमें से एक हिस्से में हमें करना है कलर पर फिर से गड़बड़ हो गई है यहां तो टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड है ही नहीं यहां पे टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो हमें बोलना चाहिए था वन बाय सिक्स कलर करो तब हम सिक्स इक्वल पार्ट में से वन कलर कर देते पर उन्होंने हमको वन बाय टू बोला है तो वन बाय टू का क्या मतलब होगा वन अपॉइंट टू मतलब हाफ आधा हाफ मतलब बताइए आधा जैसे हमने पहले किया था इधर वाले केसेस में है ना तो हमने क्या किया कि टोटल टोटल पार्ट कितने हैं छ हैं तो उनका अगर मेरे को हाफ चाहिए तो सिक्स का हाफ कितना होगा आधा थ्री होगा सिक्स का हाफ सिक्स को टू से डिवाइड कर दो कभी भी किसी चीज का हाफ फाइंड करना हो आधा फाइंड करना हो उस चीज को टू से डिवाइड कर दो तो हमें आधा मिल जाता है छ का आधा तीन होगा तो यानी कि थ्री पार्ट्स मुझे क्या करना है एक्चुअली इसके कलर करना है क्योंकि इस पूरे जो हमें दिया हुआ है पिक्चर इसकी हाफ पिक्चर को कलर करना है तो हम देखेंगे कि टोटल यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स पार्ट है और सिक्स के हाफ कितने होंगे थ्री यानी कि ये अगर इस फोटो को मैं दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ तो तीन तीन पार्ट का एक हिस्सा होगा है ना तो कोई भी तीन हिस्से आप कलर करोगे तो आपको वन अपॉन टू ये पता चलेगा तो आप क्या करो कोई भी अपने मन का कलर लीजिए और वन बाय टू पार्ट को क्या कर दीजिए कलर कर दीजिए सो so, देखिए हम ले लेते हैं ये कलर अब आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने कलर किया फिर ये सेकेंड पार्ट मैंने कलर किया और ये थर्ड पार्ट मैंने कलर किया ठीक है तो तीन पार्ट कलर हो गए टोटल छे में से इसका मतलब ये जो पिक्चर है ये हाफ कलर्ड हो गई वन बाय टू पार्ट इस पूरी फोटो का कलर हो चुका है समझे ना ये चीज़ ऐसी ही चीज हमारी यहाँ हुई थी वन पॉइंट टू जब हमें इसमें करना था तो हमने देखा था चार बराबर हिस्से हैं तो चार का आधा कलर करना है यानी कि आधे कितने होंगे दो हिस्से होंगे तो हमने वहाँ टू पार्ट्स कलर करे थे तो इसमें आप ये मत सोचना कि वन ऑफ टू को अब मैं कैसे करूँ दो इक्वल पार्ट्स होते तो एक पार्ट कलर कर देते हम पर हमको अब बनाना पड़ेगा तो जितने टोटल पार्ट्स हैं उसका वन पॉइंट टू कर दो यानी उसका हाफ कर दो तो थ्री पार्ट्स को कलर कर दो अब जरूरी नहीं कि यही तीन करो वो वाले तीन भी कलर कर सकते हो अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही कलर करो एक एक छोड़कर भी कलर कर सकते हो जैसे कि आपने यहाँ एक कर दिया दो कर दिया अब इसको कर दो तीन कोई से भी तीन आप कर दीजिए तीन पार्ट कलर्ड है तो वो क्या कहलाएगा एक्चुअली थ्री पार्ट्स कलर्ड आउट ऑफ सिक्स पार्ट थ्री अपॉन सिक्स क्या है सिक्स का जस्ट आधा ही तो है तीन इसलिए हम उसे बोलेंगे कि हाफ पोर्शन जो है इस फोटो का कलर्ड है क्लियर कहानी तो इसको ध्यान रखिए so ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला पार्ट हमको दिया है ये थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया मैंने और बस उसके अंदर कुछ है ही नहीं डिविजन सीधा मुझे नीचे लिखा है थ्री अपॉन फोर अब थ्री अपॉन फोर का क्या मतलब होगा थ्री अपॉन फोर का तो मतलब ये होता है कि फोर इक्वल पार्ट्स अगर हैं तो उसमें से तीन पार्ट्स में को कलर करना है तो कैसे करूँगी मैं तीन पार्ट्स कलर तो देखिए हमें अब क्योंकि यहाँ पे कुछ डिवीजन वगैरह दिया ही नहीं है कहीं पे कुछ पार्ट में उसमें डिवाइड ही नहीं किया ये तो पूरा का पूरा है तो अब हम खुद किसी भी तरीके से इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अब इसके करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फर्स्ट तरीका देखो कि ये एक रेक्टेंगल बनाया मैंने चार हिस्सों में करना है तो एक ऐसी हॉरिजोंटल लाइन खींची एक वर्टिकल ये चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया अब इसका मेरे को कितना पोर्शन कलर करना है थ्री अपॉन फोर ठीक है थ्री अपॉन फोर का मतलब थ्री पार्ट्स आउट ऑफ फोर पार्ट्स तो हम लेंगे कलर और इसमें से थ्री पार्ट्स को क्या कर देंगे कलर कर देंगे तो ये वन ये टू और ये थ्री कोई भी तीन पार्ट्स आप क्या कर सकते हैं इसमें कलर कर सकते हैं तो मैंने यहां पे पार्ट्स कर आउट ऑफ फोर पार्ट्स ये भी सही है अब जरूरी है कि आपने उसको ऐसे करा है डिवाइड चार इक्वल पार्ट में तो सब ऐसे करें कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये फिगर में पहले से डिवीज़न करके नहीं दिया इस रेक्टेंगल का सीधा बोला थ्री फोर्थ पोर्शन कवर करो तो हम कैसे भी इसको चार बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं एक और तरीका वन टू थ्री फोर बस ध्यान रहे चारों बिल्कुल बराबर होना चाहिए तो अब इसमें तीन में कलर करना है तो इसको कर दो तीन में कलर सो so, ये एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये तीसरा पार्ट तब भी ये क्या कहलाएगा थ्री फोर्थ कहलाएगा ऐसे भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो आप इसमें नहीं मुझे वैसे नहीं करना तो फिर क्या करूँ इस रेक्टेंगल को कुछ और करो इस तरीके से लाइंस बना दो वन टू थ्री फोर हॉरिजॉन्टली मैंने थ्री चार बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया अब इसका थ्री फोर पार्ट कलर करो तो कैसे करेंगे थ्री फोर पार्ट कलर एक पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट तो भी ये क्या हो गया थ्री फोर्थ ही हो गया थ्री पार्ट आउट ऑफ फोर पार्ट कलर्ड है तो ये भी एक तरीका है और क्या कर सकते हो हमने देखे थे ना पांच छह तरीके देखे थे हमने किसी भी एक रेक्टैंगल को क्वार्टर में डिवाइड करने का तो इसमें आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो तब भी चार बराबर पार्ट्स मिलेंगे आपको कलर कर दो तीन पार्ट्स में कलर करना है सो वन टू थ्री अब भी क्या हो गया तीन हिस्से कलर्ड हो गए तो इसको भी मैं क्या लिखूंगी इसको भी मैं थ्री अपॉन फोर ही लिखूंगी तो ये मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए अब सिर्फ इसी क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ कि हम अलग अलग तरीके से इसको कर पा रहे हैं डिवाइड क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी डिवाइड करके नहीं दिया था सिर्फ हमको एक रेक्टेंगल दे दिया था और बोला था इस रेक्टेंगल का थ्री फोर्थ हिस्सा हमको क्या चाहिए कलर चाहिए तो इसका क्या मतलब होगा कि फोर इक्वल पार्ट्स करो इसके उनमें से तीन पार्ट्स को कलर कर दो तो फोर इक्वल पार्ट्स तो बहुत तरीके से हो सकते हैं हम उसको इस तरीके से फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से वर्टिकली डिवाइड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं ये शेप में डिवाइड कर सकते हैं तो बस ध्यान हमें ये रखना है कि चारों जो हिस्से हों वो बराबर होने चाहिए तो ये आप इनमें से कोई भी आंसर लिखोगे वो बिल्कुल सही होगा इनफैक्ट इसके अलावा भी और हमने देखे थे कुछ तरीके उसको क्वार्टर में डिवाइड करने के वो भी बस हमें ध्यान ये रखना है कि चारों हिस्से बराबर हो उसके अलावा और कोई मायने नहीं रखता चार हिस्से बराबर आ जाए उनमें से कोई भी तीन हिस्सों को कर दो कलर तो वो थ्री फोर पार्ट कहलाएगा क्लियर कहानी तो ये हमारा बी क्वेश्चन हो गया खत्म इतने ही पार्ट थे इसमें हमने एक एक करके सारे मैंने आपको यहां भी सॉल्व करके बता दिए एक साथ उसका आंसर ये दिया है पहले वन बाय टू यानी कि दो हिस्से कवर किए हमने चार में से क्यों 1 बाय टू का मतलब हाफ होता है तो चार टोटल हिस्से थे तो उनमें से हाफ यानी कि दो हिस्सों को हमने कलर्ट कर दिया नेक्स्ट थ्री अपॉन फोर अब यहाँ पे चार, चार हिस्सों में ये डिवाइडेड नहीं था पर यहाँ पे देखो इसके जैसी सिचुएशन नहीं थी यहाँ पे एक हिस्सा दिया था तो उसी के बराबर हमने इस तरीके से चार हिस्से बनाए तो फिर इसको हमने क्या करा फिर आगे इसके तीन हिस्से कलर कर दिए तो वो कुछ इस तरीके से दिखा थ्री अपॉइन फोर बहुत इजी था ऑलरेडी चार हिस्सों में डिवाइडेड था तो उसके तीन पार्ट्स कलर कर दो upon ये भी बहुत इजी था ऑलरेडी फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है उसका एक पार्ट कोई सा भी कलर कर दो नेक्स्ट था वन अपॉइंट टू अब ये फिर से पहले क्वेश्चन जैसा ही था कि इसमें बोला था कि वन अपॉइंट टू हिस्सा कलर करो तो टू वन अंट टू का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट्स रहेंगे उनमें से एक कलर करना है पर यहाँ दो इक्वल पार्ट्स नहीं है तो सिक्स इक्वल पार्ट्स हैं तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि वन अंट टू का मतलब होता है हाफ हाफ आधा यानी कि अगर टोटल टो छ टो टो बराबर हिस्से हैं तो उसके आधे कितने होंगे तीन हिस्से तो तीन हिस्सों को कलर कर दो कोई भी तीन कर सकते हो इस तरफ के कर दिए नेक्स्ट ये तो बिल्कुल ही यूनिक था इसमें कुछ डिवीजन ही नहीं था तो अब यहां हमको खुद से कैसे भी चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इसको और तीन पार्ट्स को करना था कलर्ड तो ये क्वेश्चन बी हो गया है हमारा खत्म इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी कट इन हाफ उसके बाद क्वेश्चन डी है अभी प्रैक्टिस टाइम में ई e है F है एफ जी है एच है बहुत सारे क्वेश्चन है, है ना सो so एक और क्वेश्चन अपन ले सकते हैं बी के बाद एक और सी क्वेश्चन अगर मैं बताऊं छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल तो अपन के साथ सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बोला है कट इन हाफ यानी कि यहाँ जो कुछ पिक्चर्स दी हैं उनको इस तरीके से आपको कट करना है कि वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो हाफ का मतलब क्या होता है दो इक्वल पार्ट्स हो जाएं किसी भी चीज के तो लिखा है ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड दी शेप इनटू हाफ यानी कि इन शेप्स में ऐसे कहीं लाइन ड्रॉ करो कि वो बिल्कुल शेप्स हाफ में डिवाइड हो जाए आधे आधे हिस्सों में तो आधा आधा कैसे होगा जैसे कि ये बर्ड है अगर मैं इसमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करती हूं तो क्या ये हाफ कहलाएगा दो हा, हाफ में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है यानी कि two equal होना चाहिए। हाफ मतलब दो बराबर हिस्से मिलना चाहिए हमको पर क्या हमको यहां पे दो बराबर हिस्से मिल रहे हैं? अगर मैं यहां से इसको कट करूं तो नहीं उस तरफ देखो फेस है विंग्स है पीछे तो बस उसका टेल है यानी कि ये इक्वल नहीं है हमको कुछ इस तरीके से डिवीजन करना है इसका ऐसे कहीं लाइन खींचनी है कि दोनों तरफ बराबर हिस्सा हो एक तरफ जितना सर है उतना ही सर दूसरी तरफ हो एक तरफ जितने पंख हैं उतने ही पंख दूसरी तरफ हो एक तरफ जितनी टेल है उतनी ही टेल दूसरी तरफ हो तो उसका क्या तरीका हो सकता है उसके लिए आप ये काम कर सकते हो कि अगर इसको बीच से डिवाइड करते हो बिल्कुल बीचों बीच एक स्केल से लाइन खींचना स्ट्रेट लाइन तो इससे क्या मिलेगा देखो एक विंग इस साइड एक विंग इस साइड फेस आधा इस साइड फेस आधा इस साइड टेल हाफ इस साइड और टेल हाफ उस साइड तो हमें क्या मिला बिल्कुल हाफ में डिवाइड हो गया ये वाला पिक्चर तो हम क्या करेंगे इसमें इसी तरीके से बिल्कुल बीचो बीच स्केल से लेना और बिल्कुल बीच में आप इसकी लाइन कट करना थी? तो ये हम इस तरीके से अगर फोटो में लाइन बनाएंगे तो वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो हाफ का मतलब ध्यान रहे दो बराबर हिस्से होते हैं ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कट कर दो कि दो हिस्से हो गए दो हिस्से नहीं दो बराबर हिस्से आगे अगर मैं बढ़ू तो ये जो सेकंड दिया है इसको अगर मेरे को हाफ में करना है तो क्या होगा तो देखो इसको अगर मैं हाफ में करूं अगर यहां से मैं कट करती हूं तो देखो एक के पूरा हिस्सा यहां एक पूरा हिस्सा यहां एक ये पूरा पार्ट यहां एक ये पूरा पार्ट यहां और इसका आधा पार्ट इस तरफ आधा पार्ट इस तरफ यानी कि ये हाफ में डिवाइड हो गया और सिर्फ यही तरीका नहीं है और भी तरीके हैं इसके इस तरफ से भी कर सकते हो है ना बस होगा ये कि दो दो पूरे पूरे पोर्शन मिलेंगे दोनों तरफ और एक आधा आधा पोर्शन मिलेगा तो जिसको भी आप कट कर रहे हो जिस वाले भी इस ट्राया शेप को कट कर रहे हो डायमंड को जैसे कि इस शेप को कट कर रहे हो तो ये हाफ हाफ हो जाएगा दोनों तरफ बाकी एक पूरा यहां एक पूरा यहां यहा, यहा। तो इस तरीके से कोई भी आप लाइन खींच सकते हो इसमें है ना उस तरीके से ये क्या होगा हाफ में डिवाइड हो जाएगा ठीक तो ये हाफ में डिवाइड हो गया आगे बढ़े अगर पंपकिन पंपकिन को क्या करें इसको तो ध्यान से बीचो बीच से ही कट करना पड़ेगा एक हिस्सा इस तरफ है इसका एक इस तरफ फिर एक इस तरफ एक इस तरफ अब बीच वाले को आधे में कर दो डिवाइड तो आधा इस तरफ आधा इस तरफ पहुंच जाएगा तो ध्यान से हमको क्या करना है इसको भी बीचो बीच से कट करना है बिल्कुल ताकि ये जो बीच का हिस्सा है वो भी आधा आधा पहुंचे तो ये दो हिस्से इस तरफ दो हिस्से इस तरफ फिर हाफ इसका यहाँ हाफ इसका यहाँ तो ये भी क्या हो गया आधे हिस्से में डिवाइड हो गया तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सी भी हो गया है खत्म इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन डी को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली क्लास में Then, आपको क्या करना है आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन बी और सी जो पढ़ाए हैं बहुत अच्छी तरीके से इनका कर लेना है, जो है वहां आपको क्लास 4 से लेके क्लास ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर सब कुछ एक प्रॉपर चैप्टर वाइज सिस्टम में अरेन्ज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बनाएंगे और मैग्नेट ब्रीन

प्रैक्टिस टाइम यस स्टूडेंट प्रैक्टिस टाइम ये जो दिया हुआ है आपकी क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर वन जीरो टू पर वन हंड्रेड टू पर तो इसका क्वेश्चन नंबर डी से आज हमको करनी है शुरुआत क्योंकि अगर मैं बात करूं हमारे पिछले लेक्चर की सो so पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में मैं आपको इसी प्रैक्टिस टाइम का क्वेश्चन नंबर बी समझाया था मैंने आपको उसी के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर सी भी समझाया था तो आई होप यहाँ तक आपको सारी कहानी क्लियर हो गई होगी हर एक क्वेश्चन हर एक कांसेप्ट आपको होगा क्लियर ओके सो अब अपन को कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाना है सो सी क्वेश्चन के बाद बारी है क्वेश्चन नंबर डी की और ये बिलोंग करता है आपके क्लास 4 मैथ्स के चैप्टर से चैप्टर का क्या नाम है चैप्टर का नाम है हाफ क्वार्टर। सो आई होप अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये कोई नहीं पूछेगा मुझसे अब कि मैम ये चैप्टर के नाम का मतलब क्या है अब हम सबको समझ में आ गया है कि हाफ का मतलब क्या होता है वन अपॉन टू यानी कि अगर किसी भी चीज को मैं दो बराबर हिस्सों में बांट दू टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दू तो उसका हर एक पार्ट क्या कहलाएगा हाफ़ कहलाएगा इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ तो किसी भी चीज को चार बराबर हिस्सों में बांट दू यानी कि उसके फोर इक्वल पार्ट्स कर दू तो उसका हर एक पार्ट क्या कहलाएगा एक क्वार्टर कहलाएगा सो so, अभी तक हम एक क्वार्टर को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया था फ्रैक्शन क्या था उसका वन अपॉन फोर यानी कि चार इक्वल पार्ट्स का एक पार्ट तो अभी तक जो हमने फ्रैक्शंस देखे हैं वन अपॉन टू यानी हाफ देखा फिर वन क्वार्टर देखा दैट इज वन अपॉन फोर थ्री क्वार्टर्स देखा दैट इज थ्री अपॉइन फोर है ना और टू अपॉइन फोर देखा जिसको हमने देखा वो वन अपॉइन टू यानी हाफ के ही बराबर होता है तो इतनी सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उससे ही रिलेटेड हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व तो क्या है क्वेश्चन नंबर डी आइए जल्दी से साथ में रीड कर लेते हैं सो क्वेश्चन डी लिखा हुआ है कलर यहाँ पर कुछ शेप्स हमको दिए गए हैं और उनमें से हमको कितने शेप में कलर करना है हाफ नंबर ऑफ शेप्स में कलर करना है दैट मीन्स हाफ का मतलब पता होना चाहिए तभी पता चलेगा कि कितने शेप्स में हमको यहां पर कलर करना है तो हम तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं है ना हम सबको अभी तक पता चल गया कि हाफ का मतलब तो टू होता है, यानी कि अगर चार चीजें हैं, तो उसका हाफ क्या होगा दो चीजें अगर दस चीजें हैं तो उसका हाफ यानी आधा कितना होगा पांच चीजें तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पर हम हर एक फोटो में क्या करेंगे यहाँ पर देख लेंगे कि टोटल कितने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कितने इस तरीके से रेक्टेंगल दिए गए हैं यहाँ कितने सर्कल्स दिए गए हैं यहाँ कितने फ्लावर्स दिए गए हैं तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ रेक्टैंगल काउंट कर लें उसका हाफ फाइंड कर लें कि इसका आधा कितने रेक्टैंगल्स होंगे तो जितने भी रेक्टेंगल इसके आधे हैं उनको हम कर देंगे कलर बस इतना सा काम है इस क्वेश्चन में समझ आ गया ना तो मेजर काम हमारा क्या है इस क्वेश्चन में कलर करना नहीं है मेजर चीज हमको पता होना चाहिए कि ये टोटल हम जब काउंट कर लेंगे टोटल फ्लावर्स कितने हैं तो उसके हाफ फ्लावर्स कितने होंगे ये हमको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए तो शुरू करें तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है बुक में यहाँ पे कुछ जो रेक्टेंगल्स बने हैं उनमें से कुछ रेक्टेंगल देखो व्हाइट कलर के हैं और कुछ रेक्टेंगल्स कैसे हैं रेड कलर के हैं इसका क्या मतलब होगा बच्चों इसका मतलब है ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है इसमें तो ऑलरेडी कलर किया हुआ है तो ये समझाने के लिए किया है कि देखिए पहले हम काउंट करते हैं कि इसमें टोटल ये रेक्टेंगल्स कितने हैं तो मेरे साथ साथ काउंटिंग करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल कितने रेक्टेंगल हुए एट अब अगर टोटल रेक्टेंगल्स यहां पर कितने 8 हैं और मैं कहूं आपसे कि इन 8 में से मुझे क्या चाहिए मुझे हाफ रेक्टेंगल्स को कलर करना है तो 8 का आधा कितना होगा सीधी सी बात है बहुत छोटा नंबर है तो हम सीधे बिना कुछ कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि 8 का हाफ होगा कितना 4 तो मैं लिख सकती हूं हाफ ऑफ 8 इज 4 स फोर रेक्टांगल्स को मुझे यहाँ पे कलर करना है तो so, देखो इसमें एक रेक्टेंगल पे रेड कलर दो रेक्टेंगल पे रेड कलर तीसरे रेक्टेंगल पे रेड कलर चौथे रेक्टेंगल तो बिल्कुल चार पर ही रेड कलर किया है इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन में टोटल एट रेक्टेंगल्स थे उनमें से हाफ यानी कि फोर रेक्टेंगल्स हमने कलर कर दिए क्यों फोर किए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हमको हाफ नंबर पे कलर करना है आधी चीजों पर कलर करना है पर अब यहां तो मैंने आपको सीधा सीधा बोल दिया कि देखिए टोटल एट है उसका हाफ फोर होगा तो फोर पे कलर कर दो पर जरूरी थोड़ी है कि हर नंबर का हाफ हमको ऐसे ही समझ में आ जाए जल्दी से तो अगर हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि एट का आधा फोर होगा टेन का हाफ फाइव होगा तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे डिविजन आता है ना सबको बिल्कुल हमें जिस भी नंबर का हाफ फाइंड करना है उस नंबर को हम टू से कर देंगे डिवाइड हम देखेंगे वो नंबर टू की टेबल में कितने टाइम्स आता है वही होगा उसका हाफ जैसे कि दिए तो टू से तो अब एट की टेबल इतने टाइम्स पढ़ो ताकि क्या आ जाए उसमें टू की टेबल इतने टाइम्स पढ़ो ताकि क्या आ जाए उसमें एट आ जाए तो टू की टेबल तो हम सबको आती है स्टार्ट करो टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स फोर टू थ्री टाइम्स सिक्स और टू फोर टाइम्स एट होगा तो हम यहां लिख सकते हैं टू फोर टाइम्स एट माइनस करो एट माइनस एट जीरो तो आंसर कितना आया फोर तो बिल्कुल सही था एट का आधा फोर ही होता है तो ये वाला मेथड भी समझ गए ना कि अगर सीधा डायरेक्टली नहीं पता कि उसका आधा क्या होगा तो टू से डिवाइड करके देख सकते हो इतना भी मुश्किल लग रहा है तो बस इतना याद रख लो कि अगर टोटल एट रेक्टाइंगल है तो टू की टेबल में एट कितनी बार आता है टू की टेबल में एट फोर टाइम्स आता है टू फोर टाइम्स एट तो फोर होगा आठ का आधा क्लियर तो ये क्वेश्चन तो देखो ऑलरेडी सॉल्व था तो थोड़ा इजी पीजी हो गया नेक्स्ट देखते हैं दूसरे में दिया है सर्कल्स ही सर्कल्स तो सबसे पहला टास्क क्या है हमारा हमको देखना है कि हमें एक्चुअली कितने सर्कल में कलर करना होगा तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हमें हाफ नंबर ऑफ शेप्स में कलर करना है यानी कि जो भी शेप दिया हुआ है उसके जस्ट हाफ शेप्स को हमको आधे शेप्स को हमको करना है कलर तो देखिए टोटल हमें देखना पड़ेंगे पहले सर्कल कितने हैं उसके बाद ही तो हम बता पाएंगे कि उसका हाफ कितना होगा तो देखिए यहाँ पे अपन काउंट करते हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन टोटल कितने हो गए ये 18 सर्कल हो गए अब नंबर बढ़ गया है तो अब मुश्किल हो सकती है कि इसका हाफ कितना होगा तो जिनको पता है जल्दी से बता दीजिए मुझे 18 का हाफ कितना होता है नहीं पता क्या तो फिर हम क्या करेंगे अगर डायरेक्टली नहीं पता चल रहा तो हम 2 से उसको डिवाइड करके देखेंगे यानी कि 18 जो टोटल नंबर ऑफ सर्कल आए हैं उनका डिवीजन मैं कर रही हूं 2 से इसका मतलब कि अब मुझे टू की टेबल इतने टाइम्स पढ़ना पड़ेगी कि उसमें क्या आ जाए उसमें 18 आ जाए टू की टेबल तो सबको आती है इसीलिए तो ये बहुत सिंपल है तो देखिए टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स फोर टू थ्री टाइम्स सिक्स टू फोर टाइम्स एट टू फाइव टाइम्स टेन टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व टू सेवन टाइम्स फोर्टीन टू एट टाइम्स सिक्सटीन एंड टू नाइन टाइम्स इज एटीन यस That means टू की टेबल नाइन टाइम्स रीड करने पे एटीन मिलेगा यानी कि एटीन का हाफ कितना होगा नाइन होगा इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि इन टोटल एटीन सर्कल्स में से मुझे कितने सर्कल में कलर करना है नाइन सर्कल्स में कलर करना है अब क्या वो सर्कल ऐसे होंगे कि डायरेक्ट डायरेक्ट नाइन होना चाहिए या कहीं भी कलर कर सकते हैं तो कहीं भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो सीधे यहां से लेके नाइन तक के नंबर्स को सर्कल कर दो या अगर आपको मन है कि नहीं हम तो अलग अलग करेंगे तो एक सर्कल आपने यहां का दिया जैसे ये ये 1, फिर ये देखिए फिर एक और सर्कल ये दो सर्कल हो गए ये तीन हो गया ये चार सर्कल हो गए ये पांच ये ये सात ये आठ ये नौ मेरा मन था कि मैं रेंडम कलर करूं तो मैंने रेंडम कलर कर दिया मतलब आप कोई से भी सर्कल्स कलर कर सकते हैं इनमें से बस ध्यान रहे कि टोटल आप कितने सर्कल्स कलर करें जितने सर्कल्स दिए हैं टोटल उसका हाफ यानी 18 सर्कल दिए हैं तो टोटल हमको 9 सर्कल्स को करना है कलर क्लियर कहानी तो इस तरीके से आप रैंडम भी कलर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस तरीके से भी कलर कर सकते हैं टोटल नौ सर्कल्स में कलर होगा अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारे फ्लावर्स अब फ्लावर्स यहाँ पे हमको कितने फ्लावर्स तो वैसे ही कलरफुल होते हैं तो उनको कलर करने में तो मजा आने वाला है राइट? So, मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे कितने फ्लावर्स को मैं कलर करूं सीधी सी बात है हाफ फ्लावर्स को कलर करना है हमको तो हम क्या करेंगे हम ऐसा कर लेंगे कि पहले टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स को काउंट कर लेंगे तो चलिए पहले मैं आपको काउंटिंग करवा देती हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन यानी कि टोटल कितने फ्लावर्स दिए हैं यहां पर टेन फ्लावर्स बने हुए हैं यहां पर और मुझे हाफ फ्लावर्स को कलर करना है तो दस का आधा कितना होता है बच्चों है ना अगर डायरेक्टली नहीं पता तो क्या करेंगे हम टेन को पहले डिवाइड कर लेंगे टू से तो हमें उसका हाफ पता चल जाएगा टू से ही क्यों डिवाइड करते हैं अगर किसी चीज का हाफ फाइंड करना है तो क्योंकि हमने देखा था कि जो मतलब 10 अपॉन 2 लिखूंगी मैं इसका मतलब मैं ऊपर जो 10 चीजें हैं उसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही हूँ तो दो बराबर हिस्सों का क्या मतलब है कि 10 को दो बराबर हिस्सों में बांटा यानी कि 10 को ऐसे तोड़ा 5 और 5 में कि 10 का आधा आधा हिस्सा हो गया इसीलिए हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि आपको 10 मिले तो टू वन टाइम्स तो हम यहाँ क्या लिखेंगे टू फाइव टाइम्स होता है टेन इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पे फाइव टेन का आधा कितना होगा फाइव होगा तो so, हमें यहाँ पे कितने फ्लावर्स में कलर करना है फाइव फ्लावर्स में कलर करना है अब वो कोई से भी फ्लावर्स ले सकते हो आप और जो कलर लेना है वो कलर ले सकते हो लाइक मुझे पसंद है येलो कलर का फ्लावर अगर आपको ऑरेंज पसंद है या पिंक पसंद है तो आप पिंक कलर का फ्लावर ले सकते हो ठीक है तो अपन पिंक कलर कर देते हैं तो देखिए इस तरीके से ये फर्स्ट फ्लावर में कलर कर दिया अपन ने ठीक है एक और फ्लावर यानी कि टोटल टू फ्लावर्स में कलर हो गया फिर एक और फ्लावर दैट मीन्स टोटल तीन फ्लावर्स में कलर हो गया फिर ये एक और फ्लावर तो ये टोटल चार फ्लावर्स में कलर हो गया हमको कितने में करना है फाइव में तो बस एक और फ्लावर में कलर कर दो तो ये एक और टोटल फाइव फ्लावर्स में कलर हो गया क्लियर अब फिर से ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि लाइन से ही पांचों फ्लावर में कलर करना है आप ऐसा भी कर सकते हो एक यहां से एक 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 यहां 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 से 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 ऐसे भी बस ध्यान ये रहे कि टोटल जितने फ्लावर्स में कलर हो वो कितने हो फाइव फ्लावर्स हो क्योंकि टेन का हाफ क्या होता है फाइव होता है क्लियर कहानी चलिए तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया सॉल्व आगे बढ़ते हैं कुछ और है क्या इसी में क्वेश्चन डी में कलर के नहीं तो यानी कि डी क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया है इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ शेप्स पहले काउंट करें कि टोटल रेक्टेंगल कितने हैं तो हमको पता चला टोटल 8 रेक्टेंगल हैं हमने देखा 8 का आधा कितना होता है 4 होता है क्योंकि हाफ यानी आधा आधे ही चीजों में हमको कलर करना है तो 8 का हाफ 4 होता है तो हमने 4 रेक्टेंगल्स को कलर कर दिया फिर हमने देखा यहाँ कुछ सर्कल्स थे सर्कल्स को काउंट किया तो टोटल 18 सर्कल्स थे अब 18 का हाफ हमने देखा 9 होता है तो हमने 9 सर्कल्स को कर दिया कलर फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिखे फ्लावर्स को काउंट करें तो मुझे टोटल कितने फ्लावर्स दिखे यहाँ पर 10 फ्लावर्स मिले 10 का जब मैंने हाफ फाइंड किया आधा फाइंड किया तो वो होता है 5 तो मैंने 5 फ्लावर्स में पिंक पिंक कलर कर दिया So, I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा तो अब क्वेश्चन डी खत्म हो गया है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं That is question number e. अब e question में क्या पूछा गया है आइए उसको देख लेते हैं ई e क्वेश्चन है कलर वन फोर्थ ऑफ शेप्स यानी कि यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं उन शेप में भी हमको क्या करना है कलर करना है तो आप कहेंगे मैम ये तो क्वेश्चन डी जैसा ही हो गया हाँ हाँ क्वेश्चन डी में भी हमको कुछ शेप्स दिए थे और उन शेप्स में हमको इस तरीके से हमने कलर कर दिया था पर यहाँ पे हमको कितने शेप में कलर करना है देखो कलर वन बाय फोर ऑफ दी शेप्स यानी कि ये जो शेप दिए हैं इनका वन फोर्थ फाइंड करो कि कितना होगा है ना यानी कि इन शेप्स का क्वार्टर वन फोर्थ कितना होता है एक क्वार्टर बोलते हैं हम राइट right? क्वार्टर so, शेप में हमको कलर करना है जबकि अगर मैं बात करूं जस्ट इसके पहले जो हम क्वेश्चन डी सॉल्व कर रहे थे वहां हमको कितना कलर करना था हाफ यानी कि वन बाय टू पार्ट में कलर करना था तो कलर कलर करना है दोनों टाइप में इसलिए ये क्वेश्चन सेम है पर एग्जैक्टली exactly क्यों सेम नहीं है क्योंकि यहां जो शेप्स थे इनमें से आधे शेप्स को हमको हाफ शेप्स को कलर करना था और अब जो हम क्वेश्चन नंबर ई करेंगे सॉल्व उसमें हमको इन शेप्स के वन फोर्थ शेप्स में कलर करना है कैसे करना है कोई घबराने की बात नहीं है अभी समझाऊंगी बस दोनों में अंतर समझ में आ गया ना इसीलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो ध्यान से रीड कर लेना कि कौन से में हमको कितना हिस्सा कलर करना है तो चलो अब देखते हैं वन फोर्थ की क्या कहानी है वन फोर्थ का क्या मतलब होता है बच्चों हमने पढ़ा वन फोर्थ यानी कि क्वार्टर है ना और वन फोर्थ का अगर मैं मतलब समझूं तो चार बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा जो लेते हैं हम उसको हम वन फोर्थ कहते हैं यानी कि अगर चार बराबर शेप्स दिए हैं तो उनमें से एक शेप में हमको कलर करना होगा तो वो क्या हो जाएगा वन फोर्थ शेप हो जाएगा जैसे कि वेरा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो एक फ्लैश जैसा यहाँ पे क्या बना हुआ है आ, वो बोल सकते हैं डिजाइन बनी हुई है कुछ शेप बने हुए हैं आप टोटल कितने शेप्स हैं ये तो इसमें टोटल शेप्स अगर हम काउंट करें तो वन टू थ्री एंड फोर टोटल चार शेप्स यहाँ पे हमको दिए गए हैं और हमसे बोला है कि इनमें से वन फोर्थ शेप में हमें कलर करना है तो हम तो बहुत स्मार्ट है हमको पता है वन फोर्थ का मतलब होता है फोर इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को कलर करना तो यहाँ पे चार फोर इक्वल क्या दिए हुए हैं चार बराबर दिखने वाले शेप्स दिए हुए हैं तो इनमें से अगर मैं एक शेप को कलर करती हूं तो ये इसका क्या कहलाएगा वन फोर्थ कहलाएगा बहुत इजी है राइट चलिए तो आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और इस डिजाइन में आप किसी भी एक डिजाइन को क्या कर सकते हैं कलर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से सिर्फ एक ही को करेंगे है ना क्योंकि वन फोर्थ का मतलब चार में से एक ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब अब फिर से कहानी आई दूसरे क्वेश्चन पे पर दूसरे क्वेश्चन ने कर दी गड़बड़ मतलब पहला क्वेश्चन इतना इजी था उसने हमको बता दिया कि बिहार चार बराबर हिस्से दिए हैं तो उनमें से एक हिस्से को आप कलर कर दो तो वो वन फोर्थ होगा पर दूसरे में तो चार से ज्यादा शेप्स दिए हैं ये देखो एक वाटर ड्रॉप का कुछ लीफ जैसा शेप दिया हुआ है तो ये कितने शेप से पहले काउंट कर लो सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ तो टोटल एट शेप्स दिए हुए हैं और इन एट शेप्स में से हमको अब कितने शेप्स कलर करने हैं यार हमको तो बिल्कुल नहीं पता नहीं पता तो मैं किस लिए, मैं बताने के लिए राइट सो so, दो तरीकों से मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगी एक बहुत इजी इजी सा तरीका है दूसरा थोड़ा कैलकुलेशन वाला है कि कैलकुलेट करके कैसे फाइंड करोगे सबसे पहला तरीका इजी वाला लॉजिक वाला कि वन फोर्थ वन फोर्थ का क्या मतलब है चार में से एक तो यहां आपको चार अगर दिखे तो उनमें से एक को क्या कर दो कलर कर दो तो चलो मैं तो इसी मिशन पे हूं तो यहां मुझे देखे वन टू थ्री फोर ये चार का एक पेयर हो गया इनमें से मैंने क्या किया एक इसको शेप को कर दिया यहाँ पे कलर ठीक तो अगर अब ये चार होते तो इतने में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता पर यहां पे देखो चार और हैं उन चार ऊपर वाले चार में से तो मैंने एक कर दिया कलर पर नीचे मैंने देखा कि उसमें चार और है तो मुझे तो यही पता है चार हर चार में से एक को क्या करना है कलर करना है तो इस चार वाले हिस्से में से मैंने एक को कलर कर दिया दूसरे चार वाले ग्रुप में से मैं एक और को कलर कर देती हूँ कोई को भी इसको कलर कर देती हूँ तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया तो अब आपको लगेगा मैम वन फोर्थ वन फोर्थ बोल रहे हो आप तो चार में से एक शेप कलर होना चाहिए पर यहां तो आपने दो शेप को कलर कर दिया क्यों क्योंकि सीधी सी बात है मैंने मेरे को अगर चार शेप्स दिए होते तो मैं एक ही शेप को कलर करती पर क्योंकि यहां मुझे एट शेप यानी कि आठ शेप दिए हैं तो मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले चार चार का ग्रुप बना लिया तो ये चार का एक ग्रुप हो गया और इस चार का एक ग्रुप हो गया तो चार में से इन चार में से एक को कलर कर दिया इन चार में से एक को कलर कर दिया तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया यानी टोटल दो को कलर करना था पर अगर ऐसे मजा नहीं आ रहा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं याद है अभी पिछला क्वेश्चन डी करवा रही थी मैं और जब वहां पे हाफ शेप्स को कलर करना था यानी आधे शेप्स को कलर करना था तो हम क्या कर रहे थे उससे रिलेट करना हाफ का मतलब होता है उसको हम लिखते हैं one two से represent करते हैं तो अगर मुझे दस शेप्स दिए थे और उनका हाफ फाइंड करना था तो मैं टेन को टू से डिवाइड कर रही थी ऐसा ही था अभी क्वेश्चन नंबर डी में पर अब हाफ तो है नहीं अब हमसे क्या बोला है वन फोर्थ कलर करना तो अगर वन बाई टू कलर करना था तो टू से डिवाइड कर रही थी मैं टोटल नंबर ऑफ शेप्स को तो अब अगर वन बाई फोर फाइंड करना है तो टोटल शेप्स को से डिवाइड कर दो तो वन फोर्थ पता चल जाएगा तो देखो यहाँ पे टोटल आठ लीव्स दी हैं तो इन एट लीव्स को अगर मैं फोर से डिवाइड करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एट लीव्स का वन फोर्थ हिस्सा कितना होगा तो फोर की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि टोटल एट मिले तो उस 4 की टेबल आती है ना सबको स्टार्ट हो जाओ 4 1 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8 अरे वाह हम तो बहुत लकी थे 4 2 टाइम्स में ही हमको 8 मिल गया है ना दैट मींस 4 2 टाइम्स जैसे ही मुझे पता चला 8 आता है इसका मतलब कि दो बार मुझे क्या करना है 8 का जो 1/4 होगा 8 का 1/4 हिस्सा 1/4 पार्ट कितना होगा 2 के बराबर तो इसीलिए हम टू लीव्स को टोटल एट लीव्स में से कर रहे हैं कलर क्लियर कहानी आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन फिर से इजी क्वेश्चन आ गया मतलब सेकंड क्वेश्चन ही थोड़ा सा टफ आया था क्योंकि अब फोर्थ ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये जो क्यूब के शेप बने हुए हैं बॉक्स जैसे शेप बने हुए हैं ये बिल्कुल इसी की तरह है यहाँ पे चार फ्लैश से शेप बने थे तो चार में से एक शेप कलर किया तो वो वन फोर्थ हो गया है ना इसी तरीके से यहाँ पर भी चार बॉक्सेस बने हैं तो इन चार बॉक्सेस में से एक बॉक्स को कलर करूंगी तो वो वन फोर्थ हो जाएगा है ना वन फोर्थ का मतलब ही होता है चार में से एक तो चार में से अब मेरे को क्या करना है बहुत इजी चार में से एक को क्या कर देना है कलर अब वो एक कोई सा भी हो सकता है मेरा मन था मैं इस वाले शेप को कलर कर दू तो इसको कर देती हूँ मेरा मन था मैं ग्रीन कलर से कलर करूं तो हमने ग्रीन कलर कर दिया So, ये देखिए ये हो गया सॉल्व कुछ इस तरीके से देखेगा आपको यहां पहला वाला आंसर सिर्फ एक फ्लैश में हम कलर करेंगे दूसरे वाले में दो लीव्स में कलर करेंगे और तीसरे वाले में हम एक क्यूब में कलर करेंगे क्लियर कहानी आगे देखिए सो so, ये क्वेश्चन नंबर ई के तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए सॉल्व इसके बाद क्या दिया है अब क्वेश्चन नंबर एफ आ रहा है लिखा हुआ है मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन यहाँ पे आ गए मैच द कॉलम्स मैं सच बताऊ ये जो मैच द कॉलम क्वेश्चन थे ना मैं जब फोर्थ फिफ्थ क्लास में थी मेरे फेवरेट क्वेश्चंस होते थे बहुत मजा आता है मैच करने में क्योंकि यहाँ हमको ऑलरेडी आंसर्स लिखे होते हैं बस हमको मैच करना होता है कि किसका आंसर कौन सा है तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑलरेडी हमको सॉल्व करके बताया हुआ है क्या करना है यहाँ पे हमको ये जो पहला शेप दिया है ये शेप कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है पहले ये देखो इस शेप को डिवाइड किया गया है यानी कि ये चार बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है उनमें से ये जो दो हिस्से हैं, ये क्या है कलर्ड है तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन लिखूं कि कितने हिस्से कलर्ड हैं तो मैं क्या लिखूंगी इसमें मैं लिखूंगी टू पार्ट्स कलर्ड आउट ऑफ फोर पार्ट्स यानी कि चार में से दो हिस्से कलर्ड हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको हम क्या मैं इसको वन बाय टू बोल सकती हूं यस yes, फोर का आधा ही तो टू होता है इसका मतलब हाफ जो शेप है वो पहला वाला वो कलर है यानी कि टू अपॉन फोर की जगह मैं इसको वन अपॉन टू से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ फोर का आधा टू टू का आधा वन है ना तो वन टू अपॉइंट फोर वन अपॉइंट टू के बराबर ही होगा दोनों ही हाफ चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार में से दो यानी कि चार के आधे दो और दो में से एक यानी कि दो का आधा एक तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि ये जो पहला शेप दिया हुआ है ये जो शेप है ये हाफ शेप कलर्ड है दिख भी रहा है देखो ना चार हिस्से किए गए चार में से दो हिस्से कलर्ड है यानी कि आधा शेप को कलर किया गया है तो मैं इसको कैसे मैच करूंगी हाफ से हाफ शेप कलर्ड है और हाफ को लिखते कैसे हैं वन अपॉन टू के बराबर तो समझ आया क्या करना है इस क्वेश्चन में हमको तो इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट देखिए दूसरे पार्ट में फिर से वही वाला शेप है और अब फिर से इसमें कितने डिवीजन है फोर डिवीजन है इनफैक्ट मैं कहूँ फोर इक्वल डिवीजन है बराबर है चारों हिस्से तो उनमें से जो एक हिस्सा है एक पार्ट है वो कलर्ड है तो एक पार्ट कलर्ड को मैं क्या लिखूंगी वन पार्ट कलर्ड आउट ऑफ फोर पार्ट यानी कि चार में से एक हिस्सा कलर्ड है वन फोर्थ तो वन फोर्थ को हम क्या बोलते हैं क्वार्टर बोलते हैं दैट मीन इसको मैं कहां से करूंगी क्वार्टर यहां लिखा है तो ये शेप यहाँ पे और क्वार्टर लिखते कैसे वन बाय फोर यानी कि ये यहां से इस तरफ आके क्या हो जाएगा मैच हो जाएगा तो सेकेंड वाले में पहले क्वार्टर और क्वार्टर को वन फोर्थ से क्लियर आगे देखिए थर्ड है यहाँ पर ये भी चार हिस्सों में डिवाइडेड है और यहाँ पे तो चारों के चार हिस्से कलर्ड हैं। तो इनको क्या लिखूंगी मैं फोर पार्ट कलर्ड आउट ऑफ फोर पार्ट फोर पार्ट में से फोर पार्ट कलर्ड है अब चारों के चार कलर्ड है यानी कि क्या मतलब है पूरा ही फिगर कलर्ड है यानी कि फुल पार्ट कलर है तो फुल को हम और क्या बोलते हैं फुल को हम बोलते हैं होल होल डब्ल्यू एच ओ एलई कंप्लीट यानी कि पूरा कंप्लीट फिगर यहाँ पे कलर्ड है तो इसको मैं काय से मैच करूंगी होल से होल मतलब पूरा का पूरा और होल यहाँ पे काय के बराबर है फोर अपॉन फोर के बराबर है क्लियर आखिरी देखिए यहाँ पे फिर से ती, चार हिस्से हैं चार में से तीन हिस्से कलर्ड हैं तो हम क्या लिखेंगे थ्री पार्ट्स कलर्ड आउट ऑफ फोर पार्ट्स तो थ्री बाय फोर से हम इसको करेंगे रिप्रेजेंट और थ्री फोर्थ मैंने बताया था क्या होता है वन फोर्थ को हम वन क्वार्टर या फिर क्वार्टर बोलते हैं तो थ्री फोर्थ को हम थ्री क्वार्टर अभी तक नहीं पता था तो अब याद रखना को हम क्वार्टर भी बोलते हो ना लिखो सिर्फ क्वार्टर लिखो तो भी वो वन फोर्थ कहलाता है पर अगर उसी में मैं अगर थ्री क्वार्टर्स लिख रही हूं थ्री क्वार्टर्स बोल रही हूं तो उसको मैं क्या लिखूंगी थ्री अपॉन फोर के बराबर लिखूंगी तो यहां पे देखो ये तीन पार्ट कलर्ड हैं तो इसका मैच थ्री क्वार्टर्स से होगा जो काय के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्री अपॉन फोर से हम करते हैं रिप्रेजेंट क्लियर कहानी तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया पूरा का पूरा मैच अब इसके बाद आई से एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं क्वेश्चन एफ के बाद जी क्वेश्चन है और एच क्वेश्चन है फिर प्रैक्टिस टाइम होगा आपका खत्म तो ये जो जी और एच क्वेश्चन है इनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी अगली क्लास में टिल देन आपको आपको क्या करना है खूब सारा रिवीजन करते रहना है एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है मैग्नेट ब्रीन डॉट कॉम वहां आपको सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेन्ज मिल जाएंगे कीप स्टिंग थैंक यू सो मच बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं आपकी फेवरेट सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन नंबर जी और क्वेश्चन नंबर एच यस पिछली क्लास से यही दो क्वेश्चन तो छूट गए थे ना ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके क्लास 4th मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 102 पर पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन नंबर ई क्वेश्चन नंबर एफ यहाँ तक सॉल्व करवा दिया था तो अब क्वेश्चन नंबर जी और एच बचे हुए हैं तो इन दोनों क्वेश्चन को हम आज की क्लास में जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ से चैप्टर का नाम है हाफ एंड क्वार्टर्स और अब तो सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर का नाम है इसका क्या मतलब है हाफ का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर दो हिस्सों में हम डिवाइड करें नो 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 दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो उसका जो आधा आधा बचा हुआ जो डिवाइडेड पार्ट्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं हाफ जिसको हम वन अपॉइंट टू से भी रिप्रेजेंट करते हैं वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर की तो अगर किसी भी एक कंप्लीट चीज को मैं फोर इक्वल पार्ट्स में इक्वल पे ज्यादा जोर दे रही हूँ मैं क्योंकि जब इक्वल पार्ट्स में होंगे डिवाइड तब ही ऐसा टू वन अपॉन फोर होगा तो अगर किसी भी चीज को मैं फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो उसका हर एक पार्ट हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा एक क्वार्टर कहलाएगा जिसको हम वन अपॉइंट फोर से भी रिप्रेजेंट करते हैं So, तक कहानी तो सबको बहुत अच्छे से क्लियर है और बहुत सारे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं सो so, अब हो जाए क्वेश्चन नंबर जी कौन सा बड़ा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे तो आइए रीड करते हैं क्या पूछ पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर जी में तो आइए मेरे साथ रीड करिए लिखा है मेक द अदर हाफ यानी कि हमको देख के पता वैसे भी चल रहा है कि यहाँ पे कुछ फोटोज बने हुए हैं और वो हाफ हाफ यानी कि आधी फोटो आधी तस्वीर बनी हुई है इसका हमको अदर हाफ बनाना है यानी कि इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमको क्या करना है ड्रॉ करना है तो आई होप मोटिव क्लियर है आपका बहुत अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ एक बटरफ्लाई है वो एक ही आधी बटरफ्लाई बनी है तो उसका आधा हिस्सा कैसा होगा इसी के जैसा इस तरफ राइट साइड इसी तरीके से यहां कोई इंसेक्ट बना हुआ है ये लेफ्ट इस तरफ का नीचे का हिस्सा लिखा है तो यानी ऊपर का हिस्सा क्या होगा सेम ऐसा का ऐसा ही लेकिन ऊपर की तरफ ऐसी डिजाइन सिमिलरली सबसे पहले बना हुआ है फ्लावर और यहाँ फ्लावर में दो पत्तियां तो पूरी बनी हुई हैं दो लीव्स एक लीव आधी है यानी कि इस तरफ क्या होगा इस तरफ एक आधी लीव होगी फिर इसकी तरह एक पूरी लीव होगी और इसकी तरह भी एक पूरी लीव होगी और यहाँ जो बीच का गोला है ये कंप्लीट होगा इस तरीके से हमको क्या करना है हर एक फोटो को हर एक इमेज को कंप्लीट करके यहाँ पर ड्रॉ करना है यही क्वेश्चन है इसका आगे कुछ और भी लिखा है क्वेश्चन में उसको भी रीड कर लो लिखा है हाफ ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हेयर यानी कि ये जो पिक्चर्स हैं ये हाफ उनकी आधी आधी फोटो यहाँ पे बनाई गई है कैन यू कंप्लीट दिक्चर बाइ ड्रॉइंग द अदर हाफ हमसे पूछा गया है कि क्या आप इस पिक्चर को पूरा कर सकते हो कम्प्लीट कर सकते हो बाय ड्रॉइंग अदर हाफ यानी की जो बचा हुआ हिस्सा है उसको ड्रॉ करके क्या आप इनको कंप्लीट कर सकते हो तो मेरे को तो मजा आता है देखो ड्राइंग करने में आप में से जो बच्चे होंगे जिनको मजा आता है उनके लिए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये है ना कलरिंग है ड्राइंग है यानी कि मतलब कलर ड्राइंग करते करते ही पढ़ाई हो रही है इससे मजे वाली बात और क्या हो सकती है पर जिनको नहीं अच्छा लगता ड्राइंग करना उनके लिए भी सजा नहीं है है ना क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रॉ तो करना नहीं है बहुत सिंपल सिंपल डिजाइन है ये तो हम सब ड्रॉ कर सकते हैं तो कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको सिखा देती हूं तो देखो अगर कोई एक फ्लावर है यहाँ पे और इसका ये देखो यहाँ से समझिए बीच में से उसको क्या कर दिया छुपा दिया गया तो उसकी इस तरफ का हिस्सा कैसा दिख रहा होगा आप खुद इमेजिन करिए तो देखिए कुछ इस तरीके से ये जो आधी लीफ है इस तरफ वैसी की वैसी इस तरफ होगी होगी कि नहीं इसी तरीके से ये जो नीचे की तरफ है ऐसी की ऐसी इस तरफ होगी होगी कि नहीं सेम और जैसी यहाँ पर है बीच में वैसी की वैसी यहाँ पर होगी बीच में दिख रहा है ना अब ऐसा लग रहा है कंप्लीट हो गया फ्लावर ऐसे ही ये जो सर्कल बीच में येलो कलर का आधा बना हुआ है तो बाकी का आधा इस तरफ होगा अब क्या करना है सर्कल येलो कलर का है तो सर्कल के अंदर येलो कलर कर दो ठीक है बाकी फ्लावर आपका कैसा है रेड कलर का है तो फ्लावर के अंदर रेड कलर कर दो कुछ इस तरीके से ठीक ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया हमारी फोटो ये देखो ये देखने के बाद कुछ इस तरीके से कंप्लीट फोटो आपको दिखने वाली है तो मैंने यहां आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखा भी दिया कि कैसे उसको कंप्लीट करना है अच्छा नहीं इमेजिन कर पा रहे मैम हम कि कैसा दिखेगा उसका अगला हाफ तो क्या करें फिर हम तो छोटा वाला मिरर लेना छोटा वाला मिरर हो आपके पास तो आपको क्या करना है उस मिरर को कुछ इस तरीके से रख देना है यहाँ पर जहां पे ये हाफ है और मिरर का जो शाइनिंग पार्ट है ना जहाँ से हमको चीजें दिखती हैं हमारा फेस जिस तरफ से हमको दिखेगा तो उस मिरर में उस कांच को हमको यहाँ पे रखना है तो क्या होगा ये जो हिस्सा है ये ऐसा कैसा यहाँ पे दिखने लगेगा और वो ऐसा दिखेगा कि वो इस तरफ कैसा बनेगा है ना जो मिरर आप रखोगे तो उसमें दिखेगा यही का यही पोर्शन यहाँ दिखेगा मिरर में तो वैसा का वैसा यहाँ यहाँ पे हमको क्या करना होगा बनाना होगा तो आप बुक में ऐसे रख सकते हो इस तर, इधर उसको इस तरीके से और कॉपी में फिर मिरर में जैसा बना हुआ है वैसा कॉपी में बना सकते हो तो वो भी डिजाइन आपको कैसी मिलने वाली है कुछ इसी तरीके से आपको डिजाइन मिलेगी ठीक क्योंकि यहाँ बोला गया था कि इसका हाफ पोर्शन हमको दिया है यानी कि आधा हिस्सा दिया गया है इसीलिए हम यहाँ मान के चल रहे हैं क्या चीज़ कि ये जो आधी पत्ती है इसको हम पूरा करेंगे फिर ये जो बीच में एक पत्ती है इसको यहाँ बनाएंगे नीचे जो एक पैटल है उसको यहाँ बनाएंगे और सर्कल को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे हम अलग से एक्स्ट्रा कोई भी पैटल यहाँ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जितना उस तरफ होगा उतना ही जब इस तरफ होगा तभी वो कहलाएगा हाफ हाफ है ना अगर मैं यहाँ कुछ और ऐड कर दूं एक और बना दूं तो वो जो बना हुआ हिस्सा है जो ऑलरेडी हमको दिया है वो हाफ नहीं कहलाएगा लेकिन अगर वो हाफ है इसका यही मतलब है कि उतनी की उतनी चीज इस तरफ भी बनी हुई होगी क्लियर कहानी आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ दी हुई है एक क्या बटरफ्लाई यस yes. बटरफ्लाई ड्रॉ करना तो बहुत इजी होता है किस तरीके से नॉर्मल अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये उसका फेस हो गया ये उसकी बॉडी हो गई और ये हो गए उसके विंग्स राइट कुछ इस तरीके से हम बटरफ्लाई को ड्रॉ कर सकते हैं है ना और यहाँ पे ऊपर की तरफ ही इस तरीके से रहता है उसका है ना ये आंखें हो गई यहाँ कुछ शेप्स बने होते हैं अंदर की तरफ तो ये बहुत इजी है बटरफ्लाई बनाना तो वैसी ही कुछ बटरफ्लाई यहाँ पे बनी हुई है तो हमें भी वही करना है बिल्कुल हाफ हाफ पोर्शन तो देखो दिख रहा है यहाँ पे कि आधा बना हुआ है उसकी बॉडी तो उसको हम बिल्कुल इसी तरीके से जैसी की जैसी उस तरफ है तो आधी मैं और बना दू ये लीफ जैसा है, स्ट्रक्चर है ना अब एक ये देखो एंटीना इस तरफ है तो एक इस तरफ बना दो है ना दो हो गए अब बात आती है इसके विंग्स तो ये जो विंग्स जिस शेप में दिए हैं उसी शेप में हम कोशिश करेंगे कि हम भी इस तरफ बना दें तो ये कुछ इस तरीके के विंग्स आ गए अंदर की तरफ एक और है डिजाइन फिर यहां कुछ सर्कल्स हैं तो इस तरीके से आपको क्या करना है अदर हाफ ऑफ दिस बटरफ्लाई बना लेना है है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस से बनाओगे तो और अच्छे से बन जाएगा कि ये बॉडी हो गई इसकी हाफ ये एक इसका ये ऊपर का पार्ट ये दूसरा और यहां पर विंग्स अब यहां से जैसे कि ये डार्क डार्क है यहां पे तो उसको डार्क शेड कर दो है ना ताकि वो सेम दिखने लगे अंदर की तरफ लाइट शेड है तो उसको लाइट कर दो फिर सर्कल्स हैं सर्कल्स बना दो और जब आप इसमें कलर कर दोगे तो कलर करने के बाद फिर वो प्रॉपर अच्छे से दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से तो यानी कि हमको इतना पूरा पार्ट करना है कलरिंग भी करनी है प्रॉपर तरीके से और क्या करना है अपन को अदर हाफ इसका हमको क्या करना है ड्रॉ भी करना है और कलर हमको जैसे पहले हाफ में ड्रॉ है वैसे के ही वैसे कलर हमको दूसरे हिस्से में भी ड्रॉ करने हैं तभी जाके वो सेम दिखेगा तो कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हो फाइनल फिनिशिंग के साथ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी डिजाइन दिखेगी फिर से वही कहानी अगर नहीं पता चल रहा है तो इधर यहाँ पे इस तरीके से मिरर रखना ये कई शेप यहाँ मिरर में दिखेगा जैसा दिख रहा है वैसा ही यहाँ पर बनेगा क्लियर आंगे नेक्स्ट देखो यहाँ पे कीड़ा दिया हुआ है इंसेक्ट दिया हुआ है कोई सा तो अब इसको भी हमको क्या करना है पूरा करना है कैसे करेंगे कंप्लीट तो देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक साइड का इंसेक्ट दिया है मतलब कुछ इस तरीके से बना हुआ है वो कि उसके जैसे कि अगर मैं इसको राइट साइड कहूं उसका तो ये राइट साइड के उसके क्या है लेग्स है ये जो होंगे इसके ये लेग्स हैं राइट साइड के ये देखिए मैंने आपको डार्क करके बता दिए ये है उसकी बॉडी और ये उसका फेस अब ये देखिए नीचे एक बॉडी सर्कुलर है तो यहाँ आप उस सर्कल को पूरा कर दो फिर ये बॉडी छोटा सर्कल है तो इसको एक छोटा सर्कल बना दो फिर आगे ये फेस है उसका थोड़ा सा फेस कर दो और यहाँ कुछ एंटीना निकले हुए हैं तो वो एंटीना बना दीजिए अब क्या करो कलर कर दो उसमें तो सबसे पहले कौन सा कलर होगा इसमें ग्रीन कलर तो पहले यहाँ पे ग्रीन कलर कर दो आधे बचे हुए हिस्से में फिर उस ग्रीन कलर के ऊपर रेड कलर से कुछ शेप्स बने हुए हैं उन शेप्स को पूरा कर दो ये देखो हार्ट जैसा बना है है ना यहाँ पे जैसा आधा सा शेप बना है यहाँ बना दो ऊपर भी ऐसा गोल हार्ट टाइप का शेप है उसके मुंह में भी क्या है रेड रेड कलर है इस तरीके से क्या करना है आपको इजीली कलर कर लेना है पर अभी भी क्या वो कंप्लीट हुआ है नहीं राइट साइड के पाँव हैं उस तरफ के पैर कहाँ है उसके सेम ऐसे के ऐसे हमको जो पाँव है उसके दूसरे साइड बनाना है तो यहाँ से देखो कुछ इस तरीके से है ना ये ही जैसा यहाँ पे है ऐसा ही यहाँ बना देंगे फिर ये कैसा है तो उसको ऐसा फिर ये इधर है ऐसा फिर ये पीछे की तरफ है इधर वाला तो उसको पीछे की तरफ बना दिया तो इस वे में वो क्या हो जाएगा आपका इंसेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिनिशिंग से अच्छे से धीरे धीरे बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका फाइनल इमेज दिखेगी क्लियर कहानी सो so, सब अपने अपने हिसाब से ड्राइंग करना ये मैटर नहीं करता कि कितना सुंदर कितना एग्जैक्ट बना मैटर ये करता है कि सेम वैसा ही बनना चाहिए कि अगर ये आधी पत्ती यहाँ है तो आधी यहाँ एक यहाँ तो एक यहाँ एक यहाँ तो एक यहाँ आधा सर्कल इस तरफ तो आधा इस तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा अपने मन से आप ऐड करें नहीं तो फिर हो जाएगा गलत है ना चलिए तो क्वेश्चन नंबर जी आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर हमने कर लिया है सॉल्व डिस्कस ये फाइनल आंसर इस तरीके से आपको ये इमेजेस दिखेंगी जी के बाद अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर एच अब एच क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है आइए रीड करते हैं बोला गया है दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर यहां जो फोटो दी है ये एक पिक्चर की क्या है क्वार्टर पार्ट है यानी कि एक पूरा हिस्सा होगा एक कंप्लीट फोटो होगी उस फोटो का एक क्वार्टर पार्ट क्वार्टर पार्ट का क्या मतलब होगा जल्दी से बताइए क्वार्टर मतलब होता है वन बाय फोर वन फोर्थ मतलब कि चार हिस्से करे होंगे किसी फोटो के चार बराबर हिस्से करे होंगे उनमें से एक हिस्सा जो है वो कहला रहा है क्वार्टर दैट मीन क्या मतलब है कि ये जो फोटो है इसी तरीके से चार चार हिस्से और होंगे कोई एक फोटो के फोर इक्वल पार्ट करे हैं उसका एक पार्ट ये है ठीक है दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर के एक पूरी पिक्चर थी उसका जो क्वार्टर हिस्सा है यानी कि वन फोर्थ हिस्सा है वो यहाँ पे दिया हुआ है आगे लिखा है कैन यू कंप्लीट इट क्या आप इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हो हाउ मेनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट और कितने और क्वार्टर्स आपको चाहिए इस फोटो को कंप्लीट करने तो सबसे पहले ड्रॉ कर पाए ना कर पाए इस क्वेश्चन का आंसर तो हम दे सकते हैं कि यहां पे अगर कोई एक फोटो है और उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है और उसका एक हिस्सा ये है तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसको मेरे को कंप्लीट करना है तो कितने हिस्से चाहिए पड़ेंगे चार में से एक हिस्सा यहां दिया है तो अब कितने बचे तीन हिस्से बचे इसका मतलब यहां पे मेरे को हाउ मेनी मोर क्वार्टर कितने और इसी तरीके से क्वार्टर चाहिए तो मेरे को तीन क्वार्टर और चाहिए तब जाके ये क्या होगा तीन वो एक ये मिला के पूरी फोटो हो जाएगी कंप्लीट तो मैं यहां आंसर में क्या लिखूंगी थ्री क्वार्टर्स कितने और क्वार्टर्स चाहिए मेरे को तीन और क्वार्टर्स चाहिए one fourth, एक एक क्वार्टर दिया 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 है one fourth हिस्सा दिया है है यानी यानी हिस्सा चार इक्वल पार्ट्स में से पार्ट तो मुझे तीन पार्ट तो और चाहिए ना और हर एक हिस्सा क्या होगा एक क्वार्टर के बराबर तो तीन हिस्से क्या होंगे थ्री क्वार्टर्स कहलाएंगे यानी कि मुझे इस फोटो को कंप्लीट करने के लिए टोटल थ्री क्वार्टर्स की क्या है नीड है क्लियर कहानी आगे देखिए आप देखो ये फोटो आपको कैस, क्या दिख रहा है इस इस फोटो में इस में पिक्चर कि आप कैसे कंप्लीट कर पाओ कुछ इमेजिन तो करना पड़ेगा आपको कि ये कैसी फोटो है ताकि हम उसको कंप्लीट करें तो यहाँ हमको दिख रहा है क्या एक मेरे को यहाँ पर तो सन टाइप का शेप दिख रहा है सूरज है ना देखो यहाँ पे उसकी ये रेज है ऐसा ही सन बनाते हैं हम बचपन में राइट इसका मतलब ये क्या रहा होगा बीच में एक सर्कल रहा होगा कुछ इस तरीके से उसको यहाँ से कट किया होगा यहाँ से कट किया होगा कुछ इस तरीके से दैट मीन्स इसको अगर ये इतना सर्कल है तो कंप्लीट करूँ तो यहाँ ऐसा आएगा और नीचे कंप्लीट करूँ तो यहाँ आएगा इस तरफ कंप्लीट करूँ तो इस तरीके से आएगा और इसमें कौन सा कलर कर दूं येलो कलर कर देती हूं तो ये मेरा जो सन का फोटो है ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से है ना तो ये क्या हो गया कंप्लीट एक सन हो गया सन का फोटो हो गया ब्लैक बाउंड्री दी थी तो हमने ब्लैक बाउंड्री पूरे में बना दी अब अब बात आती है रेस की तो अब देखो थोड़ा सा मैं आपको जो अंदर वाला पार्ट मैंने मिटा दिया वो फिर से बना दूं कि वो इस तरीके से क्या था यानी कि ये जो एक क्वार्टर था उसमें कितनी रेस थी ये भी हमको गिनना पड़ेगा क्योंकि हर एक quarter में उतनी ही रेस बनेंगी. यहां पे देखो यानी कि एक हिस्से में हमको कितनी रेस चाहिए छह रेस चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पे भी हर एक हिस्से में छे बनाएंगे तो ये जो एक हिस्सा है इसमें छे रेस होंगी तो यहां से शुरू करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस वाले हिस्से में तीसरे पार्ट में भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चौथे पार्ट में भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये ध्यान देना बात क्योंकि सब लोग सर्कल तो कंप्लीट बना लेंगे पर नंबर ऑफ रेस काउंट करना भूल जाएंगे तो वो बात हमको ध्यान रखनी है कि यहां पर क्योंकि ये जो एक हिस्सा यहां पे हमको दिया हुआ है उसकी जो रेज है वो यहां से लेके यहां तक की है यानी ऐसा का ऐसे हमको चार और हिस्से बनाने हैं तो ये हमने एक और हिस्सा बनाया ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट हर पार्ट में टोटल छ छ रेज होनी ही चाहिए तब जाके हमारा ये जो फोटो है वो होगा क्या कंप्लीट सो ये ध्यान में रखने वाली बात है तो पहला आंसर क्या हुआ कि तीन क्वार्टर और चाहिए ये देखो एक क्वार्टर ये दूसरा क्वार्टर ये तीसरा क्वार्टर तीन क्वार्टर्स हमने और बनाए तब जाके ये फोटो कंप्लीट हुई और तीनों कैसे बनेंगे ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि ये जो है ये चार हिस्सों में डिवाइडेड होगा यानी कि ये जो एक हिस्से का सर्कल है ये इस तरीके से क्या होगा कंप्लीट होगा फिर आगे एक हिस्से में टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह रेज है तो इस हिस्से में कितनी होंगी यहां पे भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ वाले में भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस वाले में भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो नंबर ऑफ रेज को भी हमको काउंट करके ही लिखना है तो टोटल कितनी रेज हो जाएंगी छह रेज एक हिस्से में तो टोटल चार में सिक्स फोर टाइम्स ट्वेंटी फोर रेज जो है यहाँ पर कंप्लीट होंगी क्लियर कहानी तो ये बात ध्यान रखनी है तो आपका ये जो फोटो है ये बनने के बाद कैसा दिखेगा कलर भी कर देना उसमें है ना So, ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखने वाला है हमको येलो कलर करना है क्योंकि सन है तो इस तरीके से आप येलो कलर करना फिर बाउंड्री इसकी ब्लैक कलर से दी हुई थी इसीलिए बाउंड्री हमको से करनी है ब्लैक कलर से करनी है और जो रेज है ये कैसे दी हुई थी रेज हमको दी हुई है येलो कलर में तो रेस क्या करोगे हर रे को आप येलो कलर से कलर कर दोगे ध्यान से आराम से बैठ के करोगे तो एक फिनिशिंग में प्रॉपर आपको फोटो मिल जाएगी सन की और वो कैसी दिखेगी वो देख लीजिए यहां पे इस तरीके से आपको पूरी फाइनल फोटो देखेगी कि ये जो एक हिस्सा है वैसे ही हमने देखो और बहुत सारे जो हिस्से हैं यहाँ पर बना लिए हैं तो थ्री मोर क्वार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पिक्चर तीन और क्वार्टर्स हमको चाहिए पड़े तब जाके ये जो फोटो है वो कंप्लीट हुई है ओके चलो क्वेश्चन नंबर एच भी हो गया हमारा कंप्लीट अब देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट दिया हुआ है अगला टॉपिक नया टॉपिक शुरू हो रहा है नए टॉपिक का क्या नाम है हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर एक मीटर का हाफ और क्वार्टर क्या होगा ये हमको बताना है तो हाफ और क्वार्टर तो हमको पता है क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं पर जिसका फाइंड करना है अ मीटर तो ये मीटर क्या है उसका हाफ और क्वार्टर हम कैसे निकालेंगे ये सारी बातें मैं आपको ये जो टॉपिक है ये पढ़ाऊंगी हमारी अगली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस टॉपिक के बारे में है ना प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे तो ये जो टॉपिक है ये 102 पेज पर ही दिया है आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में और यहाँ पर जो हम अ मीटर की बात कर रहे हैं आ, मीटर का क्या मतलब होता है अ का मतलब यहाँ वन से है एक मीटर आपने देखा होगा कि कभी भी अगर आप मार्केट गए हो कुछ क्लोथ पीस खरीदने कपड़ा खरीदने किसी चीज़ का है हाँ, तो बहुत सारा कपड़ा अगर रहता है शॉप पे तो वो कट करके आपको देते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो जो क्लोथ होता है वो मोस्टली आप काय में खरीदते हैं मीटर में कितना मीटर आपको कपड़ा चाहिए उतने मीटर्स कपड़ा आपको दिया जाता है या कोई रोप या रस्सी होती है वो भी आपको में मिलती है मीटर्स में मिलती है तो यहाँ उसी मीटर की बात कर रहे हैं जैसे अगर आपका वजन कोई नापे आपका वेट मेजर तो वेट मेजर मेजर कोई करे तो तो जो आप आप करते हो तो आप क्या बोलते हो कि मेरा वेट कितना है थर्टी किलोग्राम है तो ये जो किलोग्राम है ये क्या है एक यूनिट है वजन को नापने की वहीं पे लेंथ यानी लंबाई को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं सेंटीमीटर मिलीमीटर, मीटर किलोमीटर मिली किलो अब जैसे कोई रोड है अगर तो उस रोड तो बहुत लंबी होती है तो उसको हम किलोमीटर्स में नापते हैं तो वहीं पे कपड़ा हुआ रस्सी हुई ये चीज़ें हम मीटर्स में नापते हैं उससे और कोई छोटी चीज है अगर तो उनको हम काय में नापते हैं सेंटीमीटर्स से कोई छोटी चीज़ है तो में। तो तो में ये सब लेंथ की यूनिट्स हैं तो हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं उस यूनिट का क्या नाम है बच्चों उसका नाम है मीटर और एक मीटर किस तरीके से, से सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर इन सब से कनेक्ट है रिलेटेड है वो भी हमें जानना पड़ेगा सबसे कॉमन जो रिलेशनशिप देखा जाता है वो मीटर और सेंटीमीटर में देखा जाता है क्योंकि बोलते हैं वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं यानी कि सौ सेंटीमीटर मिलकर एक मीटर बनाते हैं अब इसका क्या मतलब हुआ तो सेंटीमीटर मीटर आप इमेजिन कर पाओ ना कर पाओ सेंटीमीटर जरूर इमेजिन कर सकते हो अपना पेंसिल बॉक्स खोलो उसमें वो जो छोटा सा स्केल रखा होगा आपका रूलर उस वो सेंटीमीटर मेजर करता है उसमें वन से लेके फिफ्टीन तक डिजिट्स लिखी रहती हैं वो छोटे वाले स्केल में हमारी तो वो पंद्रह सेंटीमीटर लंबा स्केल होता है उस पंद्रह सेंटीमीटर को अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो कि वो इतना है तो उसी को आप इतनी बार यहां से यहां तक लाइन कहीं खींचना शुरू करो जमीन पर खींच सकते हो इतना बड़ा पेपर नहीं होगा तो तो 15 की खींची जहां खत्म हुई जैसे कि यहाँ एक लाइन खींची आपने अब ये 15 सेंटीमीटर की है जीरो से लेके 15 तक था ये ठीक है तो अब क्या करो आप ये जीरो से फिफ्टीन तक था तो लाइन आपने खींची फिफ्टीन सेंटीमीटर अब फिर से यहाँ जीरो लिख दो फिर जीरो से फिफ्टीन करो तो ये फिफ्टीन और हो गया फिर यहाँ से यहाँ तक जीरो से फिफ्टीन और करो तो फिफ्टीन और हो गया तो ये कितने हुआ फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टी और ये फिफ्टीन फोर्टी फाइव यानी यहाँ से यहाँ तक की फोर्टी फाइव सेंटीमीटर की लाइन हुई है अभी तक ऐसे ही आप खींचते चले जाओ कब तक जब तक टोटल मिला के कितना सेंटीमीटर ना हो जाए हंड्रेड सेंटीमीटर्स तब तक आपको ये लाइन ड्रॉ करते जाना है जैसे ही हंड्रेड सेंटीमीटर हो गया तो उस हंड्रेड सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं वन मीटर बोलते हैं 100 सेंटीमीटर मिलके एक मीटर बनाता है कोई चीज अगर 100 सेंटीमीटर की है तो आप 100 सेंटीमीटर ना बोल के आप सीधा उसको क्या बोल सकते हैं वन मीटर बोल सकते हैं तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कन्वर्जन याद रहे इसके अलावा मिलीमीटर mm भी यूनिट होती है वो सेंटीमीटर से छोटी होती है किलोमीटर यूनिट होती है वो मीटर से भी बड़ी होती है तो इन सब के रिलेशन अगर हमको क्वेश्चन में चाहिए पड़े तो हम देखेंगे आगे और इनसे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस भी हमको अभी करना है सॉल्व तो ये जो हमारा टॉपिक है हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर इसमें पहले मीटर को समझेंगे सेंटीमीटर को समझेंगे और उसके बाद इनका हाफ और क्वार्टर कैसे निकालना है ये हमको बेसिकली इस टॉपिक में सीखना है तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए आ जाइए जल्दी से अगली क्लास में जिसका टॉपिक हाफ एंड क्वार्टर ऑफ़ अ मीटर है टिल देन आज की क्लास मैंने आपकी कहां फिनिश करी है प्रैक्टिस टाइम का क्वेश्चन जी और एच करवाया है मैंने तो अब ए बी सी डी एफ जी एच एच तक इतने सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं इस प्रैक्टिस टाइम पेज 102 के तो अब आपको काम ये करना है कि एक साथ बैठ के इन सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देख लेना खुद से क्योंकि वीडियो से पढ़ चुके हो तो उससे पता चलेगा कि आप कोई चीज भूल तो नहीं गए अगर भूल गए हो तो फिर से वीडियो देख लेना उस वाले क्वेश्चन का आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्लियर कहानी एंड रिवीजन करते रहना है सो so दैट पीछे का जो हम पढ़ चुके हैं वो आप ना भूलें और आगे की चीजें तो हम पढ़ रहे हैं तो वो आपको याद ही हैं इसी के साथ-साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com वहां आपको क्लास फोर्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर्स सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे एंड डेली अपडेट्स के लिए मैग्नेट ब्रेन मैगने चैनल का कम्युनिटी सेक्शन आप विजिट कर सकते हैं इससे आपको पता चलता जाएगा क्या नई नई चीजें क्या चीजें यहाँ पे नए नए वीडियोज आपको देखने मिलने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स में सो so, यहाँ पे आपको खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ क्योंकि यही एक ऐसा एजुकेशनल आपका प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको जहां हम पहले एक दो चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स का आपसे कोई फीस नहीं मांगते कोई पैसा नहीं मांगते सो so दैट हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए सो कीप स्टार्टिंग थैंक यू सो मच बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक का नाम है हाफ एंड क्वार्टर ऑफ़ अ मीटर यस स्टूडेंट्स सो मीटर का यहां क्या मतलब है और उसका हाफ और क्वार्टर कैसे हमको करना है फाइंड यही सारी बातें सीखने वाले हैं हम आज की क्लास में और ये जो टॉपिक है हाफ एंड क्वार्टर ऑफ़ अ मीटर ये दिया हुआ है आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 102 पर हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर्थ मैथ्स के चैप्टर का नाम है हाफ एंड क्वार्टर्स और हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है क्या मतलब होता है हाफ एंड क्वार्टर्स का अगर मैं किसी भी चीज को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो उसका हर पार्ट क्या कहलाएगा हाफ कहलाएगा जिसको हम वन अपॉन टू से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको वन बाय टू बोलेंगे राइट right. वही अगर मैं किसी चीज को डिवाइड कर रही हूं कितने बराबर हिस्सों में अगर मैं किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही हूं तो उसका हर एक पार्ट वन बाय टू यानी हाफ कहलाएगा और अगर मैं किसी चीज को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूं तो उसका हर एक पार्ट कहलाएगा वन क्वार्टर जिसको सिर्फ क्वार्टर भी बोल सकते हो और उसको रिप्रेजेंट करते हैं से सो so, ये इन्हीं सब चीजों से हम पढ़ रहे हैं उसमें फिर हमने आगे पढ़ा थ्री अपॉन फोर तो अगर इसको वन क्वार्टर या क्वार्टर बोल रहे हैं तो थ्री अपॉन फोर को हम थ्री क्वार्टर बोल रहे थे हमने देखा वन अपॉन टू टू अपॉन फोर थ्री अपॉन सिक्स फोर अपॉन एट ये सब क्या है बराबर है क्योंकि ये सब क्या बता रहे हैं हाफ वैल्यू टू का आधा वन फोर का आधा टू सिक्स का हाफ थ्री फोर का हाफ एट का हाफ फोर तो यानी कि अगर मैं फोर अपॉन एट भी बोलूं तो उसका मतलब भी हाफ ही है कि टोटल एट इक्वल पार्ट्स थे उनमें से फोर पार्ट्स है नहीं कि आधे पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये सब क्या हाफ के बराबर होते हैं तो ये सारी चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसी के कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक आया है पिछली क्लास की अगर बात करें तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपके प्रैक्टिस टाइम पेज नंबर वन जीरो टू से क्वेश्चन नंबर जी सॉल्व किया था हमने और क्वेश्चन नंबर एच सॉल्व किया था तो आई होप यहां तक कहानी सबको क्लियर होगी कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत ब्रीफ तरीके से हमने प्रॉपर इसको समझा था क्वेश्चन को फिर उसका सॉल्यूशन समझा था और फिर देखा था कि उसको सॉल्व एक्चुअली करना कैसे है क्लियर कहानी सो अब यहाँ तक जब समझ में आ गया तो बिल्कुल अब बिल्कुल आखिरी आखिरी पे आ गए हैं हम इस चैप्टर के आखिरी के ये जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं उनको भी खूब मन लगा के पढ़ लीजिए और क्या दिया हुआ है इस टॉपिक में आइए पहले रीड कर लेते हैं लिखा हुआ है यूजिंग योर मीटर स्केल कट अ स्ट्रिंग ऑफ वन मीटर यानी कि आपके पास अगर मीटर स्केल हो ऐसा स्केल जिसपे मीटर्स में वैल्यू दी हो आपके जो नॉर्मल रूलर होता है बॉक्स में वो सेंटीमीटर वाला होता है आप देखिएगा उसके कॉर्नर पे लिखा होता है कि ये सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर है कि क्या है है ना तो उसी तरीके से अगर मीटर का स्केल हो वो थोड़ा सा लंबा रहता है उसको मोस्टली आप देखो टेलर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं मीटर वाला स्केल उसमें मीटर्स में वैल्यू लिखी होती है तो मीटर स्केल की हेल्प से हमको क्या करना है एक स्ट्रिंग कट करनी है जो कि कितने मीटर की हो वन मीटर की वन मीटर यानी कि जीरो से लेके वन मीटर तक जहां भी वैल्यू हो कुछ इतना होगा लगभग इतनी बड़ी हमको एक स्ट्रिंग कुछ भी धागा वगैरह कट आप कर लो अब आपको पता है कि ये जो स्ट्रिंग आपने कट कर ली है ये कितने की है वन मीटर की है अब आगे क्या करना है आपको सो so, दिया हुआ है ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ हाफ मीटर वन फोर्थ मीटर एंड थ्री फोर्थ मीटर अब हमको इस स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग जगह कुछ मार्क करना है कलर कर सकते हो या फिर वो नॉट लगा सकते हो उसमें तो कहाँ कहाँ लगाना है ये चीज अलग से हाफ मीटर यानी आधा मीटर जहां भी हो रहा हो वहां पे कुछ कलर कर दो कि यहाँ आधा मीटर है ये फिर वन फोर्थ मीटर जितना आ रहा हो उतने पे आप अलग से कलर कर दो और थ्री फोर्थ मीटर कैसे करोगे आपको कैसे पता चलेगा तो देखो अगर आपने इस तरीके से स्ट्रिंग धागा कट कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं जैसे कि ये आपका पूरा धागा है इन दोनों एंड्स को इस तरीके से मिला लो है ना नॉर्मल अगर हम बात करें मैं पेपर से आपको बता दूं अगर तो देखो ये देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से आपने एक ये तो काफी छोटा है आपका एक मीटर का स्ट्रिंग जो है धागा काफी इतना बड़ा होगा तो ये मान लीजिए कि एक आपने एक मीटर का धागा कट किया है अगर आपको पता करना है कि आधा मीटर कहाँ होगा आधा मतलब हाफ एक मतलब पूरा मीटर और वन बाय टू मतलब हाफ मीटर आधा तो यानी इस धागे को बिल्कुल आधा कर लो तो यानी कि इसका ये जो पहला वाला एंड और दूसरा वाला एंड है इनको ऐसे मिला दो और मिलाने के बाद बीचों बीच जो भी बीच का हिस्सा हो उधर मार्क कर दो बीच का हिस्सा ही क्या कहलाएगा हाफ मीटर बीचों बीच जो लाइन आ गई तो ये जीरो मीटर है जीरो से यहां तक आधा मीटर और से यहां से यहाँ तक आधा मीटर और तो आधा और आधा मिला के पूरा एक मीटर हो जाएगा तो इस तरीके से आप उस धागे पर बीच में क्या मार्क कर सकते हो हाफ मीटर ठीक है यहां जीरो मीटर है यहां तक पूरा एक मीटर हो गया तो आपने बीचों बीच उसका धागा कैसे पता चला बीच कहां है उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट और एंड वाले पॉइंट को एक साथ मिलाओ और फिर उसको देखो कि बीचों बीच कहां पे हिस्सा आ रहा है तो वहां आप थोड़ा सा कलर कर दो जैसे भी आप मार्क करना चाहो उधर हाफ मीटर पे मार्क कर दो क्लियर आगे अब हाफ मीटर तो बहुत ईजी था फिर हमको क्या मार्क करना है वन फोर्थ मीटर इसको कैसे मार्क करें तो वन फोर्थ का मतलब तो पता है ना क्वार्टर क्या बोलते हैं कि चार बराबर हिस्से होंगे तब वन फोर्थ यानी कि हर एक हिस्सा उसका वन फोर्थ कहलाएगा तो अगर मैंने हाफ मीटर का मार्क करने के लिए इस पूरे एक मीटर को हाफ में यानी कि आधे में मोड़ लिया तो वन फोर्थ के लिए मैं क्या करूं कि इस पूरे को चार हिस्सों में मोड़ू तो अब चार हिस्सों में आप ऐसे कर सकते हो कि एक बार आपने ये मोड़ा तो दो हिस्से होगा इसके देखिए एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये अब ये एक बार जब हो गया आधा तो उसको एक और बार मोड़ दो यानी कि हमें टोटल दो बार फोल्ड करना है किस तरीके से एक ये पूरा एक मीटर का अगर आपकी ये स्ट्रिंग है तो पहला एंड और आखिरी का एंड मिलाओ तो ये दो स्ट्रिंग मिल जाएंगी आपको हाफ हाफ अब इस हाफ को भी और अब जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है फिर से एक और बार मिला दो बिल्कुल बीचों बीच तो अब आपका जो फाइनल धागा मिलेगा आपको इसमें टोटल चार डिवीजन होगा, ये देखिए ये इतना एक फिर ये दो ये तीन और ये चार अब इन चार डिविजन में हर एक डिविजन कितने का है वन फोर्थ का है यानी कि अब जब आपने इसको काटा तो यहां पे आपको क्या मिला अब यहाँ पे बीच में बीच में आपको और मिल गया यहाँ पे इस तरीके से यानी कि अब हर एक हिस्सा क्या हो गया वन फोर्थ वन फोर्थ तो अगर यहाँ जीरो मीटर है तो जीरो मीटर के बाद ये कितना होगा वन फोर्थ मीटर फिर ये हाफ मीटर फिर और आगे जाएगा इतना हमें पता है यहाँ से यहाँ तक वन बाय फोर मीटर है फिर ये वन बाय फोर मीटर है फिर ये वन बाय फोर और ये 1 बाय फोर वन बाय फोर का मतलब ही होता है चार में से एक हिस्सा तो हर एक हिस्सा वन फोर्थ होगा ऐसे ही 1 बाय टू मीटर जीरो से पूरा यहाँ तक हाफ मीटर फिर हाफ से वन तक भी कितना होगा हाफ मीटर हाफ और हाफ मिला के ये तो पूरा एक मीटर बना है ये बात समझ में आई तो हमने कुछ नहीं किया सबसे पहले हमारे घर में अगर मीटर स्केल है हमारे पास तो उससे हम एक मीटर की लंबा धागा कट करेंगे उस धागे का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाएंगे बीच की जो जगह आएगी बीचो बीच का हिस्सा हो जाएगा हाफ मीटर अब जब बीचो बीच का हिस्सा आ गया तो उसको एक और बार फोल्ड करोगे तो अब जो आपका डिवीजन हुआ थोड़ा सा तेज दबाना धागे को ताकि आप जब उसको खोलो तो चार हिस्से आपको मिले तो हर एक हिस्सा क्या होगा वन फोर्थ मीटर का होगा तो जीरो के जस्ट बाद पहला ही जो हिस्सा है वो वन फोर्थ मीटर कहलाएगा यहां से लेके यहां तक वन फोर्थ मीटर और जीरो से लेके यहाँ तक हाफ मीटर जीरो से लेके वन तक वन मीटर तो अब क्या रह गया? मीटर भी मार्क कर लिया हमने, फोर्थ मीटर भी मार्क कर लिया। अब हमारे पास बचा है थ्री फोर्थ मीटर थ्री फोर्थ का क्या मतलब होता है थ्री क्वार्टर्स। यहाँ काम आया ना वन बाय फोर को हम वन क्वार्टर या फिर सिर्फ क्वार्टर से रिप्रेजेंट करते हैं बोलते हैं जबकि थ्री अपॉन फोर को हम थ्री क्वार्टर्स बोलते हैं इसका मतलब चार बराबर हिस्सों में से तीन हिस्से चाहिए वो होंगे थ्री बराबर। तो अब तो हमको कुछ करना ही नहीं है हम ऑलरेडी चार बराबर हिस्से एक मीटर के कर चुके हैं अब तीन हिस्से गिन लो वो थ्री फोर्थ मीटर होगा तो ये देखो एक क्वार्टर दो क्वार्टर तीन क्वार्टर तीन हिस्से हो गए हैं यानी ये तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा थ्री बाय फोर मीटर के बराबर तो क्लियर समझ में आया कि किस तरीके से मैंने एक मीटर की लंबी स्ट्रिंग कट करी है और फिर उसमें मैंने वन बाय टू मीटर वन बाय फोर मीटर और थ्री बाय फोर मीटर को मार्क किया है क्लियर कहानी अब इसी तरीके से आपको भी ये काम करना है एक धागा लेके एक मीटर कट करके घर में जो भी कोई बड़ा हो ब्रदर सिस्टर मम्मा पापा उनसे पूछ लेना मीटर स्केल कहाँ है मोस्टली जो कपड़ों की शॉप्स होती है वहां पे ही मीटर स्केल यूज होते हैं क्योंकि कपड़ों की दुकानों पे ही मीटर्स में कपड़ा मिलता है तो ध्यान रहे उस स्केल में जहां भी हो देख लेना कि कहा मीटर लिखा है उस तरफ के उस साइड के ही नंबर मीटर्स वाले होंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ हाफ मीटर ऑन द फ्लोर हाउ मैनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज द लाइन ओके अब उन्होंने कहा कि ये तो आपने बना लिया एक स्ट्रिंग यानी कि धागा बना लिया आपने इतना लंबा वो धागा है उसमें स्टार्टिंग जीरो मीटर से करी एंड में पूरा एक मीटर लंबा है बीचो बीच हाफ मीटर यानी आधा मीटर है इन दोनों के बीच में है वन फोर्थ मीटर और यहाँ दोनों के बीच में क्या है थ्री फोर्थ मीटर कैसे आया ये अभियान मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से अब जब ये इस धागा आप पे आ गया आपने अलग अलग मार्क कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक वन फोर्थ मीटर है यहाँ से यहाँ तक हाफ मीटर है जीरो से लेके यहाँ तक थ्री फोर्थ मीटर है जीरो से लेके यहाँ तक पूरा वन मीटर है तो आप क्या करोगे इस स्ट्रिंग को नीचे जमीन पर रखोगे बिल्कुल को थोड़ा रखना है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा हो रहा हो है ना तब वो हाफ मीटर नहीं बन पाएगी लाइन उस धागे को अगर हेल्प लेना हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो घर पे एक तरफ से आप पकड़ो दूसरी तरफ से आपकी फ्रेंड पकड़े तो यहां से लेके वहां तक स्ट्रेट पकड़ना उस धागे को जैसे ही वो इस तरीके का स्ट्रेट हो जाए जमीन के ऊपर तो आपको क्या करना है उसी धागे के सहारे सहारे हाफ मीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। का कितनी लाइन होगी वो इतनी होगी यहां, यहां तक की लाइन हाफ मीटर हो जाएगी तो ये लाइन जब आप ड्रॉ कर लो फिर क्या करना है तो बोला गया है कि अब इस लाइन को आपको अपने सेंटीमीटर स्केल से नापना है कि ये कितनी सेंटीमीटर लंबी है तो सेंटीमीटर स्केल तो सबके पास होता है हमारे बॉक्स में जो रूलर होता है नॉर्मल रूलर जो यूज करते हैं उस पर देखना सेंटीमीटर लिखा होगा साइड में तो सेंटीमीटर वाले स्केल को फिर अब अब धागा हटा लेना लाइन तो खिंच चुकी है ज़मीन पे हाफ मीटर की अब सेंटीमीटर स्केल यहाँ रखना और देखना यहां से लेके यहाँ तक जीरो से सेंटीमीटर से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर आ रहा है जब आप मेजर करोगे तो बताइएगा आप मेरे को कि इतनी लाइन में कितना सेंटीमीटर हुआ जब मैंने ये मेजर किया खुद से लाइन ड्रॉ करके फ्लोर पे फिर मैंने मेजर करी अपने सेंटीमीटर स्केल से सेंटीमीटर से करना मीटर से मत करना हम मेजर क्यों कर रहे हैं हम ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता करना है कि ये जो हाफ मीटर लंबी लाइन है आधा मीटर लंबी ये जो लाइन मैंने जमीन पर फ्लोर पर खींची है ये इस इतनी दूरी कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है तो जब मैंने मेजर करा तो मुझे तो बहुत बार मेजर करना पड़ा काफी लंबी लाइन थी और मेरे पास जो स्केल था वो सिर्फ से 15 सेंटीमीटर का था 15 15 वो छोटा वाला स्केल तो उससे मैंने देखा कि टोटल पता है कितना सेंटीमीटर आया 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर लंबी वो लाइन थी दैट मीनस कैसे मेजर करा होगा मैंने यहां से लेके यहां तक 15 सेंटीमीटर फिर 15 सेंटीमीटर फिर से मेजर किया कितना हुआ 15 और 15, 30 सेंटीमीटर फिर 15 सेंटीमीटर और मेजर किया मेरा स्केल उतना ही था तो एक बार इतना मेजर किया फिर यहाँ से आगे रखा स्केल फिर आगे रखा तीन बार एक के आगे एक रख लिया तब भी कितना मिला से 45 सेंटीमीटर फिर लाइन थोड़ी सी और बची थी मेरी इतनी थोड़ी बहुत मेरी जो लाइन है मैं बोल सकती हूँ ये जो लाइन यहाँ से यहां तक हुई होगी ड्रॉ ठीक है तो लाइन कितनी बची थी मेरी इतनी सी और बची थी और ये जो मेजर हुआ ये फिर से मैंने जीरो से मेजर किया तो ये आया फाइव सेंटीमीटर के बराबर तो टोटल मैंने तीन बार 15 15 सेंटीमीटर का स्केल और उसके आगे 5 सेंटीमीटर और तो 15 प्लस फिफ्टीन थर्टी प्लस फिफ्टीन फोर्टी प्लस 550 टोटल 50 सेंटीमीटर की ये लंबी लाइन बनी थी जिसको मैंने आधा मीटर में बोल रही थी तो इसका सीधा-सीधा क्या मतलब है उन्होंने पूछा है हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज द लाइन ये जो लाइन बनाई है हाफ मीटर की ये कितने सेंटीमीटर के बराबर है तो हमारा आंसर होगा द लाइन इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कोई भी याद नहीं करेगा खुद से ही एक्सपेरिमेंट करके आपको देखना है बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझा दिया है सो so देट आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर यही मिलेगा 50 से नीचे 49 सेंटीमीटर भी नहीं आएगा 50 के ऊपर 51 सेंटीमीटर भी नहीं आएगा एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि अगर आपने हाफ सेंटीमीटर सही सही मेजर करा के लाइन बनाई थी नीचे जमीन पे तो वो कितने सेंटीमीटर के बराबर मिल रही है आपको वो आपको मिल रही है 50 सेंटीमीटर के बराबर क्लियर तो इससे एक कहानी तो क्लियर हो गई एक बात क्लियर हुई मुझे कि ये जो हाफ सेंटीमीटर है हाफ मीटर है ये फिफ्टी सेंटीमीटर के बराबर होता है क्योंकि हाफ सेंटीमीटर लंबी लाइन को जब मैंने सेंटीमीटर स्केल पे मेजर किया तो फिफ्टी सेंटीमीटर आया इसका क्या मतलब है हाफ मीटर इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर आधा मीटर पचास सेंटीमीटर के बराबर होता है तो अगर आधी चीज पचास सेंटीमीटर के बराबर है तो पूरी कितनी के बराबर होगी बता सकते हैं क्या आप बिल्कुल आधे मीटर में आधा मीटर और मिला दो तो कितना होगा आधे मीटर में आधा मीटर मिलाया तो बन गया पूरा एक मीटर तो 50 प्लस फिफ्टी कितना होगा 100 सेंटीमीटर के बराबर वही ये गर्ल कह रही है कि पूरे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबी लाइन जब आप बनाओगे तो उतना होता है वन मीटर के बराबर दैट मीन्स अगर आपके पास मीटर स्केल नहीं है और अगर आपको कोई चीज मीटर्स में मेजर करनी है तो आप सेंटीमीटर स्केल से कैसे मेजर करोगे 100 सेंटीमीटर जहां तक मेजर हो पाए है ना जीरो से 15, 15, 15 का स्केल है तो वैसा कर लो 30 सेंटीमीटर वाला स्केल है तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा तो जब जैसे ही 100 सेंटीमीटर आपने नाप लिया कि ये यह यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर के बराबर है उतने ही हिस्से को एक मीटर का नाम दे देना कि ये कितना हो गया एक मीटर के बराबर ये लेंथ हो गई है क्लियर हुई इतनी बात तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे एक मीटर हुई ऐसे एक मीटर हुई कि हमने अभी एक बात देखी क्या हमने देखा हमने देखा कि हाफ मीटर की जो हमने लाइन बनाई वो एक्चुअली 50 सेंटीमीटर के बराबर हुई तो हाफ मीटर में मैं हाफ मीटर अगर और जोड़ू तो आधा आधा मीटर में के पूरा हो जाएगा एक मीटर और इस आधे मीटर में पचास सेंटीमीटर इस आधे मीटर में पचास सेंटीमीटर मिलाओ तो कितने होंगे 100 सेंटीमीटर के बराबर That means, पूरे वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर लाइन खींची है तो उसको मैं आपको बहुत अच्छे से रिलेशन समझ में आ गया ना मीटर सेंटीमीटर में अभी भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ टॉपिक का नाम था हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर तो वो हमने हाफ वन बाय टू मीटर का मार्क कर लिया क्वार्टर यानी हिस्सा मार्क कर लिया था मीटर का पर ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होते हैं वो भी हमको देखना है तो हाफ मीटर जो है, एक मीटर का जो हाफ, है हाफ तो हमने देख लिया कितना होता है हाफ हाफ मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर के बराबर होता है यानी कि एक मीटर का हाफ यानी आधा पचास सेंटीमीटर के बराबर होता है तो इसका क्वार्टर कितने के बराबर होगा ये अभी हमको करना है फाइंड तो चलो देखते हैं आगे कुछ और समझाया है क्या इसमें देखो सो so, हमसे बोला गया है वन बाय टू मीटर यानी कि हाफ मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा वन बाय टू मीटर अभी हमने देखा वन बाय टू मीटर लंबी जो लाइन मैंने खींची थी आधे मीटर हाफ मीटर लंबी लाइन जो मैंने खींची थी वो पचास सेंटीमीटर के बराबर होगी अब 1 बाय फोर मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है तो खुद सोचो हमने अभी जो लाइन बनाई थी वो जो स्ट्रिंग कट करी थी वो क्या थी पूरे एक मीटर की थी उसका बीचो बीच किया था तो मिला था हाफ मीटर इसी एक मीटर को मैंने चार हिस्सों में चार बराबर हिस्सों में बांटा था तो मुझे यहाँ पे मिला था वन 4 मीटर और यहाँ मुझे मिला था थ्री अपॉन मीटर तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब ये चार बराबर हिस्से हो गए हैं है ना तो अगर ये यहाँ से लेके यहां यहाँ तक पूरा पचास सेंटीमीटर है तो इसका ही आधा यहाँ पे है तो पचास का आधा कितना होगा फिफ्टी का हाफ हाफ़ कैसे फाइंड करते हैं अगर सीधे से नहीं आता तो टू से डिवाइड करते हैं तो अगर मैं फिफ्टी को टू से डिवाइड भी कर दूं तो टू टू टाइम्स होगा फोर माइनस किया फाइव में से फोर गया वन बचा इस जीरो को नीचे लाए टू फाइव टाइम्स होगा टेन माइनस किया कुछ नहीं बचा कितना आ रहा है ट्वेंटी फाइव डैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना है ये ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इसका हर एक हिस्सा ये इतना क्या है चार बराबर हिस्से हैं ना तो अगर ये एक हिस्सा पच्चीस सेंटीमीटर का है तो हर एक हिस्सा क्या होगा पच्चीस सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर ठीक है यानी कि हर वन फोर्थ पार्ट 25 25 सेंटीमीटर का होगा तो यहाँ तक तो आ गया यानी वन फोर्थ मीटर में कितना होगा हाफ का भी आधा होता है वन फोर्थ है ना तो यानी कि ये हो गया 50 का आधा 25 सेंटीमीटर तो यहाँ मुझे मिल गया वन फोर्थ मीटर में ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होंगे यानी पच्चीस सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची है यानी कि वो वन फोर्थ मीटर है वन फोर्थ मतलब क्वार्टर यानी कि क्वार्टर ऑफ अ मीटर, मीटर का क्वार्टर कितना होगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर के बराबर आगे देखो थ्री फोर्थ मीटर थ्री फोर्थ मीटर कहां से कहां तक है यहां से शुरू होके यहां तक है थ्री फोर्थ इसमें कितनी बार ट्वेंटी फाइव आ गया देखो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तीन बार आ गया तो 25 25 50 प्लस 25 कितने होंगे 75 यानी यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर हो जाएगा फिर 75 सेंटीमीटर तो आंसर क्या होगा 3/4 मीटर काए के बराबर है 75 सेंटीमीटर के बराबर दैट मींस 3/4 मीटर यानी 3/4 3/4 का मतलब 3 क्वार्टर्स तो थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर होता है सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर के बराबर इतनी बात क्लियर है सबको so ये बात ध्यान में रखो कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया क्या तरीका था एक बार और देख लो कि हमने एक स्ट्रिंग कट करी थी पूरे एक मीटर की यहां जीरो से लेके यहाँ तक वो वन मीटर था एक मीटर उसका जब मैंने हाफ किया तो यहाँ मुझे मिला हाफ मीटर अब इसी पूरे एक मीटर के स्ट्रिंग को अगर मैंने चार बराबर हिस्से कर दिए यानी यहां से भी आधा यहां से भी आधा इतने का आधा ये इतने का आधा ये अब ये चार बराबर हिस्से हो गए थे तो उनमें से ये जो हिस्सा मिला था मुझे ये वन फोर्थ मीटर और यहां मिला था मुझे थ्री फोर्थ मीटर के बराबर अब मुझसे पूछा गया कि हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो मैंने सेंटीमीटर स्केल से आ, क्या किया मैंने इस स्ट्रिंग की हेल्प से हाफ मीटर की लाइन जमीन पे फ्लोर पे खींची ड्रॉ करी और अपने सेंटीमीटर स्केल से मैंने नापा तो मुझे मिला कि ये आधे मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने आ रहे हैं फिफ्टी सेंटीमीटर यानी पचास सेंटीमीटर है यानी हाफ मीटर जो है एक मीटर का आधा काय के बराबर होता है फिफ्टी सेंटीमीटर के बराबर तो फिर मुझसे पूछा गया कि उसका वन फोर्थ मीटर और थ्री फोर्थ मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हाफ सेंटीमीटर और ये हाफ uh, मीटर है और ये पचास सेंटीमीटर के बराबर है और इसका ही आधा क्या है यहाँ वन फोर्थ तो अगर मैं फिफ्टी का हाफ करूँ तो मुझे मिलेगा ट्वेंटी फाइव तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है ट्वेंटी फाइव और यहाँ से यहाँ तक भी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव मिला के ही कितना हो जाएगा फिफ्टी सेंटीमीटर के बराबर और मैंने ये भी बताया आपको कि जब हमने ये जो इस तरीके से डिविजन की है उस स्ट्रिंग में तो ये जो हिस्से मिले ये चारों बराबर हिस्से थे तो अगर एक हिस्सा पच्चीस सेंटीमीटर का है तो हर एक हिस्सा पच्चीस सेंटीमीटर का होगा तो ये दोनों पार्ट भी 25 25 सेंटीमीटर के ही होंगे तो इससे मुझे पता चल गया कि यहां से यहां तक वन फोर्थ मीटर है तो के बराबर है वो 25 सेंटीमीटर के और यहां से यहां तक कितना है थ्री फोर्थ अलग कलर से बता दू मैं यहां से लेके यहां तक कितना है ये थ्री फोर्थ मीटर के बराबर है तो थ्री फोर्थ मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं तो ये यहां ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तीन बार ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है तो ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव कितना होगा एड कर लो का लिखेंगे, आ आ जाएगा में. और कितना गया? क्योंकि ये सब क्या थे? 25, 25 centimeter थे. इसका मतलब वन फोर्थ वन बाई टू मीटर में फिफ्टी सेंटीमीटर वन फोर्थ में ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और थ्री फोर्थ में सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर होते हैं ये बात तो अब सबको अच्छे से समझ आ गई होगी यहां पे मैं लिख देती हूं 50, 25, 75. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं एक और बात कि कैन यू सी दैट वेन वी एड हाफ एंड वन फोर वी गेट थ्री फोर बोल रहे हैं जब मैं हाफ और वन फोर्थ को एड करूं जोड़ती हूं तो मुझे थ्री फोर्थ मिलता है क्या आपको दिख रहा है ऐसा तो चलो देखने की कोशिश कर लेते हैं अपन तो वन बाय टू प्लस वन बाय फोर को ऐड करने पे ये बोल रहे हैं थ्री बाय फोर मिलेगा तो अब ऐसे तो अभी एडिशन हमने सीखा नहीं है तो हम क्या करें इनमें वन बाय टू वन बाय फोर में ये जो है इनमें कितने सेंटीमीटर है उनको देख लेते हैं तो हाफ मीटर वन बाय टू मीटर की जगह में क्या लिख सकती हूँ इसकी जगह में लिख सकती हूँ फिफ्टी सेंटीमीटर प्लस मीटर की जगह में क्या लिख सकती हूँ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लिख सकती हूँ ये काय के बराबर आना चाहिए थ्री बाय फोर के तो थ्री बाय फोर मीटर की जगह में क्या लिख सकती हूँ सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर लिख सकती हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर अब क्या करें हम देख लेते हैं कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं इक्वल के तो फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव फिफ्टी में अगर मैं ट्वेंटी फाइव तो कितना मिलेगा मुझे जीरो प्लस फाइव 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 प्लस टू सेवन यहाँ मेरे को मिला सेवेंटी फाइव दैट मीन्स सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर इस तरफ भी सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर दोनों बराबर हैं इसका क्या मतलब है कि हाफ में वन फोर्थ ऐड करने पे हमको थ्री फोर्थ मिलेगा अब क्या ऐसा है कि हाफ मीटर में वन फोर्थ मीटर ऐड करो तभी थ्री फोर्थ मीटर मिलेगा मतलब क्या ये चीज़ सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर पे ही लागू होती है ऐसा नहीं है कोई भी हाफ यानी कि आधी चीज में कोई भी वन फोर्थ यानी कि क्वार्टर उसी चीज को मिलाओ तो आपको उसी चीज का थ्री फोर्थ यानी कि थ्री क्वार्टर चीज मिलेगी तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ पीसेज हैं तो आधा पीस है किसी एक चीज का और वन फोर्थ पीस है तो इसका मतलब मिला के आपके पास कितना पीस है हाफ प्लस वन फोर्थ थ्री फोर्थ के बराबर होता है तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जब मैं कोई सिंगल चीज का ऐसा नहीं है किसी दूसरी चीज का हाफ ले आए किसी और चीज का क्वार्टर ले आए नहीं कोई एक ही चीज है सेम चीज है सेम चीज का हाफ और क्वार्टर को मिलाने पे हमको थ्री क्वार्टर्स यानी कि थ्री फोर्थ के बराबर वही चीज मिल जाती है ये क्लियर हुआ तो यही इन्होंने सॉल्व करके बता दिया जैसे मैंने बताया था कि हाफ मीटर मतलब हाफ मीटर मतलब फिफ्टी सेंटीमीटर हाफ मीटर एक मीटर में मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं तो हाफ मीटर तो में सौ का आधा यानी पचास सेंटीमीटर होंगे ऐसे ही वन फोर्थ मीटर में सौ का फोर से डिवाइड कर दो यानी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होंगे ऐसे ही थ्री फोर्थ मीटर में क्या करो हंड्रेड इंटू थ्री अपऑन फोर कर दो तो ऐसे भी आपको मिल जाएगा सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर तो हमें दिख जाएगा कि इन दोनों को ऐड करने पे ये मिल रहा है फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव के बराबर प्लस थ्री फोर्थ सेंटीमीटर के बराबर होगा तो यहाँ पे इस तरीके से हम बता देंगे कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है हमको दिख रही है तो ये टॉपिक हो गया हमारा खत्म अगली क्लास में मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं आपकी फेवरेट सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक का नाम है शेयरिंग मिल्क ये जो टॉपिक है ये दिया हुआ है आपकी क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 104 पर हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों आपके क्लास फोर मैथ्स से चैप्टर का नाम है दो बराबर हिस्सों में बांटे उसके टू इक्वल पार्ट करें तो उसका हर एक पार्ट हर एक हिस्सा कहलाता है हाफ जिसको हम वन अपॉन टू से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है इसी तरीके से अगर मैं किसी चीज को चार बराबर हिस्सों में बांटू यानी किसी एक चीज के फोर इक्वल पार्ट्स करती हूं तो उसका हर एक पार्ट हर एक हिस्सा क्या कहलाता है एक क्वार्टर के बराबर वो कहलाता है जिसको हम नॉर्मली क्वार्टर भी बोलते हैं सो so, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके ऊपर बेस सॉल्व कर चुके हैं उसी में अगर हम बात करें हमारी पिछली क्लास की सो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों वहां मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर यानी कि अ मीटर यानी कि एक मीटर का हाफ और एक मीटर का क्वार्टर कितना होगा तो मैं जल्दी से रिवीजन करवा दूं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है तो अगर हम बात करें एक मीटर की तो हमने देखा था वन मीटर में होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर तो अगर मैं हाफ मीटर की बात करूं तो हंड्रेड का आधा कितना होगा 50 सेंटीमीटर इसी में मैं वन फोर्थ मीटर की बात करूं यानी कि आधे का भी आधा होता है हाफ हाफ ऑफ यानी इसका आधा होगा वन फोर्थ तो 50 का आधा करेंगे कितना आएगा 25 सेंटीमीटर वन फोर्थ मीटर मतलब एक क्वार्टर तो वहीं अगर मैं थ्री फोर्थ मीटर की बात करूं थ्री फोर्थ मीटर मतलब तीन क्वार्टर एक क्वार्टर में अगर 25 सेंटीमीटर है तो तीन क्वार्टर्स में कितने होंगे 25 by 3 ट्वेंटी 75 मल्टीप्लाइडी क्लियर हुआ तो हमने देखा था कि हाफ मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर के बराबर और थ्री फोर्थ मीटर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर के बराबर होता है और हमने एक और बात सीखी थी वहां पर कि अगर हम 1 अगर हम क्या करें हाफ और वन फोर्थ मीटर को ऐड कर दें तो इन दोनों को भी क्या करें ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 50 प्लस ट्वेंटी हमें मिलेगा 75 सेंटीमीटर दैट इज थ्री फोर्थ मीटर इसका मतलब हाफ और वन फोर्थ किसी एक ही चीज का आधा हिस्सा उसी चीज का वन फोर्थ यानी क्वार्टर हिस्सा अगर आप मिलाते हो तो आपको वो कितनी चीज मिल रही है टोटल थ्री फोर्थ यानी कि तीन क्वार्टर के बराबर मिलेगा सिर्फ मीटर की ही बात नहीं किसी भी चीज का हाफ और वन फोर्थ जोड़ोगे तो थ्री फोर्थ आपको मिल जाएगा बस शर्त यह है कि सेम चीज होना चाहिए अगर एक ड्राइंग है उस ड्राइंग का आधा वन वन बाई टू पार्ट आपको दिया है और उस ड्राइंग का वन फोर्थ टुकड़ा और है आपके पास अगर आप उसको जोड़ोगे तो आपको उस पूरी ड्राइंग का थ्री फोर्थ पार्ट मिल चुका है ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो तो ये वाली चीजें हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से देख ली थी आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो अब जब टॉपिक क्लियर है ये तो आगे बढ़ेंगे हम है ना सो अगला टॉपिक हमारा क्या दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक हमको दिया हुआ है शेयरिंग मिल्क अब क्या है इसकी स्टोरी पेज 104 से आइए साथ साथ रीड करते हैं तो मेरे साथ में रीड करिए लिखा हुआ है दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स वन लीटर यहाँ पर एक बॉटल दी गई है और बोला है कि ये जो बॉटल है इस पूरी बॉटल में क्या भरा हुआ है मिल्क यानी कि दूध भरा हुआ है और इसमें कितना दूध भरा हुआ है? है, के बराबर, यानी इस पूरी बॉटल में one liter milk है. ठीक? आगे हैजन फोर्थ लीटर ऑफ मिल्क ये जो मिल्क है उसको हमें क्या करना है इस मिल्क को फोर अदर बॉटल्स यानी कि चार और बॉटल्स में हमको डालना है वन टू थ्री फोर ये जो चार बॉटल्स हैं ये बॉटल पूरी भरी हुई है मिल्क से वन लीटर मिल्क है इसमें और ये और चार बॉटल्स यहाँ पे रखी हुई हैं वो बिल्कुल खाली हैं तो इस बॉटल में जो पूरा वन लीटर मिल्क है वो हमें काय में डालना है इन चार बॉटल्स में फिल करना है कैसे सो दैट ईच बॉटल हैज वन फोर्थ लीटर ऑफ मिल्क हमको ऐसे पोर करना है इन चार बॉटल में मिल्क कि हर बॉटल में कितना मिल्क हो वन बाय फोर लीटर के बराबर हर एक बॉटल में मिल्क होना चाहिए वन बाय फोर का क्या मतलब होगा बच्चों वन फोर्थ यानी होता है क्वार्टर यानी कि चार बराबर हिस्से करेंगे किसी चीज के तो उसका जो हर एक हिस्सा है वो वन फोर्थ कहलाएगा ऐसा ही होगा तो यहाँ पर भी क्या है ये पूरा एक लीटर को अगर मैं चार बराबर हिस्सों में बांट दू मैं क्या करूं मुझे पता चल जाए यहाँ पे क्या चीज कि इस बॉटल में अगर मेरे पास मार्क लगे हुए हैं कि यहां तक जो है ये कितना है फिर ये फिर ये ऐसे चार अगर बराबर हिस्से हो हैं बॉटल में मार्क तो मैं क्या करूंगी इस बॉटल में से दूध यहाँ डालूंगी कब तक जो यहाँ से यहाँ तक यानी कि एक हिस्सा खत्म होने तक फिर दूसरा हिस्से खत्म होने तक दूसरी बॉटल में तीसरा हिस्सा खत्म होने तक तीसरे में और चौथे हिस्से को चौथे बॉटल में डाल देंगे तो चार बराबर हिस्से हो जाएंगे इस एक लीटर के और हर एक बॉटल में एक एक हिस्सा जाएगा यानी कि वन वन फोर्थ पार्ट एक लीटर का चला जाएगा है ना पर इतना आसान थोड़ी है हमें मार्क नहीं दिया हुआ बॉटल तो खाली है यहाँ कुछ मार्क लगे ही नहीं हुए तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना बॉटल इस मिल्क में से कितना कितना हिस्सा है जो हर एक बॉटल में डालना है ताकि हर बॉटल में बराबर मिल्क पहुंच सके और कितना हो वो वन फोर्थ लीटर के बराबर ही हो यानी कि इसका पूरे चार बराबर हिस्से करके एक एक हिस्सा इन चारों बॉटल्स में भरना है कैसे पता चलेगा देखते हैं कुछ और लिखा है क्या बोल रहे हैं शेड द बॉटल टू शो मिल्क इन ईच यानी कि ये जो बॉटल्स हैं इनको हमको शेड करना है कुछ इस तरीके से ताकि हमें पता चल सके कि हर बॉटल में कितना मिल्क जो है वो भरा हुआ है क्लियर हुआ आगे दिया है रिमेंबर वन लीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड मिली लीटर अब ये आई ना थोड़ी काम की बात बोल रहे हैं कि याद करो हमने पहले भी कहीं पढ़ा है ये अगर नहीं याद तो अब रिवाइज कर लो कि वो जो वन लीटर होता है ना वो काय के बराबर होता है वन मिली यानि कि जब वन थाउजेंड मिली लीटर्स मिलते हैं उसको हम वन लीटर बोलते हैं अब कुछ बच्चे मुझे यहां दिख रहे हैं जो पता है क्या कह रहे हैं मैम ये लीटर क्या है मैम ये मिलीलीटर क्या है मैम ये वन लीटर में वन थाउजेंड मिली हैं, इसका हम क्या करें अभी पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे मीटर सेंटीमीटर इन सब के बीच का रिलेशन है ना? तो वही हमने देखा था कि ये जो मीटर होता है सेंटीमीटर होता है ये सब क्या होती है लेंथ को मेजर करने की यूनिट होती है लंबाई को नापते हैं मीटर में सेंटीमीटर में मिलीमीटर में इसी तरीके से ये जो लिक्विड चीजें होती हैं है ना जैसे कि मिल्क हो गया वाटर हो गया जूस हो गए तो ये जो पानी की जरा लिक्विड जो चीजें होती हैं इनको हम मेजर करते हैं काय में लीटर या मिलीलीटर में सब्जी खरीदने जाते हो कभी ऐसा बोलते हो क्या कि भैया एक लीटर टमाटर देना नहीं वो हम कैसे खरीदते हैं एक किलो टमाटर एक किलोग्राम टमाटर या आधा किलोग्राम टमाटर ऐसे खरीदते हैं हम क्योंकि वो सॉलिड चीजें बोली जाती हैं आपने साइंस में पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस है ना तीन स्टेट्स होते हैं मैटर के तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना बस मैं ये बता रही हूँ कि जो ठोस चीजें होती हैं सॉलिड चीजें होती हैं उनको अगर हमें नापना होता है उनका वजन नापते हैं हम कि ये कितना किलोग्राम है कितना ग्राम है इस यूनिट में वही जो पानी जैसी चीजें होती हैं लिक्विड वाटर जूस मिल्क तो ये जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको नापते हैं हम लीटर और मिलीलीटर में तो जब हजार मिलीलीटर के बराबर कोई चीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं वो कितनी है एक लीटर के बराबर इसीलिए यहां लिखा है वन लीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड मिली क्लियर अब बोला है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव यानी कि इनमें से हर एक बॉटल में कितना मिलीलीटर्स मिल्क है वो हमको बताना है यानी कि अगर मैं ये जो वन लीटर मिल्क है इसमें से वन फोर्थ लीटर इस बॉटल में डालूँ वन फोर्थ लीटर सेकेंड बॉटल में फिल करूँ वन फोर्थ लीटर थर्ड बॉटल में और वन फोर्थ लीटर फोर्थ बॉटल में तो हर एक बॉटल में बराबर मिल्क जाएगा वन वन फोर्थ लीटर लेकिन कितना जाएगा कितने मिलीलीटर के बराबर मिल्क जाएगा ये हमको पता करके बताना है मुश्किल है क्या नहीं कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं मैग्नेट ग्रेन के साथ राइट सो देखिए हमें यहाँ पे सीधा सीधा लिखकर उन्होंने बता दिया कि जो वन लीटर है वो काय के बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर है ना तो अगर मुझे आधा लीटर पता करना होता आधा लीटर मतलब half लीटर तो मैं क्या करती 1000 को 2 से डिवाइड कर देती यही मैंने बताया था कुछ क्लासेस पहले कि किसी चीज का भी हाफ फाइंड करना हो तो उस चीज को 2 से डिवाइड कर दो तो वो आधा हो जाता है तो ऐसे ही अगर किसी चीज का वन फोर्थ फाइंड करना है के वन फोर्थ लीटर मिल्क कितना होगा तो वन फोर्थ लीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फोर से डिवाइड करना पड़ेगा यानी थाउजेंड को अगर आप फोर से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वन फोर्थ लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं दैट मींस वन थाउजेंड को अब आपको कैसे डिवाइड करना है फोर से करें डिवीजन। चलो ये है वन थाउजेंड Divided by बाय फोर की टेबल इतनी बार पढ़ो कि आए. तो तो आता ही नहीं है. तो one के साथ एक zero ले लो. तो क्या हो गया? One, zero, ten. Four की टेबल इतनी बार पढ़ो कि या तो टेन आ जाए नहीं तो उससे जस्ट छोटा कोई भी नंबर चलेगा उससे बड़ा नहीं होना चाहिए तो फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व अरे ट्वेल्व तो ज्यादा हो गया टेन से तो ट्वेल्व ना लेके हम क्या लेंगे फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व नहीं ले पाएंगे तो फोर टू टाइम्स लेंगे एट यानी कि हम जाएंगे फोर टू टाइम्स एट माइनस करेंगे टेन में से एट गए कितना बचा टू इस वाले जीरो को लेकर आएंगे नीचे तो ये टू जीरो क्या बन गया ट्वेंटी अब फोर की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि या तो ट्वेंटी आ जाए या ट्वेंटी से जस्ट छोटा कुछ भी उससे बड़ा नहीं चाहिए तो फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व फोर फोर टाइम्स सिक्सटीन फोर फाइव टाइम्स ट्वेंटी यानी कि फोर कितने टाइम्स ट्वेंटी होगा फाइव टाइम्स ट्वेंटी ट्वेंटी में से ट्वेंटी गया कुछ नहीं बचा अब इस जीरो को नीचे लेकर आएंगे फोर की टेबल इतने टाइम्स पढ़ो कि जीरो आ जाए फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट अरे जीरो तो आएगा ही नहीं तो कितने टाइम्स लेंगे जीरो टाइम्स फोर मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होगा जीरो तो पे अब कुछ भी नहीं बचा तो कितना आया हमारे पास आंसर 250 यानी कि 1000 को चार बराबर हिस्सों में जब डिवाइड करोगे तो हर एक हिस्सा कितने का होगा 250 का होगा हर एक पार्ट इसका मतलब वन फोर्थ लीटर कितना होगा 250 मिलीलीटर के बराबर एक तरीका यह था कि 1000 को आप 4 से डिवाइड करो 250 आया ध्यान रखना ये जीरो को लेके भी डिवीजन करना है 25 मत लिख देना आंसर में क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाय 4 250 1000 को फोर इक्वल पार्ट्स में बांटा हर एक पार्ट 250 मिलीलीटर का होगा यानी लीटर में अगर 1000 मिलीलीटर होते हैं तो वन फोर्थ लीटर में 250 मिलीलीटर होंगे इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर एक बोतल है मेरे पास इस बोतल में अगर कितना मिल्क है वन लीटर वन लीटर मतलब वन थाउजेंड मिली लीटर अगर मिल्क है तो अगर वन फोर्थ वन फोर्थ लीटर मुझे हर एक में डालना है इस बॉटल्स में हर एक बॉटल में कितना मिल्क आएगा 250 फिफ्टी मिलीलीटर्स मिल्क हर एक बॉटल में यहाँ पे फिल फिल्म को करना पड़ेगा अब वो कैसे भी करूं मैं बाहर से कोई मेजरिंग कप लेकर आऊं 250 फिफ्टी का उसमें इस बॉटल से मिल्क डालूं 250 फिफ्टी उसको पहली बॉटल में डाल दूं फिर इस बॉटल से फिर से 250 फिफ्टी मिल्क मेजर करूं उसको दू, दूसरी बॉटल में डालूं इस तरीके से चारों बॉटल में 250 फिफ्टी मिल्क यहाँ पे आ जाएगा अब हमसे बोला गया था कि चलो ये तो हमें बताना था ये आंसर आ गया यहाँ लिखा है ना हाउ मेनी मिली मीटर मिली लीटर ऑफ मिल्क ईच बॉटल है कितने मिली लीटर मिल्क होगा तो हमने बता दिया टू फिफ्टी मिली लीटर मिल्क हर बॉटल में होगा पर इसके पहले हमसे बोला था कि शेड द बॉटल टू शो लेवल ऑफ मिल्क यानी कि हमको हर बॉटल को शेड करके बताना है कि कितना मिल्क भरेगा तो इससे पता है वो क्या समझना चाह रहे हैं आपकी ये चीज वो देखना चाह रहे हैं कि अगर यह पूरी बॉटल भरी हुई है वो ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं बोल रही हूं कि यह पूरी बॉटल क्या है वन लीटर यानी कि वन थाउजेंड एम मिल्क से क्या है भरी हुई है यह बॉटल ठीक ऐसे तो इसका वन फोर्थ हिस्सा 250 फिफ्टी है नहीं है वो पहले नहीं पता था हमें पर वन फोर्थ हिस्सा अगर जा रहा है हर बॉटल में तो वो कितना होगा तो आपको एक अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे है ना कि ये एक हिस्सा होगा ये दूसरा हिस्सा ये तीसरा यानी कि ये एक दो तीन चार हिस्से कर दिए यानी इतना इतना क्या होगा एक एक हिस्सा होगा हर एक हिस्सा तो इस हिसाब आप से आपको अंदाजे से क्या करना पड़ेगा मार्क करना पड़ेगा एक में जितना मार्क करो उतना ही बाकी सब में मार्क होगा अच्छा तो अगर आपने यहां तक मार्क कर दिया होता तो क्या होता सीधा सीधा दिख रहा है ये बॉटल का आधा है तो ये वन फोर्थ नहीं कहलाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा इसलिए ध्यान से ये बात आप याद रख सकते हो क्या बात की वन होता है कंप्लीट पूरा वन का आधा करोगे तो उसको बोलते हैं हाफ वन कोई चीज है पूरी चीज है उसको हम होल बोलते हैं वन का आधा करो तो उसको हम बोलते हैं हाफ अब वो जो हाफ है इसका भी अगर मैं आधा कर दूं, एक पूरी रोटी थी उसको मैंने बोला होल रोटी उस रोटी को मैंने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया तो उसका हर एक हिस्सा कहलाया हाफ अब उस आधी रोटी को भी मैंने और दो बराबर हिस्सों में बांट दिया यानी कि आधी रोटी को भी आधा कर दिया तो वो क्या बन गया क्वार्टर इसका मतलब है कि हाफ का हाफ करने पे बनता है क्वार्टर आधे को भी और आधे में तोड़ने पे मुझे क्या मिलेगा एक क्वार्टर मिलता है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर एक लीटर में वन थाउजेंड है तो वन थाउजेंड का आधा करो कितना आएगा फाइव हंड्रेड यानी कि वन लीटर में 1000 मिलीलीटर तो वन बाय टू लीटर में 500 मिलीलीटर और हाफ का भी आधा करूंगी तो मुझे मिलेगा तो हाफ का आधा करूंगी तो वन फोर्थ लीटर मिलेगा तो 500 का आधा करूंगी तो 250 मिलेगा यानी कि वन फोर्थ लीटर में कितने होंगे 250 मिलीलीटर ये भी एक तरीका है सिंपल सा जिसमें आपको फोर से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा या तो आप डायरेक्टली वन थाउजेंड को फोर से डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा एक हजार के चार बराबर हिस्से करें तो उसका हर एक हिस्सा टू फिफ्टी एम का है, है। यानी कि वन लीटर में अगर वन थाउजेंड मिली होता है तो वन फोर्थ लीटर में टू फिफ्टी मिली होता है।, है ना और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक लीटर में एक हजार मिली लीटर एक लीटर का आधा करेंगे तो हाफ लीटर मिला तो 1000 का आधा किया तो 500 मिलीलीटर यानी हाफ लीटर में 500 मिलीलीटर होते हैं अब मैंने देखा हाफ का भी आधा करते हैं तो वन फोर्थ मिलता है तो हाफ लीटर का हाफ किया तो वन फोर्थ लीटर मिला तो 500 का हाफ किया तो 250 फिफ्टी एम तो यानी कि वन फोर्थ लीटर में 250 फिफ्टी होता है आ गया समझ में तो ये इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व तो आप क्या करोगे यहाँ पे आंसर लिख दोगे ईच बॉटल कंटेन 1/4 लीटर ऑफ मिल्क हर एक बॉटल में 1/4 लीटर मिल्क है दस क्वांटिटी ऑफ बॉटल मिल्क यानी हर एक में कितनी क्वांटिटी है मिल्क की 1000 मिलीलीटर को फोर से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये जो पूरा इस बॉटल में जो 1000 मिलीलीटर मिल्क था वही चार हिस्सों में हमने बांट दिया चार बराबर हिस्सों में इसलिए 1000 को 4 से डिवाइड किया तो हर एक हिस्सा टू फिफ्टी एम का आया तो ये तरीका है लिखने का इस तरीके से आंसर को लिखना है डिविजन शो करके बताना है डायरेक्टली टू फिफ्टी नहीं लिखोगे साइड में डिविजन करोगे और फिर ही आप उसको बताओगे कि कैसे आपका आया 250 हंड्रेड समझ गए आगे देखो अब इसमें और क्या दिया है आगे लिखा है शान पोर्ड वन लीटर ऑफ मिल्क इन टू टू बॉटल्स शान ने क्या किया शान भी आपकी ही तरह क्लास फोर्थ का ही बच्चा होगा उसने क्या किया उसने एक लीटर मिल्क को दो बॉटल में क्या करा भर दिया कैसे सो द फर्स्ट बॉटल होल्ड थ्री फोर्थ लीटर एंड द अदर होल्ड्स वन फोर्थ लीटर कैसे भरा उसने मान लीजिए उसके पास शान के पास एक बॉटल है ठीक है उसमें वन लीटर वन लीटर मतलब वन लीटर मतलब कितना होगा साथ में बोलिए वन थाउजेंड मिली लीटर यस शान के पास 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर मिल्क है उसने उसके पास दो बॉटल्स हैं दो बॉटल्स में उसको इस एक लीटर मिल्क को भरना है तो उसने कैसे भरा एक बोतल में 3/4 लीटर मिल्क भरेगा वो पहली बोतल में और दूसरी बोतल में उसने 1/4 लीटर मिल्क भरा ठीक इस तरीके से उसने दोनों बॉटल्स में इस 1 लीटर मिल्क को डिवाइड किया आगे दिया है शेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल हाउ मेनी मिली लीटर ऑफ मिल्क ड बॉटल होल्ड बोल रहे हैं हमको शेड करके भी बताना है कि कितना मिल्क आया होगा इन दोनों बॉटल में और कितना मिलीलीटर मिल्क आया ये भी बताना है तो अब तो बहुत इजी हो गया अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने देखा वन लीटर में होते हैं वन थाउजेंड मिली हाफ लीटर यानी एक का आधा उसमें 500 मिलीलीटर, 1/4 वन फोर्थ लीटर में हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में 250 टू यानी 1/4 लीटर मिल्क है यानी कितना है है इसमें 250 मिलीलीटर मिल्क ये तो हमें पता चल गया 1000 को फोर से डिवाइड करो 250 फिफ्टी एम आ जाएगा और वन फोर्थ कितना होगा इतने के करीब होगा है ना अब वन फोर्थ और थ्री फोर्थ में कुछ रिलेशन है वन फोर्थ को बोलते हैं क्वार्टर या फिर वन क्वार्टर और थ्री फोर्थ को बोलते हैं थ्री क्वार्टर्स तो अगर एक क्वार्टर में 250 फिफ्टी मिल्क है तो तीन क्वार्टर में कितना होगा 250 फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय थ्री जीरो वैसा का वैसा आंसर में फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन का फाइव यहाँ लिखूंगी वन कैरी थ्री इंटू टू सिक्स और प्लस वन हो जाएगा सेवन तो सेवन हंड्रेड 50 एम जो मिल्क है वो 3 बाई फोर लीटर में होगा इसका मतलब इस बॉटल में कितना मिल्क डाला उसने 750 मिलीलीटर इसमें कितना डाला 250 मिलीलीटर दोनों मिला के देख लो कितने हो रहे हैं पूरा एक लीटर यानी हजार मिलीलीटर हो रहा है कि नहीं तो देखो 750 फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी जीरो प्लस जीरो जीरो फाइव प्लस फाइव टेन का जीरो यहाँ वन कैरी सेवन और टू नाइन और वन टेन तो कितना हो गया वन थाउजेंड एम एल के बराबर बहुत इजी है है ना सो so ये हमने आंसर कर लिया सॉल्व अब लिखना कैसे है तो देखो शेड तो आपको समझ में आ जाएगा वन फोर्थ अगर इतना है तो थ्री फोर्थ यानी इतना इतना दो बार और थ्री फोर्थ क्या होता है आधे से ज्यादा होता है थ्री फोर्थ है ना तो ये कितना हो जाएगा आधे से ज्यादा आप उसको फिल कर देंगे अब लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे कि लीटर में होता है वन मिली लीटर, तो ऑफ द बोटल होल्ड लीटर मिल्क एक बॉटल में वन फोर्थ लीटर है तो क्वांटिटी कितनी होगी मिल्क की एक वन फोर्थ फाइंड करने के लिए हम किसी भी चीज में फोर से डिविजन कर देते हैं तो वन थाउजेंड को फोर से डिवाइड करो टू फिफ्टी एम एल यानी कि वन फोर्थ लीटर मिल्क का के बराबर है टू फिफ्टी एम एल मिल्क के अब Another bottle holds थ्री फोर्थ लीटर मिल्क है तो दूसरी बॉटल में थ्री फोर्थ है तो हमने ऐसे फाइंड किया मल्टीप्लाइड कि by थ्री जीरो तो वैसा का वैसा आ जाएगा आंसर में ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री करना है तो तोड़ के कर लो अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा ट्वेंटी फाइव को तोड़ो ट्वेंटी और फाइव में तो एक बार थ्री का मल्टीप्लाई ट्वेंटी में एक बार फाइव में थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन और जीरोप्लीकेशन ट्वेंटी ऐसा का मल्टीप्लाई सीधा ट्वेंटी फाइव में ना करके थ्री का मल्टीप्लाई ट्वेंटी में कर दो और फाइव में कर दो ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव ही होता है तो क्या होगा ये फाइव प्लस जीरो फिर दोनों आंसर को जोड़ दो सिक्स प्लस वन सेवन कितना आया सेवेंटी फाइव तो यहाँ पे जीरो तो था इसके आंगे 75 लिख दिया तो कितना हुआ यानी कि लीटर में कितना होगा? 750 मिली लीटर के बराबर होगा क्लियर कहानी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं फाइंड करना कि कैसे हम इसको फाइंड कर रहे हैं डिविजन से नहीं आ रहा अगर समझ में तो डायरेक्टली भी कर सकते हो डायरेक्टली वन लीटर में वन थाउजेंड मिली लीटर हाफ लीटर यानी आधा इसका तो वन थाउजेंड को टू से डिवाइड कर दो टू से डिवाइड करना आसान है तो फाइव हंड्रेड मिली लीटर आ जाएगा कैसे डिवाइड करोगे टू से टू फाइव टाइम्स टेन माइनस किया टेन में से टेन गया कुछ नहीं बचा इस जीरो को नीचे लाए टू जीरो टाइम्स जीरो माइनस किया कुछ नहीं बचा इस जीरो को नीचे लाए टू जीरो माइनस किया कुछ नहीं बचा जब तक सब जीरो खत्म ना हो जाए तब तक एक एक बार नीचे लाके उनको जीरो लिखना पड़ेगा तो आंसर कितना फाइव हंड्रेड एक हजार का आधा 500 सौ हो होता है वन थाउजेंड रुपीज का हाफ फाइव हंड्रेड रुपीज ऐसे याद रख लिया करो तो फाइव हंड्रेड मिली लीटर हाफ लीटर में पर यहाँ हाफ की कहानी नहीं थी यहाँ वन फोर्थ और थ्री फोर्थ की थी तो मुझे पता है हाफ का भी हाफ करेंगे यानी कि आधे लीटर का भी आधा करो तो वो वन फोर्थ लीटर होता है तो 500 का आधा करूं अगर मैं तो कितना होगा 500 को टू से डिवाइड कर दो 500 डिवाइडेड बाय टू टू फोर टाइम्स नहीं एट हो जाएगा टू टू टाइम्स होगा फोर माइनस किया फाइव में से फोर गया वन बचा जीरो लाए 25 टाइम्स 10 माइनस किया कुछ नहीं बचा इस जीरो को नीचे लाए 20 टाइम्स जीरो यानी कितना आ गया 250 250 एमएल यहाँ पे आ गया 1/4 लीटर में ठीक है अब 1/4 में 250 एमएल तो 3/4 लीटर में कितना होगा 1/4 होता है 1 क्वार्टर और 3/4 होता है 3 क्वार्टर यानी कि थ्री फोर्थ लीटर में तीन क्वार्टर समाए होते हैं तो अगर एक क्वार्टर में 250 फिफ्टी एम है तो तीन में कितना होगा 250 फिफ्टी मल्टीप्लाइड कर दो या तो या फिर 250 को तीन बार जोड़ लो इस तरीके से भी कर सकते हो तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो फाइव प्लस फाइव टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन का पीछे का फाइव यहाँ आगे का वन आगे कैरी में फिर टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स और प्लस वन सेवन तो कितना आ गया 250 को तीन बार जोड़ा तब भी 750 फिफ्टी मिला 250 का थ्री से मल्टीप्लाई किया तब भी 750 फिफ्टी मिला जो मेथड अच्छा लगे उससे सॉल्व करो आप पे डिपेंड करता है आपको प्लस करना ज्यादा आसान लग रहा है या मल्टीप्लाई करना समझ गए तो यहां पे हमने फाइंड कर लिया है कि अगर शान ने एक लीटर मिल्क को दो बॉटल्स में भरा है एक बॉटल में उसने थ्री फोर्थ लीटर मिल्क भरा है और दूसरी बॉटल में वन फोर्थ लीटर मिल्क भरा है तो उसने थ्री फोर्थ लीटर यानी कि सेवन फिफ्टी मिली लीटर मिल्क भरा है और वन फोर्थ लीटर यानी कि टू फिफ्टी मिली लीटर अब सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा दोनों को जोड़ो पूरा एक लीटर हो जाएगा दोनों को जोड़ने पे एक लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर होगा तो 750 में 250 ऐड करेंगे हमें कितना मिलेगा 1000 मिलीलीटर के बराबर यानी पूरा एक लीटर दोनों बॉटल में आ गया अब बात आई शेड करने की तो शेड आपको ऐसे करना है कि वन फोर्थ का मतलब होता है इस बॉटल को चार बराबर हिस्सों में बांटा एक हिस्सा दो हिस्सा तीन हिस्सा चार हिस्सा तो वन फोर्थ मतलब सिर्फ इतना आपको शेड करना है बॉटल के अंदर अंदर तो ये कर दिया शेड थ्री फोर्थ का मतलब तीन बार वन फोर्थ है ना तो एक बार वन फोर्थ दूसरी बार वन फोर्थ तीसरी बार वन फोर्थ तो यहां से यहां तक क्या इतना हिस्सा शेड कर दिया तो इसलिए शेड भी ध्यान से करना नहीं उसमें भी गलतियां हो जाती हैं तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा खत्म आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके घर पे जरूर दो से तीन बार प्रैक्टिस करना खुद से है ना वीडियो देख लिया सीख लिया अब खुद से प्रैक्टिस करो फिर कहीं अटके तो फिर से वीडियो से सीख लेना ओके आगे दिया हुआ है अगला टॉपिक बैलेंस द वेट ये टॉपिक 105 पेज नंबर पे दिया है आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में इस टॉपिक को मैं शुरू करूंगी अगली क्लास में टिल देन आपको क्या करना है आपको रिविजन करते रहना है आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है मैग्नेट डॉट कॉम वहां आपको क्लास फोर्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ एक प्रॉपर चैप्टर वाइज सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे और मैग्नेट ब्रेन ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको हम पहले एक दो चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के पैसे नहीं ले रहे हम अपने हर एक बेस्ट वीडियो लेक्चर्स आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सो कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट फेवरेट चैनल मैग्नेट मैं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नया नया टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस द वेट ये जो टॉपिक है ये दिया हुआ है आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 105 पर प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ्स से चैप्टर का नाम है हाफ क्वार्टर्स सो आई होप अब तो सब लोग बिल्कुल काफी सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो सबको ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है है ना है ना यस सो हाफ का क्या मतलब होता है बच्चों हाफ को हम हिंदी में आधा भी बोलते हैं यानी कि अगर मैं किसी भी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही हूँ तो जो उसका हर एक हिस्सा होगा हर एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा हाफ पार्ट है ना जिसको हम वन अपॉन टू से भी रिप्रेजेंट करते हैं वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर्स की So, quarters कैसे मैंने बताया था आपको कि अगर मैं किसी भी चीज को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं यानी उसके चार बराबर हिस्से कर रही हूं तो उसका हर एक पार्ट हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा एक क्वार्टर कहलाएगा एक हिस्सा है तो एक क्वार्टर जिसको हम सिंपली वन क्वार्टर बोलते हैं या फिर सिर्फ क्वार्टर बोलते हैं अगर दो हिस्से ले रही हूं उन चार में से तो वो दो क्वार्टर्स होंगे तीन हिस्से ले रही हूं तो वो थ्री क्वार्टर्स होंगे इस तरीके से थ्री क्वार्टर्स भी हमने पढ़ लिया था जिस जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे थ्री अपॉन फोर से वन क्वार्टर वन अपॉन फोर से रिप्रेजेंट कर रहे थे है ना सो so, जो हमारा नया ये जो चैप्टर है हाफ्स एंड क्वार्टर्स इसका जो नाम है ये तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया इनफैक्ट हमने इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं पर अब जो नया टॉपिक इसमें आया है बैलेंस द वेट इसमें बहुत सारा काम हमारा उस नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि हमको कितना पता है किलोग्राम और ग्राम के बारे में ये जो वेट है ये क्या है वजन है तो किस चीज का वजन किसी भी चीज का हम वेट नापते हैं तो हम किस यूनिट में नापते हैं बच्चों किलोग्राम ग्राम यही कॉमन यूनिट होती है आपके स्कूल में भी जब आप नई क्लास में पहुंचते हो तो क्या होता है आपका वेट और हाइट मेजर करके नोट डाउन कर लिया जाता है है ना हर बार यही होता है थर्ड क्लास से जब फोर्थ क्लास में आए होगे, तो स्कूल में एक बार आपका वजन नापा गया होगा आपकी हाइट नापी गई होगी इससे एक रिकॉर्ड रहता है कि आपका ग्रोथ जो है हाइट वाइज वेट वाइज किस तरीके से हो रही है so, वो जो वजन आपका नापा जाता है, वेट नापा जाता जाता है, है, वेट वो कैसे बोलते हो आप, कि आपका वेट कितना है आप बोलते हैं कि हमारा वेट मैम ट्वेंटी किलोग्राम है हमारा वेट मैम ट्वेंटी फाइव किलोग्राम है ऐसे ही बोलते हो ना तो ये जो किलोग्राम है ये एक्चुअली क्या होता है वेट नापने की वेट मेजर करने की यूनिट होती है तो फिर मैम ये ग्राम क्या होता है तो ग्राम भी वेट मेजर करने की ही यूनिट होती है पर वो किलोग्राम से छोटी यूनिट होती है यानी कि अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं फॉर एग्जाम्पल आप बाज़ार से टमाटर लेने गए हो है ना तो आपको चाहिए सिर्फ थ्री टू फोर टोमेटोज ओके आप कोई रेसिपी बनाने वाले हो तो फिर आप गए कि मेरे को थ्री फोर टोमेटोज चाहिए सो so, अब आप जाते हो फ्रेश फ्रेश टोमेटोज लेने तो जो थ्री फोर फाइव टोमेटोज हैं ये ऑलमोस्ट कुछ ग्राम्स में ही कवर हो जाएंगे यानी कि आपको वन किलोग्राम टू किलोग्राम टोमेटोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ ग्राम्स यानी कि टू फिफ्टी ग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम टोमेटोज आप ले लोगे तो वो थोड़े से टोमेटो आपको ईजिली ग्राम्स के टर्म्स में मिल जाएंगे अगर आप किलोग्राम्स में लोगे टोमेटोज तो क्या होगा बहुत सारे टोमेटोज आएंगे तो इससे मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं ग्राम्स में मेजर करके टोमेटोज ले रही हूँ 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम तो कम टोमेटोज आ रहे हैं वहीं अगर मैं 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम मतलब किलोग्राम्स में शॉपिंग कर रही हूँ तो वहाँ पे चीज़ मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी इसका क्या मतलब है बच्चों इसका मतलब है कि जो ग्राम है वो वेट मेजर करने की छोटी यूनिट है, है, यानी कि कम वेट, कम वेट, वजन को ग्राम्स में नाप लिया जाता है। और वही ग्राम्स जब बहुत ज्यादा हो जाए यानी कि वजन ज्यादा हो रहा है तो उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं कन्वर्जन पता है आपको क्या होता है किलोग्राम का ग्राम में मैं बताती हूँ आपको अगर कन्वर्ट करना है एक किलोग्राम को या फिर आपको पता करना है कि मैम ये तो बताइए कि एक किलोग्राम कितने ग्राम से बनता है तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि किलोग्राम के बराबर होता है वन थाउजेंड ग्राम्स के बराबर यस बच्चों जब पूरे वन थाउजेंड ग्राम्स हो जाते हैं तो उसको हम वन थाउजेंड ग्राम ना बोलकर हम क्या बोल सकते हैं किलोग्राम बोल सकते हैं। क्लियर हुई कहानी जैसे कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या पढ़ा था पिछले कुछ क्लास में हमने पढ़ा था कि वन मीटर में वन हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं या वन लीटर में वन थाउजेंड मिली होते हैं इसका मतलब क्या था कि जब 100 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची आपने तो उसको आप एक मीटर भी बोल सकते हो क्योंकि 100 सेंटीमीटर एक मीटर दोनों बराबर होते हैं वहीं अगर आपने कोई चीज 1000 ml मिल्क लिया है तो उसको आप 1 लीटर मिल्क बोल सकते हो क्योंकि 1000 ml हो या 1 लीटर हो दोनों बराबर होते हैं सेम इसी तरीके से किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन है कि अगर मैं बाजार से सौ ग्राम कोई चीज लेने गई हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रीन चिली मैंने सौ ग्राम ली हंड्रेड ग्राम्स ली तो उसको मैं हंड्रेड ग्राम है तो हंड्रेड ग्राम ही रहने दूंगी वहीं अगर टोमेटोज मैंने ले लिए वन थाउजेंड ग्राम्स तो उसको मैं क्या कहूंगी कि ये तो वन के जी के बराबर है समझ में आया कन्वर्जन ठीक है तो आज की क्लास में इसी कन्वर्जन की बहुत ज्यादा जरूरत है हमको कौन से की कि वन के जी के बराबर होता है वन थाउजेंड ग्राम्स के बराबर होता है ये कन्वर्जन अगर आपको पता है तो आज की क्लास बहुत इजी होने वाली है पर इतना तो मैंने समझा दिया पर जल्दी से अब मेरे को सब लोग एक बात बता दो कि सबका रिवीजन तो प्रॉपरली चल रहा है ना सो so, जो बच्चे जो प्यारे प्यारे बच्चे ये सब रिवीजन करके आए हैं वो उनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग्स वेरी गुड और वो मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था था टॉपिक टॉपिक शेयरिंग मिल्क। ये दिया हुआ था पेज 104 पे आपकी क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में इसमें हमने एक्चुअली क्या पढ़ा था इसी में हमने पढ़ा था लीटर और मिलीलीटर्स के बीच का रिलेशन जो था वन लीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड मिली फिर हमने 1000 थाउजेंड मिली का वन फोर्थ निकालना सीखा था थ्री फोर्थ निकालना सीखा था तो आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इसीलिए आपको प्रैक्टिस करके रखनी है सो दैट एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर लें क्लियर कहानी तो चलो जब यहाँ तक हो ही गया है पूरा कंप्लीट तो आगे का पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है हमको तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे ये जो डिजाइंस बनी हैं ये एक्चुअली क्या है वेट्स हैं यानी कि वजन है देखा जाता है कभी भी आप कोई चीज लेने जाते हो स्पेशली Uh, सब्जी मार्केट में ये कहानी बहुत देखने मिलती है अगर अब आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ सब्जी मार्केट गए हो तो वेजिटेबल मार्केट में एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग आपको क्या करते हैं स्केल uh, होता है उनके पास एक वेट नापने का वो कैसा दिखता है मैं आपको बताऊं कुछ इस तरीके से दिखने वाला स्केल होता है उनके पास और इस पे वो लोग क्या करते हैं एक तरफ जैसे कि यहाँ टू के जी का और वो वजन रख देते हैं और दूसरी तरफ जैसे कि हम कुछ सब्जी ले रहे हैं फ्रूट्स ले रहे हैं तो उनको रखते हैं दूसरी तरफ तो क्या होता है वो तब तक उसमें वो फ्रूट्स या सब्जी ऐड करते जाते हैं जब तक दोनों जो हैं वो बराबर नहीं हो जाते जैसे ही दोनों साइड्स बराबर आए इसका ये मतलब होता है कि इस तरफ टू के जी का जो वजन रखा था उस तरफ जो फल रखे हैं अब दोनों बराबर हो गए यानी कि जितने भी फल या सब्जी आपने खरीदी है वो कितना वजन है उनका टू के के बराबर अगर आपको वन के चाहिए हो तो वो क्या करेंगे वो इस तरफ वन केजी का वेट रखेंगे और उस तरफ आपके फ्रूट या वेजिटेबल रखेंगे और तब तक उसमें वो ऐड करते जाएंगे जब तक वो दोनों बराबर ना आ जाएं है ना अगर ऐसा हो वेट हमारा नीचे है और जहां पे हमारे यहाँ पे जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने फ्रूट्स रखे हैं, तो फ्रूट्स वाला पढ़ना ऊपर है तो इसमें हमको ऐड करना पड़ेंगे फ्रूट्स ताकि ये वजन से थोड़ा नीचे हो जाए है ना वही अगर इसका उल्टा हो के फ्रूट्स नीचे हो रहे हैं वजन ऊपर की तरफ है तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रूट्स कम करना पड़ेगा जो भी साइड ऊपर होता है उसका मतलब होता है वो हल्का साइड है जो चीज़ भारी होगी वो तो क्या होगा नीचे की तरफ चला जाएगा है ना सो so, हमें इस तरीके से क्या होता है वेट मेजर किया जाता है तो मोस्टली ये जो है ये एक्चुअली वेट्स हैं ऑलरेडी वज़न करके रख लिए होते हैं कि ये जो इतनी चीज़ है ये दो किलो की है उसके पैरल में आप कोई और चीज डालोगे वो दोनों बराबर लेवल पे आ जाएंगे इसका मतलब दूसरी साइड भी मिला के क्या है टू के जी के बराबर ही आ रही है ये बात क्लियर हुई आपको तो यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाए गए हैं आपको ये एक्चुअली क्या है ऑलरेडी मेजर्ड वेट है एक्चुअली ये वज़न है जो वेजिटेबल वाले के पास आप जाओगे तो वो रखे होंगे इन वजन को किस चीज़ के लिए आपकी वेजिटेबल्स को मेजर करने के लिए कि उनका कितना वेट है इसी तरीके से कहीं भी और आजकल तो चलो अब इस टाइप के स्केल्स हमको मार्केट में देखने बहुत कम मिलते हैं क्योंकि अब जो है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक वेट्स आ गए हैं है ना आप सीधे उस पर मशीन पर रखते हो कोई भी चीज़ ऊपर वो डिजिटल वे में वहाँ पर लिखा आ जाता है स्क्रीन पर कि उसका वजन कितना है बट अंदर की जो प्रोसेस है वो एक तरीके से वही चल रही है वेट मेजर करने की सो आई होप आपको ये जो ग्रीन कलर की डिजाइन्स बनी है इनका मतलब समझ में आ गया अब ये बात और देख लो कि ये जो सारे वेट्स हैं इन पे कुछ अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ अलग अलग यूनिट्स लिखी हुई हैं जैसे कि ये जो सबसे पहला वेट है इस पे क्या लिखा हुआ है इस पे लिखा है वन के जी वन के जी का मतलब क्या है वन किलोग्राम यानी कि एक किलोग्राम का ये वजन है वही अगर मैं इस वेट की बात करूं तो इस पे क्या लिखा हुआ है इस पे लिखा है 500 g. जी जी फॉर ग्राम यस स्टूडेंट ये है 500 हंड्रेड ग्राम्स तीसरा ये भी 500 हंड्रेड ग्राम्स है यहां तो क्या लिखा है यहां 250 फिफ्टी जी लिखा है यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 250 सौ ग्राम्स के वजन को ये बता रहा है वही यहाँ देखो ये यह जो छोटा सा वेट है इस पर क्या लिखा है फिफ्टी जी इसका क्या मतलब होगा कि ये जो वेट है छोटा सा ये फिफ्टी ग्राम का वेट है वही यहां पे फिर से टू फिफ्टी ग्राम आया ये टू हंड्रेड ग्राम ये टू फिफ्टी ग्राम ये हंड्रेड ग्राम और ये टू हंड्रेड ग्राम क्लियर कहानी तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग वेट्स हमको दिए हैं जिसमें वन किलोग्राम है फाइव हंड्रेड ग्राम है 250 ग्राम्स है 200 ग्राम्स है 100 ग्राम्स है और 50 ग्राम्स है अब एक्चुअली हमको इनका करना क्या है क्या करना है वो देखिए चलिए यहां लिखा हुआ है आगे चूज फ्रॉम द वेट्स अबव टू मेक द टू पैनस इक्वल यानी कि ये जो वेट्स हमको दिए हुए हैं इन वेट्स में से हमको कुछ वेट क्या करना है चूज करना है सेलेक्ट करना है है ना क्यों सिलेक्ट करना है ताकि दोनों पेन बराबर हो जाएं अब कौन से पेन की बात कर रहे हैं हम ये वाले पेन की यहाँ पर ये एक मेजरिंग पेन है ठीक है इसमें एक तरफ टू के जी का वेट रखा है तो वो कह रहे हैं कि आप इस साइड वाले पेन पे कोई ऐसे वेट्स रखिए जो ताकि ये दोनों तरफ का जो है वो क्या हो जाए बराबर हो जाए तो आप यहाँ पे जो वेट्स रखोगे वो कहाँ से चूज करोगे जो आपको स्टार्टिंग में ये बहुत सारे वेट्स दिए हैं इनमें से ही आपको कुछ वेट्स को सिलेक्ट करना है ताकि क्या हो ऐसे कुछ वेट्स यहाँ से उठाओ ताकि ये दोनों साइड्स क्या हो जाए बराबर हो जाए इसका एक मतलब समझ में आया आपको कि अगर मेरे को ये दोनों साइड्स बराबर करनी है तो एक तरफ दो किलो का वेट रखा है तो इस तरफ भी मुझे ऐसे ही वेट सेट करना पड़ेंगे जिनको मिला के क्या हो जाए टू के बन जाए ये बात समझ में आ रही है अब टू के जी बनाना मुश्किल नहीं है पर मुश्किल ये है कि के टू के जी बनता कैसे है जैसे ही आपको पता चल गया कि हमको इसको कैसे बनाना है तो तो फिर आप एक नहीं बहुत सारे तरीके फाइंड आउट कर लोगे पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन के जी वन के जी और ग्राम में कुछ मैंने अभी आपको रिलेशन बताया था वो रिलेशन क्या है आप मेरे को बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। वन थाउजेंड ग्राम्स के बराबर होता है, है यानी कि एक हजार ग्राम्स हो तो उनको हम एक किलोग्राम यानी एक किलो बोलते हैं इतनी बात क्लियर है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के में कितने ग्राम्स होते हैं तो कोई दिक्कत है क्या 2 के जी मेरे को पता करना है तो 2 के मुझे कम मिलेगा जब मैं दो बार 1 के को ऐड कर दूंगी एक 1 के में एक 1 के ऐड करूंगी तो 1 प्लस वन कितना हो जाएगा 2 के हो जाएगा तो अगर एक इस 1 के में 1000 ग्राम है तो दूसरे 1 के में भी क्या होंगे 1000 ग्राम्स होंगे तो फिर वन के जी प्लस वन के जी टू के जी आया तो इनमें टोटल ग्राम्स कितने होंगे प्लस टोटल टू तो यहां हम लिखेंगे टू थाउजेंड ग्राम्स यानी कि दो हजार ग्राम्स होते हैं दो किलो के अंदर तो अगर एक साइड के पेन पर टू के जी वजन रखा हुआ है तो दूसरे साइड अगर मेरे को कुछ इधर से वजन चूज करके रखने हैं तो मेरे को कितने वजन हो जाना चाहिए ऐसे कुछ वजन रखने हैं जिनको मिला के मुझे क्या मिले टू के जी मतलब कि टू थाउजेंड ग्राम्स के बराबर टोटल वजन मिले तो अब आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट हो सब बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पर है ना तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे मैं क्या कर सकती हूं 2000 थाउजेंड ग्राम्स बना सकती हूं इन वेट्स में से तो देखो यहां पे मैं आपको बताती हूं अब हमारा मोटिव क्या है 2000 थाउजेंड ग्राम्स बनाने का 2000 थाउजेंड ग्राम्स का मतलब होता है 2 के ठीक है इतनी बात ध्यान रखो अब इनमें से कुछ मेरे को वेट्स लेने हैं जिनको मैं जोडूं तो कितना आ जाए दो किलो या फिर दो हजार ग्राम आ जाए दोनों एक ही बात है तो देखो एक बार मैं एक केजी ले लू यहाँ पे है ना अब एक केजी में और कितना प्लस करूं कि के दो केजी आ जाए एक केजी और प्लस करूं पर क्या यहाँ पे दो वेट है एक एक किलो के नहीं अगर यहाँ वन के तो अभी मैंने यहाँ पे वेट ले लिया यानी कि यहाँ से गायब हो गया है ना तो वन के जी मैंने ले लिया अब मैं इसमें कुछ और यहाँ से ऐड करना है कुछ और वेट लेना है तो मैं यहाँ ले लेती के वन के जी प्लस वन के जी टू के जी हो जाएगा यानी कि पैन के एक साइड आप टू के जी रखा हुआ है तो दूसरी तरफ आप क्या करो वन वन के जी के दो वेट रख दो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं पर यहाँ वो पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो वेट्स हमको गिवन है इन्हीं में से हमको चूज करके रखना है तो अगर इनमें से चूज करना है तो यहाँ तो वन के जी का एक ही वेट है तो दूसरा तो है ही नहीं इसका मतलब हम दो वन के जी के वेट तो ले ही नहीं पाएंगे तो फिर हम क्या करें अब वन के जी तो आ गया अब और कितना बचा टू के जी बनाने वन किलोग्राम और बचा तो हमको वन किलोग्राम इनमें से कुछ वेट्स से बनाना होगा तो देखो यहाँ पे और कौन से वेट दिए हैं देखो 500 ग्राम दिया है एक और 500 ग्राम दिया है अगर मैं इन दोनों 500 हंड्रेड ग्राम को क्या कर दू एड कर दू तो कितना मिलेगा बताइए आओ मेरे साथ एड करो सब लोग 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम जीरो प्लस जीरो जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो फाइव प्लस फाइव टेन कितना हो जाएगा ये 1000 ग्राम्स के बराबर और 1000 ग्राम्स क्या होता है 1 किलोग्राम के बराबर देखा था ना हमने 1 किलोग्राम बोलो या 1000 ग्राम बोलो बात एक ही है इसका मतलब 1000 ग्राम्स अगर मेरे पास वजन हो गया है तो वो कितना हुआ एक किलो के बराबर तो एक किलो पहले से मेरे पास था इसका मतलब अगर मैं दो 500 500 फाइव ग्राम्स के और वेट ले लूं तो मेरा जो है पूरा वेट वो कितना हो जाएगा टू के हो जाएगा यहां तक किसी को कोई भी डाउट मेरे को इन वेट्स में से कुछ वेट सिलेक्ट करने थे चूज करने थे ताकि वो मिलके क्या बनाए दो किलोग्राम बनाए क्यों दो किलोग्राम बनाए क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया था कि ये जो पेन है इस पेन को हमको बैलेंस करना है बैलेंस का मतलब बराबर और दोनों बराबर कैसे होंगे जब दोनों साइड सेम वज़न रखा होगा तो एक तरफ उन्होंने ऑलरेडी दो किलोग्राम वजन रख के दिया है हमको इसीलिए हम इस साइड कुछ ऐसे वेट्स लेना चाह रहे हैं जो मिलके क्या बनाए टू किलोग्राम वजन बना लें ये बात समझ में आई तो हमने एक तो तरीका निकाल लिया कि एक हमने वेट ले लिया कौन सा एक वेट हमने ले लिया यहाँ पर वन के जी का और दो वेट ले लिए हमने फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड ग्राम के तो फाइव हंड्रेड प्लस के जी ये हो गया तो ये वन के जी इनको मिला के वन के जी तो टोटल कितना हुआ टू के जीस के बराबर दैट मीन्स ये तो एक तरीका मुझे मिल गया जिससे मैं क्या बना सकती हूँ टू के जीस का वेट इक्वल कर सकती हूँ पर क्या सिर्फ यही एक तरीका है नहीं और भी बहुत से तरीके होंगे क्या है वो अलग अलग तरीके वो देख लेते हैं अपन जैसे कि मैंने अभी बताया आपको वन के जी और फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड के दो ये पहला तरीका ठीक है कि आप एक वन के जी का वेट ले लो और दो फाइव हंड्रेड ग्राम्स के वेट ले लो तो ये सब मिलके टू के जी बन जाएंगे और क्या तरीका है दूसरा तरीका एक वन के जी का वेट लो ठीक है अब दो 500 ग्राम के ना लेके क्या करो एक 500 ग्राम का ले लो तो ये क्या हुआ वन 500 ग्राम हो गया अब और कितना बचा? 500 ग्राम और बचा तो दूसरा वेट 500 ग्राम का ना लेके आप क्या कर सकते हो दो वेट 250 ग्राम के ले सकते हो क्यों क्योंकि यहां देखो मुझे टू के जी मतलब टू हंड्रेड ग्राम्स का वेट में बैलेंस करना है तो मैंने वन के जी ले लिया फाइव हंड्रेड ग्राम ले लिया और फाइव हंड्रेड ग्राम ले लिया ये मेरा पहला मेथड था फिर मैंने वन के जी लिया फिर फाइव हंड्रेड ग्राम लिया इतना तो सेम किया मैंने फिर इस फाइव हंड्रेड की जगह मैंने क्या किया 250 और 250 दो वेट्स 250 250 के ले लिए क्यों लिए क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं एक टू फिफ्टी ग्राम के वेट में दूसरा टू फिफ्टी ग्राम का वेट क्या कर दूं, जोड़ दू, दूं, ऐड कर दूं, तो कितना मिलेगा मुझे जीरो प्लस जीरो जीरो फाइव प्लस फाइव टेन टेन का पीछे का जीरो यहाँ लिखेंगे आगे का वन पहुंच जाएगा आगे कैरी पर फिर टू प्लस टू हो जाएगा फोर और प्लस वन करेंगे तो फाइव तो कितना मिल रहा है मुझे फाइव हंड्रेड ग्राम के बराबर तो मैंने एक छोटी सी चीटिंग भी बोल सकते हो आप पर ये एक स्मार्ट चीटिंग है बुरी वाली चीटिंग नहीं है कि मैंने पहले वन के जी फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड लिया इससे मुझे पता चल गया कि ये मिला के टू के जी हो रहा है तो मैंने फिर वन के जी ले लिया फाइव हंड्रेड ग्राम ले लिया फिर इस फाइव हंड्रेड ग्राम के बदले इस फाइव हंड्रेड ग्राम के बदले क्या किया मैंने ये देखिए एक मिनट मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या किया वन केजी तो सेम लिया 500 ग्राम भी सेम लिया फिर इस वाले 500 ग्राम के बदले मैंने क्या ले लिए दो वेट ले लिए टू फिफ्टी टू फिफ्टी ग्राम के क्योंकि टू फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी भी 500 हंड्रेड ग्राम ही होता है तो ये एक अलग तरीका बन गया जिसमें मैं टू के वेट ला सकती हूँ मेजर करके वन किलो में 500 मिलाओ तो वन के जी फाइव ग्राम और ये 500 ग्राम और 250 फिफ्टी प्लस टू तो 500 500 फिर से 1000 ग्राम यानी वन के जी और ये वन के जी तो टोटल टू के जी हो रहा है हो रहा है ना इसी तरीके से और भी तरीके हैं दूसरा तरीका देखो पहला और दूसरा तरीका ये मैंने बताया आपको अब तीसरा तरीका देखो फिर से अब मैंने क्या किया वन के तो लिया फिर से मैंने फाइव ग्राम तो लिया पर अब मैंने क्या किया अब मैंने दूसरे 500 ग्राम की जगह 250 250 ना लेके 200 200 और 100 लिया मुझे तो कैसे भी 500 बनाना है तो मैं दो वेट 200 200 के ले लूँगी तो 200 हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड ग्राम होगा और 400 हंड्रेड प्लस हंड्रेड 500 तो ये एक और नया तरीका मिल गया मेरे को कि अब मैं फिर से 1 के तो वही ले रही हूँ 500 ग्राम भी वही ले रही हूँ पहली बार 500 लिया था फिर उसको 250, 250 ले लिया तो अब क्या कर रही हूँ उसकी जगह में 200, 200 और 100 के वेट्स ले रही हूँ। <coughs> तो दो वेट मैंने 200 हंड्रेड ग्राम के ले लिया एक वेट मैंने 100 का ले लिया तो 200 हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड फोर हंड्रेड प्लस हंड्रेड फाइव हंड्रेड तो ये 500 हंड्रेड ग्राम प्लस फाइव हंड्रेड ग्राम वन थाउजेंड ग्राम जो हम बोलते हैं वन के जी और फिर ये वन के जी और तो टोटल टू के जी वजन हो गया तो ये एक तीसरा तरीका है वेट को बैलेंस करने का चौथा तरीका देखिए फोर्थ तरीका है जिसमें हमने वन के जी लिया बस सेम बाकी पूरा चेंज बाकी दो फाइव हंड्रेड ग्राम की जगह हम क्या कर रहे हैं टू फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड होता है फिर टू फिफ्टी तो कितना हो जाएगा ये फाइव हंड्रेड हो गया अब टू फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड फोर हंड्रेड फिफ्टी 50, यानी कि इस बार मैंने क्या किया वन के जी के बाद दो टू फिफ्टी टू फिफ्टी ग्राम ले लिए फिर एक टू फिफ्टी ग्राम ले लिया एक टू हंड्रेड ग्राम ले लिया एक फिफ्टी ग्राम ले लिया बस आप मन से इतना देखना पड़ेगा आपको कि वो वेट यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है ना कि ये एक 250 है ये एक दूसरा 250 है और ये एक तीसरा 250 है तो हमने तीन बार 250 लिया फिर एक और बार 250 क्यों नहीं लिया क्योंकि एक बार और 250 ग्राम है ही नहीं तीन बार ही है यहाँ पे तो फिर हमने कहा कि अब हम 200 ले लो और एक बार 50 अलग से ले लो तो 200 हंड्रेड प्लस फिफ्टी भी टू हो जाता है बस ध्यान रहे जो भी वेट्स ले रहे हो वो सब एड होके क्या बनना चाहिए 2000 ग्राम यानी कि 2 केजी के बराबर आना चाहिए आया समझ में। नेक्स्ट एक और तरीका है। फिर से 1 के जी वही का वही हमने लिया। अब बाकी का बचा हुआ 1 के जी को कैसे बांटा हमने? 200 plus 200, 400 plus 100, 500 plus 500, 1000। इस तरीके से हम एक और तरीका कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा थर्ड और फिफ्थ तरीका सेम हो गया। क्योंकि इसमें भी 1 के जी, ठीक है, 500 ग्राम अब हंड्रेड 200, 200, 100 बाद में लिया था यहाँ पहले ले लिया तो ये क्या है सेम ही है पर अब सेम हो ना हो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए इससे आंसर हमारा यही निकल के आ रहा है क्या कि हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में अलग अलग वेज फाइंड करना है जिसको मिला के टू के आए और वो जो वेट लेना है हमको वो कौन से लेना है इन गिवन वेट्स में से तो ये आपके पांच तरीके हैं अलग अलग जिसमें हम वेट को कर सकते हैं बैलेंस आगे देखिए लिखा हुआ है ड्रॉ द वेट्स इन द पेन अब हमको पेन में उनको ड्रॉ करना है तो हमको पता है वन के जी में वन थाउजेंड ग्राम होता है तो अगर एक तरफ टू के जी है तो इस तरफ मैंने एक वन के जी का वेट रख दूंगी दो फाइव हंड्रेड ग्राम के रख दूंगी तो फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड ग्राम दैट तो इज वन तो के जी और ऊपर वन के जी तो टू के हो गया इस तरीके से जो और वेट्स हमने रखे वो भी आप रख सकते हो कि एक टू हंड्रेड का फिर हंड्रेड का फिर टू हंड्रेड का फिर फिफ्टी का मिला के जी के बराबर आना चाहिए क्लियर है कहानी तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा आगे देखिए अब लिखा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ थ्री फोर्थ के जी अब थ्री फोर्थ के जी के वेट को बैलेंस करना है तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगी अगली क्लास में टिल देन अभी तक मैंने जो आपको बता दिया है इस बैलेंस द वेट टॉपिक में इसको आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करके रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है एंड जरूरी है कि आपको पता हो कि किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन होता है वन किलोग्राम का के बराबर होता है वन थाउजेंड ग्राम्स के बराबर होता है तो टू किलोग्राम में टू थाउजेंड ग्राम थ्री किलोग्राम में थ्री थाउजेंड ग्राम बस हमको बैलेंस द वेट में हमें ऐसे वेट्स लेना है जो दोनों तरफ बैलेंस क्या हो जाए सेम हो जाए अगर एक तरफ दो किलो है तो दूसरे तरफ भी इतने सारे वेट्स रखो जिनको मिला के टू के बन जाए सो so, मैं मिलूंगी अगली क्लास में टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम वहाँ आपको सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई को और आसान बना देंगे सो कीप स्टार्टिंग थैंक यू सो मच बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है बैलेंस वेट अब ये हमारा आगे के जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे इस टॉपिक के वो आज की क्लास में हम करेंगे सॉल्व पिछली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था इस टॉपिक को कि हमको एक्चुअली इसमें करना क्या है कैसे वेट्स को बैलेंस करना है वेट की यूनिट किलोग्राम और ग्राम होती है और क्या होता है उनमें रिलेशन तो हमने ये क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी पिछली क्लास में सॉल्व कर लिए थे आप ये जो क्वेश्चन बी है पेज नंबर 105 पर ही दिया है आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में तो इस ये क्वेश्चन रह गया था बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो चलिए आइए आज की क्लास में हम इसको करेंगे सॉल्व मैं बता दूँ हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ से चैप्टर का नाम है हाफ एंड क्वार्टर्स जिसमें हाफ़ का मतलब होता है कि अगर मैं किसी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो उसका हर एक पार्ट हाफ कहलाएगा वहीं क्वार्टर का मतलब होता है कि मैं किसी भी चीज को अगर फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो उसका हर एक हिस्सा कहलाएगा एक क्वार्टर के बराबर तो इसी से रिलेटेड अब हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे जहां हमने मीटर सेंटीमीटर में रिलेशन देखा लीटर मिलीलीटर में रिलेशन देखा और फाइनली अब हम किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन देख रहे हैं तो जल्दी से बता दीजिए मेरे को कौन बताएगा कि वन किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं यस yes, पता है सबको वेरी गुड वन किलोग्राम में क्या होते हैं 1000 थाउजेंड ग्राम्स होते हैं यानी कि अगर कोई 1000 थाउजेंड ग्राम चीज खरीद रहा है तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि वो 1 किलोग्राम चीज खरीद रहा है, है ना तो अगर 1000 उतना कम कम ग्राम तो उसको हम ग्राम में ही लिखा रहने देंगे पर जैसे ही कोई चीज 1000 ग्राम हुई तो उसको हम 1 किलोग्राम बोलना चालू कर सकते हैं क्योंकि वन ग्राम मिलकर ही बनाता है वन किलोग्राम इतनी बात क्लियर है तो अब पिछली क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पे एक वेइंग पैन था जिसमें एक साइड टू के जी का वेट रखा था तो दूसरे साइड हम ऐसे कौन से वेट रखें कि वो बराबर मिलकर क्या हो जाए टू के जी तो मैंने बहुत से तरीके बताए थे उनमें से एक तरीका था कि वन के जी और दो वेट फाइव फाइव हंड्रेड ग्राम के रख दो तो फाइव हंड्रेड ग्राम प्लस फाइव हंड्रेड ग्राम वन वन थाउजेंड ग्राम हो जाएगा दैट मीन वन के जी और ये वन के जी है तो टोटल टू के जी हो जाएगा तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी बैलेंस हो जाएंगी एक लाइन में आ जाएंगी पर क्या सिर्फ यही एक तरीका था नहीं और भी तरीके थे इसमें हम वन के जी के साथ एक वन के जी का वेट एक फाइव हंड्रेड ग्राम का वेट और दो वेट टू फिफ्टी ग्राम के रखेंगे तो भी ये सारे वेट मिलके टू के जी के बराबर आएंगे अगर मैं एक वेट वन के जी का रखूं एक वेट फाइव हंड्रेड ग्राम का रखूं दो वेट 200 ग्राम के रखूं और एक वेट 100 ग्राम का रखूं, तो भी ये सब मिलके 2 के जी यानी कि 2000 ग्राम बना रहे हैं ऐसे ही अगर मैं एक वेट 1 के जी का रखूं और तीन वेट 250 ग्राम के एक वेट 200 और एक वेट टू ग्राम का रखूं, तो भी ये मिलके क्या बनाएंगे 2000 थाउजेंड ग्राम यानी कि टू के ऐसे ही 1 के जी टू हंड्रेड टू और 500 हंड्रेड ग्राम ये भी मिलके क्या बनाएंगे टू के बनाएंगे कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको सिखा दिया था पिछली क्लास में ही पर यहाँ पे हमने वे किया था दोनों तरफ हम बैलेंस कर रहे थे क्योंकि एक तरफ टू के ऑलरेडी रखा हुआ था तो हम दूसरे तरफ की आ, मैं बोल सकती हूँ पॉसिबिलिटीज देख रहे थे कि कौन कौन से वेट दूसरी तरफ हम रख सकते हैं पर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो वेट मेजर करना है या बैलेंस करना है वो टू के नहीं है वो क्या है रीड करिए मेरे साथ क्वेश्चन क्वेश्चन में लिखा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ थ्री किलोग्राम वेट हमको बैलेंस करना है किलोग्राम यानी कि एक तरीके से थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ किलोग्राम एक किलोग्राम का थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ का क्या होता है मतलब क्या बोलते हैं हम उसको थ्री अपऑन फोर को थ्री क्वार्टर्स बोलते हैं वन अपॉइन फोर होता है वन क्वार्टर या सिर्फ क्वार्टर थ्री अपॉइन फोर होता है थ्री तो एक किलोग्राम का थ्री यानी थ्री फोर्थ ऑफ अ किलोग्राम अगर हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ये होता कितना है है ना तभी तो हम बता पाएंगे कि फिर हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा हमको तो अगर एक तरफ कुछ वेट रखा है और हमसे बोला गया है वो कितना है थ्री अपॉन्ट फोर किलोग्राम हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये कितने ग्राम्स के बराबर है तभी फिर कुछ अलग अलग ग्राम के वेट हम यहाँ पे रखेंगे और इतने वो हो जाए ताकि ये दोनों क्या आ जाए साइड बराबर आ जाए बैलेंस हो जाए तो इसके लिए जानना हमको ज़रूरी है कि थ्री फोर्थ किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो हमको पता है वन किलोग्राम काय के बराबर होता है वन थाउजेंड ग्राम्स के बराबर तो अगर वन के जी में वन थाउजेंड ग्राम होते हैं तो वन बाय फोर के जी में कितने ग्राम होते हैं आप बता सकते हो क्या अगर मुझे एक किलोग्राम का वन फोर्थ फाइंड करना है यानी कि क्वार्टर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं हाफ फाइंड करना होता है तो वन अपॉइंट टू फाइंड करना होता है तो हम टू से डिवाइड कर देते हैं वन पॉइंट फोर फाइंड करना होता है तो हम फोर से डिवाइड कर देते हैं तो यानी मैं थ्री फोर्थ फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड कर लूँ वन पॉइंट फोर यानी कि एक किलोग्राम का वन फोर्थ हिस्सा कितना होगा तो एक किलोग्राम में क्योंकि एक हजार ग्राम होते हैं और एक हजार ग्राम को मैं अगर चार बराबर हिस्सों में बांट दूं तो उसका मुझे एक हिस्सा पता चल जाएगा और वही एक हिस्सा वन फोर्थ कहलाएगा यही है वन फोर्थ का मतलब ही क्या है कि किसी एक चीज को आप पहले फोर इक्वल पार्ट में बांटो और उनमें से कोई एक पार्ट आप बताओ तो वही होगा उसका हिस्सा तो अब किलोग्राम का फाइंड करना है तो एक किलोग्राम में वन थाउजेंड ग्राम होते हैं तो उन्हीं को फोर हिस्सों में बांट लो यानी कि फोर पार्ट में कर लो डिवाइड यानी कि फोर से कर दो उसको डिवाइड यानी तो वन थाउजेंड को अब हम कैसे करें डिवाइड फोर से आइए डिविजन कर लेते हैं अपन अब की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि वन आ जाए फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स वन तो आ ही नहीं रहा फोर या उससे बड़े नंबर ही आ रहे हैं की टेबल में तो फिर क्या करें एक जीरो और ले, ले लेते हैं वन के साथ तो ये क्या बन गया वन और जीरो टेन बन गया अब फोर की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि टेन आ जाए और अगर टेन नहीं आ रहा तो उससे जस्ट छोटा जो भी नंबर आ रहा हो वो चलेगा पर टेन से बड़ा नंबर नहीं चाहिए तो फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व ट्वेल्व तो टेन से बड़ा हो जाएगा तो हम फोर टू टाइम्स क्या लेंगे एट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा फोर टू टाइम्स एट अब टेन माइनस एट करेंगे कितना बचेगा टू बचेगा अब ये वाला जीरो तो अभी हुआ ही नहीं है डिवाइड तो इसको नीचे लेकर आओ तो ये क्या बन गया टू जीरो ट्वेंटी फोर की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि ट्वेंटी मिले तो फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व फोर फोर टाइम्स सिक्सटीन फोर फाइव टाइम्स ट्वेंटी तो हम फोर की टेबल फाइव टाइम्स रीड करी तो हमको मिला ट्वेंटी और ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी हुआ तो कुछ नहीं बचा अब ये जीरो डिवाइड नहीं हुआ इसको नीचे लेके आए फोर की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि जीरो आए फोर वन टाइम्स फोर फोर टू टाइम्स एट यहाँ तो फोर से या फोर से बड़े नंबर आते हैं तो जीरो कैसे आएगा फोर की टेबल में पर मुझे पता है फोर जीरो टाइम्स करूँ मैं फोर मल्टीप्लाइड बाय जीरो करूँ तब जीरो मुझे मिल जाएगा क्योंकि जीरो का मल्टीप्लीकेशन आप किसी भी नंबर में करते हो तो आंसर आपको हमेशा जीरो मिलता है तो फोर जीरो टाइम्स मैंने करा तो मुझे ज़ीरो मिला और अब मेरा डिवीजन कंप्लीट हो गया अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है ना तो आंसर कितना आया 250. दैट मींस मैं 1000 ग्राम को अगर चार बराबर हिस्सों में बांटूं तो उसका हर एक हिस्सा कितने ग्राम्स का होगा 250 हंड्रेड ग्राम्स का हर एक हिस्सा होगा यानि कि वन के का वन फोर्थ पार्ट यानी वन अपॉइंट फोर के जी टू फिफ्टी ग्राम के बराबर है तो अगर वन अपॉन फोर के जी टू फिफ्टी ग्राम के बराबर है तो मुझे बताइए थ्री अपॉन फोर के जी कितने ग्राम के बराबर होगा टू फिफ्टी 250, तो, 250 ये वन फोर्थ का क्या है थ्री टाइम्स है वन फोर्थ का मतलब होता है वन क्वार्टर थ्री फोर्थ का मतलब होता है तीन क्वार्टर यानी कि चार हिस्सों में से अब मुझे तीन हिस्से चाहिए तो यहाँ पे एक हिस्सा किसके बराबर है 250 ग्राम के बराबर है तो तीन हिस्से काय के कांगे टू फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई थ्री ग्राम थ्री जीरो टाइम्स जीरो थ्री फाइव टाइम्स फिफ्टीन का फाइव यहाँ वन कैरी थ्री इंटू टू सिक्स और प्लस वन सेवन तो कितना आंसर आया ये पहले भी हम कर चुके हैं दूसरे कुछ कैलकुलेशन में 250 फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई थ्री इसको हमने 25 को तोड़ के भी किया था कि जीरो तो वैसा का वैसा आ जाएगा 25 को 5 और 20 में तोड़ लो फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 से करो 3 का मल्टीप्लाई 20 से करो दोनों आंसर्स को ऐड कर लो तो यहाँ आपको 750 फिफ्टी ग्राम्स मिलेगा फाइनल आंसर इसका मतलब है थ्री फोर्थ के में कितने ग्राम होते हैं 750 ग्राम्स होते हैं इसका मतलब है यहाँ पे जो वेट रखा है वो कितना है एक्चुअली थ्री फोर्थ के जी एक्चुअली सेवन ग्राम के बराबर इस तरफ वेट है तो अगर मुझे इस वेट को दूसरी तरफ मेजर करना है तो मुझे उस साइड कुछ ऐसी चीज़ें रखना पड़ेंगे ऐसे वेट्स रखना पड़ेंगे जिनको मिलाने के बाद मुझे क्या मिले 750 ग्राम मिले तो ऐसे बहुत तरीके हैं मैं एक वेट रख दिया 500 ग्राम का एक और वेट रख दिया मैंने 250 ग्राम का देख लो कितना हुआ जीरो प्लस जीरो 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 प्लस फाइव 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 प्लस टू सेवन कितना मिला हमको 750 ग्राम्स मिल गया इसका मतलब है कि एक 500 ग्राम का वेट रखा है एक 250 ग्राम का वेट रखा तो उससे मुझे 750 ग्राम मिल रहा है दैट मीन्स दोनों साइड क्या हो जाएंगी बैलेंस पर क्या यही एक तरीका है दोनों साइड को बैलेंस करने का नहीं आप ऐसा कर सकते हो 500 ना लेके आप उसकी जगह एक वेट 200 ग्राम का एक और वेट 200 ग्राम का और एक वेट 100 ग्राम का 200 प्लस 200 400 प्लस 1 500 टोटली क्या हो गया 500 ग्राम की जगह मैंने 200 200 और 100 ग्राम के वेट ले लिए और बाकी क्या बचा आप 250 और बचा तो सीधा वेटे टू ग्राम का ले लो ये भी सब ऐड होके कितना आएगा 750 ग्राम के बराबर तो ये भी एक तरीका हो गया अब क्या यही एक तरीका है और कोई तरीके नहीं है और भी है कोई दिक्कत नहीं है आप इसको क्या कर सकते हो 250 फिफ्टी ग्राम्स ले लो टू फिफ्टी ग्राम टू फिफ्टी ग्राम्स, 250 ग्राम्स. टू फिफ्टी ग्राम्स टोटल देखो कितना आया टू फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड फिर सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड फिफ्टी तब भी सेवन फिफ्टी ग्राम आ जाएगा हमें तो कुल मिला के क्या चाहिए 750 हंड्रेड ग्राम्स का वेट चाहिए है अब वो बाकी जितने वेट से मिलके मिले वैसे मिल जाए इसके अलावा और तरीका है क्या है 250 की जगह यहाँ 200 अलग ले लो 50 अलग ले लो 50, 50 ग्राम का भी तो वेट है हमारे पास तो भी एक और तरीका बन जाएगा तो बेसिकली आप लॉजिक समझो, समझो कंसेप्ट एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है इससे हम क्या सीख रहे हैं बाकी तरीके जो होंगे इनको सॉल्व करने के वो तो बहुत सारे होंगे आपको जो तरीका पसंद हो उस तरीके से आप इन वेट्स को क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं आंसर कैसे लिखना है तो वो देख लो पहले क्वेश्चन था इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ थ्री फोर्थ किलोग्राम यानी कि कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप ये थ्री अपॉइंट फोर के जी का वेट बैलेंस कर सकते हो तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या था सबसे पहले हमें ये फाइंड करना था कि थ्री अपॉइंट फोर के जी होता कितना है वन के जी तो हमें पता है वन थाउजेंड ग्राम होता है टू के जी पता है हमको टू थाउजेंड ग्राम होता है पर ये थ्री अपॉइंट फोर के जी कौन है तो उसको हमने फाइंड किया हमने थ्री अपॉइंट फोर के जी को काय में कन्वर्ट किया ग्राम्स में कैसे किया कन्वर्ट वो लिख लो कैसे करते हैं तो आप आंसर शुरू करोगे वीनो वन के जी इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम यानी कि हमको पता है वन के जी में कितने ग्राम्स होते हैं वन थाउजेंड ग्राम्स होते हैं आगे दस वन बाय फोर के जी इज इक्वल टू तो हम वन फोर्थ के जी का फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमको पता है वन बाय फोर के जी होता है हमारा वन क्वार्टर या सिर्फ जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं और थ्री अपॉन फोर के जी क्या होता है थ्री क्वार्टर्स यानी कि अगर मैं वन बाय फोर के जी में थ्री का मल्टीप्लाई करूं तो वो थ्री अपॉन फोर के जी बन जाता है थ्री इंटू वन थ्री अपॉन फोर that means 1/4 kg में जितने ग्राम्स होंगे उसका 3 टाइम्स कर दूंगी मैं तो मुझे 3/4 kg वाला मिल जाएगा आंसर इसीलिए मैं 1/4 kg निकाल रही हूँ बाकी निकालना तो मुझे 3/4 ही है पर वो आसान करने के लिए पहले मैंने क्या किया कि 1/4 kg कितने ग्राम के बराबर है तो 1/4 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 4 से कर देंगे डिवाइड तो 1 केजी में 1000 ग्राम है तो 1/4 केजी में 1000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 250 ग्राम होगा अब 1/4 केजी में 250 ग्राम तो 3/4 केजी में कितना तो 1/4 से 3/4 बनने में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ग्राम्स में भी क्या कर दो 3 का मल्टीप्लाई 250 ग्राम में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 750 ग्राम्स के बराबर इसका मतलब यहाँ पे जो वेट रखा है जिसको ये लोग क्या बोल रहे हैं थ्री अपॉइन फोर के बोल रहे हैं वो एक्चुअली क्या है वो एक्चुअली 750 ग्राम्स है तो अब हमको यहाँ कुछ ऐसे वेट रखना है जिनको मिला के सेवन ग्राम मिल बन जाए तो अब तो क्वेश्चन और इजी हो गया तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व तो हमें बहुत से तरीके हैं हम लिखेंगे फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन बैलेंस द वेट ऑफ थ्री फोर्थ ग्राम यहाँ दिए हुए अलग अलग तरीके ये हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं ये जो 750 ग्राम का वेट है जिसको हम थ्री अपॉइन फोर के जी बोल रहे हैं इसको हम कर सकते हैं वेट तो कर लीजिए पहला तरीका कि आप एक वेट लो 500 ग्राम का और दो वेट लो एक 200 ग्राम और एक 50 ग्राम का तो 200 हंड्रेड प्लस फिफ्टी होगा प्लस 500 750 के बराबर आएगा वहीं अगर ऐसे नहीं करना तो दूसरा तरीका तीन वेट लो 250 ग्राम के तो वो तीनों मिलके 750 ग्राम बना लेंगे ये भी नहीं करना तो तीसरा तरीका 250 250 ग्राम के दो वेट लो तो 500 हो गए फिर 200 प्लस 50 और ले लो तो ये 750 के बराबर आ गया तो ये भी एक तरीका है तो ऐसे ये तीन अलग अलग तरीके मैंने बता दिए जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे जो थ्री अपॉन फोर के का वेट है उसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं तो ये थ्री अपॉन फोर के को पहले 750 हंड्रेड फिफ्टी ग्राम में कन्वर्ट कर लेना तभी जाके ये जो क्वेश्चन है वो इजी बनेगा तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ आपको दिया हुआ है कि कैसे इसको हमको करना है सॉल्व क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन बी भी, भी हमने कर लिया सॉल्व आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है क्या इस टॉपिक में नहीं इसके बाद नया टॉपिक दिया हुआ है नए टॉपिक का नाम है वाई इज इट रॉन्ग ये टॉपिक पेज नंबर 106 पर दिया है तो इसको मैं आपकी अगली क्लास में सॉल्व करवा दूंगी उसके पहले यहाँ पे आज जो क्लास में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया जो पूरा टॉपिक बैलेंस द वेट का है आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको रिविजन कर लेना है जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे रिवाइज के लिए मैं ये नहीं कह रही कि ये सब लिख लिख के देखो नए बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बार बार कर लिया करो कि इनको ऐड करके कैसे 750 ग्राम हो रहा है कैसे अलग अलग तरीके हम निकाल रहे हैं 750 ग्राम बनाने के या 2 किलोग्राम बनाने के तो वो प्रैक्टिस ज्यादा करो है ना बाकी जैसे लिखना है रिप्रेजेंट क्या करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ तो उसको एक दो बार देखो एग्जाम के टाइम देख लेना तो तभी के तभी वो काम आपका हो जाएगा तो ये टॉपिक हमारा हो गया खत्म नेक्स्ट क्लास में वाई इज इट रॉन्ग पढ़ेंगे Then, करते रहना है एंड आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है मैन डॉट कॉम वहां आपको क्लास फोर्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर्स सब कुछ एक प्रॉपर चैप्टर वाइज सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएगा जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देगा इतना ही नहीं डेली अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ड्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन एंड मैग्नेट ड्रेन्स आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है यहां पे जहां हम एक दो चैप्टर्स फ्री में देने के बाद कंप्लीट कोर्स की आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते हैं बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स कंप्लीट कोर्स अपने सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस आपको लेकर आया है फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि अब हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए सो कीप स्टडी थैंक यू सो मच बाय। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन मैं हूं आपकी फेवरेट सैलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाई इज इट रोंग व्हाई इज इट रोंग का क्या मतलब है कि क्यों ये चीज गलत है क्या चीज गलत है यही आज की क्लास में हमको करना है फाइंड ये जो टॉपिक है ये दिया हुआ है आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 106 पर एंड मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ्स का चैप्टर का नाम है हाफ एंड क्वार्टर्स जहां हाफ का मतलब होता है कि अगर मैं किसी एक चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हूं दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती हूं तो उसका हर एक हिस्सा कहलाता है हाफ और वही अगर मैं किसी चीज को चार बराबर हिस्सों में तोड़ती हूँ तो उसका हर एक हिस्सा कहलाता है क्वार्टर। सो so, इनसे ही रिलेटेड बहुत सारे हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं हमारी पिछली क्लास की तो बताइए जरा कौन कौन बच्चे थे पिछली क्लास में उनको पता है कि वहां हमने क्या पढ़ाई की थी पिछली क्लास में मैं आपको टॉपिक समझा रही थी बैलेंस द वेट जहाँ हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हम यहाँ पर वेट एक तरफ जो भी वेट रखा होता था जी या टू के जी तो वो दूसरी तरफ कितने वेट्स हम रखें ताकि ये दोनों बराबर हो ये चीज हमने करी थी डिस्कस और थ्री फोर्थ के जी को कैसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था बहुत अच्छे से तो आई होप सब बच्चों का रिविजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा क्योंकि मैथ्स डिमांड्स रिविजन जितना ज्यादा रिविजन करोगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे किस चीज की प्रैक्टिस कन्वर्जन की प्रैक्टिस करो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इतना करो बस प्रैक्टिस वो काफी है आपकी मैथ्स में स्पीड बढ़ाने में एक्यूरेसी बढ़ाने में सो so, यहां तक हो गई कहानी हमारी खत्म तो अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक वाई इज इट रॉन्ग पढ़ते हैं Why is it wrong? Wrong मतलब होता है गलत And why is it wrong का मतलब होता है कि ये चीज क्यों गलत है तो अब क्यों गलत होगी कोई चीज आप बता सकते हो क्या तो देखिए अब क्या है स्टोरी वो तो रीड करके समझ में आएगी तो आइए मेरे साथ रीड करिए कि यहाँ लिखा क्या हुआ है यहाँ लिखा है खनन शेडेड सम पार्ट्स एज शोन खनन नाम है एक पर्सन का और उसने क्या किया है उसने कुछ पार्ट्स को शेड किया है यहाँ पे जैसे यहाँ फोटो में दिखाया गया है बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट इज रॉन्ग पर उसकी फ्रेंड जो है जिसका नाम मिनी है उसने क्या कहा कि यहाँ जो आपने पार्ट्स कलर करे हैं तो जिनको जैसे आपने उनको लिखा है वो क्या है रॉन्ग है गलत है सो so, एक्सप्लेन वाई इज इट रॉन्ग तो अब देखो खनन ने शेड किया मिनी ने पहचाना कि ये बात गलत है और काम अब हमारा बढ़ गया है हमको बताना है कि ये क्यों गलत है मिनी ऐसा क्यों कह रही है कि खनन ने जितने पार्ट शेड किए हैं उनको गलत लिखा है या फिर जो लिखा हुआ था उतना पार्ट यहाँ पे शेड नहीं हुआ यानी कि ये दोनों चीज मैच नहीं कर रही हैं, ये दोनों चीज मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे थोड़ा कुछ हिस्सा जो है वो रेड कलर से शेड है और बाकी तीन हिस्से जो हैं वो शेड नहीं है तो अगर मैं देखूं कि ये अगर एक पूरा हिस्सा है तो वन टू थ्री फोर फोर इक्वल पार्ट्स लिखे हैं उनमें से वन पार्ट जो है वो शेडेड है तो कहाँ का गलत है उसने लिखा वन अपॉन फोर तो हाँ वन टू थ्री फोर चार पार्ट हैं उनमें से एक पार्ट शेड है तो उसको तो वन अपॉन फोर लिखेंगे तो मैं तो बोल रही हूं कि खनन सही है उसने सही सही शेड किया है तो मिनी ऐसा क्यों बोल रही है कि वो गलत है समझ रहे हो आप क्योंकि मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूं कि वन अपॉइन फोर का क्या मतलब होता है कि फोर पार्ट्स नहीं फोर इक्वल पार्ट्स होने चाहिए फिर उनमें से अगर कोई एक पार्ट की बात चल रही है तब हम उसको वन बाय फोर लिखते हैं यानी कि ये जो फोर है वो क्या बोल रहा है फोर इक्वल पार्ट चार बराबर बराबर हिस्से होना चाहिए पर क्या यहाँ पे आपको फोटो में ये चारों हिस्से बराबर दिख रहे हैं क्या नहीं कैसे बराबर हैं? देखो जरा ये जो रेड वाला पोर्शन है आपका ये जो हिस्सा है ये काफ़ी ज्यादा वृत्त का है बहुत ज़्यादा चौड़ाई है इसकी और बाकी के ये जो तीन हिस्से हैं ये क्या हैं ये थोड़े पतले हैं यानी कि इनकी जो चौड़ाई है वृत्त है वो क्या है कम है तो यानी ये चारों जो हिस्से हैं ये बराबर नहीं है जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा है और सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट क्या है छोटे हैं इसका मतलब हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि का मतलब तो होता है कि वन पार्ट शेड है फोर पार्ट्स में से तो यहाँ फोर पार्ट्स में से एक पार्ट शेड है पर इसमें ये इंक्लूड रहता है कि जो चारों पार्ट होंगे वो इक्वल होना चाहिए तो यहां तो हमें चारों पार्ट इक्वल नहीं दिख रहे इसीलिए ये जो पहला हिस्सा है वो क्या होगा रॉन्ग होगा इसका मतलब खनन ने बिल्कुल गलत शेडिंग की है उसने क्या किया है मिनी जो है उसकी फ्रेंड उसने बिल्कुल सही बताया कि खनन तुमने ये जो क्वेश्चन है वो गलत कर दिया रॉन्ग कर दिया तो अब समझ में आया टॉपिक का नाम ये क्यों रखा गया है कि वाई इट इज रॉन्ग क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि खनन ने जो कुछ पार्ट शेड करे हैं मिनी बोल रही है वो रॉन्ग है तो वाई इट इज रॉन्ग क्यों है वो रॉन्ग क्यों गलत है तो फर्स्ट तो मैंने आंसर का पता लगा लिया कि चार में से एक हिस्सा शेड तो जरूर है वन बाय फोर लिखो पर वन बाय फोर लिखने के लिए एक और छोटी सी कंडीशन होती है कि जो सारे के सारे चारों पार्ट्स हैं वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए एक दूसरे के बराबर होना चाहिए पर यहां तो हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है फोटो में कि ये जो रेड कलर जिसमें शेड किया गया है, वो हिस्सा काफी बड़ा है और बाकी बाकी के तीनों हिस्से छोटे छोटे हैं। तो इसीलिए हम इसको वन अपॉन फोर नहीं लिख सकते तो फिर क्या लिख सकते हैं क्या आप मेरे को बता सकते हो नहीं लिख सकते गलत है गलती पकड़ना तो सबको मजा आता है है ना तो गलती तो हमने बड़े जल्दी से पकड़ ली कि ये गलत किया है तुमने क्यों गलत किया है हमने ये भी बता दिया पर सही क्या है ये बताइए तो आप देख सकते हो कि अगर मैं क्या करूं इसको रेड वाले हिस्से को बीच में से बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन खींच दूं तो क्या होगा अब इस रेड हिस्से के दो हिस्से हो गए तो ये एक फर्स्ट ये सेकंड, ये थर्ड ये फोर्थ और ये फिफ्थ मतलब कि अब जैसे ही मैंने रेड वाले को दो बराबर हिस्सों में तोड़ा तो मुझे अब बाकी सारे हिस्से जो हैं, वो बराबर दिख रहे हैं तो अब टोटल कितने पार्ट्स हो गए फाइव पार्ट्स हो गए और इन फाइव पार्ट्स में से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं वन और वन टू दो पार्ट्स कलर्ड हैं तो हम फिर इसको क्या लिखेंगे हम इस वाले को लिखेंगे टू अपॉन फाइव यानी कि टू पार्ट्स कलर्ड हैं टोटल फाइव पार्ट्स में से समझ आया तो गलती पकड़ना है बहुत अच्छी बात है पर सही क्या है ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है तब हमारी जो नॉलेज है वो कंप्लीट मानी जाती है तो मिनी ने गलती तो पकड़ ली थी कि खनन ने इसको गलत लिखा है पर सही क्या होगा वो हमने बता दिया कि अगर मैं इस रेड वाले हिस्से को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दूं तो अब जो है वो सारे के सारे हिस्से एक दूसरे के बराबर हो गए और जब सारे हिस्से बराबर होते हैं ऑल पार्ट्स इक्वल होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि टू पार्ट्स कलर्ड है आउट ऑफ टोटल फाइव पार्ट्स तो ये वन अपॉन फोर ना होके क्या होगा आंसर टू अपॉन फाइव होगा ये बात सबको समझ में आ गई तो अगर ये बात समझ में आ गई अगर आप सब हाँ बोल रहे हैं है ना मेरे को सुनाई पड़ गया आप लोग बोल रहे हैं बहुत से बच्चों ने बोला कि यस मैम हमको समझ में आ गया तो फिर अब मजा आने वाला है क्योंकि ये जो दूसरा वाला फोटो है वो भी कुछ ऐसी ही बात कर रहा है इस फोटो में भी जो खनन ने क्या किया है शेड किया है उसमें आंसर में नीचे लिखा हुआ है वन अपॉइंट टू तो ये गलत है मिनी कह रही है तो अब क्यों गलत है सोचो जरा और फिर सही क्या होगा ये भी बताओ जरा जल्दी से दो मिनट मिल रहे हैं जल्दी जल्दी सोचो कि एक्चुअली यहाँ पे क्या गलती कर दी खनन ने फर्स्ट फोटो में क्या गलती करी वो तो मुझे दिख गई कि भैया चार हिस्सों में उसने डिवाइड किया था तो चारों तो बराबर थे ही नहीं इसलिए मैंने रेड वाले को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया तो फिर पांच हिस्से हो गए और वो पांच हिस्से बराबर थे पर यहां पर क्या लिखा है वन अपॉइंट टू और जो नीचे लिखा होता है उतना हिस्सा हमको ऊपर कलर करना होता है तो वन अपॉइंट टू तो हमने सबसे पहले पढ़ा था वन अपॉइंट फोर के भी पहले वन अपॉइंट टू को हम क्या बोलते हैं हाफ बोलते हैं हाफ मतलब आधा यानी कि वन अपॉइंट टू हिस्सा अगर हम वन अपॉइंट टू पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल हाफ पार्ट की बात कर रहे हैं यानी कि किसी चीज को हमको दो तो बराबर हिस्सों में तोड़ना होगा फिर उसके एक हिस्से को अगर मैं कलर करती हूँ तब वो कहलाएगा कि हाफ पोर्शन मैंने कलर कर दिया तो क्या खनन ने यहाँ पे सही कलरिंग करी है बताइए जरा मेरे को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्राइंगल है एक तो पहले ही असिमेट्रिक सा बना हुआ है मतलब एकदम प्रॉपर सिमेट्री नहीं है इसमें हर हर साइड से इक्वल नहीं है ये, उसकी है। ये छोटी है साइड और ये वाली दो साइड बड़ी है, उसकी, है ना पर फिर भी इसको इन्होंने जो दो हिस्सों में डिवाइड किया वो डिविजन कैसे हुआ है ये देखिए इस लाइन से तो ये जो लाइन से डिविजन हुआ है एक हिस्सा ये आया दूसरा हिस्सा ये आया तो क्या आपको ये रेड या ब्लू वाला हिस्सा और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये दोनों बराबर दिख रहे हैं बिल्कुल नहीं तो जब एक ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड ही नहीं किया आपने और फिर भी एक हिस्सा उसका कलर्ड कर दिया तो क्या ये हाफ कहलाएगा बिल्कुल नहीं कहलाएगा हाफ कप कहलाएगा हाफ तो वो तब कहलाएगा जब आधा हिस्सा कवल कलर हो पर ये तो आधे से कम है सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ कहीं लाइन बना दो तो भी मैं सोच लूंगी कि ये इतना और बाकी का बचा हुआ हो सकता है आधा आधा हो गया हो पर ये जो उन्होंने डिवीजन किया है यहाँ से ये तो मुझे पक्का पता है कि ये जो शेडेड पार्ट है ये आधे से क्या है कम है बहुत ही छोटा हिस्सा शेड किया गया है ये आधा इस ट्राइंगल का नहीं हो सकता इसीलिए ये जो क्वेश्चन है जो खनन ने शेड किया है ये गलत शेड किया है तो इसका क्या आंसर होगा कि वन बाय टू क्यों है गलत क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये दो बराबर हिस्सों में नहीं टूटा छोटा एक छोटा हिस्सा है एक बड़ा हिस्सा है छोटा हिस्सा कलर्ड किया गया है जो हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि वो हाफ से तो बिल्कुल कम ही है ज्यादा हो ही नहीं सकता हाफ के बराबर है ही नहीं तो ये आंसर हो गया हमारा गलत अब ये बताना इसमें मुश्किल है कि ये कितना हिस्सा है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर नहीं किया गया यहाँ तो फिर भी बाकी के और डिवीजन थे पर यहां और कुछ डिवीजन नहीं किया गया हो सकता है कि यहां से हम एक और लाइन बना दें तो ये टोटल तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाए वन टू थ्री तो फिर शायद ये वन बाय थर्ड हो सकता है अगर ये तीनों हिस्से बराबर हैं तब पर अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है तो इसका सही क्या होगा ये हम एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकते पर ये क्यों गलत है ये हम बता सकते हैं क्योंकि वन अपॉइन्ट टू का मतलब होता है हाफ और हाफ तो ये कहीं से भी कलर्ड नहीं दिख रहा ये ट्राइंगल आधे से कम कलर्ड है तो हाफ गलत लिखा हुआ है क्लियर तो इस वजह से खनन ने ये जो सेकंड शेडिंग करी है ट्रायंगल में ये भी बिल्कुल गलत करी है तो मिनी ने पकड़ तो लिया था कि गलत है पर क्यों गलत है वो हमने क्लैरिफाई कर दिया अब क्लैरिफिकेशन तो मैंने कर दिया पर लिखोगे कैसे ओरल होता टेस्ट तो हो, तो बोल के बता देते पर वहां तो हमको लिख के सारे आंसर समझाने पड़ेंगे तो उस लिखना भी आना चाहिए स्टेटमेंट्स भी जमाना आना चाहिए तो आइए देख लो कि आप इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे राइटिंग में तो आप लिखेंगे आंसर यहां से शुरू करेंगे कि द टू पार्ट्स आउट ऑफ फाइव पार्ट इन द रेक्टेंगल इज कलर्ड यानी कि ये जो रेक्टेंगल दिया है इस रेक्टेंगल के अंदर दो पार्ट कलर्ड हैं एक्चुअली टोटल फाइव पार्ट में से इसीलिए ये टू पार्ट्स आउट ऑफ फाइव पार्ट लिखा है कि ये जो है जो रेड इसको आप पूरा एक पार्ट मत मानो ये एक्चुअली दो पार्ट है कलर होने के बाद हमको वो पूरा एक दिख रहा है तो दो पार्ट कलर है पांच पार्ट में से तो उसको हमें क्या लिखना चाहिए सो इट इज टू अपॉन फाइव पार्ट कलर्ड टू अपॉन फाइव टू पार्ट कलर्ड आउट ऑफ फाइव पार्ट्स इसीलिए ये गलत है और सही टू अपॉन फाइव होगा आगे लिखोगे इन द ट्राइंगल अब हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इट इज नॉट क्लियर दैट हाउ मेनी पार्ट ऑफ इट इज कलर्ड हमें नहीं बताया गया कि कितना हिस्सा इसका कलर्ड है बट इट इज क्लियर दैट लेस देन हाफ पार्ट इज कलर्ड पर देखने से हमको पता चल रहा है कि आधे से तो कम ही हिस्सा कलर है ये जितना भी कलर किया गया है जितने पार्ट में ये हाफ तो नहीं है इस ट्राइंगल का वन अपॉइंट टू हिस्सा नहीं है उससे कम ही है तो वन अपॉइंट टू रॉन्ग है यहाँ पर क्लियर हुई कहानी तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था इस तरीके से उसको हमको लिखकर एक्सप्रेस करना है आई होप ये जो टॉपिक है वाई इज इट रॉन्ग ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब इसके बाद आगे क्या दिया है वो देख लो आप नेक्स्ट दिया हुआ है प्रैक्टिस टाइम यानी कि कुछ और क्वेश्चंस आने वाले हैं जल्दी से हमको सॉल्व करने के लिए अब ये क्वेश्चंस कहाँ दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 106 पर ही दिए हुए हैं और इसमें पहला क्वेश्चन कुछ मैंगोज से रिलेटेड है फिर कुछ वो चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन है थर्टी टू चिल्ड्रन थर्ड क्वेश्चन ट्वेंटी स्टार्स वाला है और फोर्थ क्वेश्चन है पेंसिल वाला रवि मांसा पेंसिल बस तो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होगा यानी कि बस ये चार पांच क्वेश्चंस जो हमको दिए हैं आखिर में प्रैक्टिस टाइम में वो और हम सॉल्व कर लें तो हमारा ये जो चैप्टर है हाफ्स एंड क्वार्टर्स ये हो जाएगा खत्म तो अगली क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी टिल देन आपको क्या करना है अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें पढ़ा दी हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से रिविजन करते रहना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे का तो हम पढ़ते जा रहे हैं तो याद है हमको और पीछे का हम भूलते जा रहे हैं इसीलिए जैसे ही कोई भी छुट्टी मिले संडे सैटरडे में एक चैप्टर पीछे का उठा के वैसे जरूर कर लिया करो एंड आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com वहां आपको सभी क्लासेस के नोट्स वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ एक प्रॉपर चैप्टर वाइज सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड मिल जाएगा जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देगा इतना ही नहीं डेली अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं magnetbrains youtube चैनल का कम्युनिटी सेक्शन भी यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन आपको दे रहा है पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ हम ऐसा नहीं कर रहे कि पहले एक दो चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स की आपसे फीस ले ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है हम अपने सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सो कीप स्टडिंग विथ मैग्नेट ब्रेन थैंक यू सो मच बाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है प्रैक्टिस टाइम और ये टॉपिक दिया हुआ है आपके क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 1 106 पर सो so, थोड़ा खुश दिख रही हूं क्या मैं आपको यस yes, आप सोच रहे होंगे कि जो मैम है ये प्रैक्टिस टाइम वाले टॉपिक में कुछ ज्यादा ही खुश खुश दिख रही हैं तो खुशी की बात एक्चुअली ये है कि ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का यस yes, स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास फोर मैथ्स से चैप्टर का नाम है हाफ सेंड क्वार्टर्स और इस चैप्टर के ये आखिरी कुछ क्वेश्चंस टोटल चार क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस टाइम में इन क्वेश्चन को अगर हम आज की क्लास में सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ये जो चैप्टर है हाफ एंड क्वार्टर्स हो जाएगा फिनिश ये हाई फाइव So, एक और चैप्टर फिनिश इसका मतलब नया नया चैप्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे तो इसीलिए अब जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है और उनको करना है सॉल्व तभी जाकर फिर हम अगले चैप्टर शुरू कर पाएंगे तो रेडी है ना सब लोग अच्छा उसके पहले सबको ये बता दें कि सबका रिविजन तो चल रहा है ना प्रॉपरली क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा आगे का तो समझ में आता जा रहा है पर जो पीछे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो भूल जाओगे इसलिए रिवीजन करते रहना और जो बच्चे रिवीजन करके आए हैं आज की क्लास में उनको पता होगा कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे टॉपिक का नाम था वाई इज इट रॉन्ग क्यों वो गलत है यहाँ पे खनन नाम का एक पर्सन था एक बच्चा था जिसने यहाँ पे कुछ पार्ट्स को शेड किया था दो पिक्चर्स में और वो जो शेडेड पार्ट थे वो गलत लिखे हुए थे या जो लिखा हुआ था उतने पार्ट शेड नहीं किए गए थे तो उसकी फ्रेंड थी मिनी उसने पहचान लिया था कि खनन ये तो आपने गलत शेड कर दिया है आपने सॉल्यूशन गलत किया है तो अब खनन ने सॉल्यूशन क्यों गलत किया कहाँ उसने मिस्टेक कर दी और वो सॉल्यूशन सही क्या होगा ये चीज हमको बताना थी तो पिछली क्लास में यही सारे बातें हमने डिस्कस करी थी इसके आंसर्स को हमने कर लिया था डिस्कस अब ये टॉपिक हो गया था खत्म तो बिल्कुल आगे गाड़ी को बढ़ाना है हमको है ना सो so, आगे का टॉपिक हमारा प्रैक्टिस टाइम के कुछ क्वेश्चन है इनमें से वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है मैंगो के बारे में मतलब मैंगो का नाम सुनते ही मजा आ जाता है मतलब मेरे को तो याद आ जाता है पूरा वही समर सीजन कब आएगा कि मेरे को टेस्टी टेस्टी मैंगोस खाने को मिलेंगे आप भी को भी मैंगोस पसंद होंगे तो आपका भी मुझे पता है यही हाल होता होगा है ना सो <laughs> so, फिलहाल हमको मैंगोज खाने तो नहीं मिल रहे हैं पर इस क्वेश्चन के थ्रू हमें मैंगो की याद बड़ी आने वाली है अब क्या है क्वेश्चन आइए मेरे साथ रीड करिए क्वेश्चन दिया हुआ है देर आर सिक्सटी मैंगो टोटल कितने मैंगोज हैं ओ गॉड अब तो और ही दिक्कत हो गई टोटल उनके पास 60 मैंगोज हैं यानी कि साठ आम हैं इतने सारे आम तो लाइक like हेवन वाली फीलिंग आने लगेगी मेरे घर पे आ जाएं इतने सारे मैंगोज तो है ना सो so, यहाँ पर दिया गया है कि टोटल 60 मैंगोज हैं हाफ ऑफ देम आर राइप और आधे उनमें से क्या है राइपड हैं

आधे मैंगोज जो हाफ मैंगोज राइप हैं तो सिक्सटी मैंगोज का अगर मैं हाफ फाइंड कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 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 मैंगोज़ का हाफ आधा कितना होगा तो उतने ही मैंगोज राइप होंगे यही क्वेश्चन है ना तो टोटल हमें पता चल गया है कि टोटल हमारे पास सिक्सटी मैंगोज है, है ना और इन सिक्सटी मैंगोज में हाफ मैंगोज जो है वो राइप है तो हमको निकालना है कितने हैं। हैं आप कहोगे मैम दिया तो है फिर हमसे क्यों पूछा है कि कितने राइप हैं? हाफ मैंगो राइप का मतलब तो यह है कि इनमें से आधे मैंगोज जो है वो राइपड हैं। हमको नंबर बताना है कि आधे यानी कितने दस मैंगो बीस मैंगो ये हमको फाइंड करना है इसका मतलब अगर मुझे पता चल जाएगा 60 मैंगोज का हाफ कितना होगा कितने मैंगोज होंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा उतने मैंगो राइट है तो हाफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है टू से करना होता है उस चीज को डिवाइड जिसका हमको हाफ फाइंड करना है तो हम सिक्सटी को क्या करेंगे 60 को अगर मैं टू से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 60 का आधा यानी कि हाफ यानी कि वन बाई टू कितना होता है तो चलिए 60 को डिवाइड कर लेते हैं अपन 2 से आइए 2 की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि 60 आ जाए अरे मैम 2 10 टाइम्स 20 होता है 60 तो आता ही नहीं है तो फिर बारी-बारी से करते हैं 60 नहीं ला पा रहे तो पहले सिर्फ 6 लेकर आओ यानी कि 2 की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि 6 आ जाए तो 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6 वेरी गुड तो टू थ्री टाइम्स क्या होगा सिक्स होगा माइनस करेंगे सिक्स में से सिक्स गया कुछ नहीं बचा इस जीरो को लाएंगे नीचे अब टू की टेबल इतने टाइम्स पढ़ो कि जीरो आए टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स फोर टू थ्री टाइम्स सिक्स अरे जीरो तो आ ही नहीं रहा टू की टेबल में टू या उससे बड़े नंबर्स ही आ रहे हैं तो फिर अब हम क्या करें तो फिर ऐसा करो टू जीरो टाइम्स करो तो जीरो मिलेगा यानी कि किसी भी नंबर का अगर जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं आंसर जीरो ही आता है तो टू का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो टू मल्टीप्लाइड बाय जीरो भी जीरो मिलेगा फिर कुछ नहीं बचा फाइनली पूरा सॉल्यूशन हो गया यानी कि टू थर्टी टाइम्स होता है सिक्सटी के बराबर तो हमारा आंसर कितना आ गया थ्री जीरो थर्टी तो सिक्सटी का आधा किया तो कितना आया थर्टी तो सिक्सटी मैंगोस के आधे मैंगोस कितने होंगे थर्टी मैंगोज होंगे इसका क्या मतलब है हाफ मैंगोज राइप थे यानी कितने मैंगोज राइप है पूरे मैंगो आम मैंगोज क्या है राइप हो चुके हैं क्लियर कहानी तो ये आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना था हाफ फाइंड करना था सिक्सटी का वन बाय टू वन बाय टू का मतलब होता है हाफ आधा तो सिक्सटी का हाफ कैसे फाइंड करेंगे सिक्सटी को टू से कर देंगे डिवाइड किसी भी नंबर का मैं ये चीज आपको पहले भी बता सक चुकी हूँ और अब फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको किसी भी नंबर का हाफ यानी कि फाइंड करना है आधा फाइंड करना है कि इसका आधा कितना होगा तो आप उस चीज को जिसका आधा निकाल रहे हो उसको टू से डिवाइड करो तो टू से डिवाइड का मतलब ये हो जाता है कि आपने 60 को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया तो सिक्सटी मैंगोज थे थर्टी थर्टी मैंगोज के दो हिस्से हो गए तो थर्टी थर्टी सिक्सटी 30 मैंगोज राइप है बाकी 30 राइप नहीं होंगे है ना यही मतलब होगा इसका तो आंसर हमको कितना मिला 30 मैंगोज के बराबर अब समझाना तो मेरा पार्ट हो गया अब इसको लिखना कैसे है लिखना भी तो प्रॉपर्ली पड़ेगा सिर्फ डिवीजन करके आ जाओगे तो पूरे मार्क्स थोड़ी मिलेंगे ये क्वेश्चंस कहलाते हैं वर्ड प्रॉब्लम यहाँ आपको स्टेटमेंट में समझाना पड़ता है इस तरीके से लिख-लिखकर और फिर कैलकुलेशन करके भी बताना पड़ता है तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे वो देख लो सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर शुरू करेंगे अपना टोटल कितने मैंगोज दिए हुए हैं सिक्स जीरो सिक्सटी मैंगोज एंड फ्रॉम दीज हाफ आर राइप और दिया है कि इनमें से इन सिक्सटी मैंगो में से जो हाफ मैंगोज हैं यानी कि मैंगोज हैं वो क्या है राइप है देआर फोर नंबर ऑफ राइप मैंगोज तो फिर जो टोटल मैंगोज जितने राइप हैं वो कितने होंगे अगर मैं वन बाय टू फाइन कर लू सिक्सटी का यानी कि सिक्सटी को इसकी जगह आप कर सकते हो सिक्सटी अपॉन टू तो कितना आएगा सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू आएगा थर्टी मैंगोज तो हम लिख देंगे थर्टी मैंगोज आर राइप। अब क्या सिर्फ हम डायरेक्टली थर्टी मैंगोज लिखेंगे आंसर में नहीं हम साइड में सिक्सटी को टू से डिवाइड करके भी शो करेंगे कि टू थ्री टाइम्स होगा सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स कुछ नहीं बचा इस जीरो को नीचे लाए टू जीरो टाइम्स जीरो जीरो माइनस जीरो कुछ नहीं बचा तो ये इस तरीके से थर्टी हमको मिला है वो भी हम यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको अगर फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है आइए वो पढ़ते हैं रीड करिए मेरे साथ लिखा हुआ है देयर आर आर थर्टी टू चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं थर्टी टू बच्चे हैं हाफ ऑफ दर्ल्स उनमें से वन अपॉइंट टू यानी कि हाफ बच्चे कौन है इनमें से हाफ जो बच्चे हैं वो गर्ल्स हैं लड़कियां हैं हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज तो पूछा गया है तो इनमें से कितने लोग हैं जो की बॉयज हैं यानी कि लड़के हैं तो सीधी सी बात है कि अगर टोटल कितने बच्चे दिए हुए हैं हमको थर्टी टू अब अगर थर्टी टू चिल्ड्रंस हैं और इन 32 टू में से वन बाय टू चिल्ड्रन हाफ चिल्ड्रन वन बाई टू का क्या मतलब होता है हाफ तो अगर इनमें से हाफ चिल्ड्रन जो है वो क्या दिया हुआ है कि ये क्या है गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से बॉयज कितने हैं कुछ लॉजिक समझ में आया इतने ही तो बच्चे हैं अगर आधी लड़कियां हैं तो बाकी के बच्चे आधे कौन होंगे लड़के होंगे है ना तो ये बात हमें खुद से लॉजिक से समझनी पड़ेगी कि अगर थर्टी टू चिल्ड्रन है इनमें से अगर आधी लड़कियां हैं वन टू मतलब हाफ हाफ अगर गर्ल्स हैं तो बाकी का जो हाफ पार्ट होगा वो क्या होंगे बॉयज होंगे तो यानी कि मेरे को क्या करना है इसका निकाल लू कि हाफ होगा कितना थर्टी टू का हाफ जितना भी होगा यानी कि दो बराबर हिस्से ही है हाफ का मतलब तो

तो अभी हमने पिछली क्लास में देखा पिछली क्लास में नहीं सॉरी पिछले क्वेश्चन में जस्ट अभी जब हम मैंगो वाला क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व तो हमने देखा जब हमको 60 मैंगो उसका वन अपॉइंट टू निकालना था कि हाफ कितना होगा तो किसी भी चीज का हाफ निकालने के लिए हमने देखा हमको उस चीज को टू से करना है डिवाइड यानी हमें ये देखना है कि वो चीज टू की टेबल में कितनी बार आएगी वही होगा उसका आधा तो यहां पर थर्टी टू चिल्ड्रंस हैं और 32 टू चिल्ड्रंस का अगर मेरे को हाफ फाइंड करना है तो 32 को मुझे क्या करना पड़ेगा 32 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से तो मुझे 32 का हाफ पता चलेगा तो अब 2 की टेबल में 32 कितनी बार आएगा 2 टेन टाइम्स 20 हो जाता है 32 तो आता ही नहीं है फिर क्या करें तो पूरा 32 ना लेके पहले 3 लेते हैं यानी कि टू की टेबल इतनी बार रीड करो कि या तो उसमें थ्री आ जाए या थ्री से जस्ट छोटा कोई भी नंबर थ्री से बड़ा नहीं चाहिए तो टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स फोर टू टू टाइम्स अगर मैं करूंगी तो वो फोर आएगा जो कि थ्री से बड़ा है बड़ा तो नहीं चाहिए तो टू टाइम्स हम नहीं कर पाएंगे इसलिए हमको टू वन टाइम्स ही करना पड़ेगा टू जो थ्री से जस्ट छोटा है थ्री में से टू माइनस करेंगे कितना बचेगा वन बचेगा इस वाले टू को हम नीचे लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा वन और टू ट्वेल्व बन जाएगा अब टू की टेबल इतनी बार रीड करो कि ट्वेल्व मिले टू की टेबल तो सबको आती है ना आइए मेरे साथ रीड करिए टू फोर टाइम्स एट टू फाइव टाइम्स टेन टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व यस यानी कि टू होता है ट्वेल्व 12 माइनस ट्वेल्व किया कुछ नहीं बचा आप कुछ है क्या ऊपर से नीचे लाने कुछ भी नहीं है यानी डिवीजन हो गया कंप्लीट इसका मतलब जब मैंने 32 को 2 से डिवाइड किया है मतलब 32 का मैंने हाफ फाइंड किया तो कितना मिला मुझे 16 तो हाफ चिल्ड्रन जो है वो क्या है हाफ चिल्ड्रन जो है वो गर्ल्स हैं तो कितनी गर्ल्स हुई हाफ जो है थर्टी का वो होता है सिक्सटीन तो आधी गर्ल्स हैं तो यानी कि सिक्सटीन गर्ल्स हैं पर हमको गर्ल्स का नंबर फाइंड नहीं करना हमसे पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज कि कितने बच्चे, बच्चे, बच्चे हैं इनमें से लड़के हैं तो यानी कि आधी अगर लड़कियां हैं तो बाकी के बच्चे आधे कौन होंगे लड़के होंगे तो हाफ यानी कि इसका लड़कियां हाफ लड़के तो सिक्सटीन गर्ल्स हैं तो बाकी आधा और क्या होगा सिक्सटीन बॉयज होंगे देख लो मैंने 32 को दो तो बराबर हिस्सों में ही तो बांट दिया उसी को तो हाफ बोलते हैं तो 16 गर्ल्स और 16 बॉयज हैं वही मिलके टोटल 32 टू हो रहे हैं तो आंसर क्या होगा 16 आर क्लियर कहानी अब इसको लिखना कैसे है स्टेटमेंट में वो देख लो जरा ठीक अब देखिए आंसर कहां से आप शुरू करोगे आंसर आप शुरू करोगे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू थर्टी टू टोटल कितने बच्चे हैं थर्टी टू स्टूडेंट्स है हाफ ऑफ दम आर गर्ल्स ऑब्वियसली हाफ आर बॉयज दिया हुआ है कि हाफ यानी कि आधे जो है इनमें से वो कौन है गर्ल्स यानी लड़कियां हैं तो ऑब्वियसली यानी कि सीधी सी बात है कि बाकी के बच्चे आधे कौन होंगे बॉयज होंगे तो यानी कि अगर मैं थर्टी टू का हाफ फाइंड कर लू तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने गर्ल्स कितने बॉयज तो देर फोर हाफ ऑफ थर्टी टू थर्टी टू का हाफ कैसे पता चलेगा जब मैं वन बाई टू का मल्टीप्लाई करूंगी थर्टी टू में टू तो से डिवाइड करना है अब आप one upon two का multiply कर रही हो वही है. देखो थर्टी टू इंटू वन क्या हो जाएगा थर्टी टू और नीचे क्या है सिर्फ टू है तो वो वैसा का वैसा तो थर्टी टू डिवाइड बाई टू ही हो गया उसका मतलब 16, तो 16 boys और सिक्सटीन गर्ल्स है ना तो आप सीधा यहाँ भी ये भी लिख सकते हो कि हाफ ऑफ थर्टी टू क्या होगा थर्टी टू अपॉन टू किसी भी नंबर का हाफ फाइंड करना है तो उसको टू से कर दो तो, डिवाइड तो इसलिए हमने टू से डिवाइड कर दिया थर्टी टू को आंसर सिक्सटीन मिला तो हम क्या लिखेंगे हैं चिल्ड्रन आर बॉयज सोलह लोग क्या है इनमें से सोलह बच्चे जो हैं वो लड़के हैं और सोलह बच्चे जो हैं वो लड़कियां हैं क्लियर कहानी तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व इस प्रैक्टिस टाइम का आगे बढ़े इसके आगे दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन है देयर आर ट्वेंटी स्टार्स ओके स्टार्स की बात चल रही है यानी कि सितारे जिसको भी स्टार्स ओके सो यहाँ पे क्या है बीस स्टार्स हैं ट्वेंटी स्टार्स हैं क्वार्टर ऑफ देम आर रेड और इनमें से क्वार्टर जो है वो क्या है रेड है यानी कि भैया ऊपर वाले सितारों की स्टार्स की बात नहीं चल रही क्योंकि मैंने तो आज तक रेड कलर के स्टार फिलहाल नहीं देखे हैं है ना सो so, हमें जो स्टार्स दिखते हैं ऊपर स्काय में रात में तो वो तो शाइनिंग वाइट कलर सिल्वर कलर में दिखते हैं रेड कलर का स्टार तो फिलहाल तो नहीं दिखा मुझे है ना सो so, यहाँ पे कुछ और स्टार्स की बात चल रही है आर्टिफिशियल स्टार्स की तो बोल रहे हैं कि 20 स्टार्स हैं टोटल उनमें से जो क्वार्टर स्टार्स हैं वो क्या है रेड कलर के क्वार्टर का क्या मतलब होगा क्वार्टर चैप्टर का ही नाम है हाफ एंड क्वार्टर हाफ का मतलब वन अपॉन टू क्वार्टर का मतलब वन अपॉन फोर यानी कि किसी चीज को चार बराबर हिस्सों में बांटो तो उसका हर एक हिस्सा क्वार्टर कहलाएगा तो यानी अगर 20 स्टार्स हैं उनमें से अगर रेड कलर के कितने हैं क्वार्टर स्टार्स रेड हैं। यानी कि 20 को मुझे चार बराबर हिस्सों में बांटूंगी तो उनमें से जो एक हिस्सा है वो रेड कलर के स्टार्स का होगा आगे दिया है हाउ मेनी स्टार्स आर रेड कितने स्टार्स रेड है अरे अभी तो बताया उन्होंने कि क्वार्टर जो स्टार्स हैं वो रेड हैं फिर से क्यों पूछा अब वो नंबर पूछ रहे हैं कि एक स्टार दो स्टार दस स्टार बीस स्टार कितने स्टार रेड हैं अभी उन्होंने हमें सिर्फ फ्रैक्शन में बताया है कि इनमें से क्वार्टर स्टार्स जो हैं यानी कि स्टार्स हैं वो रेड हैं तो वन फोर्थ कितना होगा इन ट्वेंटी स्टार्स का वो हम फाइंड करेंगे तो हम बता देंगे कि इतने नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो रेड कलर के हैं आगे लिखा है हाउ मैनी आर नॉट रेड और ऐसे कितने स्टार्स हैं जो रेड नहीं है तो जितने भी स्टार्स रेड हैं, उनको माइनस कर दो टोटल स्टार्स में से बचे हुए स्टार्स रेड नहीं होंगे सीधी सी बात है तो हमें सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि टोटल स्टार्स कितने हैं? टोटल स्टार्स अभी हमारे पास ट्वेंटी हैं और उनमें से क्वार्टर क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ स्टार जो है वो क्या है रेड कलर के हैं तो मैं कैसे निकालूंगी रेड कलर के स्टार्स को वन फोर्थ फाइंड करूंगी मैं ट्वेंटी का अब आप वन फोर्थ ट्वेंटी का फाइंड करना है तो आप वन फाइव फोर इंटू ट्वेंटी कर सकते हो क्या मिलेगा आपको वन इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी और नीचे सिर्फ है फोर यानी ट्वेंटी अपॉन फोर ऐसे कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो वन फोर्थ फाइंड करना है किसी चीज का यानी उस चीज को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करो यानी सीधे आप ट्वेंटी अपॉन फोर लिख सकते हो बेसिकली अब हमें करना क्या है ट्वेंटी को फोर से करना है डिवाइड चलिए डिवीजन कर लेते हैं ट्वेंटी का डिवीजन होगा फोर से फोर की टेबल इतने टाइम रीड करो कि ट्वेंटी आए फोर की टेबल आती है सबको फोर वन टाइम्स फोर साथ साथ बोलो फोर टू टाइम्स एट फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व फोर फोर टाइम्स सिक्सटीन और फोर फाइव टाइम्स क्या होगा ट्वेंटी यानी कि फोर की टेबल फाइव टाइम्स रीड करने पे मुझे मिलेगा ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी कुछ भी नहीं यानी डिविजन हो गया कंप्लीट तो जब मैंने ट्वेंटी को फोर बराबर हिस्सों में बांटा ट्वेंटी को फोर से डिवाइड किया तो हर एक हिस्सा कितने का आया फाइव फाइव का यानी कि फाइव स्टार्स जो होंगे पांच स्टार्स जो हैं वो किस कलर के हैं रेड कलर के हैं ये बात समझ में आई अब सिर्फ इतने पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ट्वेंटी स्टार्स टोटल थे इनमें से जो फाइव स्टार्स हैं वो क्या हैं? रेड कलर के हैं तो इनमें से कितने स्टार्स हैं जो रेड कलर के नहीं हैं कैसे पता करेंगे 20 स्टार्स में से माइनस कर दो रेड कलर वाले स्टार यानी फाइव स्टार्स तो जो बचे हुए स्टार्स हैं वो रेड कलर के नहीं होंगे 20 में से फाइव जाएगा कितना बचेगा वन फाइव फिफ्टीन सीधे आता है तो लिख दो नहीं आता तो क्या करोगे ये जीरो का हो जाएगा टेन और ये हो जाएगा वन टू ने अपना एक वन यहाँ दे दिया तो ये वन ज़ीरो टेन हो गया और खुद एक कम हो गया टेन में से फाइव गया फाइव बचा और ये वाना अकेला ऐसा का ऐसा यानी कि जो फिफ्टीन स्टार्स हैं, आर नॉट रेड यानी पंद्रह स्टार्स जो है वो रेड कलर के नहीं होंगे ये बात समझ में आ गई आप लोगों को तो अब इसको लिखना कैसे है? वो देख लो आंसर आप शुरू करोगे टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज इक्वल टू ट्वेंटी इनमें से वन फोर्थ रेड है, Quarter दिया है. Quarter का का मतलब पता होगा. होगा तभी ये फिर किया. किया. यानी को से कितना आया फाइव स्टार्स अब यहां जो मैंने लिखा है आपको लगेगा वन अपॉन फोर इंटू ट्वेंटी ऐसा नहीं है ये क्या है ये इस तरीके से वन फोर्थ ऑफ ट्वेंटी तो ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी अपऑन फोर तो एक्चुअली ट्वेंटी अपॉन फोर है ट्वेंटी तो है? है. में से फाइव माइनस कर दो तो बचे हुए पंद्रह स्टार्स जो हैं वो रेड कलर के नहीं हैं क्लियर तो ये भी लिख देना आप सो so, ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व आगे अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा सो so, अब ये जो क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है चलिए रीड करते हैं क्या दिया हुआ है बोल रहे हैं रवि पेंसिल रवि नाम का एक प्यारा सा बच्चा होगा आपकी तरह क्लास फोर्थ का और उसको क्या चाहिए चाहिए पेंसिल है इट कॉस्ट रुपीज टू और वो पेंसिल कितने रुपए की आ रही है दो रुपए की आ रही है टू रुपीज की ही गिव्स अ वन रुपी कॉइन उसने शॉपकीपर को कितने कितने का कॉइन दिया एक कॉइन उसने दिया वन रुपीज का One half रुपी कोई, एक कॉइन दिया हाफ रुपीस का यानी कि आधे रुपए का एंड वन क्वार्टर रुपी कॉइन और एक कॉइन दिया quarter का तो is it enough? तो क्या इतना देने के बाद उसको पेंसिल मिल जाएगी कैसे पता चलेगा तो देख लेते हैं कि टोटल दो रुपए हुए कि नहीं जितने उसने दिए अगर उसने दो रुपए दे चुका है वो शॉपकीपर को तो शॉपकीपर को क्या दिक्कत है वो उसके बदले पेंसिल दे देगा तो देखो रवि ने एक कॉइन जो दिया वो वन रुपीज का था है ना वन रुपीज एक कॉइन जो दिया वो हाफ रुपीस का था हाफ रुपीस कितना होगा पता है क्या कुछ पता है हाफ रुपये मतलब कितना होता है हम पहले ये कर चुके हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन रुपीज और पैसेज में रिलेशन बताते थे याद आया कुछ यस हमें पता है वन रुपीज क्या होता है हंड्रेड पैसे के बराबर होता है सौ पैसे मिलके एक रुपए बनता है तो अगर एक रुपए यानी सौ पैसे तो आधे रुपए का क्या मतलब है सौ का आधा कर दो है ना हाफ रुपीज मतलब हंड्रेड पैसे का हाफ दैट मींस फिफ्टी पैसे हाफ रुपीज का मतलब उसने कितने दिए पचास पैसे और दिए शॉपकीपर को उसके बाद उसने दिए क्वार्टर रुपी क्वार्टर मतलब वन फोर्थ तो वन फोर्थ रुपीज उसने दिए तो वो कितने होंगे एक रुपए में अगर हंड्रेड पैसे हैं तो वन फोर्थ रुपीज में कितने पैसे होंगे one fourth find करना यानि four से कर दो किसको? हंड्रेड को यानी कि अब हंड्रेड को फोर से डिवाइड करें तो एक रुपए का वन फोर्थ पता चल जाएगा कितना होता है तो फोर से डिवाइड करोगे कितना आएगा डिविजन करके बता देती हूँ हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर फोर टू टाइम्स होगा एट टेन में से एट गया टू बचा जीरो को नीचे लाएंगे फोर फाइव टाइम्स होगा ट्वेंटी माइनस किया कुछ नहीं बचा यानी कि ट्वेंटी आंसर हंड्रेड को फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव क्या है पैसे दैट मीन्स एक रुपए मतलब सौ पैसे दिए उसने आधा रुपए मतलब फिफ्टी पैसे दिए रवि ने और वन फोर्थ क्वार्टर रुपीज मतलब 25 पैसे दिए हमसे पूछा है क्या ये इनफ है इतने पैसे देके क्या उसको पेंसिल मिल जाएगी इतने ही दिए हैं तो कैलकुलेट कर लो कितने हो गए है ना तो इसको तो अलग करो एक रुपए ये पूरा पूरा दिया है बाकी ये आधा रुपए और वन फोर्थ रुपए को जोड़ लो कितना होगा तो फिफ्टी पैसे प्लस ट्वेंटी फाइव पैसे कितने होंगे जीरो प्लस फाइव 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 प्लस टू सेवन ये होगा सेवेंटी फाइव पैसे के बराबर याने 75 पैसे जो हैं वो यहाँ पे उसने दिए हैं और वन रुपीज दिए हैं एक रुपए तो दिया ही दिया है आधा रुपए और वन फोर्थ यानी क्वार्टर रुपीज को मिला के कितने हो रहे हैं सेवेंटी फाइव पैसे तो अभी उसने एक रुपए और 75 फाइव पैसे दिए हैं पेंसिल आ रही है दो रुपए की तो ये तो दो रुपए से कम हुए है ना सेवेंटी फाइव पैसे में मेरे को कुछ पैसे और चाहिए ताकि वो हंड्रेड पैसे बन जाए तो हंड्रेड पैसे जैसे ही हो जाएगा ये तो वो एक रुपए हो जाएगा तो एक ये और एक ये टोटल दो रुपए हो जाएंगे पर अभी तो वो दो रुपए नहीं है ना इसका मतलब कि ये जो मनी है वो क्या इनफ है इनफ मतलब क्या इससे पेंसिल खरीदी जा सकती है तो नहीं अभी तो नहीं खरीदी जा सकती तो कितने और रुपए चाहिए तो देखो 75 में मैं कितना और ऐड करूं ताकि मुझे 100 पैसे बन जाएं 100 पैसे बनेंगे तो वो एक रुपए के बराबर हो जाएगा अगर मैं 75 में 5 पैसे और जोड़ती हूं तो 75 फाइव प्लस फाइव कितना होगा 80. 75 फाइव प्लस फाइव एट्टी एट्टी में 20 पैसे और जोड़ दू 80 प्लस ट्वेंटी कितना हो जाएगा 100. यानी कि 75 में मैं 20 और 5 यानी 25 पैसे अगर और जोड़ दूं तो वो 100 पैसे बन जाएंगे इसका मतलब कि रवि को अभी 25 पैसे और देना है 25 पैसे मतलब क्वार्टर मनी और देनी है तब जाके वो पेंसिल खरीद पाएगा अब देखो इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज रुपीज टू एक पेंसिल दो रुपए की है मनी गिवन बाय रवि रवि ने कितने रुपए दिए एक रुपए फिर 0.50 का मतलब 50 पैसे 0.25 पॉइंट ये सब क्या रुपीज में है जीरो पॉइंट पैसे, 0.25 रुपीज मतलब 25 पैसे आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो कि रुपीज वन प्लस ट्वेंटी पैसे प्लस फिफ्टी पैसे तो रुपीज वन प्लस सेवेंटी पैसे अब पेंसिल तो दो रुपए की आ रही है तो उसको कितना और पैसा चाहिए तो हम क्या करेंगे दो रुपए में से एक रुपए सेवेंटी फाइव पैसे को माइनस कर देंगे दो रुपए में से एक रुपए गया कितना बचा एक रुपए एक रुपए में से सेवेंटी फाइव पैसे और माइनस करो तो एक रुपए में होते हैं हंड्रेड पैसे हंड्रेड पैसे में से सेवेंटी फ़ाइव पैसे माइनस करोगे तो बचेगा ट्वेंटी फाइव पैसे यानी कि ट्वेंटी फ़ाइव पैसा या फिर जीरो पॉइंट टू फाइव रुपीज़ उसको और चाहिए रवि को तब जाके वो पेंसिल खरीद पाएगा तो लिखना रवि डिड नॉट गिव इनफ मनी टू बाय द पेंसिल रवि ने इतने पैसे नहीं दिए हैं कि वो पेंसिल खरीद सके So, यानी कि 25 पैसे और चाहिए उसको पेंसिल खरीदने के लिए क्लियर हो गया सॉल्यूशन तो इसी तरीके से आपको क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना है कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और इसी के साथ सारे प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन हो गए खत्म और हमारा ये जो चैप्टर है हाफ सेंड क्वार्टर्स ये भी हो गया है खत्म यस ये लोग जो पांडाज इतना मस्ती कर रहे हैं इसी तरीके से थोड़ी सी मस्ती आप भी कर लीजिए क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवाऊंगी जिसका नाम है प्ले विथ पैटर्न तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ टिल देन कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच बाय